दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्रैश कोर्स के इस वीडियो को शुरू करने के पहले तीन सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी टिक टिक करते होंगे तो उनके जवाब मैं पहले देना चाहूंगा परेशान अन्ना जी शुरू हो जाइए और अन्ना सती जी मेरा पहला सवाल ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्रैश कोर्स हमको क्यों सीखना चाहिए सही पकड़े अन्ना जी जी हाँ दोस्तों ये सवाल आपका भी हो सकता है कि भाई ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्रैश कोर्स हमें क्यों सीखना चाहिए तो दोस्तों अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको कॉलेज में प्रेजेंटेशन बनाने होते हैं तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जो कि इस कोर्स में आपको बेसिक से सीखने मिलेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन एनिमेशन के साथ आप कैसे बना सकते हैं राइट साथ ही में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो इन फ्यूचर तो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए पहले अपना रिज्यूमे यानी कि सी वी प्रॉपरली क्रिएट होना चाहिए तो वो सी वी कैसे बनाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ या फिर अगर आप एक शॉप ओनर हो आपको बिल्स बनाने हैं एक्सेल के अंदर या एक्सपेंसिस का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो इन चीज़ों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है एक्सेल है पावर पॉइंट इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है दोस्तों तो इसलिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये क्रैश कोर्स सीखना चाहिए और साथ ही में अगर आप कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और कंप्यूटर में क्या सीखना है तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कंप्यूटर में आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैलकुलेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी यहाँ पे ही है प्रेजेंटेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही कवर होता है तो आपको अगर कंप्यूटर का कुछ भी नॉलेज नहीं तो आप यहाँ से शुरुआत कीजिए जिससे आप कंप्यूटर को जान जाओगे कि भाई कंप्यूटर में लेटर्स कैसे बनाते हैं कंप्यूटर में डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाते हैं कंप्यूटर में कैलकुलशन कैसे करते हैं कंप्यूटर में प्रेजेंटेश कैसे बनाते हैं ये सारी चीजें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्रैश कोर्स में सीखने मिलेगी ये तो मैं बस ट्रेलर बता रहा हूं लेकिन आपको ढेर सारी चीजें क्रैश कोर्स में सीखने मिलने वाली है फिलहाल तो ये सवाल नंबर वन का जवाब था अब बढ़ते सवाल नंबर टू की तरफ अन्ना जी बताइए सती जी ये कोर्स हमको क्यों सीखना है? यह तो हमको पता चला लेकिन इसमें तुम हमको क्या क्या पढ़ाएगी मेरा मतलब है पढ़ाएगा ओके okay, तो इसमें आपको कौन से एप्लीकेशन सीखने मिलेंगे इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने मिलेगा जो कि डॉक्यूमेंटेशन का एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें डॉक्यूमेंट प्रॉपरली कैसे बनाते हैं प्रिंट कैसे करते हैं वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी दूसरा आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने मिलेगा जहां पर कैलकुलेशन किया जाता है जी हाँ नंबर ऑफ डेटा के ऊपर हम इजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं रिपोर्ट बना सकते हैं ढेर सारी चीजें कर सकते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंक्लूड रहेगा तीसरा सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंक्लूड रहेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसमें मैं कवर करूंगा प्रेजेंटेशन कैसे बना ते है एट्रेक्टिव वे से उसके बाद यहां होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूजफुल सॉफ्टवेयर बहुत सारे लोगों को तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पता ही नहीं क्या होता है यहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी इंक्लूड मैंने किया है। और साथ ही में यहां पे आउटलुक भी इंक्लूड किया है आउटलुक जो कि मेलिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है कॉरपोरेट में तो अगर आगे चलकर आप कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो भाई आउटलुक की आइडिया अभी से ले लो आउटलुक आपको पता होना चाहिए कैसे इस्तेमाल करते हैं तो ये पांच सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज यहाँ पे इस कोर्स में मिलने वाला है तो सवाल नंबर दो का जवाब मिल गया हो तो सवाल नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं अन्ना जी कुछ बाकी है बताइए और सती जी हम तुमको ज्यादा तंग नहीं करेगा एक आखिरी सवाल पूछेगा जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए भी और इनके लिए भी ये लोग पूछना चाहते हैं कि इसमें जो सर्टिफिकेट तुम हमको देगा वो सर्टिफिकेट कैसे हम लेगा मतलब कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट और ये सर्टिफिकेट कंपनी में वैलिड तो रहेगा ना मतलब मैं किधर जॉब पे दिखाएगा तो ये काम तो करेगा ना हम्म hmm, अन्ना जी जानना चाहते कि भाई कोर्स का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा और सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा क्या जी हाँ दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है देखिए कोर्स का सर्टिफिकेट मैं आपको डायरेक्टली तो देने वाला नहीं आपको थोड़ी सी मेहनत तो लेनी पड़ेगी अब मेहनत क्या लेनी पड़ेगी इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और वो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा इस वीडियो के अंदर ही छिपा रहेगा बेसिकली अगर मैं डायरेक्टली सर्टिफिकेट की लिंक दे दूंगा आपको तो भैया सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं जब तक आपके पास स्किल नहीं पहले मैं बता देता हूँ देखिए सर्टिफिकेट वैलिड है अपना आई सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है क्योंकि मेरी कंपनी आई ओसो रजिस्टर है तो आपको आई सर्टिफाइड सर्टिफिकेट वहाँ पर मिलेगा लेकिन इस सर्टिफिकेट को आपको लेने के लिए पहले कुछ स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ेंगे मुझे आपका नॉलेज चेक करना पड़ेगा कि भाई आप क्वालिफाइड हो कि नहीं इस सर्टिफिकेट के लिए तो मैं ऐसे कैसे सर्टिफिकेट आपको दूँ तो यहाँ पर सर्टिफिकेट के लिए एक टेस्ट जरूर होगी लेकिन उस टेस्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जाएंगे ना इस वीडियो में से ही रहेंगे तो वीडियो में जो मैं पढ़ाऊंगा बेसिकली जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूं आपको पहले देखना पड़ेगा जो वीडियो देखेगा उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा सीधी बात है सर्टिफिकेट डायरेक्टली सबके लिए इशू नहीं करना है मुझे बस उन्हें सर्टिफिकेट देना है जो डिजर्व करते हैं मतलब जो इस कोर्स को सीख लेते हैं तो सीखते समय तो आपको इन सवालों के जवाब पता चलेंगे तो जब सवालों के जवाब तो आप आ जाएंगे तो आप फाइनल एग्जाम दे सकते हैं और फाइनल एग्जाम देने के बाद अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं तो फाइनल एग्जाम कैसे देना है सर्टिफिकेट कैसे लेना है ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो के दौरान ही बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा अरे बताओ ना क्या बताऊंगा ना तो मुझे पता चलेगा कि भाई हाँ आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो मैं जैसे पहला पार्ट कवर होगा तो थोड़ा सा स्टेप बताऊंगा कि वह सर्टिफिकेट पहली स्टेप क्या करनी है दूसरी स्टेप क्या करनी है तीसरी क्या करनी है तो ये प्रोसीजर रहेगी तो पहले मैं क्लियर कट हूँ कि भाई ये सर्टिफिकेट आपके लिए प्राइवेट कंपनीज में वैलिड हो जाएगा और ये आयोसो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है पहली चीज तो और ये ऐसे ही मैं बांट नहीं रहा हूं इसके लिए आपको प्रॉपरली वीडियो देखना पड़ेगा वीडियो जो कंप्लीट कर पाएगा उन्हीं को यह सर्टिफिकेट मिलेगा राइट अब इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल और कोर्स को शुरू करेंगे है. तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं प्रैक्टिस फाइल भी कैसे आपको मिलेगी हर कोर्स में ही एंडिंग होगा कोर्स का तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस फाइल आपको कैसे मिलेगी इसकी तो प्रैक्टिस फाइल भी मिलेगी इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और ये प्रैक्टिकल चीजें ये हार्ड स्किल है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लैपटॉप लेके आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्रैश कोर्स में जितनी भी शॉर्टकट कीज मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ उन सभी शॉर्टकट कीज का पी भी ई e बुक आपको फ्री में मिलने वाला है तो शॉर्टकट कीज का ई बुक यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा प्रैक्टिस फाइल यहाँ पे आपको मिलने वाली है और साथ ही मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत ली मैंने और मेरी टीम ने बहुत मेहनत ली है तो इस वीडियो को मैं हक से लाइक मांगूंगा क्योंकि लाइक करना आगे आप भूल जाते हो तो इसको हम फाइव लाइक्स का टारगेट रख देते तो 5000 लाइक्स आप कंप्लीट कीजिए साथ ही में शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई आपने ये कोर्स कंप्लीट किया कि नहीं किया और साथ में अपने सर्टिफिकेट लिया कि नहीं लिया जब आप सर्टिफिकेट लोगे तो यहाँ पे आके कमेंट करो वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों हमारी मेहनत के लिए थोड़ा सा ये है और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना चैनल पर नए मेहमानों ऐसे ही ट्यूटोरियल सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं फिलहाल तो अभी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं मैं सतीश कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये बड़ा क्रैश कोर्स लेट्स बिगिन तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक क्रैश कोर्स होने वाला है बिगिनर्स से यहाँ पे मैं शुरुआत करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं लेटर्स बनाते हैं अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बनाते हैं तो हम शुरुआत से सीखेंगे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने कंप्यूटर में स्टार्ट कैसे करते हैं उसमें जो अलग अलग ऑप्शनस आते हैं टैप किसे कहते हैं बेसिकली पेज कैसे आता है पेज प्रिंट कैसे होता है सारी चीज़ें डिटेल में देख लेते हैं आइए स्क्रीन पर बढ़ते हैं तो दोस्तों हमें सीखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे कंप्यूटर में हम स्टार्ट कैसे करेंगे आइए देखते हैं यहाँ पे मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और मेरे सिस्टम में यानी मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल है तो इसका जो स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है ना ये यह यहाँ पर बीच में दिखाई दे रहा है ये स्टार्ट आप क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे राइट अगर आपके पास विंडोज़ टेन है या विंडोज़ सेवन है तो यही जो आपको लोगों दिखाई दे रहा है ये आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा आप कीबोर्ड की के ऊपर विंडो की प्रेस करके भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर दिखाई दे रहा है पिन प्रोग्राम इसमें से मैं वर्ड स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ ये देखिए वर्ड अब मेरे सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 है मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2021 पैकेज इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे वर्ड 2021 है आपके केस में ये 2016 हो सकता है 2013 हो सकता है या फिर 2010 हो सकता है कोई भी वर्जन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ नए वर्जन में कुछ नए ऑप्शंस ऐड होते हैं लेकिन कोई भी वर्जन हो जो मैं तरीके बता रहा हूँ वो तरीकों से अगर आप सीखोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिंपल लगने लग जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ढेर सारी चीज़ें आप बना पाएंगे तो आपके पास कौन सा वर्जन है कोई मैटर नहीं करता है तो आप इसे स्टार्ट कीजिए यहाँ पर क्लिक करके आप इसे स्टार्ट कीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने शुरू हो चुका है अब जैसे ही आप इसे स्टार्ट करते हो यहाँ पे आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है इसे वेलकम स्क्रीन कहते हैं अब वेलकम स्क्रीन पुराने वर्जन में नहीं आती डायरेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है टू और टेन में डायरेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैं हमेशा कंपेरिजन करते रहूँगा कि भाई पुराने वर्जन में क्या आ रहा है और नए वर्जन में क्या नया है राइट डोंट वरी तो आप यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे आप आ जाओगे डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस में लेकिन उससे पहले इस वेलकम स्क्रीन में क्या क्या है देख लेते हैं यहाँ पे होम टैब है नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए न्यू ऑप्शन दिया है एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन दिया है यानी कि पहले से आपने कोई लेटर हेड बनाया कोई भी रिज्यूमे बनाया तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं या फिर आप रिसेंट यूज फाइल में से भी उन फाइल को ओपन कर सकते जो रिसेंटली आपने यूज़ की वो फाइल यहाँ पर दिखाई देती तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो फाइल्स रिसेंटली यूज की उनका नाम यहां पे आ रहा है तो सबसे पहले तो मैं से, ये मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा हाँ यहाँ कि भाई आपको डायरेक्ट तो आप ले लो लेकिन हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पहले लेंगे तो अब हम आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस में राइट यहाँ पे स्क्रीन को समझ लेते माइक्रोसॉफ्ट के इंटरफेस को पहले जान लेते अच्छे से सबसे ऊपर इसे टाइटल बार कहते हैं सबसे ऊपर में आ रहा है टाइटल बार में आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितनी भी फाइल बनाते हैं उसे डॉक्यूमेंट हम कहते हैं याद रखिए है और इसका एक्सटेंशन रहता है डॉट डी ओ सी एक्स एक्सटेंशन क्या होता है ये सेव के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा फिलहाल ये टाइटल बार में यहाँ पे उसका नाम दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट और यहाँ पे इस फाइल को हमने अभी तक सेव नहीं किया इसलिए इसका डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट ही रहता है और उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको जो टूल्स दिखाई दे रहे इनको क्विक एक्सेस टूल्स या टूल बोला जाता है ऑटो सेव ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन है उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है यहाँ पे अंडू रिडू का ऑप्शन है तो ये है क्विक एक्सेस टूल बार क्विकली एक्सेस करने के लिए ये टूल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं और राइट साइड में टाइटल बार के राइट साइड में यहाँ पे आपको दिखाई देता है क्लोज मैक्सिमाइज रिस्टोर और ये मिनिमाइज मिनिमाइज़ यानी कि यहाँ पे मिनिमाइज़ करेंगे तो ये पूरा मिनिमाइज हो जाएगा और यहाँ पर आप टास्क बार पर क्लिक करते हो तो ये दोबारा ओपन हो जाता है राइट मतलब क्लोज नहीं होता है क्लोज से डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पे ये टाइटल बार होता है अब हमने टाइटल बार जान लिया अब यहाँ पे आपको फाइल होम इंसर्ट डिजाइन लेआउट ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली है टैब्स राइट इन्हें टैब्स बोला जाता है याद रखिए अब जब मैंने होम टैब पे क्लिक रखा ये देखिए यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है ये होम टैब पे क्लिक है उसके नीचे ब्लू लाइन आ रहा है जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे के ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं तो इन्हें रिबन कहा जाता है ये रिबन है होम टैब के रिबन में ये ऑप्शन है इंसर्ट टैब के रिबन में कुछ और ऑप्शन है डिज़ाइन में कुछ और ऑप्शन है राइट right? यहाँ पे लेआउट में देखेंगे तो पेज साइज रिलेटेड ऑप्शन आपको मिल जाएंगे तो यहाँ पे मैंने होम पे क्लिक कर दिया अब होम टैब में जब मैं आता हूँ जरा इसे थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं तो इस रिबन के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक नाम है क्लिप यहाँ पे एक फॉन्ट यहाँ पे एक नाम नामिक पैराग्राफ तो इन्हें एक ग्रुप कहा जाता है यहाँ पे स्टाइल ग्रुप है यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप है आगे ये दिखाई दे रहा है तो इन ग्रुप के अंदर क्या होता है अलग अलग ऑप्शन जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट ग्रुप में आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ को आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा राइट तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन आपको इंसर्ट में भी मिलेंगे इंसर्ट में पेजेस ग्रुप है एलिस्ट्रेशन ग्रुप है एडिंस ग्रुप है तो अगर किसी ने आपको कहा कि भाई मुझे यहाँ पे वर्ड आर्ट इंसर्ट करके दो और उसने स्टेप्स भी बताए कि वर्ड आर्ट अवेलेबल है आपके टेक्स्ट ग्रुप में इंसर्ट टैब में तो आप इनसेट टैब में पहले जाओगे और यहाँ पे टेक्स्ट रुप ढूंढोगे ये रहा टेक्स्ट रुप दिखाई दे रहा है और यहाँ पे वर्ड आर्ट आपको मिल जाएगा राइट इस तरह से तो यहाँ पे ग्रुप वाइज आपको याद रखना कि भाई इस ग्रुप सेक्शन में इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है चलो ठीक है ये रिबन होता है और ये टैब होते हैं ये समझ में आपको यहाँ पे और ये फाइल मेनू है बेसिकली मेनू है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं आगे चलकर देखेंगे उसके बाद यहाँ पे आती है स्केल जो कि आपको हेल्प करती है अलाइनमेंट या फिर बहुत सारी चीज़ें करने में जैसे आप लेटर हेड बना रहे हो तो उसको प्रॉपर अलाइन करने के लिए हेल्प यहाँ पे स्केल का होता है प्रॉपर टैप सेटिंग करने के लिए भी स्केल का यूज़ होता है तो यहाँ पे स्केल हॉरिजेंटल भी है वर्टिकल भी है राइट right? अब यहाँ पे जो ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे ना इसे हम करसर कहते हैं याद रखिए दिस ब्लिंकिंग लाइन नोन एज कर्सर ये हमारे टाइपिंग का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है भाई यहाँ से हमारा टाइपिंग आगे जाने वाला राइट ये कर्सर होता है और कर्सर के साथ साथ ये ये जो माउस पॉइंटर आ रहा है ना जैसे मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ अभी ये माउस पॉइंटर खाली दिखाता हूँ ये आय करके लिख के आ रहा है राइट ये आय जो दिख रहा है आपको ये बढ़ा भी कर रहा हूँ इसे इंसर्शन पॉइंटर कहते हैं ये जो माउस पॉइंटर है उसे इंसर्शन पॉइंटर कहते हैं जब आप माउस पॉइंटर ऊपर लेते हो तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है माउस पॉइंटर आ रहा है पूरा पूरा नीचे लेते हो तो आया आता है इंसर्शन पॉइंट ओके उसके बाद नीचे आते हैं पेज में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है पेज वन ऑफ वन आपके पास कितने पेजेस हैं टोटल पेजेस वन ही है और वन ऑफ वन ही बता रहा है ज़्यादा पेजेस हम इंसर्ट करेंगे तब पता चलेगा वर्ड कितने टाइप किए मैंने एक ही वर्ड टाइप किया है यहाँ पे अभी फिलहाल ओके तो ये है स्टेटस ऑफ योर पेज स्टेटस बार है इसे स्टेटस बार कहते हैं कि भाई इस पेज का स्टेटस बताएगा साथ में पेज का जूमिंग लेवल कितना है अगर आप यहाँ पर राइट बॉटम कॉर्नर में आओगे और देखोगे पेज का जूमिंग लेवल है वन परसेंटेज अब मैं इस जूमिंग लेवल को कम कर रहा हूँ ज़रा ध्यान दीजिए मैंने कर दिया इस जूमिंग लेवल को कम और इसको रख दिया है टेन परसेंटेज कितना जूमिंग लेवल रखा है मैंने यहाँ पे टेन परसेंटेज मिनिमम जूमिंग लेवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेन परसेंटेज होता है और मैक्सिमम जूमिंग लेवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होता है फाइव हंड्रेड परसेंटेज याद रखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये चीज़ें मैं फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन में ऐड करने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको याद रखना है मैंने सपोज वहाँ पे पूछा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिनिमम जूमिंग लेवल कितना है तो उसका जवाब आप दे सकते हैं अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो सो गॉट इट चलो ठीक है आपको ये आइडिया आ चुका है मिनिमम मैक्सिमम जूमिंग लेवल और मैं जूमिंग बढ़ा सकता हूँ की के जरिए और माउस के जरिए भी कीबोर्ड के जरिए मतलब कीबोर्ड का कंट्रोल बटन मुझे प्रेस करके रखना है और माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है ना बीच का बटन लेफ्ट और राइट दो माउस के बटन होते हैं आपको पता ही रहेगा ये बेसिक जानकारी देने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी इसके ऊपर कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर ढेर सारी वीडियो मैंने बनाया है राइट सो तो यू नो दैट कि भाई अगर आपने वो वीडियोज़ देखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई लेफ्ट राइट माउस स्क्रोल बार क्या होता है राइट फिलहाल तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखो की का और जो स्क्रोल बार होता है वो आगे की तरफ घुमाओ जूम इन होते जाएगा आगे की तरफ राइट right? और अपनी तरफ घुमाओगे तो ज़ूम आउट होते जाएगा तो आप ऐसे कीबोर्ड की मदद से भी जूम जुम इन आउट कर सकते हैं बस स्क्रोल बार आगे पीछे घुमाना है आपको राइट right? सो so पहले तो आपको यह पता चला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस हमने जान लिया है तो अब हम थोड़ा सा इसके पेज साइज़ के बारे में जान लेते हैं क्योंकि जब भी हमें इसके अंदर कुछ भी बनाना है तो हमें पेज के बारे में पता होना चाहिए तो इसके पेज साइज़ पेज मार्जिनस के बारे में हम जानते हैं तो अभी हम पेज सेटिंग सबसे पहले सीख लेते हैं उसके बाद हम इसके अंदर कंटेंट टाइप करना फॉर्मेटिंग करना या अलग अलग चीज़ें देख लेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर पहले कुछ भी कंटेंट टाइप करता हूँ पेज साइज़ में आपको दिखाने के लिए तो कंटेंट यहाँ पर लेना है मुझे बेसिकली तो मैं एक आ, कोई भी प्रैक्टिस के लिए कंटेंट लेना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से लिखूंगा रैंड ओपन ब्रैकेट और क्लोज़ ब्रैकेट अगर मैं इतना ही लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ पे रैंडमली कोई भी पांच पैराग्राफ यहाँ पे दिखाई देंगे आपको रैंडमली पांच पैराग्राफ दिखाई दे रहे राइट तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसे डिलीट करता हूँ और दोबारा ये देखिए डिलीट कैसे किया मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा पहले वो बता देता हूँ इसे मैंने सिलेक्ट किया ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्लिक एंड ड्रैग माउस का लेफ्ट बटन यहां पे क्लिक करना है उसके बाद ड्रैग करना है ऊपर की तरफ या फिर यहां पे कर्सर रखिए पहले क्लिक कीजिए कर्सर से और लेफ्ट बटन यहाँ पे क्लिक करके रखना है दबा के रखना है लेफ्ट बटन और खींचना है नीचे की तरफ तो इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाएगा या कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल ए बटन दबा दो कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल बहुत सारी शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ याद रखिए इनको और मैं सभी शॉर्टकट कीज आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा लेकिन कंट्रोल ए बटन पहले प्रेस करो और डिलीट बटन प्रेस करती है छू मंतर हो जाता है टू I से mean डिलीट हो जाता है अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं रैंड ओपन ब्रैकेट लिखने के बाद मुझे थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ चाहिए तो रैंड ओपन ब्रैकेट मैं जूम करता हूँ ओहो ज़्यादा जूम करूंगा तो मोबाइल से बाहर आ जाएगा इतना जूम नहीं करूंगा राइट मोबाइल में अगर वीडियो देख रहे हो आप तो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज फिफ्टी कोमा फिफ्टी टू फिफ्टी नहीं फिफ्टी कोमा फिफ्टी तो इतना मैंने लिख दिया यहाँ पे रैंड ब्रैकेट ओपन और फिर फिफ्टी कोमा फिफ्टी लिखा और ब्रैकेट क्लोज राइट अब याद रखिए जब आप ब्रैकेट क्लोज़ ब्रैकेट ओपन ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ करना चाहते हो तो उन्हें आप शिफ्ट बटन प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट बटन प्रेस करके आप ओपन ब्रैकेट देंगे या क्लोज ब्रैकेट देंगे तो आएगा अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो वहाँ पे नाइन जीरो आ जाएगा बराबर तो वहाँ पे क्योंकि वो अल्फा मरी कीज़ होती है अब मैंने इन्हें टाइप किया और जैसे मैं फिफ्टी को हूँ फिफ्टी करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितने पेजेस आ गए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितने पेजेस आ गए टोटल फिफ्टी पेजेस आ गए क्या बात है मुझे ज़्यादा पेजेस चाहिए थे मैंने ले लिए प्रैक्टिस के लिए फिफ्टी पेजेस आ गए और हम लोग अभी है पेज नंबर फिफ्टी पे फिलहाल राइट यहाँ पे आपको फिफ्टी पे बेसिकली फिफ्टी वन पे है हम लोग अगर मैं कर्सर ऊपर रखता हूँ हम लोग कौन से पेज पे यहाँ पे वो बताएगा यहाँ पे डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा इसे कभी कभी अपडेट होने के लिए टाइम लगता है ये देखिए फिफ्टी पेज पे हम टोटल फिफ्टी वन पेज है तो फिलहाल यहाँ पे राइट साइड में स्क्रोल बार दिखाई दे रहा है जिसकी मदद से राइट साइड में मैंने माउस को हाईलाइटर ऑलरेडी रखा है राइट साइड में स्क्रोल बार दिखाई दे रहा है उससे मैं जूम ऐसा ऊपर लेके जा रहा हूँ और ये एक नंबर पेज पर कर्सर रख रहा हूँ तो अब मैंने इतना सारे पैराग्राफ इसलिए इंसर्ट किया क्योंकि मुझे पेज का सेटिंग्स बताना है पेज के बारे में आपको बताना है तो वो है लेआउट टैब सबसे पहले लेआउट टैब में हम जाएंगे दिखाई दे रहा है लेआउट टैब में ये जो पेजेस आ रहे हैं फिफ्टी आ रहे इसकी साइज़ कौन सी टोटल फिफ्टी पेजेस की तो यहाँ पर लेआउट टैब में सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे साइज दिखाई दे रहा है जिस पर मैं क्लिक करूंगा और साइज पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये लेटर साइज सेलेक्टेड है अब लेटर तो हम यूज़ नहीं करते लेटर में 8.5 पॉइंट फाइव बाई इलेवन इंच साइज़ रहता है लेटर का देखिए तो यहाँ पे हम ज़्यादातर ए फोर साइज़ आजकल कर यूज़ करते हैं ऑफिसिस में तो मुझे ए थ्री चाहिए ए फाइव चाहिए या ए फोर चाहिए ऊपर देखिए ए फोर भी आपको मिल रहा है ए थ्री वो बड़े पेपर रहते हैं ना लीगल पेपर जो कि आप एग्रीमेंट वगैरह के लिए वकील लोग यूज़ करते हैं वो वाला और यहाँ पर ए फोर लेंगे हम जो ऑफिशियल यूज़ होता है हमारे डॉक्यूमेंट्स राइट तो ए फोर पेज साइज मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया जैसे मैंने ए फोर किया तो आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे ये यहाँ पे स्टेटस बार पे नजर आएंगे ज्यादातर पेज में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं नजर आ रहा है लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है टोटल 51 वन पेजेस थे दो पेज कम हो गए कैसे तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो इलेवन पॉइंट है राइट और इसकी हाइट जो है ए के कंपेयर में लेटर की एलेवन ही है तो आपको ये समझ में आया होगा कि भाई पेज की साइज में थोड़ा सा अंतर है तो पेज की साइज़ कहाँ से सेट करनी आपको आइडिया आ चुकी होगी राइट अब मैं चाहता हूँ यार इसका जो ओरिएंटेशन है मतलब ये पेज वर्टिकल है वर्टिकल यानी कि मैं इसको जूमिंग कम करके दिखाता हूँ जूमिंग कम करने के लिए कंट्रोल बटन प्रेस किया और स्क्रोल बार अपनी तरफ घुमाया राइट माउस का जो मिडल बटन है स्क्रोल बार अपनी तरफ घुमाया तो ये पेज वर्टिकल दिख रहा है आपको तो यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन नाम का एक ऑप्शन मिल रहा है लेआउट में ओरिएंटेशन ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए पेज को आप पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप भी कर सकते हैं राइट तो प्रिंटिंग के लिए पेज आप कैसे भी रखो यहाँ पे लैंडस्केप अगर सेट करते हो तो ये हॉरिजेंटल प्रिंट होगा यहाँ पे पोर्ट्रेट प्रिंट होगा मतलब पेज तो आपको प्रिंटर में एक ही जगह पे ऐसे वर्टिकली रखने रहते हैं लेकिन यहां से अगर आप लैंडस्केप करते तो हो तो लैंडस्केप हॉरिजेंटल प्रिंट होगा वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल तो यहाँ पे बस एक क्लिक से ये हॉरिजेंटल वर्टिकल में चेंज होता है और वो लेआउट टैब में है वो याद रखना ये सबको पता होना चाहिए सबसे पहले मेरे हिसाब से ये जानकारी होनी चाहिए नेक्स्ट यहाँ पर मार्जिनस हम देख लेते हैं अब मार्जिनस क्यों जरूरी है देखना मार्जिनस यहाँ पर जो आपने पेज में कंटेंट लिखे ना उसके लेफ्ट में देखिए इतना स्पेस है राइट में देखिए इतना हर एक पेज पर देखिए ये लेफ्ट में और ये राइट में ये टॉप में और बॉटम में चलो टॉप और बॉटम में तो हमें पेज की जरूरत है ही है ज्यादातर हमें लेफ्ट और राइट में हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं लेफ्ट और राइट में भी पेज का स्पेसिंग चाहिए हमें लेकिन अगर आपको लगता है ज्यादा स्पेसिंग ही है तो आप वो कम कर सकते हैं हाँ लेफ्ट और राइट इसलिए चाहिए कि वो पंचिंग के लिए हमें यहां पर जगह छोड़ना है सो मार्जिन में क्लिक करेंगे और मार्जिन में क्लिक करने के बाद ये देखिए नॉर्मल मार्जिन है नॉर्मल मतलब सभी साइड से टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट चारों साइड से वन वन इंच पेस है तो मैं इसे नैरो करता हूं नैरो मार्जिन यहां पे क्लिक करते ही सभी साइड से जीरो पॉइंट फाइव मार्जिन अब इससे क्या होगा मार्जिन कम होगी आप बोलोगे अरे वाह इससे स्पेस आपको थोड़ा सा और मिल रहा है पेजेस आपके जहाँ पे 51 पेजेस 49 हो गए थे 49 हो गए थे ए के बाद राइट तो 49 पेजेस प्रिंट हो रहे थे तो वहाँ पर थर्टी में आपका काम हो रहा है लेकिन इसे अगर आप पंच करना चाहते हो तो ध्यान रखिए कि भाई पंच या बाइंडिंग करना चाहते हो तो भाई कुछ वर्ड चले जाएंगे तो वो नॉर्मल मार्जिन ही ठीक है प्रोफेशनल वाले तो नॉर्मल मार्जिन ही यूज़ करते हैं और अगर आपको थोड़े से पेजेस बचाने हैं प्रिंटिंग में तो आपको लगता है यार बहुत ज़्यादा प्रिंट करना है और आपको उन्हें बाइंडिंग वगैरह तो कुछ करना नहीं है एंड लाइक like वो ठीक है आप नैरो मार्जिन भी इस्तेमाल तब कर सकते तो ये आपको पता रखना है राइट तो ये मार्जिन ओरिएंटेशन और साइज़ मुझे बताना था कॉलम की वैसे तो इतनी ज़रूरत नहीं है फिर भी आपको बता देता हूँ मैं कंट्रोल ए बटन प्रेस कर रहा हूँ और कंट्रोल ए मतलब क्या होगा बताओ ज़रा सिलेक्ट ऑल होगा यार भूल गए तो मैं बता देता हूँ डोंट वरी कॉलम्स में मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ कॉलम्स में चिले मैं थ्री कॉलम करता हूँ तो ये थ्री कॉलम में डिवाइड हो गया राइट न्यूज़पेपर में वगैरह होता है ना टू कॉलम तो टू कॉलम लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ आपको दिखाई दे रही है जरा ध्यान से देखेंगे तो वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे राइट साइड में कंटेंट आगे पीछे लग रहे हैं एकदम प्रॉपर नहीं है सो टू एडजस्ट दिस होम टैब में जाइए होम टैब जो आगे हम डिटेल में देखेंगे वैसे होम टैब में एक ऑप्शन मैं अभी बता के रख रहा हूँ आपको जूम करके भी दिखाता हूँ जिसका नॉलेज अभी होना जरूरी है मेरे हिसाब से आपको जब आप कॉलम में इसे कन्वर्ट करते तो कंट्रोल जे ये शॉर्टकट की है जस्टिफाई की और कंट्रोल जे प्रेस कीजिए नहीं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए होम टैब में ये देखिए डेंटेड एंड आई मीन टू से ये प्रॉपर अलाइन हो गया राइट ये डेंटेड एंड म्यूजिक में बीच में लगा देता हूँ क्योंकि कुछ मैजिक हो गया तो वो आपको पता चलना चाहिए कि यार यहाँ पे कुछ नया हो गया ये देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट था पहले आप इसे सेंटर करते हैं इसे आप राइट करते हैं तो भी गड़बड़ है सेंटर करते हैं तो भी गड़बड़ है लेकिन जस्टिफाई करते तो गड़बड़ सॉल राइट सो कंट्रोल एल लेफ्ट कंट्रोल ई सेंटर कंट्रोल आर राइट कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई ओके दैट्स इट तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जस्टिफाई वगैरह तो मैंने आपको बता दिया चलो यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ लेआउट टैब के अंदर और यहाँ पे कॉलम्स में जाकर वन कॉलम करता हूँ तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई कॉलम से क्या होता है बेसिकली राइट क्लियर है अब यहाँ पे एक बात याद रखना मार्जिन्स में आपको यहाँ पे जाकर सपोज ये मार्जिन तो मैंने आपको दिया है कि भाई यहाँ से आप सेट कर सकते लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन भी है कस्टम मार्जिन ये भी देख लो कस्टम मार्जिन में जाकर आप खुद से मार्जिन डालना चाहते हो तो यू कैन पुट द मार्जिनस राइट यहाँ पे मैं जीरो रखना चाहता हूँ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट right. सब जगह मैंने जीरो कर दिया जीरो 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 मैंने क्या किया यहाँ पे जीरो क्लिक किया जीरो टैब बटन प्रेस किया नेक्स्ट टैब 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 से आप नेक्स्ट 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 बॉक्स में आ सकते हैं टैब बटन की बोर्ड प्रेस करके देखें ओके और यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई आप जो मार्जिन फिक्स कर रहे हो ना वो मार्जिन पूरा आउटसाइड मतलब ये जा रहा है प्रिंटेबल एरिया से बाहर जा सकता है क्या करना है इग्नोर तो आप इग्नोर करोगे तो ये देखिए प्रिंटेबल एरिया में तो बाहर जाएगा जाएगा ये बता रहा है पहले वार्निंग देता है आपको और ऊपर से आपको पेज में कहीं पे भी मार्जिन नहीं दिख रही ये कंजूसी की हद हो गई ऐसा प्रिंट आप मत करो कुछ लेटर्स मिसिंग हो जाएंगे प्रिंट से पेजेस यहाँ पे वैसे कम लगेंगे लेकिन यहाँ पर ऐसा प्रिंटिंग तो इतनी कंजूसी मत करो यार थोड़ा बहुत तो खैर करो ओके सो यहाँ पर आप मार्जिन कस्टम भी कर सकते ये मुझे बताना था तो हमने पेज सेटिंग सबसे पहले देख ली वर्ड का इंटरफेस भी हमने देख लिया अब हम वर्ड में काम करना शुरू करते हैं अब हम वर्ड में फॉर्मेटिंग ऑप्शन देखने वाले हैं कैसे हम डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं मैं यहाँ पे होम टैप पे क्लिक करूंगा होम टैप पे ऑलरेडी क्लिक है और फॉन्ट ग्रुप में मैं जाऊंगा फॉन्ट ग्रुप में फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन है मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ इसे जूम करने के लिए मैंने कंट्रोल बटन प्रेस करके स्क्रोल बार आगे घुमाया दोबारा बता देता हूँ और यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया स्टार्टिंग में ये देखिए कर्सर स्टार्टिंग में रख दिया एंटर कर दिया एंटर नीचे और यहाँ पे क्या हो गया पैराग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया जैसे मैं एंटर करूंगा और मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया कैपिटल में लिख दिया चैप्टर वन राइट कैपिटल स्मॉल कैसे लिखना है कैप्सलॉग ऑन रखेंगे कीबोर्ड पे तो ये कैपिटल आ जाता है चैप्टर वन को मैंने सेलेक्ट किया ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके आप सिलेक्ट करो जैसे आप सिलेक्ट करोगे इसी के ऊपर एक मिनी टूल बार आता है फॉर्मेटिंग का जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे देखिए इसी के ऊपर ये जो फॉर्मेटिंग का मिनी टूल बार आ रहा है ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आपको ऊपर भी दिखाई देंगे तो आप वो मिनी टूल बार से करो या फिर यहाँ से एक्सेस करो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ यार इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए ऑप्शन दिया है इंक्रीज फॉन्ट साइज़ इस तरह से आप फॉन्ट साइज़ यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और डिक्रीज़ करना है तो डिक्रीज़ या यहाँ पे क्लिक करके भी आप फॉन्ट साइज़ बढ़ा दो उसके अलावा आप यहाँ पे इसे बोल्ड करना चाहते हैं आप इसे इटैलिक करना चाहते हैं देखिए फॉर्मेटिंग यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है इन ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ आपको टेक्स्ट पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है मैं इटैलिक हटाना चाहता हूँ ये देखिए हट गया अंडरलाइन देना चाहता हूँ या यहाँ पे डाउन एरो दिख रहा है अंडरलाइन अलग अलग फॉर्मेट के देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ अच्छा मैं फॉन्ट कलर देना चाहता हूँ आई कैन चेंज द फॉन्ट कलर देखिए राइट तो ये ऑप्शंस बस क्लिक एंड ओके आप जैसे क्लिक करोगे यू कैन सी द रिजल्ट और यहाँ पे जाकर आप इसका फॉन्ट स्टाइल बदलना चाहते हैं अलग 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 फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग्स आपको मिल जाती है तो यहाँ पे फॉन्ट का कौन सा स्टाइल आप रखना चाहते हैं फॉन्ट यहाँ पे बदलो जो फॉन्ट आपको अच्छा लगता है राइट right? जो मन को भाई उसे आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों राइट right? तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया चलो ठीक है अब यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग पता चला फॉर्मेटिंग दे दिया अब आपको लगा कि यार ये फॉर्मेटिंग पूरी पूरी एक साथ क्लियर करनी है तो यहाँ पे उन्होंने उसके लिए भी ऑप्शन दिया एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लेट मी जूम एट इसे मैं फोकस भी कर लेता हूँ और ये ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का मैं इस पर क्लिक करता हूँ जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ना धो डाला मतलब पूरी फॉर्मेटिंग क्लीन हो गई अब मैंने क्लीन की और दोबारा मुझे उतनी फॉर्मेटिंग देने के लिए वापस वैसे ही क्लिक 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 करते जाना पड़ेगा साइज बढ़ाना पड़ेगा नहीं इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी अभी अभी मैंने जो स्टेप्स की ना वो मैं अंडू कर सकता हूँ वर्ड के अंदर ध्यान से देखिएगा फॉर्मेटिंग अगर मैंने क्लियर की है तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके उसे अंडू कर सकता हूँ अगर मैं दोबारा कंट्रोल जेड प्रेस करूँ तो उसके पीछे क्या फॉर्मेटिंग थी उसके पहले क्या थी उसके पहले क्या कैसा था टेक्स्ट उसके पहले उसके पहले उसके पहले कंट्रोल जेड 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 अंडू राइट right? तो यहाँ पे अंडू कैसे करना है कंट्रोल जेड जेड मतलब एक स्टेप पीछे एक मल्टीपल स्टेप ऐसे कंट्रोल जेड प्रेस करते जाएंगे तो एक 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 एक, एक, एक बैक 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 राइट वन स्टेप बैकवर्ड अब मैं इसे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ तो कंट्रोल जेड के लिए अंडू था और कंट्रोल वाई क्या रहेगा बताओ पांडू नहीं रहेगा यार अंडू पांडू तो अंडू पांडू नाना पाटी जी का यहाँ पे कंट्रोल वाई मतलब रीडू याद रखिए कंट्रोल वाई रीडू मैं कंट्रोल वाई प्रेस करो ये देखिए सारे स्टेप्स फिर से हो गए सो so, यहाँ पे अंडू ऑप्शंस आपको मैंने बताया और रीडो ऑप्शंस बताया राइट तो अंडू मतलब कंट्रोल जेड जेड जो कि वन स्टेप बैकवर्ड होते जाएगा और रीडो मतलब वही फॉरवर्ड करते जाएंगे सपोज मैंने इसे यहाँ पे डिलीट कर दिया ये अंडू राइट और कंट्रोल वाई ये फिर से डिलीट रीडो तो अंडू जो किया है उसी को हम रीडू यूज़ करेंगे राइट तो चलो आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस पता चले किस तरह से करना है उसके बाद अलाइनमेंट मैं आपको बताता हूँ अलाइनमेंट वैसे भी मैंने आपको बताया लेकिन यहाँ पे फॉर्मेटिंग की बारी है तो अलाइनमेंट में यहाँ पे देखिए सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल ई आप प्रेस करो कंट्रोल आर प्रेस करते हो तो राइट और कंट्रोल एल प्रेस करते हो तो लेफ्ट और जस्टिफाई तो मैंने पहले ही आपको बताया था राइट इसके पहले सेक्शन में जिसमें मैंने आपको पेज के सेटिंग के टाइम पे कॉलम इंसर्ट किया था तब बताया था तो यहाँ पे सेंटर है राइट है और जस्टिफाई अलाइमेट है जस्टिफाई इसको करके कुछ भी मतलब नहीं रिजल्ट दिखाई नहीं देगा जस्टिफाई पैराग्राफ के ऊपर ही होता है जैसे ये पैराग्राफ है कंट्रोल ए करो इन्हें जस्टिफाई करो जस्टिफाई ये देखिए अलाइन हो चुका है एक लाइन में लेफ्ट ये रहा राइट right? तो इस तरह से जस्टिफाई आप कर सकते हैं राइट और लेफ्ट अलाइन होने के लिए ऑटोमेटिकली वो वर्ड के बीच में स्पेस एडजस्ट करता है और उसे जस्टिफाई अलाइनमेंट दे देता है एंड ना वट इज़ द नेक्स्ट यहाँ पे इसे हम सेलेक्ट करते हैं और इसको ज़रा शेड कलर देते हैं शेडिंग कलर राइट यहाँ पे फिल कलर बेसिकली ये फिल कलर हम यहाँ से दे सकते हैं इसको तो आप फिल कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे या फिर इसे बॉर्डर देना चाहते हो तो ऑल बॉर्डर ऑल बॉर्डर्स राइट आपको इन्हें को रिमूव करना है तो याद रखिए इसे सेलेक्ट करना है यहाँ पे जाकर आप सिंपल नो कलर और बॉर्डर में जाकर नो no बॉर्डर यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है ही है इस तरह से ऐड कर सकते चलो ठीक है फॉर्मेटिंग में आगे बढ़ते हैं सपोज आपने कोई लिस्ट टाइप की अब मुझे यहाँ पे लिस्ट टाइप करनी है लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कंटेंट ऐड किया है तो मैं लिस्ट टाइप करने के लिए एक नया डॉक्यूमेंट ही लेता हूँ कंट्रोल एन कंट्रोल एन नया डॉक्यूमेंट मैंने लिया और मैंने टाइप किया अजय विजय रवि शंकर सचिन अनवी विराट ऐसे मैंने नाम टाइप कर लिए अब यहाँ पे मैं इन्हें सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अभी मैं मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पे होम टैब में ऊपर पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ याद रखिए ये देखिए इससे क्या हो रहा है बुलेट अप्लाई हो रहे हैं मैं इसे अलग बुलेट में लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे छोटा सा एरो दिखता है ना याद रखिए उसके बाजू में एरो है ना मतलब और भी ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं वैसे यहाँ पर नंबर्स ले लो या फिर ए बी सी ले लो ओहो इंटरेस्टिंग तो ऐसे आप बुलेट्स एंड नंबरिंग भी यहाँ से दे सकते हैं और आपको लगा कि यार इसके बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए तो गो एंड चेंज द लाइन स्पेसिंग ये रहा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे है right? राइट तो इस तरह से फॉर्मेटिंग आपको करनी आनी चाहिए कि भाई फॉर्मेटिंग वर्ड के ऊपर कैसे करते हैं फॉर्मेटिंग को क्लियर कैसे करते हैं अलाइनमेंट प्रॉपर कैसे होता है लाइन स्पेसिंग कैसे होता है इसकी आइडिया आपको होनी चाहिए और ये मैंने दे दी है अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि भाई कंटेंट को कॉपी पेस्ट या फिर एडिट कैसे करते हैं या फिर रिप्लेस वगैरह कैसे करते हैं वो चीज़ हम नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे हम कंटेंट को कॉपी पेस्ट वगैरह सीखना चाहते हैं तो मैं कंट्रोल एन बटन प्रेस करूँगा नया डॉक्यूमेंट मैं लेता हूँ नए डॉक्यूमेंट में मैंने यहाँ पे लिखा है रमेश इज गुड बॉय क्या लिखा मैंने रमेश इज गुड बॉय ये एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है मैंने अब इस सेंटेंस को मैं दोबारा लिखना चाहता हूँ एक ही सेंटेंस आपको दोबारा लिखना है तो आपको क्या करना है सिंपल है दोबारा टाइप करना है नहीं आप कहोगे ऐसा मैं कहूँगा कि भाई इसे सेलेक्ट कर लो सेलेक्ट करते ही होम टैब के अंदर ऊपर आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप दिखाई दे रहा है जिसमें कॉपी कट और पेस्ट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं अब मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करता हूँ राइट कॉपी क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर्सर रखूँगा और एंटर करूँगा एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी पेस्ट या फिर यहाँ पे पेस्ट ऊपर दिखाई दे रहा है क्लिक ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं जैसे आप पेस्ट करते जाओगे अभी कॉपी क्यों हाईलाइट नहीं है कॉपी तभी हाईलाइट होगा जब आप कोई वर्ड सेंटेंस सिलेक्ट कर लोगे तब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है देखिए सेंटेंस वर्ड सेलेक्ट करने के तरीके याद रखिए अगर मुझे गुड वर्ड ही सिलेक्ट करना है मैं डबल क्लिक करूँगा ये अकेला ही सिलेक्ट हो जाएगा अगर मैं पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करना चाहता हूँ तीन बार माउस का बटन लेफ्ट बटन फटाफटा तीन बार एक दो तीन एक दो तीन फास्ट ऐसे ये सेंटेंस सिलेक्ट कर लेगा वो कितना भी बड़ा सेंटेंस होने तो ये देखिए एक काम करते ये वाला पैराग्राफ लेते अब मैं एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में कैसे आ रहा हूँ कीबोर्ड के की ऊपर मैं अल्ट टैप कर रहा हूँ जैसे मैं अल्ट टैप प्रेस करूंगा अल्ट होल्ड करके रखना है अल्ट प्रेस करके टैप प्रेस कर देना एक बार तो बताएगा कि कितने सारे डॉक्यूमेंट आपके ओपन है एक डॉक्यूमेंट से दूसरे में आ गए ये इसमें आ गए ये इसमें आ गए आप जिसमें चाहना चाहते हो टैप बटन प्रेस करो वहाँ पर आप जंप कर सकते जरूर ट्राई कीजिए अल्ट अल्टैब राइट अब हम इसमें आ चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि भाई इसे मैं सिलेक्ट करूँ ये वाला चैप्टर वन को चैप्टर वन को मैं सिलेक्ट करता हूँ जैसे मैंने सेलेक्ट किया मैं कॉपी करना चाहता हूँ इसे और मैं चैप्टर टू को दूसरे पेज पर पे यहाँ पर मैं कर्सर रखता हूँ और मैं कर्सर रख के एंटर करूँगा यहाँ पर एंटर करूँगा पहले एंटर और यहाँ पर कर्सर ऊपर रख के पेस्ट तो यहाँ पे आ गया चैप्टर वन और इसको मैं चैप्टर टू नाम दे दूंगा तो आप कोई भी कंटेंट को इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लो उसका जो है ना डुप्लीकेट हो जाएगा मतलब एक जगह से यहाँ से कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा हाँ अगर मैंने इसे सिलेक्ट किया और कट किया कट यहाँ से रिमूव हो जाएगा वो और आप जहाँ पे चाहते हो वहाँ पे जाकर यहाँ पे सपोज तीसरे पेज पे आते हैं हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं और पेस्ट कंट्रोल भी तो ये चैप्टर टू अभी ऊपर नहीं है गया यहाँ से यहाँ से तो कट पेस्ट क्या होता है एक लोकेशन से कट होगा दूसरे लोकेशन पे आएगा कट पेस्ट करने के लिए कंट्रोल एक्स कट होता है और यहाँ पे नीचे रखना है मुझे एंटर करूंगा मैं जगह करूंगा यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट इस तरह से कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी याद रखिए कंट्रोल एक्स मतलब कट और कंट्रोल वी मतलब पेस्ट और कॉपी पेस्ट मतलब इसे सेलेक्ट कर लो कॉपी सॉरी कंट्रोल एक्स ही कर दिया मैंने अंडू कर दिया कॉपी मतलब ये यह यहाँ पे रहेगा कॉपी किया कंट्रोल सी और ऊपर भी कंट्रोल वी जहाँ पे रखना चाहते हो वहाँ पे आप रख सकते हैं right? राइट अच्छा ये क्लियर हो चुका है आपको चलो ठीक है कॉपी पेस्ट कट पेस्ट हो गया अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैप्टर थ्री कॉपी पेस्ट कट पेस्ट तो आपको समझ में आया चैप्टर थ्री चैप्टर नहीं यार चैप्टर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया आपने बताया भी नहीं मुझे ज़रा बताया करो अब यहाँ पे चैप्टर टू है ये देखिए चैप्टर टू का मुझे क्या करना है यहाँ पर चैप्टर टू का जो फॉर्मेटिंग है वही फॉर्मेटिंग मुझे चैप्टर थ्री को चाहिए राइट तो चैप्टर टू का फॉर्मेटिंग चैप्टर थ्री को अप्लाई करने के लिए चैप्टर टू को पहले सिलेक्ट करें ध्यान से ध्यान से देखिए इससे पहले सिलेक्ट करें उसके बाद फॉर्मेट पेंटर में जाए फॉर्मेट पेंटर यह ऑप्शन आपको क्लिप ग्रुप होम टैब में मिल रहा है क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग कीजिए यह ब्रश मिल रहा है ये देखिए ब्रश मिल रहा है ब्रश को लेके ऐसे खींचिए जैसे ही अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जर जैसे आप इसे सेलेक्ट करके ब्रश के ऊपर क्लिक करते हैं फॉर्मेट पेंटर वो इसकी फॉर्मेटिंग ब्रश में ले लेता है और इधर फिल कर देता है, है ना इंटरेस्टिंग तो ये टाइम सेविंग है अगेन ये फॉर्मेटिंग की ट्रिप्स आपको पता होनी चाहिए बेसिकली फॉर्मेट ये कॉपी पेस्ट का ही ट्रिक है लेकिन हम इसे क्या करें फॉर्मेटिंग कॉपी कर रहे हैं कंटेंट नहीं कॉपी कर रहे कंटेंट कॉपी कर करने के लिए आपको ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी ये याद रखना है कट पेस्ट मतलब मूव करना कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी करना और फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कैसे करना है डेफिनेटली आपको इसकी आइडिया आ चुकी होगी राइट right? तो इसे जरूर पहले प्रैक्टिस कर, ये देखिए ये टॉपिक के प्रैक्टिस कीजिए इसलिए मैंने सेक्शन रखा है तो पहले पेज साइज़ या मार्जिन की प्रैक्टिस कीजिए दूसरा हमने सेक्शन देखा कि भाई फॉर्मेटिंग कैसे करते उसकी आपको प्रैक्टिस करना है तीसरा हमने देखा यहाँ पे कॉपी पेस्ट या फॉर्मेट प्रिंटर की कैसे प्रैक्टिस करनी है फॉर्मेट प्रिंटर कैसे इस्तेमाल करना है लेकिन अभी ये सेशन खत्म नहीं हुआ इस सेशन में हम फाइंड एंड रिप्लेस भी देखने वाले फाइंड रिप्लेस और गो टू ये ऑप्शन हमें देखने हैं अब फाइंड रिप्लेस और गो टू ये एक टाइम सेविंग ऑप्शन है से यूज़फुल ऑप्शन है याद रखिए अब एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि यार ये जो वीडियो वर्ड है ना इस डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया है राइट right? और कहाँ कहाँ है तो अगर मैं ऐसा एक एक गिनते बैठूंगा वीडियो 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 मैं तो चक्कर आके गिर जाऊँगा कि भाई वीडियो कहाँ कहाँ है ऐसे क्योंकि यहाँ पे पचास पेजेस है और मेरा बहुत समय जाएगा लेकिन अगर मैं ढूंढना चाहता हूँ एक वर्ड कितनी बार आया तो की के ऊपर एक शॉर्टकट की मैं दबा दूँगा कंट्रोल एफ कंट्रोल एफ फाइंड यहाँ पे जैसे मैं फाइंड दबाऊंगा एक नेविगेशन पेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पेन में आपको टाइप करना है आपका वर्ड एंड बस आराम से बैठ जाना है वो बता रहा है कि भाई इसमें सिक्स सिक्स एट टाइम्स यहाँ पे जो आपने वर्ड सर्च किया है वो आपको दिखाई देगा इतने टाइम्स आ चुका है और हाईलाइट भी कर रहा है वीडियो कितनी बार आ रहा है ओ हो 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 राइट और अगर मैंने यहाँ पे ऑडियो लिख के देखा जो कि वर्ड इसमें है नहीं है तो यहाँ पर आपको ऑडियो नो वी कूडन फाइंड वट आर यू लुकिंग फॉर आप क्या देख रहे हो हमको नहीं मिल रहा है राइट right? तो ये कहीं पे भी रहने दो जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ मेरा नाम ही यहाँ पे कहीं पर लिख देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे कोई क्या भी नहीं मिल रहा ये रहा इधर मेरा नाम लिख दिया मैंने सतीश राइट right? अब मैं चाहता हूँ कि भैया ये जो वर्ड है कहीं पे भी हो डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाए राइट right? सतीश तो एक ही बार है तो ये देखते हैं ये डायरेक्ट हाईलाइट हो चुका है और वन रिजल्ट ओहो कंट्रोल एफ फाइंड कंट्रोल एफ प्रेस कीजिए या फिर होम टैब में एक्सट्रीम राइट साइड में आपको आना है एंड फाइंड आउट यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अच्छा अगर ये वीडियो की जगह मुझे ऑडियो करना है तो अगर ये वीडियो की जगह मुझे ऑडियो करना है तो एक एक वीडियो को रिप्लेस करने में बहुत टाइम जाएगा राइट तो ऐसे में मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं कंट्रोल एच दबा दूंगा जैसे मैंने कंट्रोल एच दबा दिया यहाँ पे ये फाइंड भी है यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं आप ये देखिए रिप्लेस भी ये ये वाला फाइंड का डायलॉग बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नेविगेशन वाला भी इस्तेमाल कीजिए लेकिन यहाँ पे फिलहाल रिप्लेस देखिए रिप्लेस वो पूछ रहा है कि भाई क्या आपको रिप्लेस करना है आपको रिप्लेस करना है वो फाइंड हॉट में लिखो मुझे रि वीडियो रिप्लेस करना है लेकिन किसकी जगह जिसकी जगह मतलब रिप्लेस विथ में वो डालो जो आपको रिप्लेस करना है तो वीडियो की जगह मैंने ऑडियो कर दिया एंड रिप्लेस ऑल डेंटेड एंड ये देखिए सिक्स सिक्स एट टाइम्स रिप्लेसमेंट हो चुका है क्या बात है टाइम सेव हो चुका है जहाँ पे भी मैजिक दिखने मिलेगा तभी आपको मेरा म्यूजिक भी सुनने मिलेगा डेंटा डेंड राइट <laughs> तो ये मैजिक है ना भाई एक एक वर्ड आप रिप्लेस करोगे तो कितना सारा टाइम जाएगा लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपका यहाँ पे काम आसान कर दिया है और ये काम कब आता है जब आपका कोई एग्रीमेंट है बड़ा सा जिसमें सपोज एग्रीमेंट है ट्वेंटी का ईयर का उसमें अभी क्या है एग्रीमेंट चेंज करना है आपको ट्वेंटी का करना है ईयर बदलना है और ईयर पचास बार लिखा है तो एक एक जाकर ट्वेंटी को ट्वेंटी करने में बहुत टाइम जाएगा आप मेरी मानिएगा कंट्रोल एच यूज़ कीजिएगा जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूं यहाँ पर रमेश इज गुड बॉय है मैं कंट्रोल एच करता हूं मैं रमेश को गुड नहीं करना चाहता हूं रमेश को मैं बैड करना चाहता हूँ एक सेकेंड में हो गया ऑल डन वी मेड रिप्लेसमेंट पे कितने रिप्लेसमेंट के सिक्स क्योंकि उसको गुड सिक्स टाइम्स मिला यहाँ पे मैं अभी बॉय करता हूँ और बॉय की जगह मैं गर्ल करता हूँ तो रमेश यहाँ पे लड़की बन जाएगी दो सेकंड के अंदर ए दो सेकेंड भी नहीं एक सेकेंड्स के अंदर यहाँ पे आपको रमेश इज बैड गर्ल ओ हो मैं नहीं बोल रहा कंप्यूटर जी बोल रहे हैं तो ये जो फ़ाइन एंड रिप्लेस का ऑप्शन है बेसिकली ये थ्री इडियट मूवी में आमिर खान ने यूज़ किया है अगर आपको याद है मूवी देखा होगा तो चमत्कार का कुछ और किया था आमिर खान ने तो भैया हमें तो ऐसा कुछ करना नहीं लेकिन इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर समझ में आया होगा तो बेसिकली हमने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई कॉपी कंटेंट कैसे किया जाता है फाइंड एंड रिप्लेस कैसे किया जाता है फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है प्रैक्टिस कीजिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन है हमारा ये जो हमने कंटेंट यहाँ पे टाइप किए जैसे यहाँ पे 50 पेजेस मैंने ये नोट्स बना लिया है सपोज़ राइट तो यहाँ पे नोट्स बना लिए तो अगर मेरे नोट्स आपने देखे होंगे या कोई भी नोट्स आपने देखे होंगे मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे नोट्स ओपन करके भी दिखाता हूँ ये नोट्स है जो कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था ब्लर्न मोड चैनल पे आपने देखा होगा अयो मैं सेटिंग करना सीख गया राइट तो ये जो है अन्ना जी सेटिंग करना सीख गए थे फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर सेटिंग नोट्स बाय सतीश टावर ये जो ऊपर टाइटल दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ पे वेबसाइट वगैरह का नाम आ रहा है मेरे और यहाँ पे बॉटम में भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेज नंबर और यहाँ पे लोगो वगैरह तो ये जो हर एक पेज ऊपर आपको दिखाई दे रहा है और हर एक पेज के ऊपर जाके मैंने टाइप नहीं किया है राइट right? तो ये मैंने कैसे किया है बेसिकली ये जो आपको हेडर दिखाई दे रहा है फूटर दिखाई दे रहा है वैसे मैं बताऊँ ये सेटिंग की नोट्स मैंने फ्री में रखे अपने ऐप के ऊपर राइट तो वो ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सेटिंग की पूरी की पूरी नोट्स जो कंप्यूटर ट्रिक्स और टिप्स सीखना चाहता है वो ये वीडियो भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा आपको लर्नमोर चैनल पर रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया था तो ये सेटिंग्स आप सीखना चाहते हो तो पी नोट्स के साथ आप वो सीख सकते उस वीडियो में जानकारी दी मैंने आपको कि ऐप आप के ऊपर कहाँ से डाउनलोडिंग ये नोट्स आपको मिलेंगे फिलहाल मैं क्या बताना चाहता था कि मैं इसे में बंद कर देता हूँ कंट्रोल डब्लू इस फाइल को बंद कर रहा हूँ मैं आपको सिखाऊंगा डब्लू वगैरह क्या होता है फिलहाल यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें हेडर में मैं नोट्स का नाम ऐड करूं मेरे तो कैसे ऐड करूंगा तो यहाँ पे इंसर्ट में मैं जाना चाहूंगा इंसर्ट टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये बहुत ही कमाल की चीज़ें जो सबको पता होना चाहिए जो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं राइट तो हेडर एंड फुटर ऑप्शन है आप चाहिए तो फुटर में जाओ या हेडर में जाओ कहीं पर भी जाओ आपने हेडर एक्टिवेट किया तो भी फुटर एक्टिवेट हो जाएगा फुटर एक्टिवेट किया तो भी हेडर एक्टिवेट हो जाएगा या फिर आप इधर नहीं जाना चाहते यहाँ पर जो स्पेस दिखाई दे रहा ना ऊपर यहाँ पे आके सिंपली अगर आप डबल क्लिक भी करते हो ना तो भी ये देखिए हेडर एक्टिवेट हो गया और पेज पे आके डबल क्लिक करते हो तो पेज एक्टिवेट हो जाएगा मतलब जब आप हेडर एक्टिवेट करते हो तो आप पेज पे काम नहीं कर पाओगे और जब आप पेज पे आते हो डबल क्लिक करके तो पेज पे काम कर पाओगे हेडर में नहीं कर पाओगे तो हेडर पे जाने के लिए दो तरीके एक तो यहाँ पे डबल क्लिक करो पेज पे आने के लिए यहाँ से डबल क्लिक करो और हेडर दूसरा तरीका हेडर में जाने के लिए इंसर्ट पे जाओ हेडर एंड फुटर से आप एक डिफॉल्ट कोई भी हेडर का डिज़ाइन सेलेक्ट करो आपको लगता है यार ये ये ठीक है फॉर्मेटिंग के साथ आ रहा है चलो इसे लेते हैं तो इसमें आप फॉर्मेटिंग के साथ आ रहे हैं आप खुद से फॉर्मेटिंग भी इन्हें कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल देना है जैसे मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल देना चाहता हूँ सपोज ये है स्किल कोर्स नोट्स ओके तो मैंने यहाँ पे टाइटल में लिख दिया स्किल कोस नोट्स भाई सतीश दौड़े और डेट पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे कैलेंडर आ जाता है और कोई भी एक डेट यहाँ पे पिक कर लेता हूँ चलो ओके आज की डेट यहाँ पे आ चुकी है ओके okay, तो अब मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ ना तो हेडर भी एक्टिवेट है यहाँ पे मैं कर्सर रख के हेडर में काम कर सकता हूँ या फिर हेड हेडर, हेडर के नीचे फूटर हर एक पेज के ऊपर आपको हेडर वही दिखाई दे रहा है राइट इधर फूटर भी आ रहा है अब फूटर यहाँ से भी ऐड किया जा सकता है लेकिन फूटर में मुझे क्या चाहिए पेज नंबर चाहिए तो आप पेज नंबर यहाँ से डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ये देखिए पेज नंबर ऑप्शन दिया है लेकिन ये आया कहाँ से पेज नंबर ये हेडर एंड फूटर टैब एक्टिवेट हो जाता है जब आपका कर्सर हेडर में है राइट या फिर पेज के ऊपर आप आते हो तो यहाँ पे नहीं है एक्टिवेट अभी देखिए यहाँ पे हेडर एंड फूटर टैब गायब हो गया ऊपर था वो गायब हो गया राइट अब नीचे आ जाओ सपोज मैं फूटर में आता हूँ यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो दोबारा वो देखिए हेडर एंड फूटर टैब आ चुका है यहाँ पे आप कर्सर रखिए और यहाँ से आप फूटर पेज नंबर ऐड कीजिए या फूटर में जाकर एक कोई भी रेडीमेड डिज़ाइन वाला पेज नंबर आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो ऐड कीजिए विद डेट चाहिए डेट तो हमने ऊपर हेडर में दिया है तो विदाउट डेट वाला लेना है तो वो ले सकते हैं आप तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाएंगे कि भाई पेज नंबर आपको कौन सा चाहिए तो मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लिया पेज वन ऑफ वन वन ऑफ वन वाला पेज नंबर मतलब कितने टोटल पेजेस है फिफ्टी और हम पेज नंबर वन पर नीचे स्क्रॉल करेंगे देखिए टू ऑफ फिफ्टी ऑटोमेटिक राइट और इसे आप अलाइन वगैरह कर सकते हैं आप चाहते इसे लेप में रखना है तो इसे सिलेक्ट कर लो होम टैब में अलाइनमेंट है या कंट्रोल एल ये प्रेस करके आप अलाइन कर सकते हैं अब साथ में यहाँ पे लोगो ऐड करना है आपकी कंपनी का वगैरह तो आप इंसर्ट टैब में ही जाइएगा इंसर्ट टैब में पिक्चर एक ऑप्शन है जहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे लोगों का ऐड कर सकते तो पिक्चर टैब में जाइए और यहाँ पे हम क्या करेंगे पिक्चर टैब में दिस फीसी सेलेक्ट करेंगे दिस फीसी में आपके जिस भी लोकेशन पे जैसे मेरे डी ड्राइव लोकेशन पे ज़्यादातर पिक्चर्स अवेलेबल है फ़ोटोज़ है तो आप उस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए डी ड्राइव में मैंने स्किल कोर्स फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने ये लोगो ऐड कर दिया है राइट अब मैं इसकी साइज़ कम कर देता हूँ साइज़ कैसे कम करना है सिंपल है माउस पॉइंटर कॉर्नर में लेके आना है और यहाँ पे ये ऐसा खींचना है खींचना है खींचना है खींचना है, है राइट ऐसे छोटा करते जाना है देखिए ध्यान से माउस पॉइंटर कोई भी कॉर्नर पे लेके आना है एक रिसाइज एरो आ जाता है यहाँ पे रिसाइज एरो आने के बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है और अगर लोगों से दूर खींचोगे तो वो बढ़ते जाएगा लोगों की तरफ़ खींचोगे इमेज की तरफ ऐसे तो वो छोटा होते जाएगा लेकिन यहाँ पे एक है कि ये इधर ही चिपक के आ रहा है मुझे ये राइट साइड में उठा के असर रखना है लेकिन इसे मूव करना है सबसे पहले तो मूव करने के पहले एक एक ट्रिक या एक स्टेप याद रखिए वो है कि आपको पिक्चर फॉर्मेट टैब सेलेक्ट करना है और ये तभी आएगा जब ये पिक्चर सिलेक्टेड है अगर बाहर क्लिक है तो पिक्चर फॉर्मेट टैब नहीं आएगा बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप हमारे इसमें पिक्चर फॉर्मेट है आ ही नहीं रहा है आपकी इसमें आ रहा है ऐसा कैसे आपने वीडियो में तो दिखाया था अरे ऐसा है दोस्तों यहाँ पे पहले क्लिक करो ये इमेज को पहले सिलेक्ट करो आप ध्यान से नहीं सुनते यार अब यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करेंगे पिक्चर फॉर्मेट आ जाएगा उसे आना ही पड़ेगा राइट तो पिक्चर फॉर्मेट आएगा या खाली फॉर्मेट टैप आएगा पुराना वर्जन है तो पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे आपको रैप टैक्स में जाना है और यहाँ पे आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट याद रखिए अब क्या होगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स करती है आप इसे उठा के कहीं पे भी पटक सकते हैं आई मीन टू से रख सकते हैं मूव करके एंड आई वांट टू पुट डाउन ओ योर राइट ये फुटर में आ चुका है ओके दैट्स इट गाइड्स तो आपको ये आइडिया आ चुका है अब मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे एक लाइन भी ऐड करना चाहता हूँ चलो ये फुटर में रखना चाहता हूँ यहाँ पे एक और लाइन भी ऐड करना चाहता हूँ ऊपर तो लाइन कैसे ऐड करेंगे लाइन ड्रॉ करने के भी इंसर्ट में ऑप्शन दिया है यहाँ पे शेप्स है शेप्स में जाओ और ढेर सारी लाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो लाइन मारनी चाहती हो वो मार सकते हैं। आई मीन टू से एरो वाली लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। लाइन मारना मतलब ड्रॉ करना ये मेरा मतलब है मारना मतलब समझ के ना आप वैसे आपको लाइन मारना आता होगा ओके मैं ये एक्सपेक्ट करके यहाँ पे अभी सिखाता भी हूँ आपको कि भाई चलो ठीक है आपको आता है फिर भी ये कंप्यूटर वाली लाइन में बताता हूँ मैंने लाइन सेलेक्ट की सीधी सादी विदाउट एरो वाली और मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा ना ये टेढ़ी आ रही टेढ़ी तो मैं शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा कीबोर्ड पे शिफ्ट होल्ड कीजिए और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक एंड ड्रैग कीजिए ये लाइन यहाँ पे आ चुकी है एंड वंस यू ड्रॉ द लाइन यू विल गेट शेप फॉर्मेट क्या मिल रहा है शेप जैसे आप पिक्चर लेते हो तो पिक्चर फॉर्मेट आता है तो हेड एंड फुटर लेते हो तो हेड एंड फुटर आता है वैसे यहाँ पे ये शेप ड्रॉ किया है तो शेप फॉर्मेट आ जाता है शेप का आउटलाइन कितना रखना है आपको रख सकते हैं आप यहाँ पे आउटलाइन की स्टाइल वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं एंड लाइक ये आप खुद से आकर चेक कर सकते भाई कलर भी मुझे चेंज करना है ब्लू रखना है डार्क ब्लू रखना है जो भी है इस तरह से तो ये होने के बाद हेड एंड फुटर कंप्लीट होने के बाद डबल क्लिक करो नाउ योर पेज इज रेडी हेड एंड फुटर हर एक पेज के ऊपर आ चुका है तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है इंटरेस्टिंग ऑप्शन इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसे क्योंकि ये इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है जब आप नोट्स बनाते तो नोट्स बनाते समय हेड एंड फुटर आपको ऐड करना आना चाहिए और कैसे ऐड करना है मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया बाकी बहुत सारे ऑप्शन इसमें आप खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश वहाँ पर जरूर करो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में कुछ और चीज़ें देखने वाले हेड एंड फुटर के अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले तो चलिए अब मैं इस सेक्शन में आपको बताऊंगा कि आप इसको प्रॉपर नोट्स कैसे बना सकते हैं प्रॉपर नोट्स यानी कि आपको इसे क्या करना है बेसिकली आपका वाटर मार्क भी इसमें ऐड करना है आपको कुछ टेबल्स भी ऐड करने हैं कुछ स्टेप्स भी ऐड करने हैं मतलब एक प्रॉपर जो होता है ना बुक्स उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कौन से ऑप्शन यूज़ होंगे यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ अभी आपको राइट right? तो ये ज़रूरी है ये देख लो अब हेड एंड फुटर तो आपको पता चला लेकिन आपको लगता है कि यार ये मैं जो नोट्स बना रहा हूँ ना मेहनत से इसमें मेरा बैकग्राउंड में लोगो रहे कंपनी का ताकि वाटर मार्क रहे बेसिकली वाटर मार्क हम ऐड करना चाहते ताकि मैं प्रिंट करूँ तो वाटर मार्क दिखाई दे और फिर यहाँ पे इसे कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा राइट वो आपके लिए एक वेल दे ना कॉपी के लिए आप ऑर्डर मार्क ऐड कर दो सो so, मैं क्या करूँगा उसके लिए ऑर्डर मार्क के लिए आपको सिंपल डिजाइन टैब सेलेक्ट कर लेना है डिजाइन टैब ये एक जरूरी चीज़ सीख लो डिजाइन टैब में ऑटरमार्क ऑप्शन यहाँ पे दिया है और यहाँ पे आप टेस्ट वटोरमार्क ऐड करना चाहते हैं या पिक्चर तो टेक्स्ट चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आ चुका है डू नॉट कॉपी डू नॉट कॉपी कॉन्फिडेंशियल लेकिन ये लिखने से थोड़ा ये होता है लोग कॉपी करते ही है कॉन्फिडेंशियल लिख के भी तो आप अपनी कंपनी का नाम ऐड करना चाहते हो चलो फिलहाल यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंशियल ऐड करना चाहता हूँ तो कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे देखिए पीछे ऑटर मार्क आ रहा है राइट right? यहाँ पे आपको थोड़ा ये लाइट दिखाई दे रहा है आप कंट्रोल पी करोगे ना कंट्रोल पी यानी कि प्रिंट और जैसे आप कंट्रोल पी करते हो प्रिंट प्रियो आता है तो वो बता रहा है कि कैसे आ रही है देखिए कॉम्फिडेंशियल अब मैं यहाँ पे एस के बटम प्रेस करता हूँ एस के बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं और मैं चाहता हूँ यार ये कॉम्फिडेंशियल की जगह अपना खुद का नाम रहे तो खुद का नाम लाने के लिए यहाँ पे वाटर मार्क में जाकर कस्टम वाटर मार्क देखिए हम डिजाइन टैब में वाटर मार्क में मैंने क्लिक किया कस्टम वाटर मार्क में मैंने क्लिक किया एक डायलाग बॉक्स आपके सामने आएगा अब इस डायलॉग बॉक्स में मैं कॉन्फिडेंशियल की जगह लिखना चाहता हूँ जैसे कंप्लीट टेक्नोलॉजी हमारे चैनल पे ये वीडियो आप देख रहे हो सो आई एम गोइंग टू पुट दट कंप्लीट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ठीक है ये नाम मैंने लिख दिया एंड आई कैन चेंज द फॉन्ट फॉन्ट साइज एंड देर लॉट ऑफ ऑप्शन राइट तो मैं वो चेंज कर सकता हूँ यहाँ से बट मैं इसे हॉरीजेंटल रखना चाहता हूँ डायगोनल नहीं डायगोनल मतलब ये टेढ़ा आ जाएगा ये देखिए अप्लाई करके देखिए ये ऐसा क्रॉस आ रहा है मैं इसे हॉरीजेंटल रखना चाहता हूँ अप्लाई ये देखिए कंप्लीट टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देखेंगे लेकिन ये ग्रे कलर है ना इसलिए थोड़ा सा डार्क रख देता तो, हूँ एक मिनट ये रहा चलो ठीक है अगर मैंने इसे डार्क रखा और मैं कंट्रोल पी बटन प्रेस करता हूँ तो, तो ये डार्क आ रहा है और ये थोड़ा सा मतलब और भी लग रहा है ना इसलिए आपको डार्क रखना है, रखना है आपके ऊपर है डार्क कलर सो यहाँ पे एक और ऑप्शन भी उन्होंने दिया है कि भाई सेमी ट्रांसपेरेंट है ये ऑलरेडी डार्क रख के भी सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब थोड़ा बहुत लाइट दिख रहा है अगर मैं इसे हटा दूंगा ना यहाँ पर और मैं अप्लाई करूँगा अभी देखिए ये पूरा डार्क हो जाएगा सेमी ट्रांसपेरेंट मैंने हटा दिया एक मिनट मैं इसका कलर रेड रखता हूँ अभी अप्लाई रेड देखिए अब यहाँ पे तो आपको ये लाइट दिख रहा है कि भैया ठीक है मेरे वर्ड पढ़ने आ रहे हैं फिर भी लेकिन आप कंट्रोल पे करोगे ना बहुत डार्क आएगा क्योंकि सेमी ट्रांसपेरेंट मैंने हटा दिया है तो सेमी ट्रांसपेरेंट बिल्कुल मत हटाइए क्योंकि उससे मतलब वो ऑटर मार्क नहीं कहेंगे हम फिर सेमी ट्रांसफर रखते हैं लेकिन मेरे हिसाब से तो यार ये टेक्स्ट वगैरह ऑटरमार्क से तो आप पिक्चर ऑटर मार्क ऐड करो लेकिन कैसे ऐड करो तो इसी बॉक्स में ज़रा ध्यान से देखो ऊपर एक ऑप्शन दिया है पिक्चर ऑटोमार्क ऑटोमार्क नहीं चाहिए तो नो ऑ ऑ ऑ चाहिए पिक्चर वाला चाहिए तो सिलेक्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल और यहाँ पे आप एक लोगो सेलेक्ट कर लीजिए अब, अब मेरे पास ये लोगो पढ़ाए सपोज इंसर्ट में करता हूँ मैं क्लिक अप्लाई कर देता हूँ इसे अप्लाई करता तो हूँ बहुत बड़ा आ रहा है मैं इसे छोटा चाहता हूँ तो यहाँ पर स्केल दिया है कि भाई ये ऑटो ले रहा है आप इसे हंड्रेड परसेंटेज लेना चाहते ये हंड्रेड परसेंटेज तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिफ्टी परसेंटेज ले लो वो कम हो रहा है और कम करना चाहते आप यहाँ पर लिख भी सकते अगर वहाँ परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा यू कैन राइट डाउन देयर ट्वेंटी फाइव परसेंटेज नहीं नहीं मुझे यार और थोटा चाहिए ये भी बहुत बड़ा लग रहा है सो ई कैन गो फॉर टेन परसेंटेज ओके चलो ठीक है ये लोग थोड़ा सा मुझे प्रोफेशनली एकदम बीच में ठीक लग रहा है ओके okay, इस तरह से आप लोग ऐड कर सकते हैं एंड इट लुक्स एंड अ लाइट तो आप इसे थोड़ा सा डार्क थोड़ा तो, डार्क हो जाएगा ज़्यादा डार्क हो जाएगा एक्चुअली एक वॉश आउट ऑप्शन है ये हटा देंगे ना आप ये देखिए तो ये ज़्यादा डार्क हो जाता है यहाँ पे तो लाइट दिख रहा है यहाँ पे अच्छा लग रहा है आपको लग रहा है यार ये ठीक है बट आप कंट्रोल पी करते हो ना तो प्रिंटिंग में बहुत डार्क आता है सो डोंट गो फॉर वॉश आउट ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा मैंने खुद इसे प्रिंट करके भी देखा है बहुत बार तो मुझे पता है कि बहुत बार क्यों प्रिंट करूंगा एक बार ट्राई करके देखा है कि कैसे आता है प्रिंट में भी डार्क आता है अप्लाई किया ओके okay किया यहाँ पर आप देखेंगे वॉश आउट रख दिया मैंने ठीक है आपको ऑर्डर मार्क के आइडिया आ चुके है कि भाई ऑटर मार्क हमें ऐड कैसे करना है क्योंकि जब प्रिंटिंग करना है ना तो ऑटर मार्क यहाँ पर बहुत ज़रूरी है अब ऑटर मार्क के अलावा यहाँ पे हमें इसमें और शेप्स वगैरह ऐड करने हैं टेबल ऐड करना है ऐसे अलग अलग चीज़ें सीखने टेबल तो हम आगे देखेंगे आगे एक सेक्शन में लेकिन पहले शेप्स वगैरह ऐड करने तो इंसर्ट में जाओ शेप्स चार्ट या कुछ भी ऐड करना है वगैरह तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है ये देखिए पिक्चर तो यहाँ से आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं मैंने पिक्चर ऐड करना आपको ऑलरेडी पता है लेकिन हेडर एंड फुटर में हमने ऐड किया था लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बीच में ऐड करना है पिक्चर तो यहाँ पर हमने कर्सर रख दिया राइट कर्सर रखने के बाद पिक्चर में जाइए दिस पीसी में जाइए आपको किसका भी फोटो लेना है जैसे आप मेरा ही फ़ोटो ले लीजिए एक काम कर लेता हूँ मैं मेरे ही फ़ोटोज़ फोल्डर में जाता हूँ एक कोई भी फ़ोटो मैं मेरा ले लेता हूँ यहाँ पे आप फोटो दिखा दे रहा है आपको मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ राइट यहाँ पे आप इस तरह से फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा आ रहा है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये देखिए कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लेके आऊँगा दोस्तों और मैं इसे क्लिक एंड ड्रैक करके इस तरफ खींचूँगा यस राइट इस तरफ क्लिक एंड ट्रैक करके छोटा करना है तो लेकिन ये एडजस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे स्पेस आ रहा है तो इसे क्या करेंगे पिक्चर फॉर्मेट है ना हमारे पास ऊपर देखिए और रैप टेक्स्ट में इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मत कीजिए अभी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो इसके पीछे टेक्स चला जाएगा वहां पे नीचे ठीक था क्योंकि वहां पे टेक्स नहीं था और हमें ब्लैंक स्पेस पे रखना था या फिर बियाइंड टेक्स भी मत करो या पे टॉप एंड बॉटम भी मत करो जो कि ऑलरेडी था तो अब हम क्या करेंगे इसमें फिर हम इसमें स्क्वयर करेंगे या टाइट करेंगे टाइट मतलब एकदम कट टू कट टेक्सट आएगा स्क्यर मतलब थोड़ा सा स्क्वेयर स्पेस रहेगा तो आप यहाँ पे भी रखोगे ना वो टेस्ट हट जाएगा उधर जहां पे भी पिक्चर जा रहा है क्या इंटरेस्टिंग है नहीं है तो आप यहां पे रखना चाहते हो जैसे आपने न्यूज न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा ना बहुत सारी जगह पे तो वैसे ही कुछ ही है ये आप जहाँ पे रखना चाहते हो उसे रख सकते हैं बस आपको करना क्या है स्टेप्स याद रखिए इंसर्ट में जाओ पिक्चर में जाओ दिस पीसी आपको जो पिक्चर पसंद है वो सिलेक्ट कर लीजिए या फिर इंसर्ट कीजिए इंसर्ट करने के बाद इसकी साइज़ कॉर्नर से कम कर सकते हैं आप यहाँ से या फिर कॉर्नर से नहीं करना है तो पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया है ये देखिए यहाँ से आप साइज़ कम कर सकते हैं राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा है राइट कॉर्नर में एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में राइट कॉर्नर में यहाँ पे आपको साइज दिखाई दे रहा है और यहाँ से आप इसे कम कर सकते हैं ओके सो so, ये साइज मैंने कम कर दी इस पिक्चर फॉर्मेट में जैसे आपको यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड एक ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड यहाँ पे डिटेक कर लेता है और अगर आपको लगता है यार बैकग्राउंड तो उसने डिटेक्ट किया लेकिन मेरे शूज़ को भी डिटेक कर लिया बैकग्राउंड में और सर को भी डिटेक्ट कर लिया ओके तो ऐसा ना हो इसलिए आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पे ये देखिए मार्क एरिया एज अ कीप पे क्लिक कीजिए और इस पर ड्रैग कीजिए कि भाई मेरा जो सर है वो तो आने दो और मेरे शूज़ आधे कट गए हैं उसे भी मैं लेना चाहता हूँ मार्क एरिया एज अ कीप तो यहाँ पर आ चुका है लेकिन एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर कुछ मार्क एरिया एरेज ले लो ये वाली चीज़ भी आ गई इसको हटा दो इसको हटा दो राइट और इसको भी हटा दो शूज़ के बीच में भी कुछ गड़बड़ हो गया ठीक है नाउ आई कैन से कीप चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कीप चेंजेस ओ थोड़ा सर कट गया राइट <laughs> तो ठीक है मतलब आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई कैसे हो? करना ही है ये एंड यू कैन डू इट रैप टेक्स में जाकर इसे भी क्या कर सकते हैं आप स्क्येयर या टाइट या फिर जो भी करना है स्क्वेयर मत करो इसे आप स्क्वेयर करोगे तो स्क्वेयर आ जाएगा इसे टाइट कर लो जब आपके पास पी एन जी में जो है टाइट कर लो इसे या फिर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड और भी आ चुका है तो कोई बात नहीं उसे आप इरेज़ कर सकते हैं मैंने आइडिया तो दे दिया आपको लेकिन ये टाइट करके आप ऐसा रख सकते हैं तो आइडिया मैंने दे दी कि भाई कैसे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं चलो पिक्चर को डिलीट कर दो अब इंसर्ट में जाओ और शेप्स ले लो आप यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे आपको लाइन शेप मिलता है या फिर आपको रेक्टेंगल्स बेसिक शेप बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तो लाइन्स ड्रॉ करनी तो लाइन्स ड्रॉ कर लो जो कि मैंने आपको बोला था आप एक्सपोटो लाइन मारने में तो ड्रॉ करो मारो जो भी है उसके बाद रेक्टेंगल्स चाहिए आपको कहीं पे शेप्स ऐड करनी जैसे मैंने रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगल और इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट इसमें मैं टेक्स्ट लिखता हूँ वेलकम कुछ भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे चलो एग्जाम्पल के लिए तो इसमें मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ इस रेक्टेंगल को मैं फॉर्मेटिंग दूंगा तो यहाँ से दे सकता हूँ ये देखिए ढेर सारी फॉर्मेटिंग और ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे तो इस तरह से आप शेप ऐड कर सकते हैं उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं डिलीट कर रहा हूँ मैं इंसर्ट में जाऊंगा आईकॉन्स पे क्लिक कीजिए आईकॉन्स नए वर्जन में मिलेगा याद रखिए पुराना वर्जन है आपके पास तो ये आईकॉन्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे एप्पल लेना चाहते हो तो एप्पल पे क्लिक करो इंसर्ट करो गाड़ी लेना चाहते हो जो जो चाहिए आपको आप यहाँ से इंसर्ट करो व आइकॉन्स यहाँ पे दिखाई देंगे आपको राइट right? इंटरेस्टिंग है ना ग्राफिक फॉर्मेट में जाकर आप इन आईकॉन्स के साथ खेल सकते हैं आई मीन टू से खेलना गाड़ी के साथ खेलना नहीं है कलर बदल सकते इसका गाड़ी का तो ये आईकॉन आपको एक अट्रैक्टिव इंफॉर्मेटिव नोट्स बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं राइट तो यह आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंसर्ट में जाकर आप यहां से चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं थ्री मॉडल्स भी है कुछ जगह पर सकते हैं क्योंकि पावर पॉइंट में थ्री मॉडल ज्यादातर यूज होते हैं यहाँ पे आपको स्मार्ट आर्ट भी मिलते हैं कि भाई आप साइकिल वाला डायग्राम ऐड करना चाहते हैं जैसे आप साइंस के कोई नोट्स बना रहे हो सो यू कैन क्रिएट नोट्स है ना यहाँ पे जाकर आप अपना कंटेंट लिखो जैसे आप वो जल चक्र बनाना चाहते हैं राइट तो वाटर साइकिल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे क्या आता है क्लाउड आता है फिर क्या आता है क्लाउड क्लाउड से क्या आता है बारिश आती है बारिश से क्या होता है पानी नदी में चला जाता है राइट तो नदी में जाके कहाँ पे चला जाता है बाद में वो समंदर में जाता है फिर उसका क्या बनता है वाटर वेपर बनता है तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं सो दिस इज द वे दैट यू कैन इंसर्ट द शेप्स तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई ये क्या क्या नहीं कर सकते हम लोग इसके अंदर तो so, इंसर्ट uh, के अंदर पिक्चर्स स्मार्ट आर्ट चार्ट वगैरह यूज़ कीजिए प्रैक्टिस कीजिए इस सेशन में इतना नेक्स्ट सेशन में हम सीखते हैं कि इंसर्ट की मदद से और क्या क्या इस डॉक्यूमेंट में हम ऐड कर सकते हैं अब आपको यहाँ पे नोट्स में एक टेबल भी ऐड करना है जिस टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड करनी है तो कैसे करेंगे यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे मुझे टेबल ऐड करना है तो टेबल हम सीखने वाले अभी सेशन में इंसर्ट में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट में टेबल जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे भाई टेबल कैसा चाहिए आपको यहाँ पे जैसे माउस पॉइंटर घुमाओगे ना आपको दिखाई दे रहे हैं नंबर ऑफ़ रोज़ इंसर्ट होते जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव नीचे देखिए रोज़ हॉरीजेंटल लाइन को हम रोज़ बोलते हैं और वर्टिकल लाइन्स को कॉलम बोलते हैं अब ये बच्चा बच्चा जानता है इसको पता नहीं ज़्यादा जरूरत नहीं मुझे तो ये ड्रैक करो तो ये देखिए इतने रोज़ और इतने कॉलम आ जाएंगे या फिर आपको लगता है यार यहाँ से नहीं मैं इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन चूज करना चाहता हूँ इससे क्या मिलेगा इससे आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं भाई कितने रोज़ मैं चाहता हूँ पाँच रोज़ चलो ठीक है कॉलम कितना चाहता हूँ चार कॉलम ये भी ठीक है मैं ओके कर देता हूँ राइट और यहाँ पे टाइप कैसे करना है कंटेंट आपको यहाँ पे टाइप करना है जैसे सीरियल नंबर आगे जाने के लिए आपको राइट या टैब बटन दबा दो मेरा सजेशन है टैब ही इस्तेमाल करो नेम यहाँ पे उसके बाद आएगा कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट नंबर उसके बाद यहाँ पे सिटी और उसके बाद यहाँ पे जेंडो राइट तो यहाँ पे हम नाम टाइप कर सकते हैं ये डाउन एरो प्रेस करा डाउन एरो प्रेस किया नीचे आने के लिए आप डाउन एरो प्रेस कर सकते हो वन टू थ्री और अप एंड डाउन एरो से यहाँ पे आप कर्सर मूव कर सकते तो मैंने स्टूडेंट का नाम ऐड किया शाहरुख खान इस तरह से राइट तो आप अलग अलग यहाँ पे आपके स्टूडेंट के नाम ऐड कर सकते हैं ये सब हमारे स्टूडेंट है एग्जाम्पल के लिए अब ये हमारे पास नहीं पढ़े हैं लेकिन फिर भी हमने ऐड कर दिए हैं तीनों खान को ऐड कर दिया है और यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं इनका कॉल मत लगाइएगा ओके और उसके बाद इनकी सिटी लिख सकते हैं और उसके बाद इनका जेंडर लिख सकते हैं तो इस तरह से कंटेंट लिखो लेकिन आपको लगता है यार यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए मुझे कॉलम कम पड़ गया यहाँ पे एक और कॉलम में स्टेट ऐड करना है कुछ और इन्फॉर्मेशन ई मेल वगैरह ऐड करना है तो कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे आप क्या करो यहाँ पे कर्सर रखो लास्ट कॉलम में लास्ट कॉलम में कर्सर रखिए आपको जाना कहाँ पे लेआउट टैब यहाँ पे ऊपर मिलता है लेआउट टैब में ढेर सारे ऑप्शन है देखिए यहाँ पे टेबल से रिलेटेड ढेर सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे इंसर्ट राइट ये ऑप्शन आपके काम का है अभी क्यों क्योंकि हमें राइट साइड में एक कॉलम चाहिए आ गया क्या बात है और ये कॉलम नहीं चाहिए तो इसे सेलेक्ट रखो और डिलीट कॉलम्स या फिर दोबारा देखिए कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड यहाँ पे मैंने क्लिक किया मैं इंसर्ट लेफ्ट कर रहा हूँ ये बीच में कॉलम आ रहा है राइट तो मैं इसे सेलेक्ट रखूंगा मतलब क्या इसमें कर्सर एक तो रखो तो भी चलेगा और जाके डिलीट कॉलम करो ये डिलीट कॉलम्स तो यहाँ पे इंसर्ट भी होता है डिलीट भी होता है यहाँ पे कॉर्नर पर आके इसकी साइज़ भी आप बढ़ा सकते हैं ऐसे कॉर्नर ये देखिए माउस पॉइंट कॉर्नर पे लेके आ जाओ इसके साइज बढ़ाओ आपको लगता है यार ये जो कॉन्टैक्ट नंबर या फिर सीरियल uh, नंबर देख लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ो सीरियल नंबर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेस आ चुका है तो इस कॉलम के बॉर्डर पे माउस पॉइंटर लेके आ जाओ देखिए या पे री का ऑप्शन आ जाता है इसे आप इधर खींचो जितना उस कॉलम की ज़रूरत है उतना आप रख सकते हैं आराम से जितना आपको लगता है कि भाई इससे इतना ही होना चाहिए इतना ही जिससे आपका स्पेस वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं माउस पॉइंटर एग्जैक्ट लाइन पे लेके आ जाओ हो जाएगा और आपको लगता है यार इसका बॉर्डर वगैरह या कलर वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए टेबल डिज़ाइन ऑप्शन दिया है टेबल डिज़ाइन पूरा का पूरा यहाँ पे टेबल में जाकर डिज़ाइन सेलेक्ट कर लो अलग सा डिजाइन आ जाएगा आप यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे ले लो पहले पेन कलर ले लो बॉर्डर की साइज ले लो और फिर यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर कर लो जो भी यहाँ पर सिलेक्ट करते हो ना ऑल बॉर्डर से अप्लाई हो जाती है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है टेबल के साथ काम करने के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई रोज़ कहाँ से इंसर्ट होते हैं कॉलम कहाँ से इंसर्ट होते हैं हाँ यहाँ पे रोज़ इंसर्ट करना है तो एक और तरीका है मेरे पास यहाँ पे मैं कर्सर लास्ट में रखूँगा और की बोर्ड पर टैप बटन दबा दूँगा टैप 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 बटन दबाते जाऊँगा तो यहाँ पर रोज़ नए नए इंसर्ट होते जाएंगे अंडू कर रहा हूँ मैं या फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं टेबल लेआउट में बेसिकली टेबल के अंदर कर्सर रखा हुआ है तो लेआउट टैब मिलेगा क्लिक कीजिए लेआउट टैब में और जाकर यहाँ से आप इंसर्ट बिलो कर दीजिए इंसर्ट बिलो 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 यहाँ पे फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है लेकिन आप सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे क्लिक करो और टेबल डिज़ाइन में जा बॉर्डर में जाकर ऑल बॉर्डर्स वो अप्लाई हो जाएगा राइट right? अगर नहीं दिख रहा है तो फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे शेडिंग कलर है जो आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं सो यू कैन ट्राई इट राइट्स तो ये इस तरह से आप टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर हैं अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको रेडीमेड टेबल चाहिए आपको लगता है यार मुझे ऐसा है ना रेडीमेड टेबल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में जाओ टेबल में आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा क्विक टेबल्स जो कि रेडीमेड आपको टेबल्स मिल जाएंगे जो कि फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ ऐड रहेगा बस आपको इसमें कंटेंट ऐड करने रहेंगे इस टेबल को मैं एंटर करके नीचे लेता हूँ अगर आप देखोगे यहाँ पर ये टेबल ऐड हो चुका है इसमें आपको कंटेंट खुद से है ना आपको बस कंटेंट टाइप करने हैं फॉर्मेटिंग रेडीमेड है तो रेडीमेड टेबल चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं रेडीमेड फॉर्मेट वाला और आप खुद से ड्रा करना चाहते तो ड्राइंग ऑप्शन भी इन्होंने दिया है ड्रॉ टेबल ड्रॉ टेबल में जाओ ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करो कितने के रोज़ और कॉलम चाहिए ये आप ऐसे ड्रॉ करते बैठो एक 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 करके ड्रा कर सकते हैं आप यहाँ पे रोज़ मैंने लिए दो ये रात दो रो और कॉलम मैंने वन टू थ्री फोर फाइव इतने तो यहाँ पे आपको आइडिया आ चुका है कि भाई टेबल कैसे ऐड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस सेक्शन में हमने यही सीखा अब इतना बढ़िया डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे बना लिया हेडर एंड फुटर इमेजेस लोगोज वाटरमार्क सब कुछ ऐड कर दिया अब ये डॉक्यूमेंट हमें सेव करना है पी में सेव करना है वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना है प्रोटेक्ट करके सेव करना है या फिर इसे प्रिंट करना है तो ये सारी जानकारी अभी हम लेते हैं तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसे सेव कैसे करना है सेव करने के दो तरीके मैं बताऊंगा मैं कौन सा यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा एस बटन से आप सेव कर सकते हैं यहाँ कंट्रोल एस बटन प्रेस करोगे तो आप नए वर्जन में तो ये डायरेक्टली वन ड्राइव का लोकेशन देता है यहाँ पर मैं, मैं माई डॉक्यूमेंट्स लेके सेव कर दूँगा माई डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर मोर लोकेशन क्लिक करके यहाँ पे जैसे मोर लोकेशन क्लिक करोगे वही फाइल में जो सेव ऑप्शन है वही आएगा और ब्राउज ऑप्शन पे जाएंगे आप ब्राउज में जाकर वो बोल रहा है कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव करना है तो सेव का तरीका है कंट्रोल एस करो यहाँ पे जाकर मोर लोकेशन ले लो नए वर्जन में ऐसा आता है और पुराने वर्जन में कंट्रोल प्रेस करते ही ये डायलॉग बॉक्स आता है अब ये मैंने कहाँ से लाया डायलॉग बॉक्स ये बताऊंगा डोंट वरी लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल एस पुराने वर्जन में प्रेस करते ये वाला डायलॉग बॉक्स आता है नए वर्जन में ये वाला डायलॉग बॉक्स आता है तो इसमें आपको मोर ऑप्शन यहाँ से जा सकते हैं या फिर मोर ऑप्शन में जाकर यहाँ से भी ला सकते हैं आप ब्राउज़ में ओके ब्राउज़ में जाओगे तो यही ऑप्शन आ रहा है देखिए कहाँ पे सेव करना है आपको तो आपको पूछ रहा है कि भाई ये लोकेशन पहले सेलेक्ट करो चलो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिस फाइल राइट ये हमारी पहली प्रैक्टिस फाइल है आपके लिए ये प्रैक्टिस के लिए भी देता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिस फाइल ये मैंने इसका फाइल का नाम रखा है पहले लोकेशन सिलेक्ट करो कहाँ पे सेव करना है बाद में फाइल का नाम दो ओके उसके बाद यहाँ पे आपको देना है उसका फाइल टाइप तो अभी आपको देने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि ये डॉक्स टाइप की फाइल बनती है वर्ड का एक्सटेंशन होता है डी ओ सी एक्स अभी एक्सटेंशन क्या होता है एक्सटेंशन मतलब हर एक फाइल का पहचानने का तरीका है अगर आप ये फाइल किसी को भेजोगे उसके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो वो डॉक्स एक्सटेंशन से पता चल जाएगा उसके कि भाई ये डॉक्यूमेंट फाइल है राइट right? क्योंकि यहाँ पे फाइल का नाम हमने ये रखा है तो उसको अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं तो अबकोस उसके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं तो वो डब्ल्यू लोगो नहीं आएगा कि भाई ये वर्ड की फाइल है तो ये डी ओ सी एक्स ये एक्सटेंशन है हर एक फाइल का पहचानने का तरीका होता है अलग अलग तो वर्ड का डी ओ स एक्सेल का एक्सल एस एक्स है पावर पॉइंट का पी पी टी एक्स है तो अलग अलग एक्सटेंशन रहते हैं यहाँ पे इसका एक्सटेंशन याद रखना है डॉक्यूमेंट फाइल का डी ओ सी एक्स रहता है ये एग्जाम के लिए मैं पूछूंगा जो फाइनल एग्जाम्स रहते हैं ऐसे सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये फाइनल एग्जाम जो आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है उसके लिए आ सकते हैं तो याद रखिए इसे सो so, ये मैं इसे सेव करना चाहता हूँ राइट अब मैंने इसे डेस्कटॉप लोकेशन दिया इस फाइल को मैंने सेव किया एंड लेट मी क्लोज इट मैं इसे यहाँ से ऊपर क्लोज करता हूँ अब इस फाइल की मुझे जरूरत नहीं है इसकी जरूरत है क्या ये तो मैंने ऐसे टेम्पररी लिया था राइट डॉक्यूमेंट थ्री है तो मैं कंट्रोल डब्ल्यू करूंगा कंट्रोल डब्लू क्लोज और ये पूछ रहा है आपको ये सेव नहीं किया भैया आपने राइट भैया या बहन जी तो आप इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव करो डोंट सेव कंट्रोल डब्ल्यू ये बता रहा है कि भैया आपने ये भी सेव नहीं किया है तो मैं इसे सेव नहीं करना चाहता सेव करना चाहता हूँ तो ये देखिए राइट डोंट सेव फ़िलहाल ये भी क्लोज और ये वर्ड भी क्लोज अब हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं एक मिनट के लिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं आ चुका और ये रहा मेरा पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यहाँ पे फाइल ये रहा ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिस फाइल राइट right? यहाँ पे मैं इसे डबल क्लिक करूँगा आई कैन ओपन इट तो ये सेव हो गया लेकिन ये डेस्कटॉप पर सेव है मैं इसे सेव करना चाहता हूँ है और एक बार तो इसे एफ बटन प्रेस करो आप एफ़ कैसे आ रहा है देखिए एफ ट्वेल्व से डायलॉग बॉस होता है इसे सेव एज बोलते दूसरा तरीका है सेव का जो कि मल्टीपल टाइम्स एक डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं राइट right? तो आपको इसको डी ड्राइव में भी सेव करना है तो आप डी ड्राइव में ई e ड्राइव में भी सेव करना चाहते हैं आप डेस्कटॉप पे सेम नाम से नहीं सेव कर सकते दोबारा क्यों क्योंकि डेस्कटॉप पे ऑलरेडी ये नाम से सेव है अगर आपने इसे सेव किया तो उसी में सेव हो जाएगा राइट एक घर में सेम नाम के दो बच्चे तो नहीं रहते हैं राइट तो वैसे ही यहाँ पे तो सेम नाम की फाइल डेस्कटॉप पे कैसे रहेगी आप अलग लोकेशन पर रख सकते हैं तो वो अलग लोकेशन पे ये फाइल आप रखना चाहते हो तो रख सकते हैं एफ बटन से लेकिन मैं यहाँ पे एफ यूज़ करता हूँ ज़्यादातर पी बनाना है मुझे अभी इसका तो पी क्यों बनाना है क्योंकि यहाँ पे ये जो फाइल है ना ये एडिटेबल है मैं अभी इसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बनाना चाहता हूँ तो वो भी देख लीजिए F12 बटन दबाते ही आप क्या करोगे यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्टेड है उसे आप सिलेक्ट करके पी करोगे पी बनाने का एक तरीका तो ये है वैसे भी आप फाइल में जाओगे ना एक आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पी ये रहा तो ये करोगे ना आप ये देखो इस पर क्लिक करता हूँ ना तो वही डायलॉग बॉक्स आ रहा है पब्लिश बस इसको ऊपर नाम है बट ये वही हो रहा है वही चीज़ हो रही है देखिए बस सेवेज टाइप में पी लिख के आ रहा है बाकी तो मतलब वही आप सेवेज से भी कर सकते हैं डेस्कटॉप पर जाओ और इसे आप पब्लिश करो राइट तो ये क्या होगा पी में जाकर सेव हो जाएगा लेट मी पब्लिश इट तो यहाँ पे ये पब्लिश हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे प्रोसेसिंग होता है इसे प्रोसेस होने दो ज़्यादा पेजेस हो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए टाइम लग सकता है तो यहाँ पे मेरा प्रोसेसिंग पूरा हो चुका है एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस फाइल फ्रॉम डेस्टॉप ये रहा पी डी एफ एंड ओपन हो चुका है पी बन गया है हमारे नोट्स का क्या बात है राइट ग्रेट राइट ओके तो इस तरह से पी बनाते आपको ये आइडिया आ चुका है आगे इसको पी तो मैंने बना दिया चलो ठीक है अब मुझे क्या करना है इसे प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी बटन दबा दीजिए आपको पूरा पेज प्रीव्यू दिखाई देता है प्रॉपर है देख लो पहले वॉटर मार्क वगैरह सब कुछ प्रॉपर आ रहा है फिर जाओ प्रिंट बटन पे क्लिक करो लेकिन पहले प्रिंटर सेलेक्ट करो और प्रिंटर चालू है कि नहीं देखो ये ऑफलाइन आ रहा है मेरा प्रिंटर कनेक्टेड यहाँ पे है नहीं मतलब चालू नहीं है एच प्रिंटर कनेक्टेड है जो भी प्रिंटर है वो कंपनी का नाम यहाँ पर रहेगा आप इसे सिलेक्ट कर लेना है प्रिंटर आपका और प्रिंट करना है जब यहाँ पर प्रिंटर ऑनलाइन दिखाएगा स्टेटस राइट तो यहाँ पर प्रिंट करो सारे पेजेस प्रिंट हो गए लेकिन सारे पेजेस के दो दो कॉपी चाहिए तो यहाँ पर दो कॉपीज यहाँ पे तीन तीन कॉपी चाहिए तीन कॉपीज जितनी कॉपी चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं राइट right? यहाँ पे आपको प्रिंट करते समय ध्यान रखना है यहाँ पे वही ऑप्शंस आपको नीचे भी दिखाई देंगे कि भाई पेज आपको चेंज करना है पेज का साइज वगैरह या फिर नॉर्मल मार्जिन पेज आपको लैंडस्केप रखना है तो यहाँ पे पोर्ट्रेट और एट की जगह आप लैंडस्केप कर सकते हैं जिससे आपको दिखाई देगा पेज कैसे आ रहा है या पे आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं सो कंट्रोल पी ऑप्शन के अंदर आपको प्रिंटिंग मिल जाता है प्रिंट यहाँ से करो प्रिंटर सेलेक्ट करके फटफट फटफट -फट 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 प्रिंटिंग निकलना चालू हो जाएगी फटफट -फट -फट प्रिंटिंग करना है तो भैया बस प्रिंट ऑप्शन अच्छा यहाँ पे ढेर सारे और भी ऑप्शन है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ लेकिन उसके लिए मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डेडिकेटेड कोर्स डिजाइन किया लंबा चौड़ा ये क्रैश कोर्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहां पे कवर कर रहा हूं मतलब जो जरूरी है इंपॉर्टेंट तो सभी वैसे लेकिन जो आपको पहले आनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पता होनी चाहिए वो सारे पॉइंट्स मैं यहां पे कवर कर रहा हूँ लेकिन अगर आपको लगता है कि यार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुझे इन डेप सीखना है हर एक पॉइंट्स को सीखना है हर एक ऑप्शन को सीखना है पकड़ पकड़ के सीखना है पकड़ पकड़ के मेरा बोलने का अंदाज है लेकिन मेरा कहने का मतलब है डिटेल में सीखना है तो आप मेरा कोर्स इनरॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मेरा कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स अवेलेबल है बहुत ही कम फीस में एंड यू विल गेट द प्रैक्टिस फैल एंड ऑल आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हिंदी ई e बुक भी मिलेगा उस कोर्स में अगर आप इंटरेस्ट हो तो ज़रूर चेकआउट कीजिए अगर मेरी टीचिंग स्टाइल समझ में आ रही पसंद है तो भैया चेक कीजिए विदाउट एडवर्टाइजमेंट विद आयुष सर्टिफिकेट कोर्स वहाँ पर सीखने मिलेगा ओके okay. फिलहाल तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि भाई इसमें सेव कैसे होता है सेव एज़ क्या होता है किस तरह से होता है या फिर डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है जो कि डॉक्यूमेंट सेव से रिलेटेड है इस डॉक्यूमेंट को मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया था ये मेरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये कोई भी ओपन करके देख सकता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड करूँ तो उसके लिए मैं एफ़ ट्वेल्व बटन दबा दूंगा एफ ट्वेल्व बटन दबाने के बाद ये सेव सेवैस का डायलॉग बॉक्स आएगा ये सब ऐसे ही रखूंगा एज इट इज यहाँ पर कोई चेंज नहीं करूँगा जाऊँगा तो कहाँ पर टूल्स में जनरल ऑप्शन में टूल्स में जनरल ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पर पासवर्ड टू ओपन में मैं यहाँ पे पासवर्ड दूँगा वन टू थ्री एंटर और दोबारा पासवर्ड देना है वही आपको मैं पासवर्ड बताऊंगा आपको क्योंकि मैं आप पे भरोसा करता हूं राइट राइट नहीं पासवर्ड ऐसा शेयर नहीं करना ये तो मेरा कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं इसलिए मैंने वन टू थ्री पासवर्ड दे दिया है सो so, आप यहाँ पे जो भी पासवर्ड देना चाहते हो वो दे दीजिए डेस्कटॉप पे इस फाइल को मैं सेम लोकेशन पर ही दोबारा सेव कर रहा हूँ अब इस आ, सेम लोकेशन पर पासवर्ड हुई तो ये फाइल सेव होगी अगर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और डेस्कटॉप पर जाके इस फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि भाई साहब पहले पासवर्ड दे दो तभी हम आपको कंटेंट दिखाएंगे एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल अयो ये पासवर्ड डालने के बाद ओपन हो रहा है क्या बात है राइट तो समझ में आया होगा आपको अभी तो मैं यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डालूंगा तो ओपन तो होने वाला नहीं है तो मैं सही पासवर्ड डाल देता हूँ तभी ओपन होगा राइट खुल जा सिम सिम तो आपको पता चला कि भाई डॉक्यूमेंट को पासवर्ड कैसे देते हैं राइट तो ये सेक्शन में हमने इतना सीखा अब हमारी बारी है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने की जैसे कि हम लेटर वगैरह कैसे टाइप करते हैं और हमारे बायोडाटा रिज्यूमे या सी कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं तो हमने बहुत सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में अभी सीख ली अब आखिरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह का एक प्रोफेशनल सीवी या रिज्यूम में जो भी आप बोलो इसे ये कैसे हम बनाते हैं यहाँ पे कैसे शेप्स ऐड हो चुके हैं ये शेप के अंदर कैसे पिक्चर ऐड हो गया ये अट्रैक्टिव रिज्यू में हमने कैसे बनाया ये मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप तो ये हमारा फाइनल पार्ट होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेकिन ये क्रैश कोर्स यहाँ पर खत्म नहीं होता इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कंट्रोल एंड नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ और सबसे पहले करना क्या है इनसर्ट टैप में इन सब टैब में जाकर यहाँ पे शेप्स ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पे मैं रेक्टेंगल कर रहा और रेक्टेंगल कैसे मैं यहां से लेकर इतना पोर्शन पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा जो कि वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है है कि इतने पोर्शन में एक रेक्टेंगल और इसमें शेप फील्ड में जाकर यहाँ पे एक इस तरह से तो मैं कलर ड्रॉ करूंगा देखिए तो यहाँ पे मैंने एक शेप फील में कलर दिया इसका जो आउटलाइन कलर है वो मैं हटाना चाहता हूँ तो आउटलाइन कलर मतलब शेप फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक कीजिए शेप आउटलाइन और नो आउटलाइन आउटलाइन बिल्कुल यहाँ पर मैं नहीं रखना चाहता हूँ ओके सो सबसे पहला स्टेप मैंने यह उसके बाद यहाँ पे मुझे टेक्स्ट ऐड करना है इसके बीच में तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा इंसर्ट में जाकर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स राइट साइड में शेप में से भी आप ले सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स ले लो डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे आप ड्रैग करो इस तरह से ये टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है चलो ठीक है टेक्स्ट बॉक्स में मैंने मेरा नाम लिख दिया सतीश टोड़े उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दिया तो एग्जाम्पल के लिए कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर रहा हूँ आपको पता ही है एग्जाम्पल ही दूंगा नहीं तो अगर ओरिजिनल कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा तो मुझे सोने नहीं दोगे आप लोग <laughs> ओके सो एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं ई मेल देता हूँ वैसे इतना पॉपुलर भी नहीं हूं मैं लेकिन फिलहाल अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो में दूँ तो गड़बड़ हो जाएगी और एग्जाम्पल के लिए ई मेल मैं यहां पर लिख रहा हूं राइट ओके ओके ये तीनों चीजें मैंने यहां पे लिख दी है अब इसको फॉर्मेट हम करेंगे ओके okay. तो इसको फॉर्मेट कैसे करना है सतीश डबले इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसका जो साइज़ है मतलब तीनों का एक काम कीजिए तीनों को सिलेक्ट कीजिए सेंटर में लीजिए पहले तो फिर सतीश डबले इसे सेलेक्ट कीजिए इसका साइज़ बढ़ा दीजिए इस तरह से और इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए इस तरह से ओके okay. अब इसको जो फॉर्मेटिंग है तीनों का मैं फॉर्मेटिंग सभी पूरे के पूरे इसमें कौन सा फॉर्मेटिंग रखना चाहता हूँ वो आपके ऊपर है मैं पॉपिंस फॉर्मेटिंग ही लेना चाहता हूँ पॉपिंस फॉन्ट लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप जो फॉन्ट है ना आपको लगता है कि यार ये डिसेंट फॉन्ट लग रहा है वो फॉन्ट आप यूज़ ले लो यहाँ पे कोई ज़्यादा फैंसी फॉन्ट लेना नहीं होता है रिज्यूमे के अंदर राइट सो मैंने ये ले लिया लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे स्पेसिंग बहुत ही ज़्यादा नहीं लग रहा है आपको तो इसे सिलेक्ट कर लो और आपको जाना कहाँ पे देखिए स्पेसिंग कम करना है इसमें लाइन स्पेसिंग के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे है लेकिन लाइन स्पेसिंग नहीं कम करना है आपको लेआउट टैब में जाना है लेआउट टैब के अंदर यहाँ पे आपको स्पेसिंग दिखाई दे रहा है वो है पैराग्राफ स्पेसिंग बेसिकली तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं सिक्स ज़ीरो जीरो रख दो डायरेक्टली पैराग्राफ स्पेसिंग राइट इस तरह से एंड आई वॉन्टेड टू मेक इट बोल्ड तो इसे मैं सिलेक्ट करके बोल्ड करता हूँ इस तरह से अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या किया अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे इससे भी मैं यहाँ पर इसका कलर अलग रखा है और इसका कलर अलग रखा है और इसका बैकग्राउंड कलर है ही नहीं तो मैं क्या करूँगा इसे सेलेक्ट करूँगा ये देखिए इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं शेप को और शेप फॉर्मेट में जाकर शेप फिल में जाकर नो no फिल राइट डेंटा लाइन और शेप आउटलाइन को भी नो आउटलाइन आउटलाइन भी नहीं नहीं कुछ नहीं ओके okay. अब आपको ये प्रॉपर मिल रहा है अब एक बार इसकी साइज़ थोड़ी सी कंट्रोल एक कर लीजिए इसे सेलेक्ट करके थोड़ी साइज़ पूरी की पूरी बढ़ा देते हैं थोड़ा बड़ा रख देते ठीक है।, है अब इसे सेंटर में रख देते हैं अब दूसरा चीज़ यहाँ पे इस सतीश को कलर अलग देना है तो सतीश को सिलेक्ट करो और इसको कुछ अलग कलर आपको देना है वो आप रख सकते हैं इस तरह से राइट right. और ढोले को भी आपको ये नीचे वाला टेक्स्ट तो ब्लैक में मत रखो ये पूरा पूरा व्हाइट करना है ओके okay, तो मैं वाइट कर देता हूँ ये रहा राइट right? ग्रेट तो आपको ये ऊपर कैसे बनाना है आइडिया आ चुका होगा पहला सेक्शन हमने ऊपर का बना लिया आप उसे और भी अट्रैक्टिव करना चाहते हैं आप कि सबसे वो करो लेकिन ज़्यादा फैंसी बनाने की जरूरत नहीं है वैसे भी आप जितना डिसेंट रखोगे उतना अब क्या करना है यहाँ पे आपका जो रोल है जॉब रोल ये बेसिकली यहाँ पे ऐड किया गया है लेकिन ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये शेप में ऐड किया है तो इस कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ कंटेंट क्या है ये दिखाता हूँ मैं आपको कंटेंट यहाँ पे मैंने कॉपी किया जो भी है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा और दोबारा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूँगा और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करूँगा यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा राइट इस तरह से कंटेंट को यहाँ पे डाल दूंगा लेकिन ये जो कंटेंट का जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है बेसिकली अभी यहाँ पे इसका बॉर्डर दिखाई दे रहा है तो शेप फॉर्मेट में शेप फिल नहीं शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन तो आप इसे आउटलाइन ऐसे आपको उसके बाद यहाँ पर एक फोटो आपको ऐड करना है लेकिन वो सर्कल में होना चाहिए तो उसके लिए इंसर्ट में जाओ शेप्स में जाओ और यहाँ पर एक एलिप्स ये जो दिखाई दे रहा है ये देखिए एलिप्स ये ड्रॉ कीजिए आप बोलोगे ये लिप्स ड्रा करोगे तो ये सर्कल थोड़ी है आप ड्रॉ करते समय ही जैसे आप ड्रॉ कर रहे हो कंट्रोल बटन प्रेस आप ड्रॉ करते समय ही जैसे आप इसे ड्रॉ करो शिफ्ट बटन प्रेस करो ये सर्कल आ जाएगा क्या बात है राइट सर्कल आ गया यहाँ पे और इस सर्कल में पिक्चर रखना है ये भी सिंपल है शेप फॉर्मेट ऊपर दिखाई दे रहा है टैप येस मुझे दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा है सबको दिखाई दे रहा है शेप फिल में जाइए और अभी आप यहाँ पे पिक्चर में जाइए शेप फिल में एक ऑप्शन है पिक्चर जूम करके बता रहा हूँ दोस्तों पिक्चर में जाइए प्रॉम फाइल में जाइए एंड आपका कोई भी एक स्क्वायर वाला फ़ोटो रहना चाहिए स्क्वायर में ये स्क्वायर है मतलब इसका थाउजेंड बाय थाउजेंड साइज़ है अगर आप रेक्टेंगल वाला कोई फोटो डालोगे ना फट जाओगे आई मीन टू से वो स्ट्रेच हो जाएगा ऑरिजेंटली ऐसा मतलब जैसे पिक्चर फटता है ना वैसे नजर आएगा तो वो नहीं करना है इंसर्ट करना है आपको एक स्क्वेयर वाला इमेज वो आपको यहाँ पर प्रॉपर फिट मिलेगा नहीं तो आप स्क्वेयर वाला नहीं डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी सो गड़बड़ घोटाले से बच जाओ और आप इसकी साइज़ कम ज़्यादा करना चाहते हो तो करो कॉर्नर से है ना यहाँ पे कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लेके आओ लेकिन शिफ्ट बटन प्रेस करके कम करो शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो क्या गलती हो जाएगी ये देखिए ये ऐसा लग रहा है वड़ा पौखा के हम ओके पोकेश के तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है शिफ्ट बटन प्रेस करना है जब भी आप इसके साथ कुछ भी चेंजेस करते हो व्हाट इज़ नेक्स्ट हमें यहाँ पे लाइन मारनी है यानी कि एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है बेसिकली अगर हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोले तो इंसर्ट में जाओ शेप्स में जाओ और यहाँ पे लाइन पे क्लिक करो इंसर्ट शेप लाइंस ये ऑलरेडी पता है जो मैंने ऑलरेडी बताई है और इसे शिफ्ट बटन प्रेस करके ड्रॉ करोगे तो ये सीधी आ जाएगी नहीं तो ये टीडी आ जाएगी और शेप की आउटलाइन वेटेज वगैरह वे जो है यह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जैसे आप रखना चाहते हो आपकी मर्जी ओके चलो ठीक है ये यह लाइन यहाँ पे रख दी और इसको ब्लैक कलर रखना है मुझे बेसिकली इसे सिलेक्ट कर लो शेप फॉर्मेट में जाओ शेप फील्ड में जाओ मतलब शेप आउटलाइन में जाओ और यहाँ से आप इसे ग्रे कलर रख सकते हैं ऐसे राइट जो कलर रखना चाहते हैं राइट ओके ठीक है इसे थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ और एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है तो मैं इंसर्ट में दोबारा जाऊँगा शेप्स में क्लिक करूँगा यहाँ पे लाइन पे क्लिक करूँगा और ये लाइन मुझे यहाँ पे चाहिए ये मुझे ऐसा सेक्शन दो सेक्शन बनाने हैं तो मैंने ये दूसरा सेक्शन बनाया शिफ्ट बटन प्रेस करके लाइन में यहाँ तक ड्रॉ करूँगा पेज के एंडिंग तक बॉटम तक जहाँ तक है आपके कंटेंट और फिर इसे भी शेप आउटलाइन में जाकर वेटेज दे सकते हैं आप वन का मैंने दिया है उसको भी शेप कलर यहाँ पे दे सकते हैं आउटलाइन को कलर यहाँ पे दे सकते हैं कलर दे दिया हमने आउटलाइन कलर दे दिया सब कुछ दे दिया ये प्रॉपर हो गया तो आपको ये रिज्यूमे का एक फॉर्मेट एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ बेसिकली ऐसा ही बनाना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आपको राइट right? तो आप आपके हिसाब से बना सकते हैं मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ कि भाई इसमें अलग अलग कंटेंट टाइप करने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इंसर्ट में जाओ आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में दोबारा जा सकते हैं यहाँ से आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करो और इसमें आपके जो जो कंटेंट सेक्शन वाइज लिखने तो ऐसे अलग अलग सेक्शन वाइज आप टेक्स्ट बॉक्स रखो या फिर आप बार बार ड्रॉ मत करो ये ऊपर का जो टेक्स्ट बॉक्स है ना इसी को आप कॉपी करो बार बार फॉर्मेटिंग करो ये करो वो करो इसी को आप कॉपी पेश करो नीचे रखो और कॉपी पेश करो नीचे रखो और इसमें आप कंटेंट आप ऐड करते जाओ जो भी आपको अलग अलग एक्सपीरियंस ऐड करना है पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी है सारे कंटेंट है यहाँ पे अब कंटेंट टाइप करके तो मैं दिखाऊंगा नहीं यहाँ पे बस आपको बता रहा हूँ कि भाई इन टेक्स्ट बॉक्स की मदद से ये सारी चीज़ें एडजस्ट होती है और आपको एडजस्ट करनी आनी चाहिए कि भाई कैसे आपको एडजस्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम कैसे कंटेंट को ऐड कर सकते हैं अब इस कंटेंट में कैसे क्या लिखना है बुलेट्स कैसे अप्लाई करना है जैसे यहाँ पे दिखाया दे रहे बुलेट्स वगैरह ये सारी चीजें मैंने सिखाई है ऑलरेडी राइट ऑलरेडी हो चुका है हमारे फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे करना है सो यू कैन डू इट तो मुझे ये बताना है कि भाई आप अलग अलग शेप्स इंसर्ट करके अलग अलग चीजें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं ढेर सारी चीजें हम कर सकते हैं और इसके लिए अगर, अगर आप इंटरेस्टेड हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इन डिटेल सीखने के लिए तो आप हमारा कोर्स इंटरॉल कर सकते हैं दैट्स इट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये क्रैश कोर्स यहां पर मैं फिनिश कर रहा हूं लेकिन अब शुरू करेंगे हम एक्सेल का क्रैश कोर्स तो ये था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर ये तो क्रैश कोर्स है दोस्तों इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताने की वैसे भी कोशिश की जो यूज़फुल चीज़ें वो मैंने सब सबके सब इसमें कवर की है लेकिन इसका डिटेल कोर्स अगर आप सीखना चाहते हो तो मैंने एक डिटेल कोर्स भी डिजाइन करके रखा है जो कि मेरे एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन की लिंक दी है जहाँ पर आप जाकर इस कोर्स को इनरॉल करके सीख सकते हैं विथ आईसो सर्टिफिकेट एक एक सेपरेट सर्टिफिकेट आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मिल जाएगा क्योंकि एक सेपरेट कोर्स है और सेपरेट डिटेल कोर्स है इसका तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी क्या क्या नहीं मिलेगी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो उस कोर्स को उसमें ई बुक हिंदी का आपको मिल जाता है उस उस कोर्स कोर्स में में यस भी हम फ्री में दे रहे हैं उस के साथ साथ और ढेर सारी चीजें कंटेंट ढेर सारे आप जाकर चेकआउट एप्लीकेशन के ऊपर हमने एप्लीकेशन की लिंक दी या प्ले स्टोर पर आप स्किल कोर्स सर्च कर सकते हैं और स्किल कोर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद ये कोर्स इनरॉल कर लीजिए तो फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया तो अब मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए पहला स्टेप यहाँ पे बताता हूँ पहला स्टेप ही बता रहा हूं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन है उसे आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना है क्योंकि आप एप्लीकेशन के ऊपर ये सर्टिफिकेट अवेल कर सकते हैं तो पहले आपको क्या करना है हमारा एप्लीकेशन जो स्किल कोर्स उसे डाउनलोड इंस्टॉल कर लो उस पर रजिस्टर कर लो ये पहली चीज़ आपको कर लेनी है रजिस्टर कर लो तब तक मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ाता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में कहीं पे मैं आपको सेकेंड स्टेप बताने वाला हूँ याद रखिए बीच में कहीं पे बताने वाला हूँ एंडिंग में नहीं राइट तो आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एंडिंग में जाओगे मुझे पता है आप स्मार्ट हो लेकिन मैं भी थोड़ा सा मतलब आपका गुरु यार तो भाई गुरु को तो थोड़ा सा समझदार बनना पड़ता है नहीं तो आप पता है ना चेले तो स्मार्ट होते ही फिलहाल तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू करते ना अभी ये इंटरेस्टिंग है मुझे पता है आप सीखना चाहोगे चलिए शुरू करते हैं स्क्रीन पे तो यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना है तो पहले हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे कंप्यूटर में हम स्टार्ट कैसे करेंगे यहाँ पे आ चुका हूं मैं डेस्कटॉप के ऊपर ये मेरा विंडोज 11 का सिस्टम है तो यहाँ पे आपको जो लोगो दिखाई दे रहा है विंडोज का यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे रिसेंट एप्लीकेशन में मुझे एक्सेल दिखाई दे रहा है आप यहाँ पे एक्सेल यहाँ पे टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं ये देखिए एक्सेल मैंने टाइप किया है और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा अब मेरे केस में एक्सेल 2021 इंस्टॉल है तो आपके केस में अगर एक्सेल 2016 19 13 10 कोई भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई नए वर्जन में कौन से नए ऑप्शन है तो अगर आपके पास नया वर्जन तो वेल एंड गुड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है नए और पुराने वर्जन का सभी का इंटरफेस लगभग सेम ही रहता है सब में फार्मूलाज लगभग सेम है हाँ नए वर्जन में कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज आपको मिलेंगे लेकिन डोंट वरी आपके पास जो भी वर्जन है आप काम करना सीख जाओगे बस आपको यहाँ पे क्लिक करके एक्सेल चालू करना है हाँ अगर आपके पास विंडोज़ इलेवन नहीं है विंडोज़ टेन है तो आपका यहाँ पे विंडोज़ का लोगो लेफ्ट में आएगा और वहाँ से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ विंडोज़ और आर की अगर आप की बोर्ड पर विन की और आर की प्रेस करते हो तो रन कमांड आती है जिसमें आपको एक्सेल टाइप करना है एक्सेल ओपन में एक्सेल टाइप कीजिए ओके कीजिए एंड दैट्स इट एक्सेल स्टार्ट हो गया अब ये जो इंटरफेस आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आ रहा है ये है एक्सेल का वेलकम स्क्रीन जिसमें आपको ब्लैंक वर्कबुक बुक यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हमें ब्लैंक वर्कबुक से ही हमें हमारा काम शुरू करना है यहाँ पे वेलकम टू एक्सेल ड्रॉप डाउन यहाँ पे रेडीमेड टैप्लेट भी मिल रही है ठीक है ड्रॉप डाउन टूटोरियल फॉर्मूला टूटोियल यहाँ पे ढेर सारे सारी है बट डोंट वरी ये ट्यूटोरियल यहाँ पे जाओगे तो आप पढ़ते बैठोगे मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो इसकी आपको जरूरत नहीं है आप ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करके शुरू कीजिए यहाँ पे आपको रिसेंट जो फाइल मैंने यूज़ की है या बनाई है एक्सेल के अंदर वो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे ओपन ऑप्शन फाइल ओपन करने के लिए न्यू ऑप्शन नया फाइल लेने के लिए और होम ऑप्शन यहाँ पे ये सारा इंटरफेस आपको होम से दिखाई दे रहा है फिलहाल हम ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे और एक्सेल के स्क्रीन पे आ जाएंगे ये है आपका वर्किंग जोन ये है आपका स्टेडियम बेसिकली जहाँ पे हम खेलने वाले एक्सेल के साथ ही हमारा एक्सेल का स्टेडियम ही समझ लो तो एक्सेल के स्टेडियम में क्या क्या है यानी कि एक्सेल की स्क्रीन पे क्या क्या है वो पहले समझ लेते हैं तो सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है दिस इज अगेन टाइटल बार ये टाइटल बार है एक्सेल की फाइल को वर्क बोलते हैं याद रखिए वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं एक्सेल की फाइल को वर्कबुक बोलते हैं राइट right? ये याद रखना है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बारे क्विकली ऑप्शन एक्सेस करने के लिए राइट साइड में वही मिनिमाइज रिस्टोर और क्लोज ऑप्शन है यहाँ पे आपको होम टैब से लेकर होम इंसर्ट पेज लाउट फॉर्मूलाज डेटा रिव्यू व्यू ऐसे टैब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे चेंज किस नाम का एक टैब है जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है राइट तो ये जो है वो आपके केस में नहीं रहेगा डेवलपर शायद आपने ऑन किया नहीं रहेगा तो वो आपके पास रहेगा नहीं रहेगा लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो होम से व्यू टैब आपके इसमें रहेगा ये डेवलपर ऑन एंड ऑफ कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊँगा डोंट वरी तो ये पहले समझ लो कि ये टैब्स है और टैब में जब मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो होम के ऑप्शंस दिखाई देते हैं ये ये बेसिकली रिबन है इसे हम रिबन बोलते हैं और ये रिबन के अंदर क्लिप बोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट ये ग्रुप है तो यहाँ पे इंसर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको इंसर्ट के ऑप्शंस दिखाई देंगे पेज लेआउट पे क्लिक करूँगा तो पेज लेआउट तो ऐसे हर एक टैब के अलग अलग ऑप्शन आपको इस रिबन में दिखाई देंगे उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी है अभी यहाँ से नीचे वो क्योंकि अभी देखिए रिबन ग्रुप ये सारी चीज़ें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट में भी मिलेगी लेकिन ये जो चीज़ है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं मिलेगी नेम बॉक्स इसे नेम बॉक्स कहते हैं ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए और ये है फॉर्मूला बार ये फार्मूला बार जहाँ पे हम अपना फार्मूला जब देते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा वो फार्मूला इसका यूज़ क्या है नेम बॉक्स का और फार्मूला बार का ये आपको मैं समझाऊंगा बस अभी नाम याद रखना क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज है जब आप एक्सेल में काम करते हो तो ये नेम बॉक्स और ये फार्मूला बार उसके बाद यहाँ पर आ रहा है आपका स्टेडियम जो कि मैंने आपको बताया था जहाँ पर हमें काम करना है ए बी सी डी दीज आर द कॉलम्स वर्टिकल लाइन्स एक्सेल में जो है उन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं और हॉरिजेंटल लाइन्स जो है एक्सेल में उन्हें हम रोज़ बोलते हैं दोबारा बता देता हूँ याद रखना है वर्टिकल लाइन को कॉलम्स बोला जाता है हॉरिजेंटल लाइन को रोज बोला जाता है तो अब आप यहाँ पे कहोगे तो ये तो टेबल है टेबल है बेशक ये लेकिन इसे शीट बोला जाता है बेसिकली ये शीट है यहाँ पे शीट वन है यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा शीट टू शीट थ्री ऐसे आप मल्टीपल शीट इंसर्ट कर सकते हैं याद रखिए है, अब मैंने शीट वन पे क्लिक किया ये देखिए शीट वन यहाँ पे शीट फाइव पे जाता हूँ तो ये शीट फाइव तो सब में सेम रोज़ और सेम कॉलम ही रहते लेकिन कितने रोज़ और कितने कॉलम रहते हैं ये आपके मन में डाउट रहेगा अगर मैं ऐसे डाउन एरो प्रेस करते जाऊँगा तो कितने रोज रहेंगे नीचे देखिए कितने रोज है राइट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आते जा रहे आते जा रहे और रोज़ तो ऐसा एक डाउन एरो प्रेस करते रखूंगा तो बहुत टाइम जाएगा ऐसा तो मैं कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करता हूँ की बोर्ड मैं कंट्रोल बटन दबा के रखूंगा डाउन एरो ये शॉर्टकट करके याद रखना है डायरेक्टली आप लास्ट रो पे पहुंच जाओगे दोस्तों और लास्ट रो जूम करके दिखा रहा हूँ बताओ टेन लाख फोर्टी एट थाउजेंड फाइव सेवेंटी सिक्स राइट टेन लाख फोर्टी एट थाउजेंड फाइव सेवेंटी सिक्स इतने सारे रोज है इतना सारा रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे बना सकते हो कंट्रोल अप एरो राइट यहाँ पे एक नंबर रो पे हम आ चुके हैं कंट्रोल डाउन एरो टेन लाख फोर्टी एट थाउजेंड फाइव सेवेंटी सिक्स देखिए कहने के लिए तो ये टेन लाख फोर्टी एट थाउजेंड फाइव सेवेंटी सिक्स रोज यहाँ पे है, लेकिन इतने रिकॉर्ड अगर हम एक्सेल में टाइप करने जाओगे और कोई फार्मूला लगाने जाओगे ना तो एक्सेल प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। हैंग हो जाता है इतना बड़ा है ना उसका जो है डेटा इंजीनियर इतना बड़े डेटा पे काम नहीं कर पाता है तो इसलिए उन्होंने एक्सेल के आगे क्या एडवांस वर्जन निकाले डेटा एनालिटिक्स के लिए पावर क्वेरी निकाला डेटा हैंडलिंग के लिए बड़े बड़े डेटा को हैंडल करना है पावर पीओ निकाला राइट right? और पावर बी आई भी, भी निकाला डिटाइनलाइटीज़ के लिए तो ये उन्होंने आगे वर्जन इसीलिए निकाले क्योंकि बड़े डेटा पे जब काम करना है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए दस लाख डेटा तो कुछ भी नहीं मामूली डेटा है जियो जैसा देखो जियो ऑर्गेनाइजेशन और रिलायंस उसके तो करोड़ों कस्टमर्स तो करोड़ो मैं कर है तो ऐसे करोड़ों कस्टमर में एक्सेल में मैनेज कर रहे हैं तो एक्सेल में थोड़ा सा एडवांस लेवल में पावर क्वेरी पावर प्योड पावर बी आई में जाना पड़ेगा राइट तो ये तो आगे की बात है लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि भाई दस लाख रोज़ इसमें है और हमारा अच्छा खासा काम हो सकता है वैसे भी लेकिन बड़ा डेटा जब एक लाख या दो लाख के ऊपर डेटा जाता है और फॉर्मूल आप टाइप करते हो उस पर तो स्लो होने चालू हो जाता है एक्सेल चलो ठीक है रोज़ हमने पता कर लिया अब राइट साइड में हम जाएंगे ऐसे तो कॉलम कितने तक रहेंगे आप बोलेंगे ए बी सी डी है मतलब जेड तक रहेंगे यस जेड तो है ही है लेकिन जेड के आगे भी जा रहा है ए बी ए सी ए डी समझे ए डी आई I मीन mean, कॉलम का नाम बता रहा हूँ मैं ए डी मैं किसी को ए डी नहीं बोल रहा हूँ समझे ए डे तो ए डी यहाँ से ऐसे ही ए खत्म हो जाता है ए जेड पे और फिर से चालू हो जाता है बी ए बी बी कॉलम ओके यहाँ पे बी बी कॉलम भी है राइट आपके पास है कि नहीं पता नहीं यहाँ पे बी बी है बी सी है बी डी भी है जलाओ फिर तो ये कॉलम्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे कितने कॉलम है कंट्रोल राइट एरो दबा दो ना यार एक एक देखने से अच्छा कंट्रोल राइट एरो दबा दो टोटल कॉलम है सिक्सटीन थाउजेंड थ्री एटी फोर मैं नंबर लिख देता हूँ लास्ट कॉलम है एक्स एफ डी और टोटल कॉलम जो है टोटल काउंट करेंगे तो सिक्सटीन थाउजेंड थ्री एटी फोर चलो ठीक है कॉलम और रोज़ आपको पता चले और ये हर एक शीट के अंदर है इतने सारे रोज़ और इतने सारे कॉलम्स हर एक शीट के अंदर है चलो आपने इसका इंटरफेस जान लिया है और एक चीज़ रहेगी यहाँ पे आपको नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है अगेन यहाँ पे स्टेटस बार है और स्टेटस बार में यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है जूमिंग परसेंटेज इसमें भी जूमिंग परसेंटेज अगर आप देखोगे तो मिनिमम यहाँ पर टेन मिलेगा और मैगजिमम यहाँ पर फाइव नहीं मैगजिमम फोर मिलेगा फाइव नहीं मैगजिमम जूमिंग लेवल अगर मैं इसको मैक्स लेके जाऊँ तो यहाँ पे 400 तक ही मैक्स रहेगा इसका राइट right, एक्सेल के अंदर याद रखिए तो यहाँ पे 100 नहीं मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल बटन प्रेस करूँगा और आगे की तरफ ऐसा स्क्रॉल करूँगा जूमिंग लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है कम ज़्यादा हम यहाँ से कर सकते हैं दूसरा यहाँ पे लेआउट है पेज लेआउट मतलब पेज में ये पेज कैसे कितने कॉलम्स आ रहे हो दिखाई देगा पेज लेआउट में जाके आप देख सकते हैं ऐसा तो ये पेज लेआउट मत रखो फिलहाल काम करने के लिए यहाँ पे रखो आप ये वाला नॉर्मल लेआउट ग्रिड लेआउट ओके तो यहाँ पे आपको रोज़ और कॉलम्स पता चले आपको पता चला फार्मूला बार आपको पता चला नेम बॉक्स आपको पता चला स्टेटस बार जूमिंग लेवल पता चली टैब रिबन्स मैंने आपको बताया तो ये इंटरफेस है इसके बारे में हमने जान लिया लेकिन इंटरफेस के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बेसिकली आप जैसे ही कर्सर यहाँ पे रखते हो ये कर्सर जहाँ पे रख रहे हो ये सी कॉलम और रो नंबर फोर का इंटरसेक्शन हो रहा है तो इसको क्या बोलते है? इसको बोलते सेल राइट right? इसको सेल बोलते सी ई डबल एल याद रखो सी ई डबल एल यहाँ पे ये भी सेल है ये भी सेल है ये भी सेल है लेकिन हर एक सेल का एक यूनिक आईडी होता है जो कि कॉलम और रो से बनता है ये ई e कॉलम है तो कॉलम को हम पहले बोलेंगे ए e, और ये फाई ई फाई ये क्या होगा ये सेल ई फाइव होगा यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ये सेल कौन सा है आपको नेम बॉक्स बताता है नेम बॉक्स आपका लोकेशन बताए कि आपका कर्सर कौन से सेल पे क्लिक है बी थ्री पे क्लिक है आप जो भी टाइप करना चाहोगे यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे बी थ्री में और जब भी आप नंबर टाइप करोगे तो वो राइट साइड में ऑटोमेटिक आएगा देखिए नंबर अलाइन टू द राइट एंड टेक्स्ट अलाइन टू द लेफ्ट ऑटोमेटिक तो वो एक्सेल आइडेंटिफाई करता है ये नंबर है ये टेक्स्ट है टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली वो भेजेगा लेफ्ट साइड में नंबर को राइट साइड में आप जितना भी टेक्स्ट टाइप करोगे लेफ्ट में आएगा नंबर को राइट साइड में आएगा ये सिंपल सा एक चीज़ नोटिस कर लेना है आपको नंबर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है एक्सेल पे कि भाई नंबर है टेक्स्ट भी डिटेक्ट कर लेता है तो यहाँ सेल का नाम क्या है बताओ E5. से जाकर आप देख सकते हैं इसका क्या है ना पर्टिकुलर सेल आई डी या सेल एड्रेस बोल सकते हैं आप इसको सेल का नाम भी बोल सकते है। सेल एड्रेस है एफ ना एट यहाँ पे भी देखो या फिर यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा देख सकते हैं अच्छा मैंने इसे सेलेक्ट किया इसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल तो ये ग्रुप ऑफ सेल यानी कि डी सेल से डी कॉलम जो दिखाई दे रहा है ना वहाँ से मेरा शुरुआत है ये देखिए हेड सेल हेड सेल हमेशा वाइट में रहेगी मतलब ये पहली सेल है हमारी और यहाँ पे जी कॉलम तक है तो डी फोर से लेकर जी एट तक है तो इसे ऐसा लिखते हैं डी फोर से जी एट इसे बोलते हैं रेंज ऑफ सेल एक रेंज मैंने इसे लिखी रेंज ऑफ सेल याद रखिए डी फोर टू जी एट रेंज ऑफ सेल क्लियर है आपको तो यहाँ पे आप जो भी कंटेंट टाइप करते हो ना वो कंटेंट कहाँ पे दिखाई देता है आपको फार्मूला बार में दिखाई देता है और उसका जो सेल है वो यहाँ पे दिखाई देता है कौन से सेल में टाइप किया तो कंटेंट टाइप किया आपने 45 फाइव फोर्टी फाइव यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब एक और बात मैं यहाँ पे 9 इंटू फाइव टाइप करता हूँ लुक एट देयर केयरफुली मैंने 9 इंटू फाइव लेकिन इज एकोल टू साइन के साथ टाइप किया अब यहाँ पर आपको फोटी दिख रहा है यहाँ पे भी फोर्टी फाइव लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं ऐसा देखूंगा यहाँ पे सेल में तो फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव सेम नंबर है आप बोलोगे लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और फार्मूला बार में देखूंगा तो बताएगा कि भाई ये आंसर आपका फार्मूला के साथ आ रहा है और फार्मूला बार का काम ही यही है इफ़ देर इज अ फार्मूला इन योर सेल इट विल डिस्प्ले फार्मूला इफ देर इज अ नंबर इन योर सेल इट विल डिस्प्ले नंबर इफ देर इज अ टेक्स्ट वट एवर कंटेंट विट विल बी देर तो वो एज इट इज़ शो करेगा याद रखिए जो भी कंटेंट वहाँ पे है वो एज इट इज शो करेगा लेकिन अगर वहाँ पे फार्मूला बार है तो उसको अंदर क्या है भाई क्या कैलकुलेशन आपने किया वो बता देगा अब मैंने ये ऐसा किया अब मैंने एक काम किया इज इक्वल टू दिया दिस ये देखिए इस पर क्लिक किया जैसे मैं इज इक्वल टू देता हूँ ना इज इक्वल टू बिकॉज एवरी फार्मूला बिगिनस इट इज इक्वल टू इन एक्सेल याद रखो विदाउट इज इक्वल टू फार्मूला यहाँ पे चालू होगा ही नहीं है एंड एवरी फार्मूला इज इक्वल टू साइन ऑल्सो लाइक मैथ्स में आपका ये रूल्स आपको पता ही रहेगा कि भाई इज इक्वल टू है तो वो फॉर्मूला बनता है वहाँ पे तो यहाँ पे इज इक्वल टू मैंने दिया एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस सेल और मैंने प्लस का साइन दे दिया और इस सेल पे भी क्लिक किया तो ऑटोमेटिक उसने डिटेक्ट किया कि भाई डी फाइव और ई डी सिक्स ये दो सेल आपने उठा लिए। है आई मीन टू से आप इनका एडिशन करना चाहते हैं बीच में आपने प्लस साइन दे दिया है और ये हो गया आपका 90 और यहाँ पे वो बता रहे है कि भाई आपने फॉर्मूला लगाया सो फार्मूला बार का काम होता है कि भाई एग्जैक्ट जो कंटेंट आपने फार्मूला से लाए तो फार्मूला बार फार्मूला दिखाया अगर आपने वहाँ पे टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट दिखाएगा तो आपको फार्मूला देखना है सेल का तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐसा देख सकते सेल में फॉर्मूला है कि नहीं है तो चलिए फार्मूला बार रोज़ कॉलम सेल क्या होता है आपको पता चला तो ये पहला हमने इसका इंटरफेस जान लिया और इसके बारे में जान लिया एक्सेल के बारे में एक्सेल में काम करने के पहले आपको फार्मूला बार नेम ऑफ सेल कॉलम रोज ये पता होना चाहिए था और ये मैंने आपको बता दिया अब बढ़ते सेक्शन टू की तरफ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई एक्सेल के अंदर नंबर ऑफ शीट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं तो डिलीट भी कर सकते होंगे तो कर सकते कैसे डिलीट कैसे करते हैं शीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं ये चीज़ें हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं अब यहाँ पे मैंने पांच शीट इंसर्ट की और चाहिए तो मैं यहाँ पे शीट नंबर फाइव पे क्लिक रखता हूँ और यहाँ पे देखिए क्लिक 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 इसके लिए शॉर्टकट की भी है अगर मैं यहाँ पे शीट इंसर्ट करना चाहता हूँ और भी शिफ्ट एफ एलेवन में प्रेस करूँगा ओहो शिफ्ट एफ एलेवन नया शीट इंसर्ट तो हो रहा है लेकिन वो लेफ्ट में आता है याद रखिए जब भी आप की बोर्ड शॉर्टकट की से शीट इंसर्ट करते हो तो लेफ्ट में आता है शिफ्ट एफ एलेवन से अगर आप इंसर्ट करते हो तो और अगर आप इधर क्लिक कर रखते हो और यहाँ पे क्लिक करते जाते हो तो वो राइट में आता है और आप कोई भी शिफ्ट को ये शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब शीट वन यार इधर होना चाहिए तो उठा के इधर रखो राइट उठा के पटक के रख दो ऐसा राइट शीट एट पे क्लिक रखना है माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है खींच के रख देना है राइट right? यहाँ पे सब ऑर्डर में आ चुका है आपको इसको इधर लेना है इसको ऑफिस इस इधर लेना है आप ऐसे ले सकते तो शीट यहाँ पे इस तरह से मूव होती है दूसरी चीज़ इस शीट में शीट 11 में आपने कोई कंटेंट नहीं लिखा है लेकिन इसके ऊपर राइट क्लिक करके अपने इसे डिलीट कर दिया राइट क्लिक और डिलीट शीट को डिलीट करना है तो शीट के ऊपर राइट क्लिक करो डिलीट कर दो तो कोई मैसेज नहीं आया कुछ नहीं आया डिलीट हो गया डायरेक्ट शीट लेकिन इसमें कुछ कंटेंट लिखे आपने शीट टेन में अभी लिखा है और आप इस शीट को राइट क्लिक करके डिलीट कर रहे हो तो वो एक मैसेज आपको दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल पर्मानली डिलीट दिस शीट डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू ब्राइट right? उसने कहा क्या है आपको कि माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेल बिल परमानेंटली दिस शीट डिलीट करेगा इसके अंदर के जो कंटेंट है वो आप अंडू नहीं कर सकते हैं मतलब ये शीट डिलीट होने के बाद अंडू नहीं होगी कंटेंट अंडू होगा जैसे मैं इस शीट को डिलीट करता हूँ मैं कंट्रोल सेड प्रेस करता हूँ यहाँ पे वो शीट नहीं आने वाली शीट टेंट नहीं आएगी लेकिन हाँ इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखे है और मैं इसे डिलीट करता हूँ कंट्रोल सेड यहाँ पे होगा कंटेंट डिलीट कर दिया शीट के अंदर काम करते वक्त मैं अंडू कर सकता हूँ लेकिन शीट को डिलीट मैंने किया तो वो अंडू नहीं होता है समझे क्या याद रखना है इस बात को याद रखो ओके सो चलो डिलीट हो गया दूसरा अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ बारह महीने की बारह शीट इंसर्ट करना चाहता हूँ तो बारह महीने का हर एक का नाम मैं देना चाहता हूँ तो मैं इसे नाम कैसे दूंगा इसे आप सिलेक्ट कर लो सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करो और रीनेम ऑप्शन दिया इन्होंने रीनेम पे क्लिक करो या फिर इस शीट के ऊपर डबल क्लिक करो डबल क्लिक करो इसे नाम देना है जैन जैन वो जनवरी वाला जैन बोल रहा हूँ मैं गलत मत समझना मुझे ओके जैन फेब मार्च इस तरह से आप इसे नाम दे सकते हैं राइट अप्रैल बेस्ट प्रैक्टिस क्या है नाम में स्पेस दे भी सकते हैं आप लेकिन नहीं देना ये बेस्ट प्रैक्टिस है मतलब आपको यहाँ पे मे सपोज कोई आ, प्रोजेक्ट है तो मे अंडरस्कोर प्रोजेक्ट सो मे अंडरस्कोर प्रोजेक्ट आप लिखोगे तो अच्छा है मे प्रोजेक्ट भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं आप किसी स्पेस दे सकते हैं राइट बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई इसमें आप स्पेस ना दो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि सीट में ऐसा ही जो प्रोफेशनल है वो ऐसा ही करते अब आप बोलोगे ऐसा क्यों इसका रीज़न ये होता है जब हम इन शीट को कोडिंग में यूज़ करते हो तो हमें यहाँ पे नाम में स्पेस नहीं रह, रहना चाहिए रहता है राइट right? तो स्पेस है तो वहाँ पे फिर एक्स्ट्रा इन्वर्टेड कोमा वगैरह ऐड करने की जरूरत पड़ती है सो so, वो मैं आइडिया दे रहा हूँ बस ऐसे आपको बट आप भी ऐसे ही करो प्रोफेशनल लोग हमेशा अंडर वगैरह यूज़ करते हैं ओके okay. चलो ठीक है शीट का नाम देना आपको पता चला शीट में नाम कैसे देना राइट क्लिक करके रीनेम ने करना है ये मैंने आपको बताया डिलीट यहाँ पे कर सकते हैं इंसर्ट भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है यहाँ पे व्यू कोडों के ऑप्शन दिया है लेकिन ये आपको अभी जरूरी नहीं है जो ये माइक्रो से रिलेटेड है वीबीए से रिलेटेड है कोडिंग से रिलेटेड है अब हमें ज़रूरी है शीट का टैप कलर और प्रोटेक्शन तो मैं इसको टैप कलर से अलग अलग देना चाहता हूँ ये जैन फेब मार्च ये फर्स्ट क्वार्टर का तो मैं इसको एक पर्टिकुलर कलर दे रहा हूँ जैन फेब मार्च को एक कलर दे रहा हूँ कि भाई ये फर्स्ट क्वार्टर का है फिर अप्रैल में जून को मैं अलग कलर दे दूंगा ये सेकेंड क्वार्टर का है तो मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर में दे रहा हूँ तो आप ऐसे टैब कलर में जाकर सेट ऑफ शीट्स की शेट्स तैयार कर सकते हैं अलग अलग कलर से राइट यहाँ पे आपको कलर दिखाई दे रहा है राइट ग्रेट और यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट टाइप किए इस सीट के अंदर अभी तो कुछ कंटेंट नहीं है लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ कंटेंट यहाँ पे ले रहा हूँ और कंटेंट मैं रैंडम लेना चाहता हूँ इसलिए एक्सेल में भी हम रैंडम यूज़ कर सकते जैसे वर्ड में मैंने एक रैंड फार्मूला बताया था वैसे यहाँ पे भी एक रैंडम बिटवीन फार्मूला है आप इज इक्वल टू करो रैंडम बिटवीन फार्मूला टाइप करो ये देखिए मैं कंटेंट कोई भी रैंडम ले ऐड करना चाहता हूँ बस प्रैक्टिस के लिए मुझे इस शीट को प्रोटेक्ट करना है इसके लिए तो रैंडम बिटवीन मैं टाइप करूंगा रैंड बिटवीन इज इक्वल टू रैंड बिटवीन एक फार्मूला मैं टाइप कर रहा हूँ रैंड बिटवीन ओके और टैब बटन प्रेस करूंगा की पे टैब बटन प्रेस करते ही ये देखिए जैसे मैंने थोड़ा सा फार्मूला लिखा ना या पे नीचे फार्मूला आ जाता है एक आप इसे सेलेक्ट कर लो

एंटर यहाँ पे एक नंबर आया है इस नंबर को मैं रिपीट कर रहा हूँ यह देखिए मतलब वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है रैंडमली कोई भी नंबर आ रहा है क्योंकि उस फार्मूला को मैंने रिपीट कर लिया अब ये आगे मैं समझाऊंगा फिलहाल मैं बस फार्मूला यहाँ पे ले लेता हूँ अब मैं चाहता हूँ इस कंटेंट में कोई एडिट ना करे इसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ इस कंटेंट को यहाँ पर कोई एडिट ही ना करे तो इस शीट के ऊपर राइट क्लिक करूंगा मैं प्रोटेक्ट शीट यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको प्रोटेक्ट शीट प्रोटेक्ट शीट में मैं क्लिक करूंगा जैसे मैंने प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक किया वो आपको पूछेगा कि भाई पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट भाई पासवर्ड दे दो अगर प्रोटेक्ट शीट है उसको है ना अनप्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा पासवर्ड आप रखना चाहते हैं मैंने रख दिया वन टू थ्री वन टू थ्री पासवर्ड किसी का शेयर मत करो फिलहाल मैं कर रहा हूँ के ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ आप मेरे पासवर्ड से कुछ गलत काम नहीं करोगे <laughs> मजाक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे देखिए डिलीट बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ ऑन प्रोटेक्टेड शीट टू मेक द चेंजेस यू मस्ट अनप्रोटेक्ट दिस शीट राइट तो आपको राइट right क्लिक करना है भैया और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट बोलना है और यहाँ पे पासवर्ड देना है एंड नाउ यू कैन चेंज इट वन टू थ्री अब इस शीट में आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट वगैरह टाइप कर सकते हैं यहाँ पे रैंडम फार्मूला लगाया इसलिए बार बार नंबर चेंज होते रहेगा यहाँ पर मैं कुछ भी चेंजेस या करूँगा राइट यहाँ पर मैं डिलीट भी करूँगा तो भी चेंज होते रहेगा सो बेसिकली मुझे कहना था कि भाई आप शीट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं अगर कंटेंट आपको किसी को अलाउ नहीं करने एडिट करने के लिए राइट right? तो ये प्रोटेक्शन सीट का मैंने आपको बता दिया अब शीट प्रोटेक्शन मैंने आपको जो बताया ना इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे क्या होता है कि कई बार आपको क्या करना है ये शीट में कुछ कंटेंट अलाउ करने कुछ कंटेंट अलाउ नहीं करने जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नंबर यहाँ पे टाइप कर लिए हैं ये एक ही नंबर सपोज़ सब जगह पर ले लिया अभी तो अब मुझे क्या करना है सपोज़ ये जो कंटेंट मैंने लिखे इसमें से ये दो कंटेंट है ना इनको मुझे क्या करना है अनलॉक रखना है और इसे लॉक रखना है बेसिकली या फिर मैं चाहता हूँ कि भाई इसको लॉक रखूँ इसको भी लॉक रखो इन दोनों को मैं लॉक रखना, रखना चाहता हूँ और इसे अनलॉक रखना चाहता हूँ तो इसे जिसे अनलॉक रखना है उसे आप सेलेक्ट कर लो जिसे अनलॉक रखना है ध्यान से सुनिएगा मैं इसे अनलॉक रखना चाहता हूँ तो इसमें मैं टाइप कर सकता हूँ और इन दोनों में टाइप नहीं होना चाहिए या फिर कहीं पे भी टाइप नहीं होना चाहिए तो जिसे अनलॉक रखना है उसे सेलेक्ट कर लो और आपको होम टैब में जाना है ऊपर होम टैब में मैंने क्लिक किया है आपको फॉर्मेट वाले यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे ना फॉर्मेट वाला इस पर क्लिक करना है सेल्स ग्रुप में और नीचे आपको प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें प्रोटेक्ट शीट और लॉक सेल ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा अब यहाँ पे लॉक सेल जो है ना जरा ध्यान से देखिए इस वाले आइकॉन को लॉक सेल का आइकॉन देखिए वो हाईलाइटेड दे, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये लॉक सेल सभी सेल के लिए एक्टिव रहता है अब मैं यहाँ पे इन सेल्स के लिए डीएक्टिवेट कर रहा हूँ यानी कि लॉक हट जाएगा अगर आप अभी देखोगे ना लॉक सेल देखो अभी चेंज कैसे दिख रहा है आइकॉन देखो आइकॉन लॉक सेल का चेंज हो गया ना अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ अगर मैं इसे सिलेक्ट करके दिखाऊँगा ना तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये लॉक सेल का आईकॉन कैसे है अब देखो कैसा आइकॉन है राइट अभी वो हाईलाइटेड है मतलब ये लॉक है अब मैं प्रोटेक्ट शीट करता हूँ यहाँ से प्रोटेक्ट करो या फिर राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट करो वन एंड द सेम अब मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ वन टू थ्री वन टू थ्री रे इंटर पासवर्डू है ना कन्फर्म अब मैं इस कंटेंट को डिलीट करना चाहता हूँ नहीं लेकिन इस कंटेंट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ इस वाले कंटेंट को मैं डिलीट कर सकता हूँ मैं कुछ नया टाइप कर सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं इस कॉलम में लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं राइट right? इवन मैं इन ब्लैंक सेल्स में भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये भी प्रोटेक्टेड है तो आपको प्रोटेक्शन के आइडिया आ चुकी है तो शीट के ऊपर काम करते वक्त आपको प्रोटेक्शन कैसे देना है डेफिनेटली समझा होगा अब प्रोटेक्शन की बात आपने छेड़ी भी है तो एक और प्रोटेक्शन बता देता हूँ मतलब मैंने छेड़ी है आपने नहीं छेड़ी मैं बता रहा हूँ तो एक और प्रोटेक्शन है कि भाई इस फाइल को मुझे लॉक करना है देखो ये तो एडिटिंग के लिए अलाउ नहीं है ठीक है लेकिन इसका डेटा तो देख रहा है ना कोई ना कोई तो मुझे डेटा देखने ही नहीं देना है भैया इसे तो F12 बटन प्रेस करो F12 बटन प्रेस करो और यहाँ पे फाइल को जब आप F12 प्रेस करते हो तो सेव के लिए आता है सेव सेव एज इसे आप बोल सकते हैं याद रखिए है। कंट्रोल एस करोगे तो भी सेव का डायलॉग बॉक्स आता है बट F12 ट्वेल्व करूंगा तो यहाँ पे सेव में क्या होता है देखिए कंट्रोल एस करूँगा तो ये नए वर्जन में आपको डायरेक्टली वन ड्राइव में सेव करने के लिए बोलेगा फिर यहाँ पर जाओ फिर मोर ऑप्शन जाओ फिर ऐसा ब्राउज जाओ फिर वही घुमा फिर के वही ऑप्शन आ रहा है ये देखिए वही सेव है का ऑप्शन तो एफ ट्वेल्व से लाओ ना उसे फास्ट राइट एफ ट्वेल्व ये मेरा आइडिया रहता है हमेशा तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम देता हूँ सपोज़ कुछ भी यहाँ पे फाइल नाम दे दे ए बी सी अब मैं इस ए बी सी फाइल को सेव करना चाहता हूँ टूल्स में जाऊँगा सेव तो मैं करूँगा लेकिन टूल्स में जाकर मैं जनरल ऑप्शन में जाऊँगा पहले टूल्स में जनरल ऑप्शन और पासवर्ड टू ओपन एक बार दूंगा एंटर करूँगा मॉडिफाई का नहीं देना है वहाँ पर पासवर्ड टू ओपन देकर एंटर और री एंटर एंटर अब अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ ये फाइल कैसे सेव होगी देखिए एक्सटेंशन क्या Excel XLSX. Excel extension, XLSX है एक्सेल का एक्सेल एस एक्स एक्सएल का एक्सटेंशन एक्सएलएस एक्स है वर्ड का है डॉट डी ओ सी एक्स याद रखिए तो ये एक्सेल का एक्सटेंशन है और ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव होगी अब जब भी मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ सेव ओपन करने जाऊँगा तो क्या होगा मैं इसे कंट्रोल डब्लू करता हूँ अब मैं डेस्कटॉप पर नहीं जाता ओपन करने के लिए कंट्रोल डब्लू क्लोज कर दिया फाइल में जाता हूँ ये देखिए रिसेंट में मिल जाएगा ना मुझे ओपन करने के लिए देखिए दिखा रहे हैं ना ए बी सी डेस्कटॉप पे सेव है चलो यहाँ से ओपन कर लेते हैं वो पहले पासवर्ड पूछेगा भैया पासवर्ड दो तो पासवर्ड दे देते गलत दे देते दे तो रॉन्ग नहीं आएगा तो भैया सही दे दो ना यार तो सही था वन टू थ्री हो गया पर तो आपको यहाँ पे इस शीट वाला सेक्शन कम्प्लीटली समझ में आया होगा कि भाई प्रोटेक्शन वगैरह कैसे देना है सब कुछ मैंने आपको बता दिया अब एक्सेल में काम करते हैं हम डेटा एंट्री सीखते हैं चलिए फटाफट डेटा एंट्री का पोर्शन जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है तो अभी मैं इस वर्क को यहाँ पे कंट्रोल डब्लू कर रहा हूँ नया वर्कबुक ले रहा हूँ कंट्रोल एन और मैं जूम भी कर रहा हूँ थोड़ा सा अब जूम वगैरह कैसे करना है बताने की ज़रूरत है क्या नहीं है अब कोर्स अब यहाँ पे कंटेंट टाइप करते समय कंटेंट टाइप आप ऐसे कर सकते यहाँ पे आपको क्या करना है कैप्सॉग मैं ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करता हूँ राइट एरो दबा देना है राइट 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 लेफ्ट राइट या आप लेफ्ट राइट एरो से भी कर सकते हैं या टैब से भी आगे बढ़ सकते हैं तो यहाँ पे मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दिया तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे अगर आप डेटा एंट्री एक्सेल में पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ कॉलम्स जो है जिसको आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि भाई उस कॉलम को यहाँ पे बड़ा होना चाहिए नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा है लेकिन यहाँ पे उसके कंटेंट आधे ही दिख रहे हैं तो अब क्या करेंगे तो यहाँ पे बी और सी के बीच में माउस पॉइंटर लेके आना है इस कॉलम की साइज़ बढ़ाने के लिए और इसके ऊपर क्लिक करके आप ड्रैग करके ऐसा खींच सकते हैं लेकिन ये ड्रैग करके खींचो खींचो बहुत टाइम जाएगा ना इससे अच्छा आप यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आओ डबल क्लिक करो काम खत्म डैंड राइट यहाँ पे देखो इसके ऊपर ए और बी के बीच में माउस पॉइंटर लाना डबल क्लिक करना है ए बी सी सी के बीच सी और डी के बीच में माउस डबल क्लिक करना डी और ई e के बीच में डबल क्लिक करना तो ऐसे एक एक डबल क्लिक करने से अच्छा सबको एक साथ सेलेक्ट कर लो ए से लेकर जी तक और कहीं पर भी बी सी कहीं पे भी उनके बॉर्डर पे आ जाओ यहाँ पे एक एरो आ रहा है इस तरह से जो रिसाइज का होता है वो डबल क्लिक कर लो सब के साइज़ यहाँ पे एक साथ एडजस्ट हो जाएगी जितना कंटेंट है उतना साइज ऑटोमेटिक आ जाएगा है ना इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखिए मैंडू का राह कंट्रोल जेड 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 सबकी साइज छोटी है अभी यहाँ पे मैक्स था वो रहने दो और यहाँ पे मैंने देखिए कैसे सिलेक्ट करना है एक तो जी कॉलम पे कर्सर रखिए यहाँ पे माउस का लेप बटन दबा के रखिए खींचिए या फिर ए पे रखिए खींचिए और दोनों के बीच में कहीं पे भी आ जाइए कोई भी कॉलम के बीच में डबल क्लिक डेंटा एंड राइट तो ये डेटा एंट्री करते समय इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई कॉलम की साइज़ कैसे एडजस्ट करनी है ओके okay. आप इसे शॉर्टकट के साथ भी कर सकते हैं मैं तो शॉर्टकट के कर साथ करना चाहूँगा आप भी करना चाहोगे तो मुझे फॉलो कर लो राइट करना क्या है कंट्रोल ए कंटेंट सेलेक्ट होके पहला मैंने कीबोर्ड को हाथ लगाया माउस को हाथ नहीं लगाया माउस को मारो गोली और आप बोलो मेरी बोली आई मीन टू से मैं जो शॉर्टकट की बता रहा हूँ आप इस्तेमाल करो सो यहाँ पे प्रेस करना है अल्ट एच ओ आई मैंने फटाफट भड़ प्रेस कर दिया अल्टेच ओ है आप बोलोगे इतनी लंबी शॉर्टकट की लंबी जरूर है लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना ये देखिए ना मेरा कितना फास्ट हो रहा है हो गया अट्टेच ओ आए अट्टच ओ आई मतलब होता है कि अल्ट प्रेस करोगे तो ऊपर आपको होम टैप के लिए क्या है इंसर्ट के लिए क्या है वो सब हाईलाइट हो रहा है ऊपर देखिए तो होम टैप के लिए एच है चलो मैंने एच प्रेस कर दिया होम में आ गए अब यहाँ पे फॉर्मेट के लिए क्या है यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है आपको फॉर्मेट में क्या है ओ है तो मैंने ओ प्रेस कर दिया अब मुझे ऑटो फिट कॉलम विड्थ चाहिए कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक फिट होनी चाहिए तो आई प्रेस कर दिया तो अल्टेच ओ आए याद रखिए अल्ट एच ओ आई ये सिक्वेंशियल शॉर्टकट की है मतलब आपको अल्ट एच ओ आई एक साथ प्रेस करके रखने रखने नहीं है अल्ट प्रेस करो छोड़ दो एच प्रेस करो छोड़ दो ओ प्रेस करो छोड़ दो आई प्रेस करो छोड़ दो ओके okay, राइट right? तो अब कीबोर्ड के ऊपर सब कुछ छोड़ दो अल्ट एच ओ आई इंटरेस्टिंग है ना ये भी मैंने आपको बता दिया चलो ठीक है डेटा एंट्री में आगे को और चीज़ अभी मैं यहाँ पे डेटा एंट्री तो कर सकता हूँ ऐसा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट ऐसा लेकिन आप इसके लिए फॉर्म भी बना सकते हैं आप इसे सिलेक्ट करो इतना सिलेक्ट करो और ऊपर यहाँ पर एक फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है डेटा एंट्री फॉर्म राइट अब यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे ओके okay करो जैसे आप क्लिक करोगे ये देखिए दोबारा दिखाता हूँ इसके पहले सिलेक्ट करना है हेडिंग लिख के सिलेक्ट करना है आप इस फॉर्म पे क्लिक करो ये छोटा सा ऑप्शन पी एक्सेस टूल बार में दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे कैसे आएगा बताऊँगा डोंट वरी आपके एक्सेल में नहीं तो डोंट वरी मैं बताऊँगा यहाँ पे क्लिक करो ओके करो ये देखिए एक फॉर्म आ गया डेटा एंट्री का यहाँ पे आप वन टाइप करो नेम ऑफ शोरम टाइप करो ओके okay, और उसके बाद ये मेरा नाम मैंने ले दिया और कितने मार्क्स मिले चलो मेरे को जितने भी मार्क्स मिले मैंने टाइप कर दिया टोटल यहाँ पे मैंने निकाला टोटल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ये दोनों छोड़ दिए और न्यू रिकॉर्ड ये देखिए मैंने न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक किया आप देखेंगे पीछे वो रिकॉर्ड ऐड हो चुका है ओहो बराबर ऐड हो गया जैसे आप टाइप करोगे न्यू रिकॉर्ड टाइप करोगे न्यू रिकॉर्ड यहाँ से आप फॉर्म कर सकते हैं तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे लाने के लिए आपको यहाँ पे इस वाले क्विक एक्सेस टूल बार पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार राइट क्लिक करके कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक किया यहाँ पे क्योंकि इस टुल बार दिख रहा है यहाँ पे फिर अब फॉर्म है मैं इसे रिमूव कर देता हूँ हटा दिया मैंने ये रहा अभी नहीं मेरे पास तो लाना कैसे लाना यहाँ से पॉपुलर कमांड्स की जगह यहाँ पे ऑल कमांड्स ले लो पहले पॉपुलर्स कमांड की जगह ऑल कमांड्स ले लो और ये सीक्रेट टिप्स याद रखो यहाँ पे एफ ओ आर एम टाइप करो एफ ओ टाइप किया तो भी एफ ओ से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन आएंगे एफ ओ टाइप करने के बाद फॉर्म सेलेक्ट करो और मैं ऐड कर रहा हूँ आ गया दैट्स इट इस तरह से आ जाता है राइट आपको ये भी आइडिया मैंने दे दिया तो चलो डेटा एंट्री का तो आइडिया मैंने दे दिया फॉर्म कैसे बनाना है अब यहाँ पे वन टाइप करने के बाद मुझे बहुत सौ लोगों का डेटा ऐड करना है तो वन टाइप करो कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लेके आ जाओ यहाँ पे एक फिल हैंडल का टूल बार आता है देखिए एक्सेल में तीन तरह के माउस पॉइंटर रहते हैं एक ये है ये है सिलेक्शन टूल ये जो माउस पॉइंटर दिख रहा है ना आपको प्लस साइन ये बड़ा प्लस ये सिलेक्शन पॉइंटर यहाँ पे जो कॉर्नर पे आता है ना ये होता है हैंडल ये दिख रहा है छोटा सा ये कॉर्नर पे ही आता है सेल के कॉर्नर पे फिल हैंडल और एक रहता है सेल के बॉर्डर पे ये बॉर्डर पे लेके आ जाओ ये देखो ये एरो वाला आता है फोर हेडेड एरो चारों तरफ एरो रहते हैं इसको बोला जाता है मूविंग पॉइंट तो ये यहाँ पे क्लिक करके मैं कंटेंट को उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया इस बॉर्डर पे क्लिक करके और मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ पे कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लेके आता हूँ तो यहाँ पे मैं फिल हैंडल से क्या कर सकता हूँ ओह क्या हो रहा है यार मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है फिल हैंडल यहाँ पे लेके आना है कंट्रोल नहीं प्रेस किया तो क्या होगा वन 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 लेकिन आप कंट्रोल प्रेस करो माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखो खींचो ओह इंटरेस्टिंग या फिर आपने यहाँ पे टू टाइप किया है अब दोनों को सिलेक्ट करो दोनों को दोनों को ऐसा सेलेक्ट करो ऊपर वाला वाइट दिखेगा नीचे वाला ग्रे और यहाँ पे फिल हैंडल पे लाओ अब कंट्रोल मत प्रेस करो अब कंट्रोल की जरूरत नहीं है क्योंकि वन टू में जो अंतर है वही अंतर नीचे आ जाएगा मतलब क्या है वन और सिक्स लिखा है तो आगे क्या आएगा बताओ मुझे सिक्स के बाद फाइव ऐड किया ना मतलब इतना इसमें जो गैप है ना बेसिकली पाँच ऐड है तो छः पाँच ग्यारह ग्यारह पाँच सोलह सोलह पाँच इक्कीस ओहो इंटरेस्टिंग तो आप जो नंबर चाहते हैं आप दो चार ऐसे नंबर चाहते हो तो दो चार टाइप करो और नेक्स्ट वाला भी इस तरह से आ जाएगा टोटल आपको यहाँ पे मिलेंगे सारे के सारे इवन नंबर्स और चाहिए तो और ले लो वन टू वन थ्री टाइप करो दोनों को सेलेक्ट करो खींचो भैया तो आपको ये आइडिया मिल गया कि भाई इसे सीरियल नंबर कैसे लिखना है तो यहाँ पे मैं पांच नंबर ही लेता हूँ फिलहाल चलो ठीक है कंट्रोल बटन प्रेस करके मैंने ट्रैक किया अब यहाँ पे नाम टाइप कर लेते हैं एक्जाम्पल के लिए डेटा हमें एंटर करना है बेसिकली यहाँ पे मैं रैंडम नंबर लेता हूँ रैंडम नंबर कैसे लेना है दोबारा बताता हूँ रैंडम बिटवीन ओहो इज इक्वल टू साइन रेक या रैंडम बिटवीन फार्मूला ले लो टैप करो यहाँ पे जब आप लेते हो तो इसे बॉटम और टॉप नंबर देना है इसमें दो आर्ग्यूमेंट देने है मैंने लिया दस से नियानवे के बीच में मुझे रैंडम नंबर चाहिए तो मैंने बॉटम नंबर टेन लिया और टॉप नंबर नाइन्टी नाइन लिया और मैं एंटर कर रहा हूँ ओहो नाइन्टी टू आ गया कंट्रोल डी ध्यान से देखिए यहाँ पर जो कंटेंट है इस सेल के नीचे फिल करने हैं कंट्रोल डी आप बोलोगे वहाँ पे 92 था अलग कैसे आ गया क्योंकि ये रैंडम फॉर्मूला है बार बार रैंडम नंबर जनरेट करते रहेगा और वो राइट में फिल करना है कंट्रोल आर ध्यान से देखिए मैं दोबारा बताता हूँ यहाँ पे आपने कुछ भी टाइप किया हेलो कुछ भी है हेलो ले लो या कोई नंबर ले लो चलो छो, छोटा छोटा नंबर लेते हैं ये फोर्टी है ना मैं राइट में चाहता हूँ कंट्रोल आर फिल राइट और ये मैं बॉटम में चाहता हूँ कंट्रोल डी ऐसे या फिर अगर आप ऐसा सिलेक्ट करके करोगे कंट्रोल आर करो पूरे रो में आ गया तो वही मैंने किया इसके साथ यहाँ पे रैंडम बिटवीन फार्मूला लगाया और सब जगह पे रैंडम फार्मूला आ चुका है क्या किया दोबारा दिखाता हूँ यहाँ पे रैंडम बिटवीन फार्मूला है मैंने ऐसा सिलेक्ट करके रखा है कंट्रोल डी कंट्रोल आर दैन टेड एंड ओके अब ये फार्मूला बार बार नंबर चेंज कर रहा है यार इसके साथ तो कुछ तो होना चाहिए तो ये फार्मूला अगर मुझे हटाना ये ये एक चीज़ है ये एक टिप्स है और ये इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए सबको जब आप किसी भी सेल का फार्मूला निकालना चाहते हैं ये आपने यहाँ पे कुछ फार्मूला देके बना दिया कंटेंट लेकिन आप एक फाइल किसी को शेयर करो तो आपने जो मेहनत से फार्मूला लगाया वो उसको नहीं देना है आपको आपको बस उसे कंटेंट देना है उसे कंटेंट के साथ ही मतलब है राइट उसको फॉर्मूला से मतलब नहीं लेकिन आपका फॉर्मूला मेहनत वाला है तो ये फार्मूला यहाँ पे दिखेगा वो तो आपको नहीं चाहिए फार्मूला नहीं देना ये कंटेंट ही देने है तो आप इसे कॉपी कर लो जहाँ पे भी फार्मूला आपने लगाया ना आगे चलकर उसे बस आप कॉपी करो सेलेक्ट करके और पेस्ट एक ऑप्शन मिलता है होम टैब में जो कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सीखा होगा पेस्ट में यहाँ पर मिलता है एक नीचे ऑप्शन वैल्यूज़ वैल्यूज जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे क्या होगा ज़रा ध्यान दीजिए ऊपर फार्मूला बार में से फार्मूला गायब आप देखेंगे पूरे सेल्स का फार्मूला गायब रैंडम बिटवीन फार्मूला है ही नहीं है अब ये कंटेंट यहाँ पे फिक्स हो गया ये चेंज नहीं होगी क्योंकि फार्मूला ही मैंने हटा दिया तो चलिए एक और चीज़ आपको पता चले कि सेल का फार्मूला आप कैसे हटा सकते हैं कंटेंट ही रखना है तो कैसे रख सकते हैं ओके okay, अब डेटा एंट्री में बेसिक फार्मूलाज हमें सीखने की बारी आती है डेटा एंट्री तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया लेकिन एक और चीज़ मैं डेटा एंट्री में बताना चाहूँगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा एंट्री फिर कवर करते हैं फिर बेसिक फार्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं अब डेटा एंट्री में यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि अगर आप डेटा एंट्री करते करते नीचे चले गए अब ये चीज़ मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा और ये सबको पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली फेस किया है मेरे पहले जॉब में मैं एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ जब मैं पहले जॉब के लिए लगा था वो डेटा एंट्री का जॉब था ज़्यादा अच्छा खासा एक्सेल का नॉलेज मुझे नहीं था ट्वेल्थ पास किया था यार जॉब चाहिए था तो मैंने एक्सेल थोड़ा बहुत सीख लिया था और गया था जॉब पे तो वहाँ पे क्या था कि भाई वहाँ पे ऐसा बड़ा सा डेटा इनकम टैक्स की फाइल थी और मुझे डेटा टाइप करना था बहुत सारे कॉलम में ऐसे बहुत सारे कॉलम थे बीस पच्चीस कॉलम और मैं क्या करता था बार बार मुझे ऊपर जाना पड़ता था और मुझे देखना पड़ता था इसका क्या टाइटल है और मेरे उसके हिसाब से मैं उसका कॉलम हेडिंग देख के यहाँ पे टाइप करता था फिर ऊपर जाता था और मेरा कंफ्यूजन इसलिए था वो क्योंकि वो लंबा चौड़ा डेटा था इनकम टैक्स में पैन नंबर ये नंबर वो राइट right? ऐसा लाभलाभ बहुत सारा था तो यहाँ पे कंप्यूजन था कि यार बार बार ऊपर जाओ नीचे जाओ और मैंने देखा मेरे बाजू वाला जो बेटा था डेटा एंट्री करने वाला उसका ये पहला रो था ना वो फिक्स था पहला रो उसका फिक्स था और वो यहाँ पे उसे दिखता था वो नीचे जब स्क्रॉल करके टाइप कर रहा था ना कौन से भी रो में तो उसको दिख रहा था तो मेरा नहीं दिख रहा था तो मैंने उस पूछा यार भाई ये बता ना भैया कैसे किया तो उसने मुझे साफ मना कर दिया पता नहीं यार क्यों नहीं उसने बोला मैनेजर को जाके पूछो मैं मैनेजर तो बहुत खड़ूस था मैं बोला यार नहीं पूछ सकता मैं ओके सो समझ सकते हैं ना आप यार तो यह मेरी हालत थी तो फिर वो डेटा एंट्री में मैं ऐसा परेशान था तो मुझे लगा कि यार ये परेशानी तो हर एक में होती होगी तो फिर आपको भी ये परेशानी ना हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मैं आपको बताऊ तो क्या करना है सिंपल है यहाँ पे कर्सर आप रखो आपको जाना है व्यू टैब में ये देखिए व्यू टैब में आपको जाना है ऊपर व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे फ्रिज पेंस में जाना है और फ्रिज टॉप रो ये वाला बटन क्लिक कर दो बस ये पहला रो है ना आप ध्यान से देखोगे तो एक थोड़ा सा एक थिक थिक ग्रे लाइन आ चुका है थोड़ा सा ठीक है देखिए अलग है ना नीचे वाली लाइन से वो ऊपर की लाइन थोड़ी सी अलग है ये वाली लाइन देखेंगे रो में अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे ना ओहो डैंड डैंड काम हो रहा है दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आप कौन से रो में काम कर रहे हो कौन सा हेडिंग है कॉलम हेडिंग बेसिकली उसका वो आपको पता चल रहा है कौन से भी रो में आप काम करो लेकिन उसका कॉलम हेडिंग आपको यहाँ पे पता चल रहा है क्योंकि वो पहला रो फ्रीज हो चुका है और यहाँ से जाकर ही उसे अनफ्रीज कर सकते हैं व्यू में जाकर तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगा डेटा एंट्री से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए जो मैंने बता दी सो इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते बेसिक फार्मूलाज अब बेसिक फॉर्मूलाज में सबसे पहला फार्मूला मैं आपको बताऊंगा इज इक्वल टू सम आप इसे इज इक्वल टू सम लिखो ओपन ब्रैकेट करो ये आ जाता है ये बोलता है कि आपको कौन कौन से नंबर ऐड करने हैं दिस कॉमा दिस कॉमा दिस लेकिन आपके पास ज़्यादा नंबर होता ऐसा थोड़ी करते बैठोगे यार दिस 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 आप डायरेक्ट इसे सिलेक्ट कर लो C2 टू टू ई इनका सम होगा एडिशन होगा C2 टू टू ई जितने भी नंबर आ रहे हैं 273 देखिए ना डिलीट कर रहा हूँ मैं इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस वही है ना यही करना है ना हमें 273 वही हो रहा है ना तो इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट देना नहीं है देना है लेकिन टैब बटन प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा तो याद रखो ये ये आदत ही डाल दो इज इक्वल टू सम लिखा आपने टैब बटन पूरा आ जाएगा इसे सिलेक्ट करो एट इससे भी आसान तरीका मैं बताता दो ये यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिलेगा होम टैब में भी सेम पहले आसान तरीका बाद में बताऊँगा पहले यहाँ पे देख लीजिए होम टैब में जाना है और यहाँ ऑटो सम पे क्लिक करना है आ जाएगा यहाँ पे ऑटो सम में ये बेसिक फॉर्मूलाज बहुत सारी यहाँ पे देखिए सम है एवरेज है मैक्स है लेकिन फिलहाल मैंने सम ले लिया तो आगे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया एंटर कर लिया अब उसने ए क्यों नहीं लिया क्योंकि उसने लेफ्ट साइड में देखा कि ये तीन नंबर है और ये टेक्स्ट है तो उसे नहीं लिया उसने बराबर इन तीनों को लिया और वो टू सेवन थ्री आ गया और इससे भी आसान जो तरीका मैं अभी बताने वाला वो शॉर्टकट की है अल्ट इज इक्वल टू अल्ट इक्वल टू जैसे मैं प्रेस करता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ ओ डा डैन आ चुका है यहाँ पे सम दोबारा दिखा जाओ अल्ट इक्वल टू एंट्रा और आप इसे ड्रैग करोगे नीचे यू आर गेटिंग टोटल दोबारा देखिए यहाँ पे बस कर्सर रखना है अल्ट इक्वल टू आप देखोगे सम का फॉर्मूला आ चुका है एंटर करेंगे फिर यहाँ पे सिलेक्ट करो इसे सिलेक्ट करो सेल को फिर यहाँ पे आकर डबल क्लिक करो इस कॉर्नर पे फिल हैंडल पे डबल क्लिक करो क्या बात है बहुत ही टाइम सेविंग यार ड्रैग भी कर सकते कंट्रोल नहीं प्रेस करना है फील हैंडल के लिए बस डबल क्लिक या फिर ड्रैग या फिर तीसरा तरीका इसे सिलेक्ट करो कंट्रोल डी है ना आप बोलोगे यार मुझे पूरा कीबोर्ड से ही करना है माउस को हाथी नहीं लगाना है सर माउस को गोली मारना है तो कैसे यहाँ पे इसे सिलेक्ट करो शिफ्ट बटन प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करके इसे सिलेक्ट करो ऐसे कंट्रोल डी शिफ्ट बटन प्रेस करके आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं देखिए यहाँ पे कर्सर रखा है शिफ्ट राइट राइट साइड में सिलेक्टेड शिफ्ट डाउन डाउन साइड में सिलेक्टेड कर्सर कहाँ पे वो मैटर करता है मतलब आपका इस सेल पे कर्सर है शिफ्ट अप एरो शिफ्ट लेफ्ट एरो ऐसा तो ये सिलेक्शन के लिए याद रखो अल्ट इज इक्वल टू आपको पता चला मैक्स मुझे निकालना है बेसिक फार्मूला में मैक्स में जाता हूँ एंटर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी मीन मुझे निकालना है सिंपल है मीन इधर क्लिक करूँगा मीन फार्मूला आ जाएगा मीन टाइप भी कर सकता हूँ मैं लेकिन यहाँ पे मैं एक गलती कर रहा हूँ यहाँ पे मैक्सिमम जो आ रहा है क्या गलती हो रही है सी टू टू एप टू ले रहा है क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में सारे नंबर दिख रहे हैं उसके तो मैं सी टू टू एप टू नहीं करूँगा इसे डिलीट करूँगा और क्या करूँगा सी टू टू ई टू मैं तीनों सब्जेक्ट में मैक्सिमम देखना चाहता हूँ ये देखिए अब यहाँ पे भी जो गलती है इज इक्वल टू मीन टाइप करो या फिर ऊपर से सिलेक्ट करो यहाँ पे इन तीनों को ही सिलेक्ट करना है एंट्रा क्लियर है मैक्स मीन एवरेज बेसिक फार्मूला आगे का देखना चाहते हैं हम तो एवरेज यहाँ पे जाओ और एवरेज यहाँ से निकालो आपको तीन ही सब्जेक्ट लेने हैं याद रखिए एंटर कीजिए यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए कॉर्नर पे एवरेज लेकिन 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 एवरेज जब आप निकालते हो तो डेसिमल प्लेसेस बहुत ही ज़्यादा आ रहे्सटी एट पॉइंट कितना आप बोलेंगे यार इतना डेसिमल प्लेसेस कम करना है तो होम टैब एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ होम टैब में जाऊँ यहाँ पे नंबर ग्रुप में जाओ यहाँ पे देखिए डिक्रीज डेसिमल इंक्रीज डेसिमल आपको करना क्या है करना क्या चाहते हो भैया करना चाहते हो डिक्रीज डेसिमल क्लिक करते जाओ डिक्रीज इंक्रीज करना है इंक्रीज डिक्रीज करना है डिक्रीज 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 पूरा डिक्रीज और वो राउंड फिगर कर लेता है ये देखिए अब आप ये इंक्रीज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ये 67 है 63.67 ये 64 कर लेगा hmm, क्या बात है क्योंकि वो नॉर्मल राउंडिंग मेथड यूज़ कर रहा है पचास के ऊपर है तो वो डायरेक्टली सिक्सटी फोर कर रहा है और पचास के नीचे है तो उसको कुछ नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे एवरेज पता चला कैसे निकालना है और क्या बाकी है हमारे इसमें काउंट नंबर ओह यहाँ पे फार्मूला देना है यहाँ पे काउंटिंग देते हैं काउंटिंग सब्जेक्ट काउंट करना है हमें काउंटिंग सो यहाँ पे क्लिक करके काउंट नंबर्स पे क्लिक करते हैं और इन तीनों को सिलेक्ट करते हुए कितने नंबर हैं तीन सब्जेक्ट के हैं तो आ गया काउंटिंग करेगा सो so, इस तरह से ये बेसिक फार्मूलाज आपको यहाँ पे मैंने बताए अब ये वर्टिकली निकालना है तो कर्सर आपको यहाँ पे रखना है Alt is equal to enter, देन, देन, अल्ट इज इक्वल टू enter, डेंटेड एंड अल्ट इज इक्वल टू अल्ट इज इक्वल टू से सम फॉर्मूला यहाँ पे काम कर रहा है ये वर्टिकल आपको टोटल चाहिए ये ले लो यहाँ तक चाहिए यहाँ तक टोटल तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई ये फार्मूलाज कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक और फार्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा वो है परसेंटेज का फार्मूला प्रसेंटेज का फार्मूला आप बोलोगे एवरेज तो निकाल लिया आपने परसेंटेज का फार्मूला अलग होता है वो हमें कस्टमाइज देना पड़ता है कैसे इज इक्वल टू दिस टोटल डिवाइड बाय डिवाइड बाय वॉट डिवाइड बाय कितने में से मार्क्स मिले हैं आपको ये कितने में से मिले 300 में से इन टू परसेंटेज तो आपको मिलेगा 91 आप बोलोगे क्या अलग होता है इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है एवरेज और परसेंटेज सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं मुझे बताओ ज़रा अब आप यहाँ पे नंबर देख के तो ज़रूर बताएंगे कि भाई सर सेम ही होते हैं देखो दोनों भी सेम आ रहे हैं एवरेज और परसेंटेज बिल्कुल सेम नहीं होता है ज़रा ध्यान से सुनिएगा यार ये तो स्कूल में होना चाहिए आपको तो ये स्कूल में कंप्लीट हुआ है एवरेज और परसेंटेज अलग अलग होते हैं क्योंकि परसेंटेज हंड्रेड में से ही होता है और एवरेज तो आपको पता है कि तो टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ काउंट्स जो भी होगा राइट नंबर ऑफ काउंट्स तो यहाँ पर इस केस में दोनों सेम इसलिए आ रहे क्योंकि यहाँ पे सौ यहाँ पे सौ और यहाँ पे सौ सौ मार्क तीनों सब्जेक्ट सौ सौ मार्क के हैं तो आपको तीनों सब्जेक्ट सौ मार्क के तो दोनों सेम आएंगे अगर एक सब्जेक्ट डेढ़ सौ मार्क का होता और मुझे यहाँ पे वन फिफ्टी मार्क्स वन फोर्टी एट लेते हैं ओके आउट ऑफ नहीं लेते और ये दोनों सब्जेक्ट सौ में से तो ये हो गया साढ़े तीन सौ में से मार्क्स ये साढ़े तीन सौ में से हो गए टोटल तीनों भी डेढ़ सौ 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 उसको मिले साढ़े तीन सौ में से तीन सौ तीस बराबर है मिलेंगे क्योंकि ये डेढ़ सौ मार्क का सब्जेक्ट है लेकिन एवरेज तो ठीक है उसका वन जीरो सेवन परसेंटेज सौ से ज़्यादा कैसे हो सकता है सो हियर इट इज़ सम मिस्टेक्स हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे वन 350 में से ना आउट ऑफ 350 तो याद रखो आउट ऑफ मार्क्स से परसेंटेज निकाला जाता है तो प्रसेंटेज एवरेज अलग अलग है अगर उसके सब्जेक्ट के मार्क्स अलग है सो नहीं है सो है तो वो भाई इक्वल ही रहेंगे तो ये आपको फार्मूला कैसे देना है आइडिया आ चुका होगा कि भाई कस्टमाइज फार्मूला दिया मैंने एप टू डिवाइड का साइन दे दिया स्लैश थ्री फिफ्टी इंटू हंड्रेड ऐसे कस्टमाइज फार्मूला भी आप दे सकते हैं और कोई भी फॉर्मूला एडिट करना है तो एप टू सेल कोई भी कंटेंट एडिट करना है यहाँ पे नाम बदलना है तो यहाँ पे क्लिक करो F2 टू बटन दबा दो एडिट एक्टिव सेल ए बी सी डी राइट एडिट एक्टिव सेल F2 टू दबा के एप टू एक शॉर्टकट की याद रखो मैं सारी शॉर्टकट की बता रहा हूँ और सारे शॉर्टकट की मैं प्रैक्टिस के लिए भी दे रहा हूँ उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन है वहाँ पे ये प्रैक्टिस के लिए मिलेगी आपको करना क्या एप्लीकेशन के ऊपर स्टडी मटेरियल नाम का फोल्डर है स्टडी मटेरियल नाम का फोल्डर आपको होम टैब में मिलेगा जिसके अंदर आपको यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल मिलेगी और वहाँ पर यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल में आपको कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर ये इसकी प्रैक्टिस फाइल भी मिलेगी ये पूरा ऑफिस क्रैश कोर्स से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिस फाइल है या फिर शॉर्टकट कीज पी डी एफ सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे एम एस ओफी स्क्रैक कोर्स फोल्डर में सो चेक कर लेना अब ये फाइल में सेव कर लेता तो बेसिक फार्मूलाज हमने कवर कर लिए है अब हम आगे बढ़ते थोड़े से आगे के स्टेप की तरफ पे हम देखने वाले यूजफुल ऑप्शंस बेसिक फार्मूला के बाद हम यूजफुल ऑप्शन सीखेंगे फिर बाद में हम सीखेंगे एडवांस फॉर्मूलाज तो अब हमें यूजफुल ऑप्शंस क्या सीखने ये मैं आपको बताने से पहले इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं ताकि ये है हमारी प्रैक्टिस फाइल वन जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए यूजफुल रहेगी इसके ऊपर ही आप अपने फार्मूलाज की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मैं इसे एम एस ऑफ स्क्रैच को फोल्डर में सेव कर रहा हूँ प्रैक्टिस फाइल वन एक्सेल की है तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ ठीक है अब इसको दोबारा मैं सेव एज करता हूँ और इसमें हम यूजफुल ऑप्शन प्रैक्टिस फाइल टू लिख देते हैं प्रैक्टिस फाइल टू यूजफुल ऑप्शन सेव एस के लिए एफ ट्वेल्व बटन दबाना है सिंपली और सेव कर देना है फटाफट हो जाता है ओके okay. तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताने वाला सबसे पहले यूज़फुल ऑप्शन बताने से पहले यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो मुझे मैंने निकाला था डेटा ये हटाना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा ये टोटल निकालें इसे इस पूरे रो को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं ऐसे डिलीट तो कर सकता हूँ राइट right? लेकिन मैं पूरे रो को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इस रो पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल माइनस कीबोर्ड पे दबा दूंगा पूरा रो डिलीट गायब तो आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए वो आप इस तरह से कर सकते हैं मुझे सपोज अब ये बेसिक फॉर्मूलाज इस वाले शीट में नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो पहले वाले प्रैक्टिस फाइल में है तो ये नहीं चाहिए मैक्स से लेकर ये तो मैं इन कॉलम्स को ऐसा सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल माइनस दें टेड एंड यहाँ पर मुझे कॉलम ऐड करना है सब्जेक्ट वन के पहले मतलब नेम ऑफ स्टूडेंट और सब्जेक्ट वन के बीच में तो इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करूँगा कीबोर्ड बोर्ड पर कंट्रोल प्लस दबा दूंगा कंट्रोल माइनस से डिलीट होता है कंट्रोल प्लस से ऐड होता है याद रखिए आपको कॉलम सेलेक्ट करना है जिस कॉलम के पहले आपको कॉलम चाहिए तो आपको सब्जेक्ट वन के पहले चाहिए तो इसी कॉलम को सेलेक्ट करो कंट्रोल प्लस और यहाँ पे मुझे ऐड करना है इसका कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी है कुछ भी ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से राइट तो यहाँ पे मैंने नया कॉलम ऐड किया नहीं चाहिए तो मैं इसे क्लिक करूँगा और माइनस कंट्रोल माइनस करके हटा दूंगा या फिर मैं इधर सिटी ऐड कर देता हूँ मैंने सिटी ऐड कर दिया मुंबई दिल्ली और ये दो ही सिटीज़ है एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर यही ऐड कर रहा हूँ अब मैं जो ऑप्शन बताने वाला हूँ ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है और ये डेली यूज़ वाले ऑप्शन है दोस्तों डेली यूज़ में आते हैं एक्सेल के अंदर और आपको आना चाहिए सबसे पहले तो मैं आपको सॉर्ट बताने वाला हूँ एक्सेल के अंदर जो कि डेटा टैब के अंदर डेटा टैब में भी मिलेगा होम टैब में भी यहाँ पे आपको सॉर्ट मिलेगा ये देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर यहाँ से भी ले लो या डेटा टैब से ले लो मैं रिकमेंड करूँगा डेटा टैब से ही यहाँ पर अभी क्योंकि डेटा में ही ये ऑप्शन यहाँ पे दिए मेनली तो यहाँ पे ए टू जेड जेड टू ए ये क्या होता है बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे जिसको ज़्यादा मार्क्स मिले सपोज अभी ये ऊपर है इसको कम मार्क्स कर देते थोड़े से अब यहाँ पे जिसको भी ज़्यादा मार्क्स है इस पूरे लिस्ट में अब देखेंगे इसको ही ज़्यादा वैसे ही एक नंबर पे ही है तो वो ज़्यादा नंबर वाले जो भी पर्सन है ज़्यादा मार्क्स जिसको है वो ऊपर आ जाए एक नंबर पर अब मैं एक काम करता हूँ इसके मार्क्स बढ़ा देता हूँ और इसको इसको ज़्यादा मार्क्स है अभी देखिए तो ये लास्ट में आया तो मैं चाहता हूँ यार इसका नंबर एक आ जाए तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा जब मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे Z to A करूंगा क्योंकि मुझे मार्क्स वाइज डिसेंडिंग चाहिए जेड टू ए लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है जैसे मैं पूरा डेटा को सिलेक्ट करके जेड टू ए करूँगा तो वो पहले कॉलम के हिसाब से उसने जेड टू ए कर लिया देखिए सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन अंडू करो इसे कंट्रोल जेड ऐसा नहीं करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस कॉलम के हिसाब से करना है तो मैं एक तो एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकता हूँ इतने कॉलम और मैं जेड टू ए पे क्लिक करूंगा तब वो बोलेगा कि भाई इसे आपको क्या करना है आपने ये कॉलम सेलेक्ट किया लेकिन अगर आप इस कॉलम को देन से देखिए आपने खाली एक ही कॉलम सेलेक्ट किया है वो बोल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन सिंस यू आर नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा इट विल नॉट बी सॉर्टेड मतलब आपने जो डेटा सिलेक्ट किया है बेसिकली उस डेटा के आगे भी कुछ डेटा है लेकिन आपने उस डेटा को अगर नहीं सिलेक्ट किया तो भाई इतना ही शॉर्ट हो कंटिन्यूथ किया और शॉर्ट किया आपने तो गड़बड़ हो जाएगा तो गड़बड़ क्या हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले इसका एक काम करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला है बेसिकली ये फॉर्मूला मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ पे कंटेंट होंगे तभी वो शॉर्टिंग प्रॉपर हो जाएगा हमारे लिए राइट तो कंटेंट यहाँ पे रखने फार्मूला हटाना है तो कॉपी करो कंट्रोल सी पेस्ट करते समय आपको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाना है और वैल्यूज जाना है जो आपको पहले ही मैंने बता दिया अब यहाँ पे खाली कंटेंट है कंटेंट रहने चाहिए बस अब इसको सेलेक्ट कर लो आप डेटा में जाओ और यहाँ पे जेड टू ए करो अब आपने कंटिन्यू कंटिन्यूस करंट सिलेक्शन किया तो अभी एफ के मार्क टू है वो किसी और को चले गए ए बी सी डी को भैया ऐसा करोगे तो राइट <laughs> दीवाना निकल जाएगा मतलब जिसका रिजल्ट है यार वो तो चक्कर आके गिर जाएगा बोले यार मैं तो पास होने वाला था नंबर वन आने हुआ था फेल हो गया मैं तो ऐसा नहीं करना है तो यहाँ पे मत करो ऐसा कंट्रोल जेड कर लो ओके तो करना क्या है एक्सपांड सिलेक्शन करना है ए जेड टू ए कर लो एक्सपांड सिलेक्शन शॉर्ट ये देखो 294 227 ये प्रॉपर आ गया एक तरीका तो ऐसा है दूसरा तरीका तो पूरा डेटा सिलेक्ट कर लो अब आप इस वाले शॉर्ट पर क्लिक करो और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें वो पूछेगा कि कौन से कॉलम को शॉर्ट करना है वो कॉलम यहाँ पे दो कौन सा कॉलम शॉर्ट करना है टोटल और क्या करना है उसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्या करना है उसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अब देख लो हो गया ना वही है तो आप यह तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं सॉर्टिंग है ए टू जेड असेंडिंग जेड टू ए डिसेंडिंग या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इस तरह से आप असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्टिंग कर सकते हैं अब मैं आपको सॉर्टिंग के बाद बताने वाला हूं दूसरा यूजफुल ऑप्शन फिल्टर फिल्टर के लिए आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं अल्टे टी तो मैंने अल्टे टी दबा दी यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर अप्लाई हो चुका है कैसे पता चलेगा यहाँ पे हर एक कॉलम में एक छोटा सा ट्राइंगल उल्टा ट्राइंगल आ रहा है या ड्राउन एरो आ रहा है तो इस पर क्लिक करो सिटी पर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर सिटी रिपीट है सिटी दिल्ली मुंबई दिल्ली मुंबई दिल्ली मुंबई यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो मैं चाहता हूँ कि भाई दिल्ली का ही रिकॉर्ड दिखे बस दिल्ली के स्टूडेंट मुंबई के नहीं दिखे मुंबई के स्टूडेंट छू मंतर हो गए राइट छू मंतर यानी कि हाइड हो गए अब जब फ़िल्टर अप्लाई करते हो तो ये भी ब्लू कलर में दिखता है कि भाई हाँ या फिर देखिए वन टू छः सात डायरेक्टली आ रहा है कुछ तो हाइड है तो यहाँ पे क्लिक करो फिल्टर पे और फिर से यहाँ पे आप मुंबई पर चेक करो और दिल्ली को गायब करो ओहो यहाँ से आप इजिली डेटा को फिल्टर कर सकते फ़िल्टर हटा दो रिमूव फिल्टर फिल्टर कैसे करना है दोबारा देखिए टी दबाइए यहाँ पे क्लिक कीजिए या फिर कंट्रोल शिफ्ट एल वी दबा दोगे तो भी फिल्टर आ जाता है ये भी शॉर्टकट की उसकी यहाँ पे क्लिक करो यहाँ पे आप एक तो आपके पास बहुत सारा रिकॉर्ड है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे सर्च कर लो या फिर आपके पास एक नाम से चालू होने वाले बहुत सारे रिकॉर्ड तो आप जाकर बिगिन स्विथ लगा सकते हैं कि भाई बिगिन स्विथ या कंटेंट्स भी कंटेंट्स मतलब कैसे कंटेंट का जरूरी कभी होता है जैसे यहाँ पे मैंने एक नाम लिख दिया कंटेंट्स भी आपको मैं बताता हूँ मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ सूरज शिंदे और यहाँ पे मैंने अजय शिंदे लिख दिया अजय शिंदे अब यहाँ पे अजय नाम का दूसरा भी एक है लेकिन उसका नाम है अजय काले लिख देते थे चलो तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि भाई जो सिंधे शिंडी नहीं शिंडी नहीं सिंधे सर नेम के लोग है वही आने चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और टेक्स्ट फिल्टर में जाऊँगा और कंटेंट्स में जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा शिंदे शिंदे लिखूँगा ओके करूंगा शिंदे सर नेम के लोग आ जाएंगे तो ये फ़िल्टर बहुत ही काम की चीज़ है यार मतलब डेटा को फ़िल्टर फटाफट कर लो आपके जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जैसे मुझे चाहिए कि भाई यहाँ पे दो के ऊपर जो लोग हैं ना वही दिखे बाकी नहीं तो भैया लगा दो ना फिल्टर फिर यहाँ पे क्लिक करो यहाँ पे इस कॉलम के लिए फ़िल्टर लगाना है उधर क्लिक करो यहाँ पे देखिए लिख के क्या आ रहा है अभी नंबर फिल्टर आ रहा है क्योंकि वहाँ पे नंबर है उस कॉलम के अंदर राइट तो यहाँ पे जाओ ग्रेटर देन ग्रेटर देन पे क्लिक करो और यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे नंबर फिल्टर में और ऑप्शन मिलेंगे इसमें आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं मैं ग्रेटर दैन इक्वल टू ले सकता हूँ या खाली ग्रेटर देन लेना है ग्रेटर देन टू फिफ्टी टू फिफ्टी से ज़्यादा जो है वो आ जाओ वो एक ही है राइट ओके यहाँ पे क्लिक करो और क्लियर फिल्टर फ्रॉम टोटल ऐसा भी कर सकते हैं तो फिल्टर लगाना कैसे ये डेफ़िनेटली आपको समझा होगा फ़िल्टर भी समझा होगा आपको यहाँ पे शॉर्ट भी समझा होगा ये ऑप्शन बहुत यूज़फुल है और ये ज़रूरी भी है राइट right? इसके अलावा और क्या आपको इसके अंदर जानकारी होनी चाहिए आपको रिमू डुप्लीकेट आना चाहिए जैसे एग्जाम्पल ले लो मैं इसी को कॉपी करता हूँ ये फ़िल्टर शॉर्ट की प्रैक्टिस के लिए रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और ये जो सूरज सिंधे है ना सूरज सिंधे इसका नाम तीन बार या चार बार आ चुका है राइट सूरज शिंदे का एग्जाम्पल के लिए ले, ले लेते हैं इसको सीरियली एडजस्ट कर लेते वापिस अभी इसको ड्रैक करके रख देते ठीक है यहाँ पर भी कुछ अजय काले ऐड कर देता हूँ तो सूरज सिंधे का नाम तीन बार आ चुका है और अजय काले का नाम दो बार आ चुका है तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ डुप्लीकेट हटाना चाहता हूँ इसे मैं सिलेक्ट करूँगा ध्यान दीजिए जो जिनके नाम रिपीट आ चुके हैं उनको हटाना है तो इसे सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे रिमूव डुप्लिकेट्स डेटा टैब में ही एक रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन मिल जाता है क्लिक कीजिए उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है अगेन कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन और एक्सपांड एक्सपांड कीजिएगा रिमूव डुप्लीकेट्स उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आपको क्या करना है कि भाई कौन से कॉलम वाइज सेलेक्ट करना है मतलब कौन से कॉलम वाइज डुप्लीकेट रिमूव करना है तो पहले अनसेलेक्ट ऑल कीजिए सबको अनसेलेक्ट कीजिए और ये नेम ऑफ स्टूडेंट इस कॉलम वाइज मुझे डुप्लिकेट हटाने और ये भी चेक रखिए माय डेटा हैज़ हेडर हेडर है आपके डेटा में ये अगर आप चेक नहीं रखोगे तो वो ऊपर का कॉलम भी पिक कर लेगा राइट right? तो ये माय डेटा हैज़ हेडर रखो नेम ऑफ स्टूडेंट ओके थ्री डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव थ्री यूनिक वैल्यूज रिमेन ओ दैट्स इट है ना इंटरेस्टिंग तो इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए ये डेटा मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्रैक्टिस के लिए कंडू कर रहा हूँ डुप्लीकेट तो आपको पता चला चलो नेक्स्ट शीट पर जाते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग सीखते हैं यहाँ पर मैंने बस इस शीट में क्या कर लिया इस नाम को लिए पेस्ट किया है अभी एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरा काफ़ी फेवरेट है सबका होना चाहिए मैजिक ऑप्शन है ये मैजिकल यार यहाँ पर एक्सेल का ए आई काम करता है अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं चाहता हूं यार सूरज और शिंदे को अलग अलग करूं राइट तो मैंने अलग अलग कॉलम में मैं सूरज को लेता हूँ कॉपी करता हूँ पेस्ट करता हूँ कंट्रोल ई -E दबाता हूं सूरज अलग हो गया है अजय 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 इन तीन में अलग अजय है यहाँ पे सूरज है चलो मैं शिंदे को अलग करना चाहता हूँ मैंने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट किया और कंट्रोल ई -E बटन दबा दिया क्या बात है समझ में आया कुछ फ्लैश फिल कंट्रोल ई मतलब फ्लैश फिल यहाँ पे मैं शिंदे को स्मॉल में लिखता हूँ मैं स्मॉल में चाहता हूँ शिंदे को स्मॉल में लिखा मैंने और मैं यहाँ पे फ्लैश फिल पे क्लिक करता हूँ क्या हो रहा है ये दिखाई दे रहा है आपको तो अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है आई एम गोइंग टू टेक अ एग्जाम्पल ऑफ डेटा मेरे पास बहुत सारा वैसे भी डेटा है तो यहाँ पे मैं एक डेटा ओपन करता हूँ एग्जाम्पल के लिए एक डेटा मैंने ले लिया है यहाँ पर ओके अब यहाँ पे आप देखोगे आ, राइट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ दो कॉलम इंसर्ट करो मैं यहाँ पे नाम और सरनेम को अलग अलग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अजय लिखूंगा अजय बस पहला नाम लिखूंगा इसमें और इसे क्लिक करूंगा और डेटा में जाकर फ्लैश फिल पर क्लिक करूंगा ओ डैन टा डैन यहाँ पर मैं सिंह लिखूंगा और मैं इसे फ्लैश फिल पर क्लिक करूँगा क्या बात है मैं ये अजय सिंह को यहाँ पे कैपिटल करना चाहता हूँ तो मैं अजय सिंह जो लिखा ना वो यहाँ पे कैपिटल लिखूंगा अजय सिंह कंट्रोल ही बटन दबा दूंगा क्या बात है आप स्मॉल में कर सकते हैं कैपिटल में कर सकते हैं प्रॉपर में कर सकते हैं तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग ज़रूर इसे चेक कर लेना इसकी प्रैक्टिस करना फ्लैश फिल की फ्लैश फिल ज़रूर है ज़रूरी है जानना फ्लैश फिल आपको आना चाहिए राइट right? वैसे तो एक्सेल में ढेर सारे ऑप्शन आपको आने चाहिए ढेर सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और इसके लिए आपको एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहिए बिगिनस टू एडवांस ये तो क्रैश कोर्स है राइट right? इसमें आपको बहुत सारी आइडिया आ चुकी कि एक्सेल में ये सारी चीजें कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरी टीचिंग स्टाइल आपको समझ में आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन से एक्सेल बिगिनस टू एडवांस एक्सेल मास्टर या एक्सेल प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं जो कि विथ सर्टिफिकेट बहुत ही कम फीस में आपको मिलेगा साथ ही में आपको एक्सेल का ई e बुक मिलेगा हिंदी में जी हाँ और शॉर्टकट कीज की पी मिलेगी पूरी की पूरी और आपको कुछ वीबीए टूल्स मिलेंगे तो ढेर सारी चीज़ें आपको लेके डिस्क्रिप्शन में है सर्टिफिकेट के साथ कोर्स इन ऐप वीडियो डाउनलोड के साथ आपको वहाँ पे मिलने वाला है तो आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन अभी के अभी फिलहाल हमारा क्रैश कोर्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है ये हमने कुछ यूजफुल ऑप्शन देखे हैं लेकिन अब हमें देखना है कुछ एडवांस फार्मूलाज जो कि हम अभी शुरू करने वाले एडवांस फार्मूलाज एक्सेल के अंदर एडवांस फॉर्मूला सीखने वाले दोस्तों तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूलाज से राइट टेक्स्ट फॉर्मूलाज कब यूज़ होते हैं ये आपको पता चल जाएगा सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो लिखे गए लेटर्स है वो देखेंगे आप ध्यान से तो जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखे है अजय देखो यहाँ पे अजय का ए कैपिटल है पांडे पूरा का पूरा कैपिटल है और वैसे अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर में नहीं लिखा है मतलब प्रॉपर वे में नहीं लिखा है ऐसा आपको लगता है पूरा का पूरा कैपिटल आपको चाहिए राइट तो कहीं पे के स्मॉल है कहीं पे कुछ और है तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर केस में चाहिए तो प्रॉपर में उसे ले सकता हूँ प्रॉपर मतलब पहला अल्फाबेट हर एक वर्ड का कैपिटल होगा हर एक वर्ड का यानी अजय का ए पांडे का पी या फिर मैं पूरा का पूरा कैपिटल चाहता तो मैं अपर कर सकता हूँ पूरा स्मॉल चाहता तो मैं लोअर कर सकता हूँ यहाँ पर मैं कसा रखूँगा इज इक्वल टू यहाँ पर मैं क्या करूँगा देखिए अपर टाइप करूँगा अपर जैसे मैंने अपर टाइप किया यू कैन सी अपर और यहाँ पे आपको टेक्स्ट लेना है टेक्स्ट यानी कि यहाँ पे पहला एक ही ऑर्ग्यूमेंट देना है एंटर करना है एंटर और आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे देखिए आप बोलोगे ये तो फ्लैश फील से भी आपने पढ़ाया था सर ये अपर फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करने की ज़रूरत है हाँ करना ज़रूरी है जब आप चाहते हो इसे Uh, क्या बोलते हैं ना डायनेमिकली चेंज होता है यहाँ पे सिंह सरनेम का कुछ वर्मा मैंने कर दिया तो ये वर्मा यहाँ पे चेंज हो रहा है राइट बेसिकली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और ये फ्लैश फील्ड में नहीं होता है फ्लैश फील्ड में वो क्या करता है बस एआई टूल की मदद से इसको कैपिटल कर देता है और यहाँ पे अगर सोर्स डेटा में आप चेंज करते हो तो यहाँ पर वो चेंजेस नहीं आते राइट right? तो ये एक बेनिफिट इसका है उसके बाद लोअर लोअर लेंगे इसे सिलेक्ट करेंगे एंटर करेंगे बहुत ही सिंपल है ये यह फॉर्मूलाज यहाँ पर डबल क्लिक कर लो देखिए अपर लोअर और नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रॉपर जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर टाइप करूँगा प्रॉपर टाइप करना है प्रॉपरली और उसके बाद यहाँ पे एक ही ऑर्ग्यूमेंट देना है देखिए राइट और उसके बाद ये ऑर्ग्यूमेंट दे दिया एंटर अब यहाँ पे चैलेंज क्या है यहाँ पे ये मैंने प्रॉपर कर लिया और ये मुझे लगता है कि यार यही मुझे इस जगह पे रखना है तो मैं अगर इसे कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे पेस्ट करने जाऊँगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है अंडू कर रहा हूँ मैं कॉपी तो करना ही है लेकिन पेस्ट वैसे डायरेक्ट नहीं करना है जो कि पेस्ट का एक तरीका मैंने आपको बताया था जिसमें हमने फॉर्मूला अगर सेल में इसमें फार्मूला है ना बेसिकली तो उसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए पेस्ट में होम टैब में पेस्ट में पेस्ट स्पेशल के सेक्शन में आपको मिलेगा यहाँ पे वैल्यूज़ राइट यहाँ पे आप वैल्यूज़ पेश करते हो तो यू कैन सी यहाँ पे जो था कंटेंट एज इट इज़ यहाँ पे आ चुका है जो कि पांडे यहाँ पे पूरा कैपिटल था वो हट के यहाँ पे प्रॉपर केस में बन गया हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट यहाँ पे कैपिटल आ चुका है तो ये इस तरह से आपको करना है जिस सेल में फॉर्मूला है उसको आप कॉपी करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट वैल्यूज करोगे तो वो कैपिटल में आ जाएगा तो अपर लोअर प्रॉपर समझ में आया होगा आपको अपर क्या करता है लोअर क्या करता है मैं अंडू कर देता हूँ इसे ऐसे रख देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए अपर लोअर और प्रॉपर क्या करता है डेफिनेटली ये फॉर्मूलाज क्लियर हो चुके होंगे अब नेक्स्ट है हमारे पास समीप काउंटिप देखिए इसमें समीप काउंटिक और इसके एडवांस वर्जन यानी कि सम इप्स और काउंट इप्स ये चारों फार्मूलाज हम एक साथ देखने वाले राइट तो यहाँ पे सम समीप कैसे काम करता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा करना क्या है मैं आपको पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा या आपको पहले टास्क बताना चाहूँगा कि बेसिकली हमारे पास जो डेटा है ना उसमें हमें सम समीप की ज़रूरत क्यों पड़ती सम समीप ये एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला है काउंट ईप या सम इप्स जहाँ पे यस लगता है ईप के आगे तो सम ईप्स या काउंट ईप्स एवरेज ईप्स ऐसे ये सब स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज है अभी स्टैटिस्टिकल फार्मूला यानी कि एक स्टैट्स आपको यहाँ पे मिलता है डेटा में से जैसे एग्जांपल ले लो यहाँ पे आपको बोला है कि काउंट करो प्रोजेक्ट को मार्ग और रॉक प्रोजेक्ट को काउंट करो यानी कि यहाँ पे मार्ग और रॉक प्रोजेक्ट दो प्रोजेक्ट है हमारे और वो कितनी बार आए मार्ग कितनी बार है उसके कितने प्रोजेक्ट है मार्ग के और रॉक के कितने हैं तो उसकी काउंटिंग यहाँ पर हमें चाहिए तो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करना है तो काउंट इप नॉर्मल काउंटिंग करना है तो काउंट लेकिन कंडीशन अगर है यहाँ पे कंडीशन है ना कि भाई मार्क के अलग रॉक के अलग तो कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करना है तो काउंट इफ और यहाँ पे मुझे पूछा गया है कि भाई मार्क और रॉक प्रोजेक्ट की टोटल सेल्स निकालो ये काउंट सेल्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे सेल्स निकालने के लिए बोला है ये सेकेंड एग्जाम्पल में तो यहाँ पे सेल्स निकालना है मतलब मुझे इनकी टोटल करनी मार्क के सामने जो जो नंबर्स लिखे हैं जो जो सेल्स है बेसिकली उन सभी का टोटल यहाँ पे लाना है और रॉक के सामने जो जो टोटल मतलब नंबर है उनकी टोटल यहाँ पे लेने हैं तो ये हो गया आपका सम एडिशन ही करना है आपको इन नंबर्स का लेकिन वो कंडीशन के अकॉर्डिंग तो सम इफ यहाँ पे यूज होता है तो चलिए पहले मैंने आपको समझा भी दिया हमें करना क्या है अब यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूला लगा देते हैं जब भी कोई फार्मूला आप लगाते हो इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है जब आप काउंट इफ फार्मूला लगते हो तो यहाँ पे एक उसका डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन जो भी बोला आप एक इंफॉर्मेशन आ जाती काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन मैं जूम करके बताता हूँ इसको आपको ये रहा काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट अ गिवन कंडीशन जो आप कंडीशन देते हो वो कंडीशन मिलती है तो वो काउंट करता है कि भाई कितना ये पर्टिकुलर कंडीशन के सबसे वो वर्ड वहां पे है तो इफ जैसे मैं लिखूंगा यहां पे आपको बताया इफ ओपन ब्रैकेट करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे रेंज और क्राइटेरिया दो आर्गूमेंट ये सिंटैक्स ये है बेसिकली फॉर्मूला का इसे सिंटैक्स कहते हैं और सिंटैक्स के अंदर ऑर्ग्यूमेंट दिए रहते हैं तो ऑर्ग्यूमेंट यहां पे दो ही है दोनों ऑर्ग्यूमेंट कंपलसरी है अब कंपलसरी और ऑप्शनल ऐसे दो टाइप के ऑर्ग्यूमेंट रहते हैं जो आ, आपको मैं वी लुकअप के टाइम पर समझाऊंगा चाहिए तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने बोला रेंज दे दो कोमा क्राइटेरिया दे दो तो रेंज देना है हमें वो कॉलम कॉलम ले लो या फिर डेटा लेंगे तो भी चलेगा लेकिन आपको लगता है कि यार आगे डेटा और आ सकता है तो आप पूरे पूरे सी कॉलम को ले सकते हैं डिपेंड और मुझे लगता है कि नहीं यार इतना ही डेटा है मेरे पास फिलहाल तो इतना ही रहेगा आगे नहीं बढ़ेगा तो सी टू टू ऐसा सेलेक्ट कर लो उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया क्राइटेरिया देना है क्राइटेरिया आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में मार्ग ऐसे तो टाइप कर सकते हैं वैसे दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि भाई इसे हटा दो और इसे सेलेक्ट कर लो डायरेक्टली यहाँ पे अगर आपने कहीं पे मार्क लिखा है तो उसे सिलेक्ट कर लो एंड दैट्स इट क्राइटेरिया हो गया क्राइटेरिया रेंज भी हो गया ज़रा फॉर्मूला देख लीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कीजिए आपने डायरेक्टली एंटर किया तो भी चलेगा वो हो जाता है ब्रैकेट क्लोज सात काउंटिंग वो बोल रहा है कि मार्क के प्रोजेक्ट सात है राइट right? और अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या ये रॉक का भी काउंट करेगा ऑफ कोर्स करेगा लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा ये जो सी टू टू सी इलेवन है ना इसे फिक्स करना पड़ेगा अब ये फिक्स रेफरेंस पहली बार आप सुन रहे होंगे तो मैं आपको बता दूँ फिक्स रेफरेंस क्या होता है इसका एक एग्जाम्पल पहले बता देता हूँ ताकि है ना आपको अगर एक्सेल एकदम बिगिनर हो उनको पता ही नहीं फिक्स रेफरेंस क्या बोल रहा हूँ मैं एक्सेल में दो तरह के रेफरेंस होते एक होता है फिक्स रेफरेंस एक होता है रिलेटिव रेफरेंस फिक्स कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस भी बोला जाता है याद रखना है अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं टाइप करता हूँ फिक्स रेफरेंस और ये एक्सेल में समझना है इसलिए ज़रूरी क्योंकि अगर आपको एक्सेल में मास्टर बनना है तो भाई ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए और इससे ज़रा गौर कीजिए इनके आगे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं इन सभी नंबर्स को एक दूसरे में मुझे ऐड करना है जो सामने सामने नंबर्स दिए हैं तो मैं सिंपली यहाँ पर एक ही बार फार्मूला लिखूंगा दिस प्लस दिस एक ही बार फॉर्मूला लिखूंगा F12 ट्वेल्व प्लस जी ट्वेल्व क्या आ रहा है देखिए ध्यान से और मैं इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैक करता हूं एक ही तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है नहीं आ रहा है अभी F13 G13 आ रहा है एंड अगर मैं लास्ट तक ड्रैक करूंगा तो ये लेफ्ट उसके रिलेटिव लेफ्ट साइड में कौन से सेल्स से, है उसका वो क्या करेगा एडिशन करेगा इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस रिलेटिव यानी कि इससे रिलेटेड भाई इस सेल के लेफ्ट साइड में कौन से सेल्स से? है उनका ही टोटल वो या पे लेगा और एक्सेल बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस ही शो करता है या फॉलो करता है अब हमें एब्सोलूट और फिक्स रेफरेंस की क्यों जरूरत पड़ती है मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ इन तीनों नंबर को मैंने डिलीट कर दिया अब मुझे क्या करना है ये फार्मूला भी डिलीट कर देता हूँ अब मुझे क्या करना है कि भाई यहाँ पे जितने भी नंबर्स यहाँ पे जितने भी नंबर है कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं उन सब में मुझे थर्टी ऐड करना है तो मैंने थर्टी बार बार नहीं लिखा है कहीं एक ही जगह पर लिखा है राइट इसका रीज़न ये कि थर्टी की जगह मैं आगे चलकर कर फिफ्टी भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ बार बार सब जगह पर मुझे चेंज नहीं करना है राइट यहाँ पे हंड्रेड है तो हंड्रेड भी ऐड कर सकता हूँ तो जो भी मुझे नंबर यहाँ पर ऐड करना है थर्टी ऐड करना है इन सब में तो मैं इज इक्वल टू करूँगा दिस प्लस दिस ये तो मैं करूँगा ही करूँगा एंटर करूँगा एफ ट्वेल्ल प्लस जी ट्वेल्व आ जाएगा पहले तो आ गया अगर मैं इसे ड्रैग करूँगा तो प्रॉब्लम क्या होगा आपको पता ही है एफ थर्टीन जी थर्टीन एफ फोर्टीन जी फोर्टीन एफ फिफ्टीन जी फिफ्टीन यहाँ पर थर्टी एड ही नहीं हो रहा क्योंकि इस सेल में थर्टी ही नहीं एक तो आप यहाँ पर थर्टी टाइप करते बैठो और आपको बॉस ने बोला कि यार फिफ्टी ऐड करना है सब में तो बाद में फिर से फिफ्टी करते बैठो तो ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको सिंपल ही रिलेटिव रेफरेंस की जगह आपको बस यहाँ पे आपका जो सेल है ना थर्टी का उसको फिक्स करना है यानी कि इसका रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए ये रेफरेंस क्या ले रहा है अभी जी तो इसका रेफरेंस मैं अभी एब्सोल्यूट कर रहा हूँ फिक्स कर रहा हूँ और उसे फिक्स करने के लिए मैंने क्या किया डॉलर साइन ऐड किया जी और ट्वेल्व के आगे ट्वेल्व के आगे मतलब रो भी फिक्स कॉलम भी फिक्स ये कॉलम फिक्स करता है ये रो फिक्स करता है और ये जी ट्वेल्व कैसे ऐड किया मैंने ये शॉर्टकट की से ऐड किया मतलब जी ट्वेल्व को डॉलर साइन कैसे ऐड किया तो यहाँ पे F4 बटन मैंने प्रेस किया जैसे मैं F4 बटन प्रेस करता हूँ यू कैन सी यहाँ डॉलर साइन अप्लाई हो चुका है हो चुका है यहाँ पे फिर से मैं एफ करता हूँ जी दिखाई दे रहा अब खाली ट्वेल्व को ही डॉलर साइन है फिर से एफ करता हूँ अब खाली जी को ही डॉलर साइन है फिर से एफ करता हूँ दोनों का गया फिर से एफ तो ये कभी कभी हमें कॉलम को ही रखना पड़ता है कभी रो को ही रखना पड़ता है वो जरूरी पड़ता है तब होता है तो मैं आपको सम इप्स और काउंट इप्स में दिखाऊंगा लेकिन यहाँ पे सम और काउंट इप में आपको इसको बस पूरा का पूरा फिक्स करना है सम इप्स के टाइम पे वो देखेंगे कि भाई कॉलम के लिए क्यों रो के लिए क्यों अब इसे मैं ड्रैग करता हूँ यू कैन सी द चेंजेस अगर मैं यहाँ पे 50 कर लेता हूँ ओहो अगर मैं यहाँ पे 30 कर लेता हूँ यहाँ पे 10 कर लेता हूँ सब में चेंज हो रहा है बिकॉज सी द फॉर्मूला यहाँ पे एफ़ फोर्टीन हो चुका है यहाँ पे एफ़ फिफ्टीन हो चुका है लेकिन ये जी ट्वेल्व का जी ट्वेल्व ही है और वही हमें चाहिए बेसिकली यहाँ पे जब मैं फार्मूला नीचे ड्रैक करूँगा ना ये तो ये नीचे ड्रैक करूँगा तो हमें ये जो रेंज है ना ये C2 टू टू सी ये रेंज फिक्स होनी चाहिए हमारी अगर मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो आंसर तो ये यही देर है सही रहेगा लेकिन ये देखो ये रेंज गड़बड़ हो गई क्या हो गई C13 थर्टीन टू सी आ गया अगर मैं यहाँ पे भी रॉक लिखता हूँ तो रॉक तो चार है सॉरी रॉक तो यहाँ पर चार है लेकिन चार नहीं काउंट हो रहे वन टू थ्री और फोर नहीं हो रहा इसका रीज़न ये है क्योंकि इस फार्मूला को उसने सी से लिया एक सेल नीचे आ गया ना हम लोग एक सेल नीचे आ गए तो सी का सी सी तो C2 का C3 हो गया और यहाँ पे C12 हो गया C11 का तो ये नहीं होने ही देना है तो इसलिए इसे सिलेक्ट कर लो और इसे F4 बटन प्रेस करो इसे पूरा रेंज को सिलेक्ट करके F4 दिस इज़ कॉल्ड फिक्स रेफरेंस ये भी मैंने आपको समझा दिया अब आप ड्रैग कर लो यू कैन सी सिक्स फोर राइट अब यहाँ पे मार्क करो रॉक करो कोई प्रॉब्लम नहीं वो प्रॉपर कर लेगा क्योंकि इसकी रेंज फिक्स हो चुकी है सो दिस इज अबाउट द फिक्स रेफरेंस जो आपको हमेशा याद रखना है हर एक फार्मूला में इसका इस्तेमाल होता है बहुत सारी जगह पे होगा वी लुकअप में होगा मैचर इंडेक्स बहुत सारी जगह पे होता है तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जो है हमारा सम ईव समीप समिप सम कैसे देते हैं समिप में तीन ऑर्ग्यूमेंट है एक है रेंज कोमा क्राइटेरिया और तीसरा है सम रेंज तो रेंज कौन सा लेंगे हम देखिए तीन ऑर्ग्यूमेंट देना है रेंज रेंज हमें वो देना है जिसका हमें टोटल करनी है ये रेंज हमें देनी है चलिए आप इतना रेंज भी ले सकते हैं एक बात याद रखना है जो रेंज आप देते हो वो रेंज को आपको याद रखना है वही लेना है जिसका क्राइटेरिया मतलब बेसिकली जिसमें से क्राइटेरिया आपको ढूंढना है तो आप यहाँ से लोगे तो ऊपर मिस हो जाएगा आप एक तो कंटेंट जहाँ से चालू रहे वहाँ से ले लो या पूरा कॉलम ले लो जो भी आपकी मर्जी या पूरा इस तरह से भी लेंगे तो भी चलेगा एफ फोर बटन प्रेस करो इसे फिक्स करो अब ये फ़िक्स किया फिक्स क्यों करना है अभी समझाने की जरूरत नहीं मुझे रेंज को फिक्स करो क्राइटेरिया ले लिया क्राइटेरिया ले लिया हमने क्या क्राइटेरिया ले लिया मार्क क्राइटेरिया ये ना देखिए रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज तो मैं कमा करता हूँ सम रेंज सम रेंज में भी आप अभी यहाँ से नहीं कर सकते आपने रेंज लिया है सी वन से तो यहाँ पे भी डी वन से ही होगा उसका रेंज दोनों का सेम होना चाहिए जो सम रेंज है यह इसका C1 से स्टार्ट किया तो ये भी D1 से ही होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए फिक्स F4 फोर बटन प्रेस करके इसे भी फिक्स करो D1 वन टू डी उसके सामने सामने ये देखिए अब जिसका टोटल करना है दैट इज़ सम रेंज तो वो आपको यहाँ पर लेनी सम रेंज को लास्ट में पहले इधर क्राइटेरिया बीच में लिया उधर रेंज लिया एंटर ढेंटेड एन और इसे ड्रैक कर लो रिज़ल्ट आ चुका है यहाँ पे देखो ये G8 आ गया G8 इसको फिक्स नहीं करना है G7 और G8 को अभी तो इसको फिक्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जब हम सम इप्स और काउंटिप्स इस्तेमाल करेंगे अभी तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये आइडिया आ चुका है कि भाई ये किस तरह से काम करता है अभी राइट समिप और काउंटिप क्या होता है टोटल यहाँ पे बता रहा है अगर आप यहाँ पे मार्केट जगह रॉक करोगे तो दोनों जगह पे चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं सो दिस इज द वे दैट यू कैन यूज़ काउंट इफ एंड समप फॉर्मूला बट यहाँ पे अभी काउंट इफ्स और समिप सीखने की बारी है दोस्तों थोड़ा सा एडवांस इसमें अभी और जाते जिसका नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है अब यहाँ पे इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा मैं एक काम करता हूँ इसी शीट का एक डुप्लीकेट कर दो तो इसे डुप्लीकेट करने के लिए राइट क्लिक कीजिए मू और कॉपी कीजिए मूव टू द एंड क्रिएट अ कॉपी इसका मैंने डुप्लीकेट किया ये एंडिंग में और इसे मैं नाम देता हूँ डबल क्लिक करके नाम कैसे चेंज करना है डबल क्लिक कीजिए सीट के ऊपर और यहाँ पे नाम आप चेंज कर सकते हैं समिप्स काउंटिप्स अब इसमें एक और फार्मूला मेरे पास है इंसर्ट और ये लोकेशन मैंने ऐड कर दिया क्या ऐड कर दिया लोकेशन दिल्ली पुणे ये दो लोकेशन मैंने ऐड कर दिए दिल्ली पुणे दिल्ली पुणे ड्रैग कर दिया अब मुझे क्या बोला गया है कि यहाँ पे मेरे पास अभी ट्रिकी है ट्रिकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हम लोग इसे ये डिलीट कर देता हूँ मैं इसमें ट्रिकी क्या है मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको मुंबई और दिल्ली इनके क्या निकालने के लिए बोला है सेल और काउंटिंग निकालने के लिए बोला है अलग अलग तो भाई मार्ग के कितने प्रोजेक्ट है अभी देखो आपके पास डेटा थोड़ा सा अभी बढ़ गया क्योंकि एक और कॉलम बढ़ गया इसीलिए अब उन्होंने क्या बोला आपके बॉस ने एक स्टैट्स निकालने के लिए बोला कि भाई दिल्ली के रॉक प्रोजेक्ट कितने हैं और दिल्ली के मार्ग प्रोजेक्ट कितने है? साथ में पुणे के दिल्ली और पुणे लिए मुंबई ने लिया पुणे के पुणे लिया है तो यहाँ पे पुणे करना पड़ेगा मैंने यहाँ पे मुंबई लिख दिया अरे आपने बताया भी नहीं आपका ध्यान किधर है <laughs> ओके अरे मेरा ही ध्यान किधर था तो अभी मैंने करेक्ट कर लिया एक्चुअली मैं मुंबई दिल्ली लिखता हूँ हमेशा लेकिन इस बार मैंने दिल्ली लिख दिया था और पुणे लिख दिया था इस बार मैंने पुणे लिख दिया था तो यहाँ पे आपको आइडिया आ चुका है कि भाई दिल्ली पुणे है और दिल्ली पुणे पुणे दिल्ली तो पुणे के रॉक प्रोजेक्ट कितने हैं देखिए पुणे के रॉक प्रोजेक्ट काउंटिंग यहाँ पे आना चाहिए मार्ग भी यहाँ पे काउंटिंग आना चाहिए और दिल्ली के मार्ग काउंटिंग यहाँ पे और रॉक यहाँ पे तो यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया लगने वाले हैं तो मल्टीपल क्राइटेरिया जब कभी भी लगता है तो काउंटिप से काम नहीं बनेगा काउंट काउंटिप के आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा एक और येस लगाना पड़ेगा दैट इज काउंट काउंटिप्स जहाँ पे आप मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं ये फॉर्मूला सिंपल है कोई हैक्टिक नहीं है बस आपको यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया देना है क्राइटेरिया रेंज वन क्राइटेरिया क्राइटेरिया रेंज टू क्राइटेरिया इस तरह से आपके अलग अलग ऑर्ग्यूमेंट्स रहेंगे तो पहला रेंज है आ, पहला हम इसी से स्टार्ट करते हैं ये हमारा है है प्रोजेक्ट याद रखो आप अगर डी से चालू कर रहे हो तो ये सारी रेंज डी से होनी चाहिए अगर आप डी से करो तो सारी रेंज डी से होनी चाहिए तो मैं डी से रख देता हूँ चलो ठीक है उसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन मैंने ले लिया कोमा क्राइटेरिया क्या है इसका वो पूछ रहा है कि भाई इसका क्राइटेरिया क्या है इस ये कहाँ पे ढूंढना है मतलब क्या ढूंढना है इसमें मार्क ढूंढना है ये क्राइटेरिया ना इस प्रोजेक्ट में हमें मार्क ढूंढना है दे दिया कोमा अब फिर से वो क्या बोल रहा है देखिए पहला क्राइटेरिया रेंज वन दे दिया क्राइटेरिया दे दिया खत्म लेकिन हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है वो बोल रहा है कि क्राइटेरिया रेंज टू दे दो अभी टू तो अब ये हमारा है सी वन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे कोमा करके क्या करेंगे कॉमा करने के बाद यहाँ पे पुणे को सिलेक्ट कर लेंगे पुणे को राइट क्योंकि ये जो मैंने सेलेक्ट किया ना उसमें पुणे और दिल्ली ढूंढना है तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया और एंटर कर दिया अब आपका रिजल्ट आ चुका है तीन देखते हैं पुणे के तीन प्रोजेक्ट है मार्ग के राइट तो पुणे यहाँ पे मार्ग वाला है पुणे यहाँ पे लास्ट में एक मार्ग वाला एक एक मार्ग वाला ये है एक मार्ग वाला ये है एक मार्ग वाला तीन है, है। बराबर पुणे के तीन ही है अब मुझे यहाँ पे पुणे के रॉक भी ढूंढने हैं साथ में दिल्ली के मार्ग और रॉक भी करना है तो ये फार्मूला को मैं ड्रैग करूँगा चलेगा चलेगा क्या नहीं नहीं चलेगा काम नहीं करेगा ये ये जीरो बता रहा है ये भी जीरो बता रहा है ये भी जीरो बता रहा है कुछ गड़बड़ है गड़बड़ क्या है मैं आपको बताता तो? ये ऐसे रहने दो डबल क्लिक करो यहाँ पे देखो क्या रहा है डी टू टू डी ट्वेल्व ये तो फिक्स नहीं पहले तो ऊपर नीचे आ गया ये देखिए ट्वेल्व तक यहाँ पे ब्लैंक है पहली चीज तो ये तो फिक्स नहीं दूसरा ये एच आया है चलो इसे एच आने दो तो क्योंकि मुझे रॉक ढूंढना है लेकिन ये आई आ रहा है आई में हमारे पास पुणे लिखा हुआ है नहीं पुणे का चाहिए ना ये तो नीचे आ गया क्यों नीचे आ गया क्योंकि ये I1 था और जब मैंने इसे ड्रैग किया तो ये I2 होना ही है क्योंकि मैंने इसे फिक्स नहीं किया तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको पहले तो ये रेंज तो फ़िक्स करनी ज़रूरी है ये तो आपको समझ में राइट उसके बाद आपको I फिक्स करना पड़ेगा लेकिन I कैसे फ़िक्स करेंगे I1 वन फिक्स करना पड़ेगा मतलब आप अगर ड्रैक करोगे तो आई का क्या हो रहा है यहाँ पर आई हो रहा है तो वो टू नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए वो बस आई वन ही रहना चाहिए तभी यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा और इस केस में जब राइट में हम ड्रैक करते हैं तो यहाँ पे भी एक गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रेंज तो ठीक है चलो इसे हम फिक्स करेंगे लेकिन ये आई वन ये रेंज तो देखिए यहाँ पे ये यह रेंज भी तो चेंज हो रही है ई वन आ रहा है और डी वन आ रहा है जो कि यहाँ पे टोटल में आ रहा है तो हमें क्या करना है बेसिकली हमें इसको भी फ़िक्स करना पड़ेगा जब हम इसे ड्रैग करते हैं रेंज को तो फिक्स करना ही पड़ेगा लेकिन यहाँ पे आई टू और जे वन में फिक्स करना पड़ेगा आई टू जो दिखाई दे रहा है ना ये आ रहा है हमारा एच टू था मार्ग यहाँ पे लिखा है रॉके यहाँ पे लिखा है एच टू एच थ्री में और ये आई टू आ रहा है तो इसीलिए क्या कर रहा हूँ मैं ध्यान से देखिए पहले तो मैंने ये रेंज फिक्स कर दी क्योंकि ये डी और सी कॉलम ही होना चाहिए दूसरा यहाँ पर मैं एफ फोर बटन प्रेस कर रहा हूँ एच टू के यहाँ पर और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब ये फॉर्मूला मैं वर्टिकल ड्राई करूँगा तो टू का मुझे थ्री करना ही है तो ये टू को मैं अनलॉक रखूँगा यानी कि जूम करता हूँ यानी कि मैं बस H को ही साइन कॉलम को डॉलर साइन लगाऊं जब मुझे कोई भी फॉर्मूला वर्टिकल ड्रैग करना है ध्यान से देखिए तो उसमें रो आपका अनफिक्स रहेगा जब यहाँ पे आपके पास रो वर्टिकल ट्रैक करना और यहाँ पे रो में वैल्यू चेंज होती जा रही है आपको लगता है तो H ये देखा एच टू का H3 होना चाहिए तो ये रो मैंने यहाँ पे नहीं लेकिन रो मैंने यहाँ पे फिक्स नहीं किया लेकिन यहाँ पे मैंने कॉलम क्यों फिक्स किया क्योंकि H कॉलम के सिवा प्रोजेक्ट और कहीं लिखा नहीं है तो एच कॉलम के सिवा आई में या कहीं पर और जाना नहीं चाहिए इसलिए एच को फ़िक्स कर दिया वैसे ही आई के साथ मैं करूँगा आय के लिए क्या करूँगा लेकिन यहाँ पर चेंजेस थोड़े से रहेंगे आई के लिए मैं यहाँ पर रो फिक्स करूँगा क्यों रो फिक्स किया वन आय क्यों नहीं फिक्स किया क्योंकि आय कॉलम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लेकिन ये जे कॉलम में भी दिल्ली लिखा है और जे दो कॉलम तो आय चेंज हो गया तो चलेगा आई का जे होना चाहिए लेकिन वन का टू नहीं होना चाहिए क्योंकि एक नंबर रो में ही पुणे और दिल्ली दोनों भी पड़े हैं हम इंदू से दोनों लिखे गए हैं तो इनको ज़रा ध्यान से देखिए भाई ये जिसको जिसको समझ में आया ना कि भाई ये मैंने कॉलम क्यों फिक्स किया है यहाँ पे कॉलम क्यों फिक्स किया है और यहाँ पे रो क्यूँ फिक्स किया है इसको जिसको समझ में नहीं आया ना उसको क्या करना है ये दो तीन बार फार्मूला टाइप करना है उसको समझना है कि भाई मैं इसे ड्रैग करता हूँ नीचे तो क्या हो रहा है नीचे ड्रैग करूँगा तो ये क्या हो रहा है अब देखिए वैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई ये एच टू का एच थ्री हो रहा है और ये आई वन इट इज़ रह रहा है जब मैं इसे ऑरिजेंटल ड्रैग करता हूँ तो क्या हो रहा है देखिए अब अब यहाँ पर काउंटिंग भी तो आ रहा है साथ में वो क्या बोल रहा है ये देखिए एच टू अपनी पोजीशन पे वो चेंज नहीं हो रहा है एच की जगह दूसरे कॉलम में जा ही नहीं रहा है वो क्योंकि एच को फिक्स किया और यहाँ पे जे कॉलम हो गया आई की जगह क्योंकि जाना ही चाहिए था वो दिल्ली का काउंटिंग चाहिए हमें यहाँ पर दिल्ली का तो ऊपर का आय का जे होना चाहिए इसलिए जे को फिक्स नहीं आई को फिक्स नहीं किया था इसलिए जे हो गया उसका लेकिन ये फिक्स है वन जब हम इसे वर्टिकल भी ड्रैग करते हैं तो ये वन ही रहता है जे वन और यहाँ पे एच थ्री ये रहा एच टू का एच थ्री हो गया यहाँ पे क्या आ रहा था एच टू आ रहा था यहाँ पे क्या आ रहा है एच थ्री आ रहा है तो कहीं पे रो और कहीं पे कॉलम फिक्स करना है वो लॉजिक आपको समझना है जिसको लॉजिक समझा उसको सम समिप भी सम इप्स भी आएगा क्योंकि काउंट इप्स की तरह ही सम समिप्स होता है बस यहाँ पे बस सम रेंज एडिशनल आपको ऐड करना रहता है सो दैट्स इट ये आपको डेफिनेटली समझा होगा देखिए ये रेंज तो फिक्स ही रहेगी बाद में इस रेंज में एच कॉलम इसीलिए फिक्स रहेगा क्योंकि एच कॉलम के सिवा और जगह पर प्रोजेक्ट लिखा नहीं है लेकिन टू को अनफिक्स इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे मार्क और रो अलग अलग रॉक अलग अलग प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखे रहते हैं तो दो तीन चार ऐसा होना चाहिए और इसमें भी यहाँ पे वन नंबर रो में ही आपका पूरा पूरा पुणे दिल्ली इसलिए रो को फिक्स कर दो कि भाई एक नंबर रो लेकिन कॉलम सेम नहीं है आए पुणे में जेल दिल्ली में आगे कुछ भी हो सकता है राइट सो दिस इज़ योर आंसर एंड इट इज़ इजी टू अप्लाई द समिप्स आल्सो राइट तो अगर आपको ये समझ गया अकाउंटिप्स तो भैया सम समिप्स में तो बस सम रेंज एक एडिशनल चीज़ ऐड करनी क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया क्राइटे रेंज क्राइटेरिया सेम ही है काउंट काउंटिप्स बस सम रेंज एडिशनल है मतलब आपको ये चीज़ करनी है यहाँ पे एक चीज़ सम रेंज ले लो एफ फोर करो इसे फिक्स करो कॉमा फ़िक्स करो सम रेंज एडिशनल मतलब पहले सम रेंज दे दो, दो कि भाई किसकी टोटल करनी है फिर क्राइटेरिया दे दो क्राइटेरिया दिया दिस वन एफ फोर एफ फोर फिक्स करो कॉमा क्राइटेरिया दिया ये राइट आपने क्या लिया है प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट पहले सेलेक्ट करो कॉमा उसके बाद उसके बाद क्या है आपने दूसरा क्राइटेरिया रेंज लेना है दूसरा क्राइटेरिया रेंज कहाँ पर लेंगे हम ये मैं यहाँ पर इस साइड जाता हूँ और यहाँ पर हमारा दूसरा क्राइटेरिया रेंज ओके राइट रेंज ले लिया is, is, अरे क्यों नहीं हो रहा है इसे हम सिलेक्ट करते हैं और फिक्स करते क्राइटेरेंज को उसके बाद कोमा करेंगे और क्राइटेरिया देंगे दिल्ली और इसे क्या करेंगे एच सेवन को क्या करेंगे बताओ एच सेवन में एच कॉलम रहेगा फिक्स कोर्स और यहाँ पे रहेगा सिक्स फिक्स आई कॉलम फिक्स नहीं होगा दैट्स इट एक बार आपने काउंटिप्स में इसे कर लिया ना तो सम्स तो आपके बाएँ हाथ का खेल है राइट तो भैया ये समप्स एंड काउंट काउंटिप्स कैसे करना है डेफिनेटली डेफिनेटली समझा होगा ये स्टेटिस्टिकल है ये ज़रूरी आना वैसे ये प्योर टेबल या पावर टेबल जो भी आप बोलो उससे भी हो सकता है जो कि प्योर टेबल का एक सेक्शन हमारा होने वाला है इसके बाद और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये चीज़ प्योर टेबल से भी कर सकते हैं बट फॉमूला का करने का अपना अलग मज़ा होता है अलग अंदाज़ है प्योर टेबल से अलग अंदाज है अपने अपने अंदाज़ है तो फिलहाल तो हमारा ये अंदाज़ है कि हमने काउंट काउंटिप्स और ये सम्स कर लिया है कम्प्लीट अब बढ़ते नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जो है मैच एंड इंडेक्स ये भी इंटरेस्टिंग है एजी है ये लुकअप फार्मूलाज में आता है ये स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज में आता है ओके सो मैच एंड इंडेक्स क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद हम वी लुकअप देखने वाले जो सबसे यूजफुल फार्मूला इन इन एक्सेल राइट वो भी हम इसमें सीखने वाले हैं यार सब कुछ होने वाला है बहुत कुछ होने वाला है फिलहाल तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैया ये जो डेटा है ना इसमें से यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन में तैयार करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे टीचर नेम या स्टाफ नेम या फैकल्टी नेम जो भी है फैकल्टी यहाँ पे लेता हूँ फैकल्टी फैकल्टी का नाम यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दूँ टाइम का भी राइट right? तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाऊंगा फैकल्टी का मैं यहाँ पे क्लिक रखूँगा डेटा में जाऊँगा एक नया ऑप्शन आप सीख रहे हो यहाँ पे डेटा में जाना है और डेटा वैलिडेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है जैसे आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दो तो इस ऑप्शन पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें सेटिंग आपको करनी है सेटिंग तो आनी चाहिए भैया सेटिंग में जाओ लिस्ट में जाओ वैसे हमारे लोगों को सेटिंग बहुत अच्छे से आती है लिस्ट ले लो और सोर्स में कर्सर रखो सोर्स में कर्सर रखने के बाद यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करेंगे इस लिस्ट को क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी नेम चाहिए तो मैंने राम सर से सचिन अजय जो भी है अवनी मैम इधर तक ले लिया एंड ओके नाउ यू कैन चेक इट आउट ओहो दैट सेट यही चाहिए था मुझे यही चाहिए था कैसे किया दोबारा देखिए टाइम को सिलेक्ट किया कर्सर यहाँ पे रखा कर्सर रखो जहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है डेटा वैलिडेशन पे जाओ यहाँ पे लिस्ट जाओ लिस्ट में जाओ बेसिकली यहाँ पे सोर्स में कर्सर रखो और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करो ओके करो देखिए डेटा वैलिडेशन वैसे देखा जाए तो इनडेप अगर सीखने जाओगे तो इसमें ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है देखिए जरा मैं ग्यारह सेलेक्ट करो कुछ हो आ रहा है ऐसा क्यों क्योंकि इस सेल का जो फॉर्मेट है होम टैब में जाइए इस सेल को सेलेक्ट रखिए सेल का फॉर्मेट टाइम वाला रखिए ओ तो आपका काम बन जाएगा टाइम वाला फॉर्मेट जरूरी रखना है वहाँ पर ठीक है मैं ये बता रहा था कि भाई इस डेटा वैलिडेशन में बहुत कुछ सीखने के लिए रहता है और बहुत कुछ एडवांस लेवल पे एक्सेल का मैंने 30 घंटे का एक कोर्स ही उसके लिए डिज़ाइन किया विद इंटरव्यू क्वेश्चन एंड ऑल विद आई सर्टिफिकेट तो जरूर चेकआउट करो आप इंटरेस्टिंग है तो मेरे एप्लीकेशन स्किल कोर्स डिस्क्रिप्शन में है या ऐप में जाकर स्किल कोर्स डाउनलोड इंस्टॉल करो घर बैठे आई एस साथ कोर्स सीखने का मौका पाओ मैंने तो इन्फॉर्मेशन दे दी है अब आपका काम बनता है सीखना है तो आ जाओ भैया ओके यहाँ पे फिलहाल तो मैं फैकल्टी और टाइम सेलेक्ट करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि भाई उसका कौन सा लेक्चर है राइट right? जैसे मैं फैकल्टी टाइम सेलेक्ट करूंगा तो कौन सा लेक्चर है तो यहाँ पे मुझे लेक्चर डिस्प्ले होना चाहिए सब्जेक्ट डिस्प्ले होना चाहिए तो यहाँ पे मैं दूंगा क्या कैसे करूंगा जरा स्टेप देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक मैच फार्मूला लगा रहा हूँ मैच मैच फार्मूला का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैच एंड इंडेक्स का कॉम्बिनेशन अभी होने वाला है मैच में लुकअप वैल्यू लुकअप एरे मैच टाइप ऐसे तीन ऑर्ग्यूमेंट रहते हैं लुकअप वैल्यू लुकअप अप एरे मैच टाइप लुकअप वैल्यू रहेगी अजय ये हमें देखना है कॉमा लुकअप अरे कहाँ पे ढूंढना है उसे उसे इस रेंज में ढूंढना है स्टार्टिंग से टाइम टीचर से लेकर मैंने पहले से लिया है सेलेक्ट करके मुझे इस पर्टिकुलर रो में ढूंढना है कि भाई उसका नंबर क्या और मुझे कॉमा करके एग्जैक्ट मैच चाहिए एग्जैक्ट वो बोल रहा है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए यस तो एग्जैक्ट मैच के लिए क्या है देखिए एग्जैक्ट मैच के लिए आपको यहाँ पे जीरो लिखना है तो मैच में फॉर्मूला देते समय पहले लुकअप वैल्यू अजय सर ले लिया फिर रेंज ले लिए लिए और फिर ज़ीरो ले लिया एंटर कर दिया एंटर कर दिया आपको मिल गया अजय ये देखिए अजय का नंबर है फोर यानी कि इस रेंज में वन टू थ्री फोर चार नंबर कॉलम में आ जाए अगर मैं यहाँ पे सचिन लेता हूँ तो तीन नंबर कॉलम में सचिन राम लेता हूँ तो दो नंबर कॉलम में आउनी है तो पाँच नंबर कॉलम ओह हो क्या बात है उसका पाँच नंबर है चलिए मैच दोबारा देख लेते हैं मैच दोबारा मैच खेल लेते हैं राइट कौन सी मैच खेलेंगे क्रिकेट की मैच ओके यहाँ पे लुकअप वैल्यू कॉमा लुकअप एरे लुकअप वैल्यू ये दे दिया लुकअप एरे यहाँ पे पढ़ाए क्यों क्योंकि सॉरी स्टार्टिंग से ले लो ऊपर से क्यों यहाँ पे ये ले रहा हूँ मैं क्योंकि हमें क्या करना है ढूंढना है कि भाई ये कौन से रो में पहले रो में दूसरे रो में तीसरे रो में चौथे रो में राइट right? और उसके बाद एग्जैक्ट मैच ज़ीरो अब वो बताएगा कि भाई चार नंबर रो में आपका ग्यारह लिखा गया देखिए चार नंबर रो में ग्यारह है क्या बात है बराबर है सही पकड़े हैं सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। दस तीन नंबर रो में नौ दो नंबर रो में और एक बजाय छः नंबर रो में आपके इधर एक कोई यहाँ पे चौबीस घंटे के हिसाब से दिखा रहा है डोंट वरी बट इट इज़ वन एंड द सेम तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि भाई ये जो है ना इसका नंबर हम मैथ से निकाल सकते हैं वो पर्टिकुलर रो में कौन से है या पर्टिकुलर कॉलम में इसका रो नंबर आपने निकाला इसका कॉलम नंबर तो अवनी मैम यहाँ पे पांच नंबर कॉलम में वन टू थ्री फोर फाइव और ये दो दो तीन चार पाँच हमने बारह ढूंढा तो ये पाँच नंबर सॉरी एक दो तीन चार पाँच ये रहा पाँच नंबर राइट नाउ इट इज़ टाइम टू फाइंड आउट द लेक्चर इंडेक्स यूज़ करो इंडेक्स जब आप लेते हो इंडेक्स में आपको सबसे पहले एरे लेना है ये पूरा डेटा एरे में उसके बाद कोमा करना है एरे में पूरा डेटा उसके बाद रो नंबर लेना है ये, number, ये रो नंबर यही रो नंबर है ना हमारा रो नंबर और कॉलम नंबर कोमा ये देखिए रो नंबर ये लिया था कॉलम नंबर ये यहाँ पे निकाला ये ले लो एंटर करो यू आर गेटिंग टैली अवनी मैम पढ़ा रही है बारह बजे टैली अवनी मैम नौ बजे क्या पढ़ा रही है नौ बजे पढ़ा रही है हार्डवेयर अवनी मैम दस बजे क्या पढ़ा रही है अब मैं चाहता हूँ कि भैया पे अजय सर क्या पढ़ा रहे दस बजे अजय सर पढ़ा रहे दस बजे का है हार्डवेयर उनका आप जो भी टीचर लो लो राम सर ले लो राम सर दस बजे टैली पढ़ा रहे भैया ये देखिए दस बजे टैली है राम सर सही है ना सही पकड़े है यार सही पकड़े है राइट तो ये होता है बेसिकली मैच एंड इंडेक्स का काम अब आप कहोगे यार ये मैच अलग से निकालो फिर इंडेक्स अलग निकालो ज़रूरी नहीं है मैच अलग से निकालो इन दोनों की जगह ऊपर जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाला है ना वो कॉपी पेस्ट कर लो या टाइप करो जैसे यहाँ पे हमने वो G10 टेन सेलेक्ट किया था मतलब ये सेल सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे आप मैच ले लो ये ले लो लुक ऑफ वैल्यू यही थी कॉमा यहाँ पे ये पूरा सिलेक्ट करना है कॉमा ज़ीरो ये आ गया मैच पहला रो की जगह पहला मैच जो आपको आंसर क्या देगा आपको अच्छे से पता है राइट कॉमा दूसरा मैच कॉलम की जगह मैच फिर से दिस इज़ लुक ऑफ वैल्यू कॉमा देखिए वही चीज़ जो अभी अलग अलग की थी वो हम एक साथ हैं कोमा ज़ीरो ये दोनों मैच मैंने यहाँ पे लिख दिए पहले मैच से क्या होगा देखो इसे सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं आप इसे सेलेक्ट कर लो की बोर्ड पर एफ नाइन दबा दो यू कैन सी द रिजल्ट क्या मिल रहा है तीन बराबर है ना ये तीन बता रहा है ओके इसे सेलेक्ट कर लो और F9 प्रेस करो पाँच ये देखिए पाँच बराबर रिजल्ट है कंट्रोल जेड F9 करने के बाद कंट्रोल जेड देखिए F9 करके आप रिजल्ट देख सकते हैं फार्मूला के अंदर फार्मूला यानी निश्चिंग फार्मूला जब फार्मूला का निस्टिंग आप करते हो तो अंदर के फार्मूला का रिजल्ट देखना है तो उसे सेलेक्ट करके F9 कर लो रिजल्ट आ जाएगा कंट्रोल जेड करो दोबारा नहीं तो फिर आपको फार्मूला टाइप करना पड़ेगा कंट्रोल जेड करो वापस फार्मूला आ जाएगा अंडू करके एंटर करो ब्रैकेट क्लोज जितने होने हैं वो हो जाएंगे और आपको ये दोनों की जरूरत अभी नहीं है जो कि मैच मैंने इसी में लिखा है तो अगर आप दस ले लो ग्यारह बारह ले लो तो कुछ भी ले लो यहां पे रिजल्ट तो आना ही है प्रॉपर रिजल्ट आने वाला है सो दिस इज द वे दैट यू कैन यूज इंडेक्स एंड मैच क्या करता है फेच करता है दो वैल्यू के अकॉर्डिंग उसके सामने कौन सी वैल्यू पड़ी है दो वैल्यू आपको देनी है वो टेबल में कौन सी वैल्यू है वो आपको बता देगा दैट इज द यूज ऑफ इंडेक्स मैच एंड अब हम बढ़ने वाले सबसे पावरफुल फॉर्मूला की तरफ एक्सेल के दैट इज लुकअप वी लुकअप वी स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप ये ज़्यादा क्यों यूज होता है क्योंकि जब हमारे पास बड़ा डेटा रहता है उसमें हमें कुछ लुकअप करना रहता है एग्जाम्पल ले लो एक कस्टमर केयर को आपने कॉल किया रिलायंस के कस्टमर केयर को या फिर रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी जो भी है उनको बोला कि यार मेरे लाइट बिल के बारे में मुझे कुछ डाउट्स है तो वो सबसे पहले आपको क्या पूछते हैं कस्टमर केयर बोलते हैं कि सर आपका मोबाइल नंबर दे दो तो रजिस्टर या फिर आपका जो आ, बिल है मीटर नंबर दे दो मीटर नंबर दे दो बेसिकली बिल के ऊपर जो भी मीटर आईडी है मीटर नंबर दे दो तो वो आपका मीटर नंबर क्यों लेते होंगे बताओ सिंपल है आप बोलोगे सर वो हमारे मीटर नंबर के अकॉर्डिंग हमारा डेटा ढूंढते होंगे हमारे उनके सिस्टम में क्या क्या है मतलब क्या दिखा रहा है तो वैसे ही कुछ है हमारे पास लाख स्टूडेंट का डेटा है लाखों स्टूडेंट का है और और, तो लाखों स्टूडेंट का जब डेटा हमारे पास है एंड दैट टाइम वी नीड टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर कैंडिडेट राइट तो अगर मैं उसे ऐसे एक, एक 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 कंट्रोल ऐप करके ढूंढूंगा तो भी चलेगा लेकिन कंट्रोल ऐप से क्या होगा कि मैं किसी और को किसी और का डेटा भी बता सकता हूँ तो मुझे उसका रिकॉर्ड अलग 1006 से चाहिए मैं वन जीरो ज़ीरो सिक्स कंट्रोल ऐप से ढूंढ सकता हूँ फाइंड करके बट मुझे रिकॉर्ड जो उसका अलग से चाहिए मैं चाहता हूँ कि यार मैं यहाँ पर लिखूंगा ना वन तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाए जैसे कि आ रहा है यहाँ पे ऑलरेडी वी लुकअप अप्लाई इसीलिए वन जीरो जीरो टू जैसे आप टेंथ और ट्वेल्थ के रिजल्ट में भी कर देखते न, हो ना आप सीट नंबर टाइप करते हो आपका रिजल्ट आ जाता है तो डेटा फेच करने के लिए वी लुकअप का यहाँ पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं आसानी से वही चीज़ मैंने यहाँ पे रिपीट किए बट आई एम जस्ट टेलिंग यू एग्जाम्पल लुकअप करता क्या है अब यहाँ पे करना क्या है मुझे देखिए सबसे पहले मैं इन्हें डिलीट ही कर देता हूँ और आपको एकदम स्टार्टिंग से दिखाता हूँ क्या करना क्या है मैंने आपको बता दिया बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे जो हेडिंग है मैं इसे कॉपी करता हूँ बिलूकप सीख रहे हम ध्यान से सीखिएगा प्रैक्टिस भी ज़रूरी है इसका प्रैक्टिस फाइल मैंने ऑलरेडी दिया है इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करने के लिए दोबारा बता दे तो आप अप्प्लीकेशन डाउनलोड कीजिए स्किल कोर्स उसके ऊपर स्टडी मटेरियल नाम का एक होम टैब में ऑप्शन मिल जाएगा और उसके अंदर यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल फोल्डर मिलेगा कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल का फोल्डर मिलेगा एम ऑफिस क्रैश कोर्स का फोल्डर उसके अंदर ये प्रैक्टिस फाइल सारी मिल जाएगी दोबारा बता दिया है अब यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए पहले इसे कॉपी कर लीजिए पहले सीख लीजिए फिर प्रैक्टिस कीजिए कॉपी कीजिए इसे और यहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट में ट्रांसपोज कीजिए व्हाट ऐपन व्हाट एपन बताओ मुझे ट्रांसपोज से क्या हुआ पेस्ट ऑप्शन में जाकर ट्रांसपोज करने से क्या हुआ ये जो डेटा है ना ये हॉरिजेंटल का वर्टिकल पेस्ट में यहाँ पे ट्रांसपोज है ये ऑप्शन है ट्रांसपोज जो कि आपका डेटा ट्रांसपोज कर देता है ओके गॉड इट नाउ आई एम गोइंग टू टाइप वन जीरो जीरो वन मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे वन का रिकॉर्ड आ जाए सो फॉर दैट वी नीड टू अप्लाई वी लुकअप पहले मैं इसे झूम कर लेता हूँ वी लुकअप वी लुकअप क्या कहता है भाई ये ज़रा डेफिनेशन भी पढ़ लो ओह बहुत लंबी चौड़िया अगर किधर गया लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल लुक्स फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड रिटन द सेम रो वैल्यू द कॉलम नंबर यू स्पेसिफाई याद रखिए वी लुक ऑफ का डेफिनेशन मैं आपको बता भी देता हूँ एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ लुक्स फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड रिटर्न द सेम रो वैल्यू द कॉलम नंबर यू स्पेसिफाई बाई डिफॉल्ट टेबल मस्ज बॉटेड इन असेंडिंग ऑर्डर इतना बड़ा डेफिनेशन है ये आप रट्टा मार लो बाड कर लो कुछ भी कर लो लेकिन मैं इसका एक्सप्रेशन पहले देता हूँ तो आपको याद रहेगा लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल ये डेफिनेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इंटरव्यू में अगर थेरोटिकल किसी ने पूछा कि भाई बताओ वी लुकअप क्या होता है तो आप वो बता सकते हैं इसमें लुकअप वैल्यू आपकी ये रहेगी लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल मतलब वो वी लुकअप क्या करेगा लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल की वैल्यू चेक करेगा एंड रिटर्न द सेम रो मतलब आपने 1004 जीरो जीरो फोर एंटर किया है 1001 जीरो जीरो वन एंटर किया है एंड रिटर्न द सेम रो रिटर्न मतलब शो करना सेम रो की वैल्यू शो करेगा द कॉलम नंबर यू स्पेसिफाई आगे भी डेफिनेशन में जो कॉलम नंबर दो नंबर कॉलम स्पेसिफाई किया तो अजय पांडे दिखाएगा तीन नंबर पर मैनेजर चार नंबर पर पर्चर्स पाँच नंबर पर ई मेल में ई मेल नहीं मेल ओके okay, और छः नंबर में मुंबई और यहाँ पे इस तरह से दिखाएगा कॉलम नंबर जो स्पेसिफाई करेंगे उसके हिसाब से आ जाएगा सो लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर रेंज लुकअप ये चार ऑर्ग्यूमेंट्स हमें देने हैं भी लुकअप में कंपलसरी याद रखिए तो यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू दूंगा ये रहा लुकअप वैल्यू मेरा ओके आपकोर्स लुक ऑफ़ वैल्यू सभी फॉर्मूला में यहाँ पे क्या रहेगा सेम रहेगा तो इसे क्या करना पड़ेगा हमें फ़िक्स और फिक्स के लिए एफ़ बटन प्रेस करते हैं जो कि मैंने पहले भी बोला है आपको कि भाई एफ बटन प्रेस करना क्यों ज़रूरी होता है जे ही लुक ऑफ वैल्यू ना सभी जब हम नीचे फॉर्मूला को ड्रैक करेंगे तो जे ही लुक ऑफ वैल्यू है याद रखना है, इसे फिक्स कर लो ओके okay, अब टेबल एरे टेबल एरे मतलब ये पूरा डेटा आप ये पूरा पूरा डेटा यहाँ से स्टार्टिंग से करो या फिर एंडिंग से पूरा डेटा ले लो तो पूरा डेटा ले लो और ये भी डेटा पूरा सभी फॉर्मूला में नीचे जब ड्रैक करेंगे तो फिक्स रहेगा तो एफ़ बटन इसे भी दे दो टेबल आ दे दिया पूरा टेबल जे वन मतलब लुकअप वैल्यू ऊपर जो हमने टाइप की है जिसको हमें ढूंढना है कॉलम इंडेक्स नंबर भाई कौन से कॉलम में से वैल्यू चाहिए इसके सामने तो मुझे इम्प्लॉय नेम चाहिए यहाँ पे कहाँ पर वैल्यू लिखना है इम्प्लॉय नेम का लिखना है राइट मतलब इम्प्लॉय नेम मुझे फेच करना है तो इम्प्लॉय नेम कॉलम नंबर कितना है हमारे डेटा में इम्प्लॉय आई डी एक नंबर कॉलम है यहाँ पे इम्प्लॉय नेम दो नंबर कॉलम है दो नंबर एंड कोमा रेंज लुकअप रेंज लुकअप शुड बी एग्जैक्ट मैच इसमें अप्रॉक्स मैच भी रहता है एग्जैक्ट मैच भी रहता है लेकिन फिलहाल यहाँ पे जीरो लिख के आप एग्जैक्ट मैच करो एंटर करो यू आर गेटिंग योर रिजल्ट ओ हो क्या बात है दोबारा देख लीजिए आप यहाँ से भी वेलो कप ले सकते हैं दूसरा एक तरीका मैं बता हूँ तो आपको वीलो कप लेने का आप तो यहाँ पर करसा रखो एपेक्स पे क्लिक करो और यहाँ पे जाकर भी आप वीलो कप टाइप कर सकते हो ऊपर वेलू कप ये देखिए एपेक्स पे क्लिक किया वीलू कप गो और वेलो कप आ चुका है ओके ये ऐसा आ जाता है ये देखिए यहाँ पे भी ये ये भी सिंपल है वो भी सिंपल है जिसकी भी आदत आपको लग रही है वो करो आपको लगता है कि यार ये ठीक है इसे करना है तो इसे करो लुकअप वैल्यू ये देखो लुकअप वैल्यू यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कॉमा जे वन सॉरी कॉमा नहीं देने की जरूरत अभी अभी कॉमा देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आप टेबल एरे ले लो टेबल एरे ये डेटा पूरा का पूरा ले लिया इस बॉक्स में राइट वही चीज़ कर रहा हूँ मैं उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे देना है कॉलम इंडेक्स नंबर दो क्योंकि मुझे यहाँ पे नेम ऑफ इंप्लाई चाहिए और एग्जैक्टली exactly मैच के लिए यहाँ पे रेंज लुकअप जीरो रखेगा इसको आपको करना होगा फिक्स और इसे भी करना होगा फिक्स एफ फोर बटन प्रेस करके डॉलर डॉलोसैन अप्लाई कर दो और ओके okay कर दो ये तरीके से भी किया तो भी वही अजय पांडे आएगा डबल क्लिक करो वही फार्मूला दिखाई देगा आपको जो अभी आपने टाइप किया था तो आप ऐसे करो वैसे करो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने आपको तरीका बता दिया अब आप बोलोगे इसे ड्राइक करेंगे तो आंसर आएगा क्या आंसर तो आएगा लेकिन कुछ अलग ही आएगा क्या हाल है डिजिग्नेशन <laughs> में भी अजय पांडे डिपार्टमेंट में भी अजय ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो लिखा है तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में आके क्या करेंगे हम ये दो नंबर कॉलम में थोड़ी है डिजिंगनेशन किस में है तीन नंबर कॉलम में डिपार्टमेंट कहाँ पे है चार नंबर कॉलम में और वहाँ पर जेंडर कहाँ पे पाँच नंबर कॉलम में तो ऐसे एक एक कॉलम चेंज करते बैठेंगे क्या फिर फॉर्मूला ड्रैक करने का मतलब क्या है एक्सेल यूज़ करने का मतलब क्या है भैया तो भैया मतलब ये है कि हमें उस फॉर्मूला को भी डायनेमिक करना पड़ेगा एक तो आप यहाँ पर वन टू फोर थ्री ऐसा लिख दो कॉलम के नंबर लिख दो और इस टू की जगह हटा दो और इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर करो अब ये काम कर लेगा क्योंकि अभी क्या करें ये देखिए एच थ्री मतलब ये थ्री है एच फोर फाइव ये रहा दिखाई दे रहा है ओके लेकिन आपको ये कॉलम हाइड करना पड़ेगा जैसे आप इसको डिलीट करते हो छू मंत्र फार्मूला गड़बड़ कर देगा तो यह क्या करे इसके लिए सोल्यूशन सोल्यूशन एक और है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है यहाँ पर आप रो टाइप करते हो ना रो रो किसी भी रो में आप रो टाइप करते हो रो वाला फार्मूला ये फार्मूला देखिए तो बताता है उस रो का नंबर क्या है उस रो का नंबर है दो अगर मैं इस रो को यहाँ पे टाइप करूंगा तो ये बताएगा रो नंबर ओ सॉरी फोर्टीन बराबर है और अगर मैं इस रो को यहाँ पे कहीं पे भी टाइप करूँ आप कहीं पे भी कहीं पे भी टाइप करो इसका नंबर नंबर क्या है सेवनटीन में आपने टाइप किया है भैया ये रो नंबर सेवनटीन है तो यही काम में लाते हैं ना हम लोग यहाँ पर रो नंबर ले लेते रो यहाँ पर रो टाइप कर देते एक और फार्मूला इसमें ऐड कर देते रो का तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर में हमने रो फार्मूला दिया जिससे क्या होगा इससे दो तो आ गया देखिए ना यहाँ पे क्या आएगा रो का नंबर बताओ रो का नंबर यहाँ पे आएगा साथ और हमें साथ ही चाहिए हमें क्या चाहिए साथ ही चाहिए देखिए साथ ही आ रहा है राइट एफ नाइन करके बताया मैंने तो आपका कहना रहेगा सर ये तो ठीक है यहाँ पे था इसलिए ऐसा किया आपने अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ तो ये तो रेफरेंस एरर आ जाता है क्योंकि यहाँ पे रो नंबर जो है ना गड़बड़ कर रहा है ये रो नंबर क्या आएगा देखो सोलह आएगा यहाँ पे दो थोड़ी आएगा रो नंबर एफ नाइन करके भी देखो सोलह ही आ रहा है एफ़ नाइन करके दिखाइए कंट्रोल सेट तो इसको सोलह से अगर दो लाना है तो क्या करना पड़ेगा कुछ तो थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा चलाओ ना फिर दिमाग दिखाई दे रहा है मैंने क्या किया मैं बताऊँगा नहीं आप बताओ जरा इसका क्या मीनिंग है अगर रो सोलह आ रहा है उसमें से चौदह गए तो रहेंगे कितने दो और मैं इसे खींचूंगा तो रहेंगे कितने तीन चार पाँच क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा रो नंबर एक बड़े सत्रह और उसमें से चौदह माइनस हो जाएगा तीन और यहाँ पे भी रोल नंबर हो जाएगा इक्कीस और उसमें से चौदह माइनस हो जाएगा सात जो कि सात नंबर ही हमें चाहिए सो दिस इज द वे दैट यू कैन मैनिपुलेट योर फॉमूला यू कैन अप्लाई द ट्रिक एंड गेट योर प्रॉपर आंसर राइट तो इसके लिए आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी देखिए वी लुकअप जो मैं अभी स्क्रैच कोर्स में ऐड कर रहा हूँ ना मुझे लगता है कि यार मैंने आपको ट्वेंटी परसेंट टेन टू ट्वेंटी परसेंट वीलू कप बताया बट इसमें बहुत कुछ रहता है एंड क्रैश कोर्स में मुझे नहीं लगता कि यार इतनी सारी चीज़ें इतनी लंबी चीज़ें मैं बता पाऊँ लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वीलू कप एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हैं दस से पंद्रह एग्जाम्पल के साथ तो यू गो एंड चेक आउट माई कोर्स दोस्तों मैंने तो यहाँ पे वीलू कप आपको समझाने की कोशिश की अगर आप कल इंटरव्यू में जा रहे हो तो आज आपने ये वीडियो देखा तो आपका वीलू लुकअप तो यहाँ परफेक्ट है बट अगर आपको काम करना है वीलू लुकअप पे तो यू नीड टू नो मोर अबाउट वीलू लुकअप राइट सो आई वल रिकमेंड यू टू गो एंड चेकआउट माई कोर्स दैट्स इट सो ये सेक्शन में हमने एडवांस फार्मूलाज कवर कर लिए एंड द नेक्स्ट वन दैट इज प्योर टेबल दैट वन इज अवर लास्ट ऑप्शन ऑफ एक्सेल क्रैश कोर्स तो चलिए प्योर टेबल अभी चेक कर लेते हैं तो अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आगे का टॉपिक मैं लूंगा दोस्तों लेकिन उसके पहले मैं बताऊँ की सर्टिफिकेट लेने के लिए सेकेंड स्टेप क्या है सेकेंड स्टेप है एप्लीकेशन अपने डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया पहला स्टेप अपने कर लिया हमारा स्किल कोर्स एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया उसमें होम टैब में स्टडी मटेरियल नाम का टैब है वहाँ पर जाना है आपको स्टडी मटेरियल टैब के अंदर आपको यहां पे क्रैश कोर्स रिलेटेड एक फोल्डर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्रैश कोर्स रिलेटेड एक फोल्डर मिलेगा उसके अंदर आपको जाना है वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी बेसिकली उसके अंदर एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें एक लिंक मिलेगी लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आएगा तो ये फॉर्म भर के रखिएगा फॉर्म भरते ही क्या होगा आगे की स्टेप्स मैं आपको आगे बताऊंगा डोंट वरी तो फिलहाल तो एक्सेल में आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये स्टेप्स मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये वीडियो देखो उसके बाद ये सर्टिफिकेट ले लो मैं डायरेक्टली सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता हूं फिलहाल हम एक्सेल में आगे देखते हैं अभी प्योर टेबल सीखने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्योर टेबल हमें क्यों यूज़ करना प्योर या पाईवर्ड जो भी आप बोलो अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रोन्नसिएशन होता है लेकिन प्योर टेबल जो बेसिकली होता है वो आपको समराइज़ रिपोर्ट देता है अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई प्योर टेबल बताओ तो आप बता सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला वी कैन गेट द समराइज रिकॉर्ड ऑफ आवर डेटा विथ यूजिंग सिम ऑप्शन ऑफ एक्सेल राइट विदाउट यूजिंग फार्मूला हमें फार्मूला यूज़ करना है नहीं फिर भी हमें समराइज रिकॉर्ड मिल रहा है और एक्सेल का ये एक खासियत है बेसिकली राइट right? तो ये एक्सेल में प्योर टेबल हम यूज़ करने वाले हैं विदाउट यूजिंग फार्मूला तो आप क्या करोगे सबसे पहले कंट्रोल ए करो जितना भी रिकॉर्ड है ये सेल्स का रिकॉर्ड है मेरे पास और सेल्स की क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है इतनी क्वांटिटी मेरे इस प्रोडक्ट की स्टेट से सेल हो चुकी है ये सेल्स पर्सन का नाम है तो मैं चाहता हूँ कि यार राजस्थान स्टेट में कितना सेल हुआ मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में या फिर कौन से स्टेट ऐसे पाँच स्टेट ऐसे जिनकी जिनमें ज़्यादा सेल है या कौन सा ऐसी स्टेट है जिनमें जिन से जिन कम सेल है कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिनमें ज़्यादा सेल है तो ये सारी चीज़ें मुझे डेटा के इनसाइट बताएगा प्योर टेबल और उससे हम निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूला का तो उसके लिए आप आ जाओ मेरे पीछे पीछे यानी कि इंसर्ट टैब में जाओ प्योर टेबल पे क्लिक करो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा डाइन डाडा एन ये डायलॉग बॉक्स काफी कमाल का डायलॉग बॉक्स है राइट right आपका काम आसान करने वाला डायलॉग बॉक्स है मैं फिलहाल स्केप करके उसे कैंसिल कर रहा हूं और मैं इसकी शॉर्टकट की बता रहा हूं अल्ट एन वी अगर आप प्रेस करते हो तो ये डायलॉग बॉक्स होता है अल्ट एन वी अब ये शॉर्टकट की कैसे आती है ये मैंने पहले ही समझाया अगर आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखा तो इंसर्ट में जाइए फिलहाल प्योर टेबल पे क्लिक कीजिए प्योर टेबल में सिलेक्ट रेंज और टेबल में हमारा टेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है न्यू वर्कशीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग में चाहिए मतलब आप रिपोर्ट कहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग अगर आप लेते हो तो यहाँ पे कहीं पे कर्सर रखो और ओके okay करो यहाँ पे रिपोर्ट जन जनरेट कर सकते हैं मैं नए में चाहता हूँ यहाँ पे मेरा सेल्स डेटा है मैं नए वर्कशीट में इसको लेना चाहता हूँ तो मैं न्यू वर्कशीट लेता हूँ ओके okay. तो जैसे आप न्यू वर्कशीट करते हैं हमारा सेल्स डेटा यहाँ पर पड़ा रहता है और हमारे पास एक नया वर्कशीट आ जाता है प्योर टेबल वन यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सेल बोल रहा है कि यहाँ पे आपका रिपोर्ट बिल्ड होगा लेकिन उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी राइट साइड के इस ऑप्शन की प्योर टेबल फील्ड्स की अगर ये आपके केस में नहीं आया तो समझ जाना कि आपका कर्सर बाहर है इसमें क्लिक करो तब आएगा राइट या फिर ये क्लोज हो गया तो इसे भी आप ला सकते हैं इसे लाने के लिए आपको जाना है प्योर टेबल एनालाइज में और यहाँ पे फील्ड डिश पे क्लिक करना है ये देखिए प्योर टेबल एनालाइज टूल तभी आएगा जब आप प्योर टेबल लोगे और प्योर टेबल में आपका कर्सर रहेगा कर्सर बाहर वो गायब कर सर अंदर वो आ गया प्योर टेबल एनालाइज में जाओ फील्ड लिस्ट में क्लिक करो एंड हियर इट इज टेबल फील्ड्स अब यहां पे इस प्योर टेबल फील्ड्स में ना जरा बातें ध्यान में रखना है आपको क्या करना है वो पहले तय होना चाहिए अभी मुझे स्टेट वाइज रिकॉर्ड निकालना है ये मेरा पहले तय है तो मैं स्टेट को खींचूंगा आई I मीन mean, टू से स्टेट को यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन पकड़ के ऐसा ड्रैग करके रोज में ड्रॉप करूंगा तो सारे स्टेट यहां पे आ जाएंगे अब यहां पे नोटिस करोगे तो ये जो स्टेट्स हैं ना रिपीट हो चुके हैं बहुत बार राइट सारे स्टेट्स इंडिया के लेकिन यहाँ पे वो जितने भी स्टेट्स हैं वो एक एक बार ही उनका रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा राइट डबल नहीं आएगा तो वो डेटा इंजन उसका काम कर रहा है जो रिपीटेड वाली है उसको सिंगल असाइन कर रहा है राइट तो चलो स्टेट तो मैंने असाइन कर दिया अब मुझे स्टेट वाइज सेल्स निकाल मतलब क्वान्टिटी कितना सोल्ड हो चुका है तो क्वांटिटी को वैल्यूज में डाल देना है एंड इट शुड बी सम यहाँ पे सम लिखा हुआ है ना चीज़ सम है ऑलरेडी सम ऑफ क्वांटिटी एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे कि भाई इसका टोटल आ चुका है आंध्रा में कितना सेल हुआ है अरुणाचल में कितना हो गया आसाम में कितना बिहार में छत्तीसगढ़ ओ हो 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 सारे स्टेट्स का यहाँ पे सेल्स विदाउट यूजिंग फॉर्मूला आ चुका है, है ना बल्ले बल्ले तो भैया ये आपको समझ में आया हो तो एक बार एक बात और भी बताओ कि अगर आपको लगता है कि यार ये तो पूरे स्टेट का आ गया मुझे पाँच टॉप स्टेट चाहिए या दस चाहिए जो भी है तो यहाँ पे ये छोटा सा एरो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करो वैल्यू फ़िल्टर्स में जाओ यहाँ पे फिल्टर्स भी दिया है इन्होंने वैल्यू फ़िल्टर्स जो कि मैंने फिल्टर आपको पढ़ाया था ऑलरेडी और यहाँ पे जाकर आप ग्रेटर दैन भी सिलेक्ट कर सकते लेकिन मुझे चाहिए टॉप टेन टॉप टेन नहीं टॉप फाइव चाहिए या फिर मैं टॉप में फाइव लिखूंगा स्टेप्स याद रखिए और मैं ओके करता हूँ क्या हो रहा है ज़रा बताओ मुझे यहाँ पे टॉप फाइव स्टेट्स का रिकॉर्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इनमें हमारे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी बेचे गए हैं आपको लगता है यार बॉटम फाइव चाहिए तो बॉटम फाइव निकालो यहाँ पे जाओ और बॉटम करो टॉप की जगह वैल्यू फिल्टर्स में जाओ या फिर इसे रहने दो ये टॉप फाइव का हो गया आप इसे सिलेक्ट ही रखो कंट्रोल बटन प्रेस करके बॉर्डर पे माउस लाओ और इसका डुप्लीकेट यहाँ पे रखो वाओ कंट्रोल बटन प्रेस करके बॉर्डर पे लाए और ड्रैग किया माउस से ले बटन पकड़ के अब मैं क्या करूँगा ये जो है ना फिल्टर्स में जाऊँगा वैल्यू फिल्टर्स में जाऊँगा टॉप में जाऊँगा टॉप की जगह बॉटम ले लूँगा ओके okay करूंगा ये बॉटम स्टेट्स है जो कि जिनमें कम सेल हो चुका है तो इनमें हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा क्यों हो गया इसका रीज़न फाइंड आउट करना पड़ेगा ये तो बात की बात है वो कंपनी डिसाइड करेगी बट हमें कंपनी को रिकॉर्ड देना है रिपोर्ट देना है बेसिकली कि भाई ऐसा ऐसा है तो ये करने के लिए मैंने क्या किया पहले तो मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया इंसर्ट में गया पीओ टेबल में गया और मैं न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करके ओके किया मैं अभी न्यू नहीं करूँगा क्यों मेरे पास ऑलरेडी एक न्यू है मैं एग्जिस्टिंग करूँगा यहाँ पर कर रख दूंगा और न्यू तभी करना है जब आपके पास नई शीट नहीं है फिलहाल तो मेरे पास एक शीट है जिसमें जिसमें मुझे और भी रिकॉर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे लूँगा आगे अब मैं नीचे नहीं ले सकता कि यहाँ पे ले सकता हूँ लेकिन ये मैं फ़िल्टर लगा चुका हूँ ना अगर मैं इसे फिल्टर हटाना चाहता हूँ तो प्रॉब्लम होगा मेरे लिए तो यहाँ पर मैं लूँगा राइट फिल्टर हटाएगा तो बड़ा हो जाएगा ना वो डेटा तो इसलिए मैं यहाँ पर आगे लूँगा और ओके करूँगा यहाँ पर आप देख पाएंगे प्योर टेबल थ्री आ चुका है वन टू थ्री राइट ओके सो प्रोडक्ट वाइज लेना है तो प्रोडक्ट को रोज़ में रखो क्वांटिटी को यहाँ पे रखो यू आर गेटिंग प्रोडक्ट वाइज रिकॉर्ड एंड अगेन फिल्टर लगा के आप इसे टॉप फाइव टॉप टेन निकाल सकते हैं लेकिन मुझे प्रोडक्ट और स्टेट साथ में चाहिए क्या चाहिए प्रोडक्ट और स्टेट साथ में चाहिए प्रोडक्ट लिया स्टेट भी ले लो तो मैं स्टेट यहाँ पे लेता हूँ यहाँ पे ऊपर रखते right? तो आप प्रोडक्ट के राइट तो अंद्रा के प्रोडक्ट आगे अरुणाचल के आगे आसाम के आगे या फिर मैं स्टेट को इस साइड रखता हूँ तो अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो ये देखिए पूरा का पूरा टेबल है ना स्टेट वाइज यहाँ पे आ चुका है हर एक स्टेट का टोटल आ गया कि भाई फ्लैट बेड स्कैनर कितने बेचे गए फोल्डेबल कीबोर्ड कितने गेमिंग माउस कितने सब कुछ यहाँ पे आ चुका है क्या बात है क्या बात है आप स्टेट को यहाँ पे रख सकते हैं प्रोडक्ट को यहाँ पे रख सकते हैं स्टेट नीचे इस तरफ आ रहे आपके प्रोडक्ट इस तरफ आ रहे ज़रा थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ यू कैन सी द टेबल थोड़ा सा देख सकते हैं आप राइट सो so इस तरह से ये आपको रिकॉर्ड मिल जाता है ना अगेन यू कैन अप्लाई द फिल्टर वो डिपेंड है आपको करना है नहीं करना है फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं अब मुझे ये काउंट करना है कि भाई एक स्टेट से कितने हो गए ये तो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट वाइज लेकिन एक स्टेट के कितने ट्रांजेक्शन हो गए तो मैं स्टेट को यहाँ पे रखूंगा ध्यान से देखिए एक नई ट्रिक बता रहा हूँ स्टेट को यहाँ पे रखूंगा और मैं स्टेट को ही वापस खींचूंगा और वैल्यूज़ में रखूंगा अब क्या आ रहा है देखिए अब ये स्टेट में वैल्यूज़ नहीं थी स्टेट में स्टेट ही था लेकिन यहाँ पे वो काउंट करेगा सब नहीं करेगा ना काउंट तो हमें काउंट ही चाहिए तो हर एक स्टेट के कितने ट्रांजेक्शन है देखिए राइट right? आंध्रा की कितने ट्रांजेक्शन है सत्रह अरुणाचल के सत्रह किसी के सोलह है किसी के सबके सत्रह सत्रह ही लगभग है रिपीटेड वही कॉपी पेस्ट मारा है शायद मैंने तो किसके सोलह एक का ही सोलह है, है गोवा का और यहाँ पे सिक्किम का भी सोलह है राइट right? तो बाकी सबके सत्रह सत्रह ट्रांजेक्शन है मतलब ये आंध्र प्रदेश या, या राजस्थान जो नाम दिख रहे हैं ना लिस्ट में वो उतनी बार आ चुका है एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैंने राजस्थान को क्या कर दिया यहाँ पे भी कंट्रोल डी कर दिया राजस्थान के दो चार यहाँ पे बढ़ा दिए ओके okay, रिकॉर्ड अब मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड में थोड़ा सा राजस्थान बढ़ा दिया अब यहाँ पे शीट में आऊँगा मैं और यहाँ पे डेटा में तुरंत चेंज नहीं होगा राजस्थान के आगे देखेंगे तो अभी आपको उतना ही दिखा दे किधर तो गया आर ये रहा आर 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 राजस्थान किधर तो ये रहा सतराह ही है अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा ध्यान से देखिए राजस्थान के सत्रह ही दिख रहे या फिर ऊपर भी राजस्थान वगैरह कहीं पर रहेगा राजस्थान यहाँ पर तो है ही नहीं लिस्ट में वैसे क्योंकि वो टॉप फाइव बॉटम फाइव में नहीं आ रहा है मिडल में आ रहा है तो जो भी है मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और रिफ्रेश करूँगा टेबल की ऊपर राइट क्लिक और रिफ्रेश जैसे मैं राइट क्लिक और रिफ्रेश करूंगा यू कैन सी राजस्थान यहाँ पे नीचे आपको कितना मिल रहा है ट्वेंटी रिकॉर्ड हो गया राजस्थान समझ में आपको और राजस्थान यहाँ पे लिस्ट में भी आ गया ये देखो उसके क्योंकि थोड़ा सा रिकॉर्ड बढ़ गया तो टॉप फाइव में भी आ गया वो राइट तो आप जैसे भी आप यहाँ पे चेंज करते हो तो रिफ्रेश करना जरूरी है या फिर मैं गुजरात को यहाँ पे राजस्थान की जगह रख देता हूँ अभी गुजरात और कंट्रोल डी कर देता हूँ इसे गुजरात डाल दिया अब गुजरात डाल दिया मैंने गुजरात यहाँ पर टॉप फाइव में है ही नहीं है लेकिन राइट क्लिक कर यहाँ पे गुजरात का सत्रह दिख रहा है अभी राइट क्लिक करते और रिफ्रेश करते रिफ्रेश तो ये रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ पे गुजरात तो नहीं आया क्योंकि उसका सेल्स वैसे भी कम दिख रहा है लेकिन गुजरात यहाँ पे जरूर आया है 21 ओके सो दिस इज द वे यू कैन रिफ्रेश द डेटा लाइक ओरिजिनल सोर्स डेटा इसे सोर्स डेटा कहते हैं और इसे आउटपुट कहते हैं तो ये आउटपुट में कुछ भी चेंजेस देखने हैं तो आपको रिफ्रेश करना होगा सोर्स डेटा में अगर कुछ चेंजेस होता है तो तो आप अपनी तरीके से यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं आप यहाँ पे टोटल निकालना चाहते हो तो टोटल निकाल सकते हैं या फिर आप मैक्स काउंट निकालना चाहते हैं तो ये सम जो दिख रहा है ना सम ऑफ क्वांटिटी इसकी जगह आप वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाओ क्लिक करके यहाँ पे जो एरो दिख रहा है एरो इस पर क्लिक करो वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाओ और यहाँ पे काउंट एवरेज सब कुछ आपको मिल जाएगा एवरेज मैक्स मैक्स चाहिए तो मैक्सिमम कितना सेल है हर एक स्टेट में वो आपको दिखा रहा है मैक्सिमम सेल मैक्सिमम क्वांटिटी जो है न, है है ना वो सेल कितनी आ रही यहाँ पे सो so, इस तरह से आप यहाँ पे प्योर टेबल की मदद ले सकते हैं और प्योर टेबल के साथ प्योर चार्ट भी बनता है कैसे कंट्रोल ए करो इंसर्ट में जाओ और राइट right साइड में आपको प्योर चार्ट ऑप्शन दिखाई देगा दिखाई दे रहा है प्योर चार्ट पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर रहे हैं नया वर्कशीट लेते हैं जहाँ पे टेबल और चार्ट आपको साथ में मिल जाएगा तो मैंने यहाँ पे पेवर्ड टेबल फोर या पीवर टेबल कभी भी मैं पेवर्ड बोल देता हूँ है नहीं लेकिन आप बोल सकते हैं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं फिलहाल तो आपको करना क्या है आपको बस यहाँ पे स्टेट को ड्रैक करना है वैसे ही करना है क्वान्टिटी को यहाँ पे ड्रैक करना है बस एक चार्ट नजर आएगा और चार्ट का यूज़ क्या होता है आपको पता है भाई अगर आप डैशबोर्ड बनाना चाहते हो तो चार्ट में अगर आप बनाते हो तो तुरंत लोगों को समझ में आता है कि भाई हाँ कौन से स्टेट में क्या सेल है राइट यहाँ पे आप इसे हटा दो स्टेट को और प्रोडक्ट को लाके रख दो तो प्रोडक्ट वाइज भी आपको पता चलेगा और इस चार्ट को आप ढेर सारी फॉर्मेटिंग्स भी कर सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही रख सकते हैं यहाँ पे ऊपर देखिए डिजाइन टैब आता है यू कैन अप्लाई द डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स फ्रॉम हियर राइट यहाँ पे आप जाओ और अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं तो चेंज कलर्स करना है तो कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं और ढेर सारी चीज़ें हैं तो ये जो होता है ना ये बेसिकली बहुत एडवांस लेवल पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक अच्छा सा डैशबोर्ड भी आप क्रिएट कर सकते हैं अब ये क्रैश कोर्स में मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ उसका रीज़न ये कि है कि टाइम लिमिटेशन भाई क्रैश कोर्स एक क्रैश कोर्स ही लगना चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पे जितनी हो सके उतनी चीज़ें ऐड की ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि एक्सेल के अंदर ये सारे ऑप्शन है प्योर टेबल के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया लर्न मोर चैनल पर वो भी आप देख सकते हैं और अगर आप प्योर टेबल और भी डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स भी इनरॉल कर सकते हैं दोस्तों सो दैट्स गाइज ये था एक्सेल का क्रैश कोस अब बढ़ते हैं पावर पॉइंट के क्रैश कोस की तरफ तो भैया और बहन जी एक्सेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है ये तो मैंने आपको बता दिया डेफिनेटली आपने गो थ्रू किया होगा लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी देखिए कोई भी चीज सीखते हो तो ये हार्ड स्किल है मैंने पहले ही बोला तो प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस फाइल मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ऐप आप की लिंक मिलेगी फिर से होम टैब में आपको स्टडी मटेरियल नाम का टैब मिलेगा उसी में आपको यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल नाम का एक फोल्डर मिलेगा यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल का फोल्डर और उसी में आपको इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्रैश को उसकी प्रैक्टिस फाइल मिलेगी याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्रैश को प्रैक्टिस फाइल वहां पे नाम रहेगा तो आपको जाकर वहां से डाउनलोड करनी और प्रैक्टिस करनी डाउनलोड के लिए मैंने वहां पे रख दी है सारी की सारी लिंक्स इट फिलहाल तो अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने जान लिया क्या क्या सीखना पावर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं ना पावर पॉइंट के अंदर अमेजिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं एनिमेशन के साथ कैसे आइए देखते हैं तो अब हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो इसे हमारे डेस्कटॉप के ऊपर हम कैसे शुरू करेंगे ये सबसे पहले देखेंगे तो मैं आ चुका हूँ मेरे डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे आपको विंडोज का लोगो दिखाई दे रहा है जैसे हमने वर्ड एक्सेल स्टार्ट किया वैसे ही कुछ यहाँ पे हम पावर पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करना है इस विंडोज़ के लोगो पे मेरे पास विंडोज इलेवन है ये बीच में आ रहा है विंडोज टेन और सेवन में आप पे लेफ्ट में आता है तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट दिखाई दे रहा है तो ये पावर पॉइंट पर मैं क्लिक करूंगा या फिर अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो ऊपर मैं सर्च में पावर पॉइंट टाइप करूँगा याद रखिए जैसे आप टाइप करोगे ये देखिए पावर पॉइंट आ चुका है मेरे पास ये पावर पॉइंट ट्वेंटी ट्वेंटी वन वर्जन है आपके पास शायद ट्वेंटी नाइनटीन हो सकता है ट्वेंटी सिक्सटीन हो सकता है ट्वेंटी थर्टीन ट्वेंटी टेन जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है सब में काम सिमिलर ही होता है आपको मैं जो स्टेप्स बताऊँगा वही आपको फॉलो करने है स्लाइड कैसे बनाना है सारी चीज़ें इन डिटेल हम सीखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले वेलकम स्क्रीन आ चुकी है जिसमें आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है यहाँ पे कुछ रेडीमेड टैंपलेट भी उन्होंने दिए है कि भाई आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं रेडीमेड टैंपलेट लेके आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं ये रेडीमेड डिज़ाइन है लेकिन आप ब्लैंक से शुरुआत करना चाहेंगे तो यहाँ से और आपने जो रिसेंटली प्रेजेंटेशन बनाए ये तो मैंने बनाया बेसिकली और जो भी आपने रिसेंटली यूज़ किए वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देंगे यहाँ पे ओपन है एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करने के लिए एग्जिस्टिंग पीपीटी फाइल ओपन करने के लिए पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन फ़ाइल न्यू यहाँ से हम कर सकते हैं नया फाइल और होम ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन दिया है वैसे भी आप न्यू पे जाएंगे तो वही आएगा तो मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने आ रहा है ये पावर पॉइंट का इंटरफेस राइट अभी इस इंटरफेस को स्टेप बाय स्टेप पहले समझ लेते सबसे पहले ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे ये है क्विक एक्सेस टूल बार क्विकली मेन्यूज एक्सेस करने के लिए उसके बाद ये टाइटल बार है पूरा पूरा टाइटल बार में यहाँ पे जो भी पावर पॉइंट में फाइल बनाते उसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं सिंपल है वर्ड में जो फाइल बनाते हैं उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं उसे हम स्प्रेडशीट या वर्कबुक बोलते हैं याद रखिए है। और यहाँ पे जो फाइल हम बनाएंगे वो प्रेजेंटेशन फाइल रहेगी राइट तो ये पी फाइल भी बोला जाता है प्रेजेंटेशन भी बोला जाता है और राइट साइड में यहाँ पे यूजल मिनिमाइज रिस्टोर है क्लोज का बटन है अगर आप पावर पॉइंट क्लोज करना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पे टैब आ रहा है होम इंसर्ट डिज़ाइन ट्रांजिशन अलग अलग टैब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे ढेर सारे और जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया तो ये होम का रिबन है इंसर्ट का रिबन आपको दिख रहा है डिज़ाइन का रिबन ये रिबन कहा जाता है इसे और होम टैब में क्लिप बोर्ड ग्रुप है स्लाइड्स ग्रुप है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है वैसे ही यहाँ पे आपको अलग अलग ग्रुप मिलेंगे फॉन्ट ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप है ड्राइंग ग्रुप है एडिटिंग ग्रुप है हर एक ग्रुप के अंदर अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे इंसर्ट में पिक्चर्स है ज़्यादातर हमें यहाँ पे ट्रांजिशन सीखना है एनिमेशन सीखना है कि भाई एनिमेशन कैसे देते हैं ये आपको आना चाहिए ट्रांजिशन और एनिमेशन स्पेशली ये हमें अच्छे से सीखना है बाकी तो ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मिल रहे वही लगभग यहाँ पे होते हैं फाइन एंड रिप्लेस फॉन्ट पैराग्राफ ड्रॉइंग अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा है अच्छे से सीखा है तो आपको बेसिकली ये पॉइंट ईजी जाने वाले हैं लेकिन फ़िलहाल ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे जो इंटरफेस नीचे आ रहा है अब ये तो हो गया चलो रिबन वगैरह हो गया यहाँ पे टैब हो गया ये जो आ रहा है ये स्लाइड है यहाँ पे वर्किंग लेआउट है स्लाइड का ये यह यहाँ पे हम काम करेंगे और ये जो उसका प्रीव्यू पेन है मतलब यहाँ पे जितने भी स्लाइड हम इंसर्ट करेंगे इसे आप जैसे वर्ड में पेज होते हैं ना वैसे अलग अलग स्लाइड यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका प्रिव्यू दिखाई देगा आपने कितनी स्लाइड ली फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं पीपीटी स्टार्ट करते हैं तो एक स्लाइड आती है जो कि होती है टाइटल और सब टाइटल वाली टाइटल और सब टाइटल मतलब ये इसका लेआउट है यहाँ पे टाइटल आप ऐड कर सकते हो और यहाँ पे सब टाइटल एड करने के लिए ऑप्शन मिलता है एक टेक्स बॉक्स बेसिकली मिलता है तो यहाँ पे एक पहली बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड इंसर्ट होती है और हमें नई स्लाइड इंसर्ट करनी तो हम कर सकते हैं मैं बताऊँगा फिलहाल यहाँ पे स्टेटस बार है कितनी स्लाइड आपने इंसर्ट की ये स्टेटस बताएगा और राइट साइड में आपको यहाँ पे जूमिंग लेवल भी बताया जाएगा ये देखिए जूमिंग लेवल तो इसका जूमिंग लेवल कितना है देखिए नॉर्मल जूमिंग लेवल आप 100 के आसपास रख सकते हैं मैक्सिमम जूमिंग लेवल इसमें कितना होता है जैसे वर्ड में मैंने आपको बताया था शायद आपको याद रहेगा वर्ड में फाइव रहता है यहाँ पर फोर है मैक्सिमम है मैक्सिमम जूमिंग लेवल ये मैक्स है और मिनिमम भी देख लेते हैं मिनिमम टेन है तो ये एक्सेल की तरह ही है एक्सेल में भी मिनिमम टेन मैक्सिमम फोर हंड्रेड था राइट तो ये यहाँ पे जूमिंग लेवल आपको मिल जाता है और यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रीव्यू जैसे स्लाइड शॉटर मतलब सभी स्लाइड एक साथ देखना चाहते हैं तो सभी स्लाइड ही दिखाई देगी बस शॉर्टर व्यू यहाँ पे आपका लेआउट वापिस आ जाएगा जो नॉर्मल व्यू है तो यहाँ पे इस तरह व्यू रखो और काम शुरू करो तो चलिए इंटरफेस हमने समझ लिया है अब इंटरफेस समझ लिया इंट्रोडक्शन हो गया अब हम देखते हैं स्लाइड कैसे इंसर्ट करना है अलग अलग लेआउट कैसे चेंज करते तो इंसर्टिंग स्लाइड एंड स्लाइड के अंदर कंटेंट कैसे ऐड करना है तो ये पहला हमारा टॉपिक रहेगा आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि पावर पॉइंट के अंदर आप अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं अमेजिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं लेकिन उसे एक स्टेप के तहत अगर आप फॉलो करोगे तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप और फास्ट वे से बना सकते हो तो क्या स्टेप्स होते हैं फास्ट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एट्रैक्टिव इंट्रेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तो करना क्या बेसिकली आपको सबसे पहले स्लाइड इंसर्ट करना है पहला स्टेप्स याद रखना है स्लाइड इंसर्ट करना है उसके बाद कंटेंट ऐड करना है जो जो कंटेंट आपको स्लाइड में चाहिए वो कंटेंट ऐड करना है उसके बाद आपको फॉर्मेटिंग करनी है उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्लिप आर्ट इमेजेस जो ऐड करने वो ऐड करने और फाइनली उसके बाद ट्रांजिशंस ऐड करना है उसके बाद एनिमेशन ऐड करना है ये स्टेप्स आपको याद रखने और अगर आपको साउंड इफेक्ट्स चाहिए तो वो साउंड इफेक्ट्स भी आप बाद में ऐड कर सकते हैं तो ये प्रोसीजर है पूरी की पूरी जो मैंने आपको स्टेप्स बताए ऐसे आपको एक प्रेजेंटेशन को फिनिश करना है बेसिकली तो सबसे पहले हम स्लाइड इंसर्ट कैसे करना वो देखेंगे होम टैब में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है न्यू स्लाइड का बेसिकली यहाँ पे ये एक ही बटन दिख रहा है लेकिन है तो ये दो बटन ये अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर माउस पॉइंटर लेके आओगे तो ऊपर का बटन हाईलाइटेड नीचे ये देखिए दो बटन है तो ये न्यू स्लाइड का शॉर्टकट किए कंट्रोल एम कंट्रोल एम भी आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे नई स्लाइड आएगी ऊपर यहाँ पे माउस पॉइंट लेके जाओगे तो कंट्रोल एम आ रहा है दिखाई दे रहा है आपको और यहाँ पे भी कंट्रोल एम ही बताएगा लेकिन यहाँ पे और ऊपर क्या फर्क है यहाँ पे न्यू स्लाइड के लेआउट्स मिलते हैं कि भाई न्यू स्लाइड आपको कैसी चाहिए आपको टाइटल वाली चाहिए टाइटल एंड कंटेंट वाली चाहिए सेक्शन हेडर टू कंटेंट कंपैरिजन टाइटल ओनली ऐसे अलग अलग लेआउट से तो यहाँ पे आप लेआउट चूज कर सकते हैं या फिर आप लेआउट नहीं चूज करना चाहते आप बस कंट्रोल एम करते हो कंट्रोल एम या फिर या, यहाँ पे जो बटन दिया है ना ऊपर इस पर क्लिक करते हो तो एक नई स्लाइड इंसर्ट होगी अब बाई डिफॉल्ट नई स्लाइड होती है टाइटल और टेक्स्ट की याद रखिए टाइटल और कंटेंट की दिखाई दे रहा है ना कंटेंट यहाँ पे आ रहा है तो मैं और एक कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ तो वही आएगी कंट्रोल एम कंट्रोल एम कंट्रोल एम जितनी बार चाहिए उतनी बार आप कंट्रोल एम प्रेस करके यहाँ पे स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो और सभी स्लाइड सेम ही आ रही है टाइटल एंड टेक्स की राइट right? इस तरह से आप स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं और स्लाइड को डिलीट करना है तो सिंपली कर्सर उसके ऊपर रखो कीबोर्ड पे डिलीट दबा दो ये स्लाइड डिलीट करें डिलीट दबा दो ये स्लाइड डिलीट करें डिलीट दबा दो सिंपल सिंपल डिलीट एक ही स्लाइड रखिए अब ध्यान से देखिए कि मैं कंट्रोल एम करता हूँ तो हमेशा यही स्लाइड आती है अगर मैं दूसरा लेआउट कर लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एरो पे क्लिक करूंगा और मैं चाहता हूँ कि यार ये जो ये आती जो स्लाइड वो टाइटल एंड कंटेंट वाली आती है टेक्स्ट वाली ये नॉर्मली स्लाइड आती है डिफ़ॉल्ट मैं चाहता हूँ यहाँ पे कंपैरिजन वाली स्लाइड इंसर्ट करना तो कंपैरिजन वाली स्लाइड यहाँ पे आ चुकी है जैसे ही कंपैरिजन वाली स्लाइड आ जाती है उस लेआउट की स्लाइड यहाँ पे आ जाती है अब आप कंट्रोल एम प्रेस करते हो तो नेक्स्ट स्लाइड भी वही आएगी जो आपकी लास्ट स्लाइड है उसी को ही वो कंट्रोल एम क्या करेगा वही लेआउट को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा कंट्रोल एम बटन प्रेस करने से जैसे इसका लेआउट मुझे बदलना यार ये तो दो कंपैरिजन का ठीक है तीसरा नीचे चाहिए मुझे मतलब ये चार नंबर का स्लाइड ही वो कंपैरिजन का नीचे है तो मैं यहाँ पे लेआउट में जाकर एग्जिस्टिंग स्लाइड का लेआउट आप बदल सकते हैं न्यू स्लाइड से नया स्लाइड आता है लेकिन एग्जिस्टिंग स्लाइड जो उसका लेआउट बदलना है कंपैरिजन नहीं टू कंटेंट चाहिए तो ये टू कंटेंट वाला हो गया टू कंटेंट नहीं कुछ और चाहिए जैसे टाइटल खाली टाइटल ओनली आ जाएगा बेसिकली लेआउट मतलब क्या है कि ये अलग अलग बॉक्सेस आपको अवेलेबल करके देता है टेक्स्ट बॉक्स और कंटेनर बेसिकली कंटेनर बोल सकते हैं आप इसको ये टेक्स्ट बॉक्स भी बोल सकते हैं कंटेनर भी बोल सकते हैं जहाँ पे आप इमेजेस ग्राफिक्स टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं तो ये लेआउट वही होता है कि अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स आपको अलग अलग साइज के ला देता है आप खुद से भी ब्लैंक स्लाइड लेके टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड में जा रहा हूँ और यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ अब ये स्लाइड में कोई कंटेंट ऐड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स है ही नहीं याद रखिए यहाँ पे कोई कंटेंट ऐड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स नहीं है तो आप हाँ इंसर्ट में जाइए बिना टेक्स्ट बॉक्स का आप कंटेंट लिख नहीं सकते ब्लैंक स्लाइड में आप कुछ नहीं कर सकते ना तो इंसर्ट में जाकर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं आप दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स ये कंटेनर आ गया यहाँ पे कहाँ पे रखना है कहाँ पर आप अपने खुद की मर्जी से यहाँ पे लेआउट डिफाइन कर सकते हैं आप ये ये एक टेक्स्ट बॉक्स रखिए कॉपी पेश कीजिए और एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कीजिए हर एक टेक्स्ट बॉक्स को बॉर्डर दे सकते हैं मैंने नहीं दिया लेकिन आपकी मर्जी है बट आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि वह टेक्स्ट बॉक्स आप ऐड करके ब्लैंक स्लाइड में भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं तो बेसिकली लेआउट आपको समझ में आए होगा कैसे चेंज करना है स्लाइड का टू कंटेंट ब्लैंक पिक्चर या ये वाला चीज़ जो भी आपको चाहिए आप, कुछ ये आप वो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं लेकिन पहली स्लाइड तो हमेशा टाइटल एंड सब टाइटल का रखा जाता है या खाली टाइटल का भी आप रख सकते हैं तो खाली इसका टाइटल में कन्वर्ट करना है लेआउट में जाओ यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा टाइटल ओनली दैट्स इट लेकिन मुझे टाइटल एंड ये सब का ही चाहिए तो ये रहा टाइटल एंड सब का स्लाइड और अब भी ये आपको पता चला ठीक है यहाँ पर लेआउट तो आपको पता चला कैसे करना है आपको यहाँ पे एक रीसेट ऑप्शन भी दिया है सपोज़ इसका लेआउट आपने चेंज कर लिया यहाँ से इस बॉक्स को इधर ले लिया इस बॉक्स को इधर ले लिया अब मैं यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करता हूँ ये देखिए रीसेट बटन का यूज़ क्या होता है कि आपने लेआउट को चेंज कर लिया जैसे ये लेआउट में आपने इसे ट्रैक करके रख दिया लेकिन अब बाद में लगा कि यार ये लेआउट लेआउटना डिस्टर्ब हो गया तो आप इसे रीसेट बटन पे क्लिक करके रीसेट भी कर सकते राइट तो चलो आपको स्लाइड कैसे इंसर्ट करना है उसकी आइडिया आ चुकी है चलो इसमें अभी कंटेंट टाइप करते हैं अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड है जैसे ये टू कंपैरिजन वाली स्लाइड में हटा देता हूँ ये डिलीट करता हूँ और ये वाली स्लाइड को मैं लेआउट चेंज करके यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट रख देता हूँ यहाँ पे भी टाइटल एंड कंटेंट ही रख देता हूँ फिलहाल टाइटल एंड कंटेंट ऐड कर देते और यहाँ पे देखते हैं क्या डिसाइड करना है अब इसमें स्लाइड्स ऐड कर दिए हमने अभी इसमें कंटेंट ऐड करना सीखते हैं हम लोग किस तरह से हम टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे ऐड करेंगे या इमेज कैसे ऐड करना है वो भी देखेंगे फिर उसके बाद हम फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे इसके ऊपर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होगी तो अभी स्लाइड का लेआउट और स्लाइड कैसे सेलेक्ट करना है इंसर्ट कैसे करना है वो आपको पता चला होगा तो अब मैं यहाँ पे पहले स्लाइड सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस स्लाइड में मुझे कंटेंट ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक टू एड टाइटल में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं मेरा टाइटल ऐड करूँगा प्रेजेंटेशन का अब वो टाइटल प्रोडक्ट का नाम हो सकता है या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहे हो जो भी आपका, है आपका सपोज़ कोई सेल्स का डैशबोर्ड है उसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो या फिर आप कोई ब्रांड के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहे हो या फिर आपको कस्टमर के लिए कोई प्रोडक्ट अवेयरनेस कोई प्रोडक्ट का रिव्यू उससे रिलेटेड आपको बनाना है तो वो आप यहाँ पर कंटेंट ऐड करोगे तो मैं जो कंटेंट यहाँ पर ले रहा हूँ स्पेशली वो यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ मैं मेरे प्रोडक्ट का नाम बेसिकली मेरा प्रोडक्ट यानी कि मेरा तो डिजिटल कोर्सेज़ का प्रोडक्ट है और मेरे एप्लीकेशन या मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग का एक मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ राइट तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ बेसिकली मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ तो मैं यहाँ पे उसके बारे में पूरी डिटेल्स लिखता हूँ लिख सकता हूँ बेसिकली जैसे कि इसके फीचर्स में लिख सकता हूँ इसमें मैं कस्टमर को क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें लिख सकता हूँ तो एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी पहले होनी चाहिए तब आप जाकर उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं सिंपल सी बात है तो कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप लेते हो तो गूगल के ऊपर जाओ उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करो या फिर जिसके ऊपर भी आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो सबसे पहले आपको कंटेंट को गैदर करना पड़ेगा आपको बहुत सारी कंटेंट आपके पास होनी चाहिए और उसमें से जो यूजफुल कंटेंट है जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते या कस्टमर को दिखाने या बिजनेस पर्सन को जिसको भी दिखाने बेसिकली तो उसके लिए वो कंटेंट यहाँ पे आपको टाइप करना है तो पहले मैंने बिजनेस का नाम दे दिया अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह हम बाद में करेंगे पहले कंटेंट यहाँ पे ऐड करेंगे उसके बाद सब टाइटल ऐड करना है तो यहाँ पे स्लोगन भी ऐड कर सकते हैं आप कोई प्रोडक्ट का पूरा डिटेल भी ऐड कर सकते हैं सो तो मेरा तो सिंपल सा स्लोगन है जो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ पे लेस लन मोर एंड अर्न मोर यहाँ पर एंड वर्ड रह गया एंड अन मोर राइट तो इस तरह से मैंने स्लोगन भी ऐड कर दिया तो पहले आपको क्या करना है पहले आपको कंटेंट ऐड करने में टाइटल ऐड करना है सब टाइटल ऐड करना है चलो ठीक है इसमें हमें अच्छे से फॉर्मेटिंग करना है डिजाइन सब कुछ देना है सेकेंड स्लाइड पर आते अब इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा और कंटेंट डिटेल में ऐड करो कि भाई क्या है ये तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख रहा हूँ अबाउट स्किल कोर्स तो स्किल कोर्स के ऊपर जो कंटेंट ऐड करने वो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे कॉपी पेश करूँगा इस तरह से राइट मैं यहाँ पे टाइप करते नहीं बैठूंगा अभी आपको आपका समय मैं सेव करना चाहता हूँ तो बेसिकली वो कंटेंट यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे जो ऐप मैंने ऐड किया है वहाँ पर आपको कंटेंट सारे मिलेंगे तो यहाँ पे ये कंटेंट मैंने ऐड कर दिया इसको फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल फॉर्मेटिंग हम करेंगे लेकिन इसका फॉर्मेटिंग मैं क्लियर जरूर करना चाहूँगा क्योंकि मैंने कहीं से कॉपी किया है ना अगर आप इंटरनेट से कॉपी कर लेते हो कंटेंट तो आपको ये फॉर्मेटिंग डिफॉल्ट देगा कुछ तो इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए इसे सेलेक्ट कीजिए होम टैब के अंदर यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट बटन पे क्लिक कीजिए ये नॉर्मल यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो रहेगी वो आ जाएगी राइट right? इसे इसे हम अच्छी खासी फॉर्मेटिंग देंगे फिलहाल तो कंटेंट ऐड करें अबाउट स्किल कोर्स मैंने ऐड कर दिया तो अब स्किल कोर्स के बारे में हो गया अब स्किल कोर्स के फाउंडर के बारे में हो थोड़ा सा लिख लेते तो फाउंडर ऑफ़ स्किल कोर्स तो इसके लिए भी मेरे पास कंटेंट अवेलेबल थे मैंने उसे कॉपी पेश कर दिया है और इसे भी मैं क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ तो पहले कंटेंट ऐड कर लो हर एक स्लाइड पर कंटेंट यहाँ पर रहने चाहिए और इसमें कंटेंट में भी हम और कंटेंट जो एक्स्ट्रा है वो डिलीट करेंगे या फिर जितना मतलब कंटेंट हमें जरूरी है उतना ही हम रखेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं स्किल कोर्स के फीचर्स ऐड करते हैं लेकिन ये स्लाइड में ब्लैंक स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है तो मैं इसका लेआउट चेंज करूँगा और टाइटल एंड कंटेंट यहाँ पे मैं लिखूंगा फीचर्स तो ये फीचर्स भी मैंने लिया है और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा कराऊँ जो कि मेरे पास फीचर्स पहले से अवेलेबल है हिंदी में लिखे गए कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने दो इसे इसे भी अच्छे से फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे और रख देंगे ओके okay, ये सारी चीज़ें होगी अब यहाँ पे कंट्रोल डी करना चाहता हूँ मैं और कंट्रोल डी यानी इसी का डुप्लीकेट याद रखिए अब यहाँ पे और एक स्लाइड में ऐड करना चाहता हूँ तो एक तो मैं यहाँ पे जाकर एक टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड ऐड कर सकता हूँ या फिर इसी का डुप्लीकेट मुझे चाहिए ये लास्ट वाली स्लाइड का तो मैं कंट्रोल डी बटन प्रेस करूँगा तो डुप्लीकेट आ जाएगा देखिए कंट्रोल डी लास्ट वाली स्लाइड का कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया डुप्लीकेट हो जाएगा राइट डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी याद रखिए पावर पॉइंट के अंदर अब यहाँ पे मैंने ऊपर टाइटल दिया है कस्टमर फीडबैक तो ये वाला कंटेंट मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे हम ओरिजिनल कस्टमर के फीडबैक के इमेजेस डालेंगे जो मेरे पास प्ले स्टोर पे अवेलेबल है प्ले स्टोर पे है अवेलेबल या फिर मेरे ऐप के ऊपर भी कुछ रिव्यूज़ अवेलेबल है तो वो ओरिजिनल जो फीडबैक है ओरिजिनल जो रिव्यूज़ है वो हम यहाँ पर कैसे डालेंगे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको एक एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर मैं काम करके दिखा रहा हूँ कि इसका एक बेस्ट प्रेजेंटेशन आप कैसे बना सकते हैं राइट तो सबसे पहले आपको कंटेंट ऐड करना है जैसे कि टाइटल उसका सब टाइटल उसके बाद अबाउट प्रोडक्ट अबाउट दैट फाउंडर देन फाउंडर की इन्फॉर्मेशन उसके बाद फीचर्स उसके बाद कस्टमर फीडबैक तो चलिए अब यहाँ पे पहले तो कंटेंट ऐड करके हो गया अब कुछ इमेजेस ऐड करनी है तो कैसे ऐड करनी है फॉर्मेटिंग करनी है तो कैसे करनी है तो यहाँ पे इंसर्ट में आपके पास ऑप्शन रहता है पिक्चर चार्ट्स एंड ऑल राइट यहाँ से हम इंसर्ट में से पिक्चर चार्ट्स और सब कुछ एप अप्लाई कर सकते हो और डिज़ाइन में हमारे पास फॉर्मेटिंग रहता है तो अभी हमारा टास्क है कि भाई इसमें कुछ और कंटेंट ऐड करें पिक्चर्स वगैरह और साथ में यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग भी दें तो इसमें क्या करना है सबसे पहले स्किल कोर्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देता हूँ इसकी साइज़ और ऊपर रख देता हूँ थोड़ा सा ओके मैं होम टैब में जा रहा हूँ और इसको एक फॉन्ट में डिसाइड कर रहा हूँ मैं इसको पॉपिन्स फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ ओके okay. तो आप जो चाहिए वो फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं पॉपिंस में मैं यहाँ पे पॉपिंस ब्लैक में ले रहा हूँ क्योंकि ये टाइटल के लिए पॉपिंस ब्लैक अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये देखिए पॉपिंस ब्लैक ये गूगल से फॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके केस में अग, अगर आपके पास नहीं है तो ओके okay. सो so ये एक इंटरेस्टिंग फॉन्ट है ज़रा थोड़ा सा अच्छा भी लगता है मुझे तो हट्टा कट्टा भी है राइट right. अब इसको मैं रखता हूँ कहाँ पर ये यहाँ पर मैं इसे रखना चाहूँगा इसी के नीचे और इसकी साइज़ भी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है मैंने इसकी साइज़ कम करानी है तो मैं इसे इस तरह से कम करूँगा और यहाँ पे रखूँगा राइट ओके और इसे थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ मैं स्किल कोर्स को यहाँ पे इसे रख देता हूँ फॉर्मेटिंग इसे भी करनी है तो इसको मैं पॉपिंस नॉर्मल रखूंगा ब्लैक नहीं पॉपिंस खाली फॉन्ट रखूँगा वो वाला पॉपिंस ब्लैक था ये मैंने पॉपिंस रख दिया ये रहा तो यहाँ पे कंटेंट को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग मैंने किया अब मुझे इमेज ऐड करना है तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा और इंसर्ट में आपके पास ऑप्शन रहता है पिक्चर क्लिक कीजिए चलिए पिक्चर देखते हैं अब हम तीस पी सी पिक्चर देखेंगे यानी कि यहाँ पे हमें एक लोगो ऐड करना है हमारी कंपनी का तो वो लोगो या फिर आपके पास एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है जो भी है बेसिकली उस प्रोडक्ट का तो वो आप ऐड कर सकते हैं और मेरे पास यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें मतलब स्क्रीनशॉट भी एप्लीकेशन का प्लस यहाँ पे लोगो भी है तो मैं एक लोगो ऐड कर देता तो हूँ पहले इंसर्ट ये लोगो मैंने ऐड किया बहुत बड़ी साइज़ आ गई है इसकी कम करनी साइज़ तो ऐसे ड्रैग करके इसे कम करो एंड यू कैन पुट इट डाउन एनी राइट इस साइज़ को आप ऐसे रख सकते हैं भाई ये यह लोगो यहाँ पे रखना है यहाँ पर रखना है यहाँ पर बॉटम में रखना है चलो ठीक है यहाँ पर मुझे क्या करना है ये स्किल कोर्स ऐप है बेसिकली तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्किल कोर्स ऐप आगे टाइटल में ऐप कर देता हूँ इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ एंड में राइट right. अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा दोबारा पिक्चर्स में जाऊँगा दिस पे में जाऊँगा और मेरा ऐप के साथ ये फोटो ठीक है चलो यही लेते हैं हम लोग इंसर्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे ये पूरा स्क्रीन पे आ चुका है मुझे ये पूरे स्क्रीन पे नहीं चाहिए तो मैं इसकी साइज़ यहाँ पे कॉर्नर से कम कर देता हूँ ये रहा और मैं इसे यहाँ पर रख सकता हूँ ये स्किल कोर्स ऐप के बारे में है अगर मैं यहाँ पे मेरा फोटो नहीं रखना चाहता तो मैं इसे क्रॉप कर सकता हूँ क्रॉप बटन आपके पास है क्रॉप बटन में क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैं बस ऐप रखना चाहता हूँ अच्छा ऐप तो आ गया लेकिन ऐप मुझे लगता है यार ये बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए तो ये भी हम कर सकते हैं बस इस ऐप की थोड़ी सी अभी साइज़ बढ़ा दो कॉर्नर से साइज बढ़ाना है क्लिक एंड ड्रैग ये देखिए माउस पॉइंट और कॉर्नर पर लेके आइए माउस का काले बटन दबाइए खींचे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा नीचे की तरफ खींचे कम होगा पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन में जाइए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मैंने बताया था अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुझसे सीखा है तो राइट स्टार्टिंग में जो इस क्रैच को उसमें मैंने बताया था तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे और रिमूव बैकग्राउंड एक ऑप्शन मिल जाता है पिक्चर फॉर्मेट जब पिक्चर सेलेक्ट होगा तब ये टैब आएगा याद रखिए फिर रिमूव बैकग्राउंड में जाइए वो डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पे लेकिन हमें यहाँ पे ये यह देखिए कुछ गड़बड़ हो गया ये पिंक वाला है ना ये सब इरेज होने वाला है जो ये मजेंटा या डार्क पिंक बोल सकते हैं अब इसे तो यहाँ पे मार्क एरिया एज अ कीप पर मैं क्लिक करूँगा मार्क एरिया एज अ कीप मैं क्या करना चाहता हूँ भाई ये जो है ये भी कीप रखना चाहता हूँ ये रखना चाहता हूँ मैं तो यहाँ पे इसके ऊपर घुमाऊंगा ये देखिए जिस चीज को आपको रखना है उसके ऊपर घुमाओ थोड़ा थोड़ा ही घुमाओ ज़्यादा मत घुमाओ नहीं तो मोबाइल के बाहर की भी चीज़ें आ जाएगी राइट तो इसके ऊपर एक रखना है यहाँ पे भी क्लिक करना है एग्जैक्टली exactly आप पेंसिल लेके वहाँ के वहाँ पर क्लिक करो जिससे जिससे आप रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर मोबाइल को रखा है और मैं यहाँ पे कीप चेंजेस पे क्लिक करूँगा तो अब ये मेरा मोबाइल हाँ आ चुका है मतलब मोबाइल के अंदर ऐप भी दिखाई दे रहा है तो इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं स्किल कोर्स ऐप को इस तरह से आप चाहिए तो इसे थोड़ा बहुत शाडो इफेक्ट देना है तो यू कैन गो टू द पिक्चर फॉर्मेट एंड पिक्चर इफेक्ट्स में जाकर यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं रिफ्लेक्शन वाला है शाडो इफेक्ट है आपको लगता है कि यार रिफ्लेक्शन ठीक रहेगा तो रिफ्लेक्शन दे दो आपको लगता है शाडो इफेक्ट ठीक रहेगा तो यू कैन अप्लाई द शाडो इफेक्ट टू तो इसे इस तरह से इफेक्ट दे थोड़ा अभी साइज छोटा कर देते हैं यहाँ पे तो आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है आप यहाँ पर ये लोगो बड़ा करना चाहते तो यू कैन पुट डाउन लोगो तो ये डिपेंड है कि आपको कहाँ पे आप कैसे चीज़ें रखनी है एंड उसे आपको मैनेज करना कैसे है राइट right? तो ये लोगो साइड में था वही अच्छा लग रहा है मुझे और ये थोड़ा सा बीच में लेके रख देते हैं चलो ठीक है पहली स्लाइड को अभी हमने डिज़ाइन नहीं किया इसको मतलब फॉर्मेटिंग किया है डिज़ाइन मतलब इसका बैकग्राउंड वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं बट वो हमने नहीं किया है राइट right? फिलहाल एक और चीज़ मैं करता हूँ यहाँ पे इंसर्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं शेप्स में जा रहा हूँ ध्यान दीजिए शेप में जाकर एक रेक्टेंगल मैं ले रहा हूँ ये वाला रेक्टेंगल लेता हूँ या फिर राउंडेड रेक्टेंगल भी आप ले सकते हैं ये राउंडेड रेक्टेंगल लीजिए आपको जो मर्जी चाहिए वो यहाँ पर वैसे आप ड्रॉ कीजिए अब देखिए ये ड्रॉ किया लेकिन ये आगे आ रहा है तो इसके ऊपर राइट राइटली कीजिए इस शेप के ऊपर और एक ऑप्शन मिलता है आपको सेन टू ध्यान से देखिए जो शेप आपने ड्रॉ किया है उसे सेंड टू बैक ये रखिए सेन टू बैक ये सेंट टू बैक पीछे चला गया अब इसको ब्लू कलर रखना है या कुछ और कलर रखना है वो आपकी मर्जी है येलो कलर रखना है शेप फील में जाओ जो भी कलर आप इसे रखना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं लेकिन आपको लगता है यार एक एक चीज़ याद रखो इसका कलर जो होता है ना एक प्रेजेंटेशन बनाते समय कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना मेरे ऐप के ऊपर तो यहाँ पे ग्रीन है और ये येलो बैकग्राउंड है ना थोड़ा सा यूज़ किया गया है और यहाँ पे लोगों में भी आप देखोगे तो ये बैकग्राउंड है तो मैं चाहता हूँ यार ये जो लोगों में बैकग्राउंड है ना यहाँ पे यूज़ किया गया है ना पेले इस लर्न मोर के लिए तो ये बैकग्राउंड मैं यहाँ पे यूज़ करूँ इसके पीछे वही कलर वही तो मैंने ट्राई किया लेकिन वो अलग दिख रहा है थोड़ा सा तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा एक पावर पॉइंट में शेप फॉर्मेट एक ऑप्शन है जो शेप फॉर्मेट के अंदर एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो याद रखना है आपको शेप फॉर्मेट में शेप फिल में यहाँ पर आपको जाना है आई ड्रॉपर याद रखिए आई ड्रॉपर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आके इस कलर पर क्लिक करना है देखिए वही कलर यहाँ पे अप्लाई करना क्या है पहले इस शेप को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट शेप फिल और फिर यहाँ पे आई ड्रॉपर जो आपके ब्रांड का कलर है ना बेसिकली ब्रांड लोगों में जो कलर है वो आप बाकी जगह पे स्लाइड पे इस्तेमाल करो ताकि एक एक फॉर्मेट प्रॉपर बन जाता है और बहुत सारे ब्रांड ऐसे करते हैं उनके जो दो या तीन कलर फिक्स रहते हैं उसी में पूरी की पूरी उनकी स्लाइड या पीपीटी प्रेंट प्रेजेंटेशन रहता है तो ये कलर कॉम्बिनेशन आपको करने के लिए आई ड्रॉपर का इस्तेमाल लेना पड़ेगा राइट ग्रेट तो हमने ये किया टेक्स्ट को आपको वाइट करना चाहते तो आप टेक्स्ट वाइट करके भी देख सकते हैं एक मिनट हम टेक्स्ट को वाइट करके देख लेते हैं यहाँ पे फॉन्ट में आपके पास टेक्स्ट को वाइट करने के लिए भी ऑप्शन है अगर ये अच्छा लग रहा है तो वाइट में देखो अलग कलर में रखना चाहते हो वाइट भी ठीक है ओके स्किल कोर्स ऐप पेलेस लर्न मोर एंड ऑन मोर ये हो गया हमारा एंड नाउ यू कैन गो वन मोर थिंग एक मिनट में को ये लोगो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है एक मैं थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे करना चाहूँगा जो कि मैं स्किल कोर्स ऐप के शेप को या टेक्स्ट को जो भी है दोनों को नीचे लेना चाहूँगा यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पे लर्न मोर को यहाँ पर मैं नीचे रख रहा हूँ मिडल में एंड इसे भी मिडल में रख रहा हूँ एंड लोगों को अब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो चलो ठीक है कुछ अलग मुझे लगा करना चाहिए तो ये मैंने एक नया कर दिया वैसे भी यहाँ पर पेलेस लर्न मोर अंड मोर यहाँ पर इस लोगों में भी है और यहाँ पर भी है चलो ठीक है तो आपको पहली स्लाइड मिल गई डिजाइन नहीं किया याद रखिए बस फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं इसके ऊपर डिजाइन करने के लिए हमारे पास डिज़ाइन टैब है बैकग्राउंड वगैरह डिजाइन हम आगे कर सकते हैं तो अब दूसरी स्लाइड के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे जाकर इसका फॉन्ट जो कि पॉपिनस ब्लैक रखो या पॉपिनस मीडियम तीन है इसमें पॉपिन्स मीडियम मैंने रखा ये इटैलिक में आ जाता है और इसे टाइटल के बाद इसे पॉपिन्स रख देता हूँ मैं पॉपिन्स अब मुझे बार बार इस सभी स्लाइड के ऊपर करना है राइट right? उसके बाद इसकी साइज़ भी बहुत बढ़िया मैं साइज कम कर रहा हूँ और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग भी बहुत कम है तो ये लाइन स्पेसिंग भी एडजस्ट करनी पड़ेगी तो यहाँ पे देखिए लाइन स्पेसिंग एडजस्ट करने के लिए आपको होम टैब में ही यहाँ पे क्लिक करना है और लाइन स्पेसिंग राइट यहाँ पे लाइन स्पेसिंग वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट फाइव लाइन स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पर जाकर आप लिख सकते हैं लाइन पॉइंट स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग कितनी चाहिए वन ये रहा ये प्रॉपर लाइन स्पेसिंग आपको लग रहा है रखो ओके okay, यहाँ पे मैं इसे बुलेट हटा देता हूँ इसे प्रॉपर अरेंज कर देते हैं हम लोग वेलकम के लिए टैप कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ओके और ये भी बुलेट हटा देता हूँ ठीक है ये हो गया इसके कंटेंट के बारे में थोड़ा सा इसे हमने फॉर्मेट कर दिया अब यही फॉर्मेटिंग मुझे हर एक स्लाइड पर करनी है तो बार बार करने से अच्छा आप इस टाइटल को सिलेक्ट करो ये बॉक्स को फॉर्मेट प्रिंटर पर डबल क्लिक करो यहाँ पर आ जाओ इस स्लाइड पर यहाँ पर क्लिक करो इस स्लाइड पर आ जाओ यहाँ पर क्लिक करो इस स्लाइड पर आ जाओ यहाँ पर क्लिक करो है ना इंटरेस्टिंग टाइम सेविंग ट्रिक्स में बता रहा हूँ दोबारा देखिए यहाँ पे आने के बाद मुझे इसकी फॉर्मेटिंग जिसकी फॉर्मेटिंग चाहिए उस वाले बॉक्स को पहले सेलेक्ट कर लो फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करना है डबल क्लिक फिर उसके बाद नीचे के स्लाइड पे जाना है यहाँ पे क्लिक करो इसके ऊपर ये देखिए फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गई इस पर क्लिक करो ये फॉर्मेटिंग आ गई इस पर क्लिक करो ये ऑलरेडी इसमें कंटेंट है ही नहीं है बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है क्या बात है राइट सो ईजी टू अप्लाई फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको फॉर्मेट पेंटर एक इस्तेमाल करना होगा राइट अब यहाँ पे फाउंडर का भी है ये मैं यहाँ पे लेता हूँ अब मैं थोड़ा सा इसे इस वाले स्लाइड को और इस वाले स्लाइड को ज़रा कस्टमाइज़ करते हैं अब क्या है यहाँ पे जो चीज़ें मुझे सपोज़ थोड़ा सा लगता है कि यार मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें ये कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो इसमें मैं कुछ कंटेंट कम करता हूँ थोड़े से कंटेंट कम कर रहा हूँ और इस कंटेंट को मैं रख रहा हूँ इस साइड अब मैंने इस बॉक्स की साइज़ कम कर दी है इस साइड और यहाँ पर अभी एक और चीज़ यहाँ पे अगर पैराग्राफ में नोटिस करोगे तो राइट right साइड में देखो आगे पीछे आ रहा है तो मैं इसे जस्टिफाई अलाइनमेंट दूंगा ये देखिए ये फॉर्मेटिंग अच्छे से सीख लो जिसको फॉर्मेटिंग आ गई अलाइन करना आ गया जस्टिफाई अलाइनमेंट ये प्रॉपर अलाइन हो चुका है अभी यहाँ पे राइट ये कंटेंट है ये टाइटल है और ये कंटेंट अब यहाँ पे मैंने स्पेस क्यों रखा है यहाँ पर मैं कोई इमेज ऐड कर सकता हूँ राइट मेरे प्रोडक्ट की इमेज तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा मैं पिक्चर में जाऊँगा दिस फे तो यहाँ पर मैं इस तो यहाँ पे मैं इस इमेज से एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ भाई इस ऐप में वीडियो भी डाउनलोड आप कर सकते हैं इस ऐप के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने एक इमेज भी यहाँ पे ऐड कर दी राइट इमेज को आप साइज ऐसा कम रख सकते हैं और थोड़ा सा स्टाइलिश इसे बनाने के लिए मैं सिंपल से एक बता देता हूँ मतलब इसमें इफेक्ट देने के लिए ये प्रॉपर अभी बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है इसका तो एक तो आप इसे शाडो इफेक्ट दे सकते हैं या फिर आप इंसर्ट में जाइए शेप्स में जाइए और यहाँ पर एक राउंडेड रेक्टेंगल पे ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक करके इसे सेंड टू बैक करना है सेंड टू बैक करेंगे राउंडेड रेक्टेंगल को ओके अब यहां से राउंडेड रेक्टेंगल रखिए इसकी साइज का राउंडेड रेक्टेंगल आप रखने की कोशिश कीजिए यहाँ पे ये रहा ओके उसके बाद इस इमेज को वापस डिलीट कर लीजिए अब अपने बोलो आप बोलोगे डिलीट क्यों किया अब मैं आपको बताता हूँ ये राउंडेड रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऐसा चाहिए तो राउंड कम कर दीजिए अब करना क्या है इसको सिलेक्ट रखे शेप फॉर्मेट में जाना है वही इमेज हम ऐड करेंगे शेप फॉर्मेट में जाएंगे शेप फील में जाकर हम पिक्चर में जाएंगे राइट याद रखिए शेप फॉर्मेट इमेज को सिलेक्ट कीजिए शेप फॉर्मेट शेप फील्ड पिक्चर यहाँ से हम फ्रॉम फाइल में जाकर वही इमेज ऐड कर देंगे जो इमेज हमने ली थी बस वो हमने शेप में ऐड कर दिया इस तरह से राइट तो ये शेप में ऐड करना भी एक ट्रिक समझ लो और इसके बाद आप इसे इफेक्ट दे दो मतलब आपको लगता है अभी इसको तो शेप इफेक्ट दे सकते हैं आप इसे रिफ्लेक्शन दे सकते हैं आप इसे शेडो दे सकते हैं जो इफेक्ट देना चाहते हो आप यहाँ पर दे सकते हैं तो एक तरीका मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह से आप इमेज को ऐड कर सकते है एक अट्रैक्टिव वे से एक प्रेजेंटे प्रेजेंटेटिव वे से तो कोई शेप के अंदर इमेज ऐड करोगे तो वो अच्छा रहेगा लेकिन पहले क्या करना है इमेज लेना है उसके ऊपर वो शेप उस साइज़ का ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है उसमें इमेज फिर से ऐड कर देना है इस तरह से नहीं तो क्या होगा कि इमेज और शेप की अलग अलग साइज़ है तो इमेज प्रॉपर नहीं बैठेगी उसके अंदर जैसे अभी यहाँ पर बैठ रही है प्रॉपरली तो चलिए ये स्लाइड हो गया तीसरे स्लाइड पे जाते हैं फाउंडर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं यहाँ पे तो फाउंडर की इमेज ऐड करने के लिए हम एक काम करते हैं तो यहाँ पे मैंने इसे राइट में रख दिया है तो ये राइट में इतना रख देते ये कंटेंट हाँ ठीक है बैठ गया है ऊपर और करना क्या होगा कंट्रोल लेकर करके इसे भी जस्टिफाई जस्टिफाई कर लो इसे प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं करोगे तो आपको पता है क्या होगा वो और ये ये जो है इसे भी साइज़ कम कर देते फाउंडर ऑफ स्किल कोर्स यहाँ पे रख देते तो यहाँ पे एक मेरा अच्छा खासा फ़ोटो अभी मुझे लगाना है तो कैसे हम लगाएंगे तो इसके लिए क्या करेंगे वापस इंसेट में जाएंगे यहाँ पे पिक्चर में जाएंगे दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो आप ऐड कर सकते जैसे ये वाला ऐड कर दे तो चलो आपको जो अच्छा लग रहा है वो ऐड करो लेकिन उसको भी आपको राउंडेड एड में एड करना है सेम चीज़ करनी है तो आपको अभी सेम मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद बस पिक्चर बदल दो क्योंकि आपके पास रेडीमेड है शेप तो यहाँ पे तो शेप फॉर्मेट में जाओ शेप फिल में जाओ पिक्चर में जाओ फ्रॉम फाइल में जाओ तो बार बार वही काम करने की ज़रूरत नहीं ये वाला पिक्चर लेते चलो ये ठीक लग रहा है राइट तो ये यह पिक्चर यहाँ पे मैंने ऐड किया एंड फाउंडर ऑफ़ फाउंडर ऑफ़ स्किल कोर्स हो गया चलो उसके बाद आ रहा है फ़ीचर्स फ़ीचर्स के लिए भी ये फ़ीचर्स का ऑलरेडी सपोज मुझे ये लिखना नहीं है ऑलरेडी मेरे पास इमेज ही पड़ी है तो मैं इसे डिलीट ही कर देता हूँ मेरे पास एक फ़ीचर की इमेज ही पड़ी है खाली फीचर्स का वर्ड यहाँ पे रख देता हूँ सो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जा रहा हूँ दिस पीसी में जा रहा हूँ और यहाँ पे ये इमेज मैं ऐड कर रहा हूँ ये फीचर्स के साथ ही है राइट right? या आप चाहते कि यार दोनों भी रखें मतलब ये कंटेंट भी रखें कंटेंट को आप यहाँ पे ज़रा बुलेट्स फॉर्म में जाकर कुछ अप्लाई कर लो जैसे कि ये ऐप फीचर्स नाम हटा दो और ये प्रॉपर अलाइन करो पहले एक लाइन में यहाँ पे आगे का स्पेस मैंने हटा दिया है इसे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे बुलेट्स में जाकर ओके okay. इस तरह से अप्लाई कर दो इसे इसकी साइज़ कम रखो ठीक है डन अब क्या करना है आपको ये एक इमेज भी चाहिए इसे तो इमेज भी चाहिए तो एक ये वाली इमेज को कॉपी कर लो और यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर लो और करना क्या है शेप फॉर्मेट शेप फील पिक्चर अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं फटाफट हम कर लेते हैं ये आप जान चुके ऐप फीचर्स हो चुका है और यहाँ पे कस्टमर फीडबैक कस्टमर फीडबैक के लिए अलग से यहाँ पे ऐप के ऊपर जिन्होंने फीडबैक दिए जिन्होंने रिव्यू दिए वो एक्चुअल रिव्यूज़ तो अलग से मैंने उसकी इमेजेस डाउनलोड करके रखी तो उसे इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पिक्चर सेम जाना है मुझे दिस पीसी और मैंने डाउनलोड करके रखा है डाउनलोड फोल्डर में रहेगा ये रहा स्किल कोर्स ऐप नोटिफिकेशन इसी में ही है तो ये चार इमेज है मैं इन चारों को एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ इंसर्ट जैसे आपने इंसर्ट कर लिया तो ये पूरा का पूरा चारों एक साथ सेलेक्टेड रहता है तो चारों को एक साथ आप यहाँ पे साइज कम कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही आपको लगता है कि यार चारों की साइज एक साथ कम हो तो एक साथ जैसे आपने इंसर्ट कर लिया है तब ये चारों सेलेक्टेड रहते है तब आप चारों की साइज सेलेक्ट करके ये कर लीजिए राइट तो यहाँ पे भी इन्हें मैं राउंडेड बॉक्स में प्रॉपर रखना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ एक काम करता हूँ ये डिलीट कर देता हूँ सभी एक ही साइज़ के तो एक को रखता हूँ पहले इंसर्ट में जाता हूँ शेप्स में जाता हूँ आपको पता है ये फटाफट करके दिखाता हूँ यहाँ पे मैं इसकी साइज़ के एक शेप ड्रॉ करूँगा पहले साइज़ देख लूँगा और ये राउंड थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ठीक है इसको डिलीट मार दो और अब क्या करना है अब जाना है शेप फॉर्मेट में शेप फील में आपको कहाँ आप पर जाना है पिक्चर में जाना है जहाँ पर भी मेरे पास सेवन ये रहा आ गया क्या बात है राइट ये आ गया उसके बाद शेप फॉर्मेट में जाओ और शेप इफेक्ट्स में जाओ देखो देर आर लॉट ऑफ है ना इफेक्ट्स आप जो चाहिए वो अप्लाई कर सकते यहाँ से ना, interesting है ना इंटरेस्टिंग है ये इस तरह से आप रखना चाहते हैं कंट्रोल डी दूसरा रखना चाहते हैं यहाँ पे इसी के साइड में और शेप फॉर्मैट शेप फील पिक्चर अब ये मैं फटाफट कर लेता हूँ पहले तो यहाँ पे मैंने चारों भी रिव्यू ऐड कर दिए है आपको दिखाई दे रहा है कस्टमर फीडबैक कस्टमर रिव्यू जो भी आप इसे नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और अब ये हमने देखा कंटेंट में इमेजेस वगैरह कैसे ऐड करना है दूसरी चीज़ अब यहाँ पे कंटेंट में इमेजेस ऐड करना हमने सीख लिया शेप्स भी ऐड करना हमने देखा है किस तरह से शेप ऐड करते हैं लेकिन कहीं कहीं पे आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड करनी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इंसर्ट में मैं जा रहा हूँ शेप्स में मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ऐड करके दिखाता हूँ जैसे मैंने एक एलिप्स ले लिया इलिप्स लेने के बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ ये देखिए सर्कल छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है ध्यान से देखिए अब इस सर्कल को मैं कलर दे रहा हूँ शेप फॉर्मेट में जाकर यहाँ पे मैं कलर देता हूँ इसे शेप आउटलाइन का कलर मैं नो आउटलाइन करता हूं तो अब ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है आपको दिखाई दे रहा है मैं सर्कल मतलब ये डॉट 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 यहाँ पे ऐसा फिल करना चाहता हूँ सीधे लाइन में तो उसके लिए मैं करूंगा क्या मैं कंट्रोल और शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा और इसे यहाँ पे ड्रैग करूंगा ऐसे रखूंगा और जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एक बार ड्रैग किया उसके बाद मैं कंट्रोल वाई, वाई 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 प्रेस करते जाऊंगा तो वो शेप जो मैंने जिस पोजीशन पे रखी है ना ध्यान से देखिए ये देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज़ एक मैंने ऐड कर दी यहाँ पे डॉट 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 जो मैंने शेप के ज़रिए ऐड कर दी है अब मैं दोबारा दिखाता हूँ जब मैं अब मैं क्या करता हूँ इसे सपोज़ यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मुझे ऐड करना है कस्टमर फीडबैक को थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ यहाँ पे टाइटल को अब मैं क्या करता हूँ देखिए इंसर्ट में जा रहा हूँ शेप्स में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे स्टार्स लेता हूँ स्टार भाई मुझे रेटिंग दिखाने फाइव स्टार रेटिंग है मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ स्टार को मैंने ड्रॉ कर दिया या कलर दे दिया अब क्या करना है इसे सिलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आपको इसका डुप्लीकेट बनाना है और जो गैप में आप रखोगे ये गैप में उसके बाद कंट्रोल वाई बटन प्रेस कर देना है राइट इंटरेस्टिंग है तो ऐसे आप यहाँ पे स्टार्स ऐड कर सकते हैं कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा नीचे लेता हूँ चारों को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन प्रेस किया और क्लिक करते गया मैं चारों के ऊपर और मैं थोड़ा सा नीचे खींचूंगा ये रहा राइट और इसे भी शिफ्ट बटन प्रेस करके आप इन सभी को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं राइट क्लिक करके इसे आप ग्रुप कर सकते हैं ग्रुप करना चाहते हैं ग्रुप ग्रुप करेंगे तो इसे आप उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं ऐसा आपको लगता है ये नीचे रखना है ऊपर रखना है इसको छोटा करना है थोड़ा सा तो आप कर सकते छोटा करते समय अगेन शिफ्ट बटन प्रेस करोगे तो ठीक रहेगा तो छोटा करो ये पे रख दो ओके सो so, आपको आइडिया आ चुका है शेप ड्रॉ करते समय क्या कर सकते हैं आप कंट्रोल शिफ्ट से आप डुप्लिकेट कीजिए और कंट्रोल वाई प्रेस की करेंगे तो वही रिपीट होते जाएगा शेप तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टेप इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखना है तो चलिए मैंने आपको फॉर्मेटिंग से रिलेटेड या इंसर्ट शेप से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन बताए ये तो सब ऑप्शंस आपको ठीक पता चले लेकिन अभी कई सारी शेप की जगह शेप पे आपको रेडीमेड शेप की जरूरत पड़ती है तो यहां पे जाकर आप यहाँ पे ब्लैंक ले लो और रेडीमेड शेप के लिए आप इंसर्ट में जाकर यहाँ पे देखिए आपके पास स्मार्ट आर्ट है जिससे आप रेडीमेड शेप साइकिल जैसे जैसे डायग्राम डायग्राम प्रोसेस पे ऐड कर सकते हैं रिलेशनशिप ऐड कर सकते हैं मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं बहुत सारी चीजें तो आप जो चाहिए वो ऐड कर सकते हैं ये देखिए क्लिक कीजिए आ गया इसे ऐड करने के बाद इसे भी स्मार्ट आर्ट डिजाइन आ जाता है अलग अलग ये देखिए यहां से आप इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे कंटेंट ऐड कर सकते हैं तो ये भी चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो वो भी शेप्स वगैरह आप ऐड कीजिए फिलहाल इसे मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्लाइड प्रोसेस अब यहाँ पे स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखने वाले डिज़ाइन कैसे करते हैं डिज़ाइन तो आना चाहिए भाई इसके ऊपर डिज़ाइन करना है अभी क्योंकि हमने स्लाइड को कंटेंट ऐड किया स्लाइड के पर फॉर्मेटिंग कर दिया शेप्स ऐड कर दिए अब स्लाइड का जो डिज़ाइन है वो देख लेते हैं अब स्लाइड डिजाइन के लिए पहली स्लाइड सेलेक्ट की डिजाइन टैब पे मैंने क्लिक किया है सिंपल है डिजाइन टैब यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करोगे बहुत सारी डिजाइन आ जाएगी आप यहाँ पे ये जो एरो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके और डिज़ाइन को एक्सप्लोर कर सकते हैं तो जैसे ही आप किसी भी डिज़ाइन के ऊपर माउस पॉइंटर घुमाते हो तो वो डिज़ाइन पीछे प्रयू दिखाता है कि कैसे अप्लाई होने वाला है कैसे आएगा तो ये डिज़ाइन सेलेक्ट करते ही यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है मतलब स्किल कोर्स आप कहीं और चला जाएगा राइट right? तो ये बात याद रखनी है जैसे आप इसके ऊपर डिज़ाइन अप्लाई करोगे कोई भी तो यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन अप्लाई रहोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा जो आपने टाइटल वगैरह ऐड किया है राइट right? तो यहाँ पे वो चीज़ आप करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ से डिज़ाइन अप्लाई करते हो तो लेकिन अगर इनकी डिज़ाइन आपको नहीं चाहिए आप आपको लगता है कि यार यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो मेरा स्ट्रक्चर पूरा चेंज करा है तो आप ख़ुद से बैकग्राउंड दे सकते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाइए और फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाकर यहाँ पे ग्रेडियन फील्ड में जाकर यहाँ पे आपके कंटेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा ग्रेडियन फील्ड ले लो पिक्चर फील्ड ले लो पैटर्न फील्ड ले लो आपके कंटेंट में कुछ भी फ़र्क नहीं होगा हाँ अगर आप यहाँ से डिज़ाइन लेते हो तो आपने जो कंटेंट टाइप की इधर उधर शिफ्ट होनी है उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट किया जाएगा राइट तो आपको लगता है कि यार इसमें ठीक नहीं लग रहा है मुझे ये में कंटेन फिर से करने पड़ेंगे, तो आप यहां से बैकग्राउंड दे सकते हैं बैकग्राउंड ऑप्शन है फिलहाल मैं ये डिज़ाइन अप्लाई करके दिखाता दूं अगर मैं किसी भी डिजाइन के ऊपर डायरेक्टली यहां पे क्लिक करता हूं जैसे मुझे ये वाला डिजाइन ठीक ठाक लग रहा है मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये सारे स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो रहा है ये देखिए पहले स्लाइड के ऊपर भी है सेकेंड भी है थर्ड भी है सब के ऊपर अप्लाई हो रहा है राइट तो ये आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट हम करेंगे इसमें कंटेंट को लेकिन आपको लगता है यार सभी स्लाइड पे अलग अलग डिज़ाइन होना चाहिए तो आप जैसे आप पहले स्लाइड पे देखोगे ये डिज़ाइन है दूसरी स्लाइड पे अलग चाहिए तो इस पर क्लिक करो और राइट क्लिक करो जो डिज़ाइन आपको चाहिए ना यहाँ पे सपोज मुझे दूसरा डिज़ाइन चाहिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँ इसके ऊपर राइट क्लिक इसके ऊपर लेते हैं राइट क्लिक करते हैं और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड ये देखिए इसी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा अंडू कर देता हूँ मुझे ये वाला चाहिए राइट क्लिक टू अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड इस तरह से दिखाई दे रहा है तो ये स्लाइड के लिए मैंने अलग रखा ये स्लाइड के लिए अलग डिज़ाइन आ चुका है यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये ठीक लग रहा है यहाँ पे मुझे ऐसा ये भी ठीक लग रहा है मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग लेना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करता हूँ अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड तो आप इस तरह से सिलेक्टेड स्लाइड नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है ये भी नहीं इसमें और डिज़ाइन में जाते हैं राइट क्लिक टू अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड एक डिज़ाइन मैंने ले लिया तो आपको जो डिजाइन पसंद है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए उसके बाद आपको थोड़े से कंटेंट एडजस्ट करने पड़ेंगे जैसे इसकी साइज आपको कम करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको ये जो सब है उसे भी थोड़ा सा बड़ा करके रखना है तो आप रख सकते हैं तो ऐसे थोड़े बहुत तो चेंजेस आपको करने पड़ेंगे और साथ में हमने जो पैटर्न फिल वाला बैकग्राउंड अप्लाई किया था ना राइट right साइड में ये दिखाई दे रहा है इसे हम हटा देते हैं इसे कैसे हटाएंगे हम इसे सिंपल है यहाँ पर रिसेट बैकग्राउंड एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्लिक कीजिए ये रिसेट बैकग्राउंड तो वो बैकग्राउंड भी हट गया इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आप रख सकते हैं ओके okay. चलो ठीक है आपको जैसा लग रहा है ये बीच में ठीक लग रहा था तो वही रखो चलो ओके okay. ये हमारी पहली स्लाइड होगी मुझे थोड़ा सा लोगों यहाँ पे ज़रा खटक रहा है तो मैं इस लोगों को ये देखिए डिपेंड है आप कहाँ पे रखना चाहते हैं इन दोनों को मैं थोड़ा सा ऊपर रखना चाहता हूँ मेरे पास जगह भी बहुत है इसको भी ऊपर रखना चाहता हूँ ठीक है ऐप की साइज़ थोड़ी हम बढ़ा सकते हैं राइट गॉड इट सो फाइनली ये पहला स्लाइड हो गया सेकेंड स्लाइड पे तो ये ठीक ठाक बैठ गया है मस्त लग रहा है इसे एज इट इज़ रहने देते थर्ड स्लाइड पे देखते हैं थर्ड स्लाइड पे भी ये प्रॉपर ही है थोड़ा सा इसे चाहिए तो एडजस्ट कर लेते इस साइज़ का टेक्स्ट का साइज़ कम करके यहाँ पे इस तरह से बढ़ा देते ओके okay. इन्हें इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं राइट फोर्थ स्लाइड पर देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा इधर लेना पड़ेगा इस फीचर्स को इसकी साइज़ कम करके इसे भी यहाँ पर रख देते ठीक है इस डॉट को डिलीट मार देते हैं जो कंटेंट आपको ज़रूरी नहीं है इसको इस तरह से रख सकते हैं ओके और उसके बाद ये ये तो मस्त है वाइट तो ये पांच स्लाइड हमारी प्रॉपर हो गई डिज़ाइन के साथ तो स्लाइड कैसे प्रॉपर्ली बनानी है ये मैंने अच्छा खासा आइडिया आपको दे दिया है डेफ़िनेटली आपको ये समझा होगा अब बारी है ट्रांजिशंस और एनिमेशंस की जो कि अभी हम सीखने वाले हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तो कोई भी स्लाइड को जब हम ट्रांजिशन देना चाहते हैं तो कैसे देंगे ट्रांजिशन की जरूरत क्यों पड़ती है सबसे पहले जब हम एफ करते हैं तो एफ से क्या होता है स्लाइड का प्रीव्यू आ जाता है फुल स्लाइड जब भी आप प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हो तो एफ बटन प्रेस करोगे स्लाइड शो इसे स्लाइड शो बोलते हैं ये स्लाइड शो आ गया डाउन एरो प्रेस करो नेक्स्ट स्लाइड 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 डाउन एरो प्रेस करो ख़त्म एस्केप बटन प्रेस करो तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए एफ आई और बंद करने के लिए आप एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं राइट right. ओके okay. अब यहाँ पे जब मैं पहली स्लाइड लेता हूँ दूसरी स्लाइड आ रही है तो ये तुरंत डायरेक्ट आ रही है मैं इसमें थोड़ा सा ट्रांजिशन देना चाहता हूँ तो ये ट्रांजिशन कैसे होगा पहली स्लाइड को क्लिक करो ट्रांजेक्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ढेर सारे ट्रांजेक्शन्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन है आप खुद से जरूर ट्राई कीजिए ये नए वर्जन में आपको ढेर सारे मिलेंगे 2010 वगैरह में थोड़े कम है याद रखिए तो ये वाला लेते हैं एयरप्लेन राइट ये देखते हैं वाओ है ना इंटरेस्टिंग आपको ये अच्छा लग रहा है या कर्टन वाला खुल रहा है चलो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है जैसे प्रोडक्ट लॉन्चिंग में टाइम पर रहता है ना एक मिनट क्या हो गया वो अप्लाई नहीं हुआ लगता है, इस पर क्लिक करते कर्टन पर क्लिक करते एफाई करते ये देखिए ओ क्या बात है राइट इंटरेस्टिंग है आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए औरगामी और ए, औरी गामी, औरी गामी क्या नाम है उसका पता नहीं आप इस स्लाइड पे क्लिक करके ओरिगामी कीजिए कैसे आएगा देखिए पहली स्लाइड को फोल्ड करके चला जाएगा अभी वो ब्लैक दिख रहा था ना ओरिगामी अभी ब्लैक नहीं दिखेगा अब मैं ओरिगामी का आ गायब हो गया ओ काफ़ी इंटरेस्टिंग राइट ओके मज़ा आ रहा है तो ये आप अलग अलग ट्राई करके देख सकते हैं कि भाई ये कैसे लग रहा है हर एक स्लाइड के ऊपर आप अलग अलग कर सकते हैं और सभी स्लाइड के ऊपर आप एक चाहिए तो एक भी कर सकते हैं आपको लगता है कि यार सभी स्लाइड पे एक जैसे होना चाहिए कंफ्यूज़ नहीं करना है मुझे क्लाइंट को तो मैं एक क्लिक करूँगा क्रैश और मैं अप्लाई टू ऑल करूँगा यहाँ पर अप्लाई टू ऑल राइट साइड में ऑप्शन मिल रहा है आपको राइट right? और इसका ड्यूरेशन भी आ रहा है टोटल आपको ड्यूरेशन भी दिखाई दे रहा है कि भाई कितना सेकेंड्स से आप उसे ड्यूरेशन को कम भी कर सकते हैं बहुत फास्ट भी चलेगा बहुत स्लो भी चलेगा जैसे पेज कल करते हैं तो ये दो सेकेंड ले रहा है अगर आप दो सेकेंड नहीं ये पे कितना 1.25 पॉइंट सेकेंड्स ले रहा है अभी इसका ड्यूरेशन अलग है तो इसे आप कम करना चाहते फास्ट करना चाहते पेज कल को तो अभी आप देखोगे एफ करो बहुत फास्ट आ रहा है राइट right? इस तरह से तो इसका ड्यूरेशन भी आप एडजस्ट कर सकते हैं ये इतना स्लोली जा रहा है इसको भी उतना टाइम लग रहा है इसको और स्लो करना है तो आप इसे और बढ़ा सकते हैं तीन सेकेंड्स किया अब देखो कितना स्लोली जा रहा है राइट right? तो ये डिपेंड करता है कि आपको हर एक स्लाइड के लिए अलग अलग ट्रांजेक्शन्स देना है नहीं देना है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो जो आपको लगता है वो दे सकते हैं सबके लिए एक ही देना है तो अप्लाई टू ऑल करो सबके लिए अलग अलग देना है सिलेक्ट करो यहाँ पे सिलेक्ट करो क्लिक सिलेक्ट करो क्लिक सिलेक्ट करो आ, अलग अलग दिखा रहा हूँ मैं आपको अप्लाई करके और सिलेक्ट करो ये अब मैं एफ आई तो देखिए कैसे आएगा एफ ये तो पहला स्लाइड है अब डाउन एरो प्रेस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड कीबोर्ड के ऊपर डाउन एरो प्रेस कीजिए नेक्स्ट स्लाइड डाउन एरो प्रेस कीजिए नेक्स्ट स्लाइड डाउन एरो इंटरेस्टिंग राइट तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन दे सकते हैं लेकिन ये जो ट्रांजिशन मैंने दिया ना मुझे की बोर्ड पे डाउन एरो प्रेस करना पड़ा है तभी नेक्स्ट स्लाइड आ रही मैं चाहता हूं ये ऑटोमेटिक हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन एक सेटिंग इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ पावर पॉइंट के अंदर जो सबको पता होनी चाहिए अब ट्रांजिशन में क्या हो रहा है कि मुझे एफआई करने के बाद डाउन एरो की प्रेस करना पड़ा है ये लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांजिशन आ जाए और दूसरी चीज ऐसी कि जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है तो यहाँ पे क्या लिख के आता है देखिए लिख के आता है एंड ऑफ स्लाइड शो मैं चाहता हूँ यार प्रेजेंटेशन खत्म होते ही स्टार्टिंग से चालू हो जाए जैसे मॉल में अगर आप जाते हो ना एक ऐड रिपीट रिपीट आती हो लूप चालू रहता है वो तो आपको एक ऐड है ना जो आपके आ, स्मार्ट टी वी पर कंटिन्यू रन करनी है राइट तो उसके लिए आप इसे सिलेक्ट कर लो आपको लगता है ये स्मार्ट टी वी पर कंटिन्यू रन हो तो आपको पहले स्लाइड शो में जाना है सेटअप शो में जाना है और ये वाला करके रखो सबसे पहला ये सेटिंग इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखो लूप कंटिन्यूसली एंड एस्केप जब तक आप एस्केप नहीं करेंगे तब तक ये लूप होते रहेगा ये पहला सेटिंग याद रखो स्लाइड शो सेटअप शो ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है लेकिन मैंने आपको बताया आपको पता चला चलो ठीक है दूसरी चीज़ आपको करनी है यहाँ पे ट्रांजेशंस में ही यहाँ पे ऑन माउस क्लिक है ये ऑन माउस क्लिक नहीं रखना है ये हटाओ आफ्टर और आफ्टर क्या टाइमिंग दे दो कि भाई एक स्लाइड कितनी देर तक रुकनी चाहिए मैं चाहता हूँ कि यार एक स्लाइड एटलीस्ट तीन मिनट तो रुके या चार मिनट रुके चार मिनट नहीं सॉरी सेकेंड्स मिनट बोल रहा हूँ मैं गलती से यहाँ पे सेकेंड्स हम रखेंगे मिनट रखेंगे तो भाई बोर हो जाएगा कोई भी तो तीन से चार सेकेंड आप रख सकते हैं आपकी मर्जी और आप यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कीजिए अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने इस स्लाइड को चार सेकेंड हर एक स्लाइड को अलग अलग रख सकते हैं और अप्लाई टू ऑल करते हैं तो सभी के लिए अप्लाई टू ऑल हो जाएगा ये वाला टाइमिंग लेकिन ये जो स्लाइड का ट्रांजिशन है ना यही सबके लिए अप्लाई होगा फिर हमारा अलग अलग अप्लाई करके मतलब नहीं होगा तो इसलिए क्या करो एक तो टाइमिंग पहले लगा दो और अप्लाई टू ऑल करो और बाद में सबको ट्रांजिशन अलग अलग दो तो टाइमिंग एक बार अप्लाई टू ऑल हो जाएगा सबके लिए या फिर सबके लिए यहाँ पे क्लिक करो और अप्लाई टू ऑल मत करो सबके लिए अलग अलग टाइमिंग लगाओ भाई इस स्लाइड को दो सेकेंड रुकना है इस स्लाइड को लगता है हां इसे पढ़ने में टाइम लगेगा तो इसको तीन सेकेंड्स रखो इसमें पढ़ने में टाइम लगेगा जो भी आपके हिसाब से आप रखो इसको दो सेकेंड रखो इसको पांच सेकेंड्स रुकाना है तो जिस स्लाइड को जितनी देर रुकाना है वो आपकी मर्जी है हर एक स्लाइड को अलग अलग टाइमिंग सेट कर सकते हैं और एक ही सेट करके अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हैं मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अप्लाई टू ऑल के लिए और यहाँ पे साउंड इफेक्ट भी दिया है साउंड भी ऐड कर सकते हैं आप बॉम्ब वगैरह फुटने का साउंड आ जाएगा <laughs> लेकिन वो जरूरी नहीं होता है अगर आपके प्रेजेंटेशन में कुछ होता है तो उसके लिए ये साउंड दे सकते हैं फिलहाल तो इतना ज़रूरी नहीं है एंड आई एम गोइंग टू प्रेस एफ मैंने एफ प्रेस कर दिया और छोड़ दिया मैं कुछ भी नहीं प्रेस करूंगा अभी ये जितने भी सेकेंड्स मैंने लगाए थे ना चार सेकंड तो चार सेकेंड रुकेगी सेकंड तो दो सेकेंड रुकेगी ये स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड आती जाएगी जो कि आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है एक मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैंने अच्छी खासी एडवर्टाइज़ कर दी इस वीडियो में मेरे एप्लीकेशन की मजाक कर रहा हूँ लेकिन ये एप्लीकेशन आपके जरूरी है जी हाँ दोस्तों ये प्रेजेंटेशन में मेरे प्रोडक्ट की तो एडवर्टाइज़ हो ही रही है भाई होना चाहिए मैं मेहनत ले रहा हूँ लेकिन इस एप्लीकेशन में आपके फ़ायदे की कोर्सेज है बहुत ही कम फीस में आप ढेर सारे कोर्सेज सीख सकते हैं आयु सर्टिफिकेट के साथ वो चीज़ मैंने ऐड नहीं किया आयु सर्टिफिकेट का फ़ोटो भी ऐड करना चाहिए था मुझे वो बहुत सारा प्रेजेंटेशन बड़ा भी बन जाएगा <laughs> ओके बनाने जाएंगे तो ये तो डेमो है बस तो आपको एक इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन बना के मैंने दिखाया है अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हमने अप्लाई कर दिया है अब हमारा लास्ट ऑप्शन जो कि है एनिमेशन बचता है तो एनिमेशन कैसे अप्लाई करेंगे एनिमेशन भी ज़रूरी है ना भैया अब जो आ रहा है ना ये स्टेबल स्लाइड आपको दिखाई दे रही है ऐसे तो अगर इसमें स्किल कोर्स ज़रा घूम के आ जाए ये ऐप का फोटो घूम के आ जाए लोगो घूम के आ जाए कुछ भी तो कैसे करेंगे तो वो कुछ कर लेते हैं यार ये लोगो मेरे को अभी भी जज ये लोगों की साइज ही मेरी फिक्स नहीं हुई अभी कहाँ पर रखो ओके चलो इसे इसे इस साइड रख देता हूँ अब मैं क्या करता हूँ एनिमेशन देता हूँ एनिमेशन मैं देना चाहता हूँ अभी एनिमेशन में क्या करना है देखिए एनिमेशन टैब हम सीखते हैं पहले मैं बताना चाहूँगा लोगों को बहुत गलत फहमी होती है कि यार कोई भी एनिमेशन दे दिया मतलब चल गया नहीं एनिमेशन कैसे देते हैं उसके स्टेप्स याद रखो मैं क्या फॉलो करता हूँ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और मैं क्या सिखाता हूँ जो भी मैंने कॉर्पोरेट स्टूडेंट्स को पढ़ाया वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली वो लोग उनका प्रेजेंटेशन अभी मेरे तरीके से बनाते हैं और वो अच्छा खासा उनका रिव्यू भी है वो लोग रिव्यू देते सर आपके तरीके से मैं आपने मुझे प्रेजेंटेशन सिखाया और आज मैं प्रेजेंटेशन का बादशाह अपने ऑफिस में राइट तो मजाक नहीं करो ये रियलिटी है पंद्रह सालों से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाया तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आपको एनिमेशन देते समय पहले ये समझना है कि एनिमेशन के अंदर चार चीज़ें एक एंट्रांस एनिमेशन दूसरा एम्पैसिस तीसरा एग्जिट और चौथा मोशन पाथ चार यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं ये आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंट्रांस एनिमेशन आपको तभी लगाना है जब आपको कोई भी टेक्स्ट को एंट्री करते वक्त दिखाना है जैसे कि आपको रखना आपको ऑडियंस का ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा लेके आना है तो आपको पहले स्लाइड को ब्लैंक रखना है और बाद में आपका टेक्स्ट वहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा जैसे आप टाइटल को या जो बड़े बड़े टाइटल्स होते हैं ना उसे एंट्रांस टेक्स में डाला जाता है पैराग्राफ इंट्रांस टेक्स में नहीं डाला जाता याद रखिए जो बड़े बड़े कंपनी के नाम होते हैं इमेजेस होते हैं बेसिकली उनको डायरेक्टली एंट्रांस में डाला जाता है याद रखिए हमेशा ये चीज़ एंट्रांस में एंट्रांस में मतलब जो स्लाइड के ऊपर पहले रहेगा नहीं वो बाहर से इन होगा स्लाइड के अंदर कैसे तो अभी आपको पता है कि यहाँ पे ये यह शेप और ये टेक्स्ट अलग अलग है तो दोनों को एनिमेशन मुझे एक साथ देना है तो इसे शेप को सिलेक्ट करो शिफ्ट बटन प्रेस करके इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करो राइट दोनों सिलेक्ट किया अब हम एनिमेशन टैब में जाएंगे और मैं यहाँ पे एंट्रांस एनिमेशन देना चाहूँगा एंट्रांस एनिमेशन यहाँ से मैं अप्लाई कर सकता हूँ ये दिखाई दे रहा है आपको बहुत सारे एनिमेशन है लेकिन यहाँ पे अप्लाई करते ही अप्लाई हो जाता है प्रीव्यू नहीं दिखता है तो मैं मोर एंट्रांस में जाऊँगा ये मोर वाला ही ऑप्शन मैं प्रीफर करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहे हैं ना ये ऑप्शन ये ऑप्शन आपको इसमें भी दिखाई देंगे लेकिन इसमें जाने के बाद आपको प्रियू दिखाई देता है तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है तो इसीलिए आपको पहले इधर से ही उठाने ये चारों ऑप्शन ऊपर दिख रहे हैं आपको वही इधर से भी आप एक्सेस कर सकते हैं तो मोर एंट्रांस में जाइए और यहाँ पे आपको प्रियू इफेक्ट पे क्लिक रखना है प्रियू इफेक्ट इस पर क्लिक रखना है फिर आप एक एक का इफेक्ट देख सकते हैं कि भाई कैसे आएगा ये बॉक्स टाइप कैसे आएगा रैंडम बास कैसे आएगा एक्सपांड कैसे आएगा आपको जो भी आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे फ्लोटिंग फ्लोट अप राइज अप जो भी है एग्जाम्पल के लिए मैं अभी इसे ले रहा हूँ ये थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है डिसेंट ही देना है मुझे एकदम घुमा फिरा के नहीं लाना है जैसे ये स्पिनर बहुत घूम घूम के लेके आता है तो मैं इसे फ्लोट देता हूँ एकदम डिसेंट ओके जैसे मैंने ये दिया और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक एनिमेशन अप्लाई हो चुका है और ये मैं क्लोज करता हूँ फॉर्मेट बैकग्राउंड और यहाँ पे एनिमेशन देते समय आपको एक एनिमेशन पेन टैप या ऑप्शन बोल सकते हैं इसे आपको क्लिक रखना है ताकि आपने जो एनिमेशन अप्लाई किया है उसका नंबर और साइड में एनिमेशन भी दिखाई देगा अब आप एफ आई कीजिए यहाँ पे ऑटोमेटिक है तो एनिमेशन आ जाएगा देखिए अभी दिखाई दे रहा है लेकिन क्या हो रहा है कि स्किल कोर्स टेक्स पहले आपको नहीं दिख रहा था बाहर से एंट्री मार रहा है लेकिन ये तो पहले से आपको दिखाई दे रहा है ना सारी चीज़ें तो ये क्या कर रहा हूँ मैं इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ इसे भी एनिमेशन में देता हूँ कि भाई स्किल कोर्स रन होने के बाद इसका एनिमेशन आना चाहिए तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मोर एंट्रांस में जाऊँगा और इसे भी मैं इंट्रांस देता हूँ बिप राइट ये आना चाहिए उसके बाद इमेज आना चाहिए तो इमेज को भी मैं इंट्रांस ही देता हूँ ताकि ये भी बाहर से इन हो जाए एक के बाद एक यहाँ पे मैं इस इमेज को बाउंस दे के देखता हूँ नहीं ये थोड़ा सा ज़रा यही लग रहा है राइज अप भी ठीक है स्पिनर नहीं घूम रहा है ये ज़्यादा जूम वाला देता हूँ नॉर्मल जूम ओह दिस वन इज़ गुड ओके अब यहाँ पे आप एफ आई कीजिए वन टू थ्री एनिमेशन एफ आई वन टू थ्री इंटरेस्टिंग राइट इंटरेस्टिंग एनिमेशन आ गया और ये तुरंत स्लाइड चेंज हो गया क्योंकि हमने टाइमर लगाया वहाँ पे तो ये एनिमेशन कैसे आ रहा है आपको समझ में आ रहा है इंट्रांस वन बाय वन पहले इसको मैंने प्रेजेंट किया बाद में इसको बाद में इसको प्रेजेंट किया अब आपको लगता है कि यार इसको प्रेजेंट करने के बाद इसको एक और एनिमेशन देना है इस ऐप को मुझे क्या करना है थोड़ा सा और हाईलाइट करना है तो इसको दो एनिमेशन अगर देने हैं तो आप यहाँ से नहीं दे सकते इधर एनिमेशन से आपको एड एनिमेशन में जाना पड़ेगा एक शेप को मल्टीपल एनिमेशन देने के लिए एड एनिमेशन एन तो एनिमेशन में जाओ और अब अब इंट्रांस में से नहीं दोगे एंट्रांस में से एक पहला एनिमेशन एंट्रांस में से रहेगा अगर आपको उसे बाहर से अंदर लेना है तो तो राइट right? तो पहला एनिमेशन एंट्रांस करेगा और दूसरा अगर उसे देना है तो वो आप इंपेसिस में से दे सकते हैं या फिर आप उसे बाहर निकालना चाहते हैं स्लाइड के तो एग्जिट में से दे सकते हैं या फिर आप उसे मूवमेंट देना चाहते हैं यहाँ से इधर शिफ्ट करना चाहते हो तो आप उसे मोशन पाथ से दे सकते हैं तो ये चीज़ें याद रखो यार मोशन मतलब क्या होगा इधर से उधर शिफ्ट होगा मूव करेगा वो ऑब्जेक्ट को और एम्पैस मतलब वो जगह पर ही कुछ उसको एम्पैसिस करेगा मोर एम्पैसिस में जाते हैं देखते हैं क्या होता है प्रीव्यू देखते हैं ये जगह पर ही उसको घुमाएगा ये नहीं ये ऐसा बड़ा करेगा जगह पे अगर आपको लगता है कि उस पर फोकस होना है तो बड़ा कर सकते हैं उसे ट्रांसपेरेंट करेगा ये थोड़ा सा ये देखो ये प्लस ये ठीक इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे लाइट थोड़ा सा दिख रहा है ये डार्क करेगा थोड़ा सा हाँ ये एक ठीक है डार्क करेगा देखिए दिखाई दे रहा है तो ये नॉर्मल एनिमेशन लेकिन वो डार्क कर रहा है उसको जो इमेज है उसकी है ना उसको डार्क कर रहा है ये बैकग्राउंड कर रहा है ये डिसचूरेट कर रहा है अलग अलग चीज़ें तो या पे ये ब्लिंक कर रहा है तो मैं ये देना चाहता हूँ चलो ठीक है या फिर टीटर भी ठीक है ये इसको हिलाएगा राइट ओके टीटर दे दिया एफ अब आप देख लीजिए पहला एनिमेशन आ चुका है स्किल को दूसरा एनिमेशन आ चुका है उसका सब टाइटल का और तीसरा देखिए ओ हो राइट तो इस तरह से ये आप मल्टीपल भी दे सकते हैं तो एंट्रेंस एनिमेशन के बाद इंपेसिस देना ठीक है अब आपको सपोज इस स्लाइड पे एनिमेशन देना है तो इस स्लाइड पे आपको लगता है कि यार मुझे एंट्रांस देना ही नहीं है वही टेक्स्ट को यहाँ पे पढ़ने के लिए रखने देना है क्योंकि ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है इसमें एंट्रांस तो देखिए मतलब टेक्स्ट आने के लिए बहुत टाइम लगेगा फिर बोर हो जाएगा आदमी तो आपको करना क्या इस इमेज के ऊपर थोड़ा सा आपको एनिमेशन देना है आपको लगता है तो इस टेक्स्ट को ऐसे रखो इमेज के ऊपर देना है तो आप उसे एम्पेसिस दे सकते हैं इसको भी एंट्रांस नहीं देना है मुझे एम्पैसिस देना है तो एड एनिमेशन से पहला एनिमेशन आप एड एनिमेशन से भी दे सकते हैं या यहाँ से भी दे सकते हैं कोई इशू नहीं बट दूसरा एनिमेशन देना है तो आपको एड एनिमेशन कंपलसरी लेना है तो यहाँ पे मैं इसे कॉम्प्रेस नहीं बेसिक जूम ये सॉरी एंट्रांस में ले रहा हूँ मैं एम्पैस देना चाहता हूँ मोर एम्पैसिस और मोर एम्पैसिस में मैं डारकन लेना चाहता हूँ डारकन में नहीं ठीक दिख रहा है ये नहीं कुछ रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ट्रांसपरेंसी ट्रांसपेरेंट हो रहा है नहीं लाइन कलर भी नहीं ये ठीक है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है और इतना ज़्यादा भी ग्रो नहीं चाहिए अपने को वो थोड़ा इमेज छोटा रहता तो अलग बात है मैं इसे ग्रो कर लेता हूँ कलर प्लस कर देते चलो ठीक है इस बार ओके या फिर ये वाला ठीक है ये नहीं दिया था ये कर देते चलो अब आप देखो एफ कर लो ऑटोमेटिक चलते रहेगा मैं यहाँ पे कुछ प्रेस नहीं करूँगा क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांजिशन हमने सेट किया तो टाइमिंग भी ऑटोमेटिक है ये देखिए चौथा एनिमेशन अभी यहाँ पर देखिए राइट तो यहाँ पे वो टेक्स्ट रहेगा और इधर ये एनिमेशन चालू रहेगा तो आप ऐसे एनिमेशन देना है याद रखिए आप मोशन पाथ भी दीजिए आप एग्जिट भी दीजिए एग्जिट का भी दीजिए आपको किसी चीज़ को बाहर हटा देना है आपको तो लगता है कि यार उसे हटा देना है मुझे ये डॉट्स को हटा देना है इन डॉट्स को तो इन्हें सेलेक्ट कीजिए सबको शिफ्ट बटन प्रेस करके आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं आपको इन्हें स्लाइड से बाहर हटा देना है एनिमेशन के दौरान तो यहाँ पे जाइए और एग्जिट मोर एग्जिट पाथ में जाकर देख लीजिए कैसे आप इसे हटा सकते हैं या अलग अलग तरीके से यहाँ पर हट रहा है ये देखिए राइट आपको दिखाई दे रहा है वो मिट रहा है पूरा पूरा जो अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हैं ओके ये अरे वाह बाउंस होके जा गायब हो रहा है पिन व्हील फ्लोट ये मैं देता हूँ यहाँ पे देखिए फ्लोट अप ये फ्लोट अप मैं दे रहा हूँ ओके okay कर रहा हूँ लेकिन ये फ्लोट अप नहीं चाहता हूँ मैं मैं इस फ्लोट अप की जगह इफेक्ट ऑप्शन में जाऊँगा और फ्लोट डाउन ये देखिए मतलब यहाँ पे इफेक्ट भी मिलते हैं आपको ये याद रखिए इफेक्ट तो जो भी आपने अप्लाई किया उसे फ्लोट अप करना है तो ऊपर जाएगा फ्लोट डाउन मैं करना चाहता हूँ तो ये जाएगा अगर आप एफ आई प्रेस करते हो इसे देखते हो मैं डायरेक्टली उस स्लाइड पे लेके जाता हूँ आपको मैं डाउन एरो प्रेस करके फटाफट जाता हूँ यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम ये देखिए ये गायब हो गए डॉट्स तो इस तरह से अगर आप देना चाहते तो आप अप्लाई कर सकते तो एनिमेशन मैंने आपको समझाया ये क्रैश कोर्स में बहुत सारी चीज़ें मैंने पे बताने की कोशिश की लेकिन पावर पॉइंट इतना ही नहीं है पावर पॉइंट में बहुत सारे इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाए जा सकते हैं एसनो टाइप का एक एक्शन एक बटन का प्रेजेंटेशन बनाया जाता है जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया था और मेरे कोर्स में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की मैंने तो अगर आप इंटरेस्ट हो तो कोर्स जरूर चेकआउट कीजिए जो मेरे ऐप के ऊपर अवेलेबल है बेनिफिट क्या है बेसिकली आपने यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें सीखी लेकिन ऐप का बेनिफिट विदाउट एडवर्टाइजमेंट कोर्स है आप जब चाहिए तब वीडियो देख सकते हैं रिपीटेड देख सकते हैं इन ऐप वीडियो डाउनलोड ऑप्शन है डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा और ढेर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है तो इंटरेस्टेड तो ज़रूर चेकआउट कीजिए ऐप आपके मोबाइल में रहना चाहिए भैया और ये डेस्कटॉप पर भी वीडियो देख सकते हैं आप स्किल वेबसाइट पर जी हाँ तो इतने सारे फीचर्स आपको जो मिल रहे हैं तो ज़रूर चेकआउट कीजिए ये ऐप का तो प्रमोशन मैंने स्लाइड के दौरान ही आपको बता दिया ये स्लाइड मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे रहा हूँ ताकि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो सारी फाइल प्रैक्टिस के लिए वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस सारी फाइल प्रैक्टिस के लिए आपको मिलने वाली है तो अभी नेक्स्ट एक्सेस की तरफ हम बढ़ने वाले हैं तो भाई माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो आपने चलो कंप्लीट कर लिया अब सर्टिफिकेट के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है मतलब जो सर्टिफिकेट आपको लेना है कोर्स कंप्लीशन का जब आप फॉर्म भरोगे जैसे आप सबमिट करोगे आपको एक एग्जाम की लिंक वहां पर मिलेगी उस एग्जाम लिंक पे जब आप टैप करोगे तो वहां पर आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करना है अब वो मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जो आपने एप्लीकेशन के ऊपर लॉग किया याद रखिए वही मोबाइल नंबर से आप लॉग कर सकते हैं फॉर्म में जो नंबर भरा है वही मोबाइल नंबर से आप लॉग कर सकते हैं तो आप उस मोबाइल नंबर से लॉग कीजिए और लॉग करते ही आपके सामने सवाल आएंगे सवाल के जवाब आपको देने हैं यहाँ पे लगभग पंद्रह सवाल मैंने रखे हैं आपका नॉलेज चेक करने के लिए जैसे इन सवालों के जवाब आप करेक्ट देते हो तो फिर आपको मिलेगा यहाँ पे सर्टिफिकेट अब आपका सवाल रहेगा कितने सवाल करेक्ट होने चाहिए एटलीस्ट आपके सवाल के जवाब करेक्ट होने चाहिए और जैसे आप फोर्टी परसेंटेज कंप्लीट कर लेते हो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा लेकिन जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे तो उसके बाद आपको नाम वगैरह भी एंटर करना पड़ेगा नाम एंटर करते एग्जाम चालू हो जाएगी एग्जाम देते आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए ऑप्शन मिलेगा जी हाँ एग्जाम देते ही आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड आएगा और डाउनलोड सर्टिफिकेट टैब मिलेगा वहां से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट के ऊपर आपको फोटो खुद से लगाना होगा बाकी सारी चीजें तो हमने दिया है सर्टिफाइड हमारा रेगनाइज वगैरह सब कुछ रहेगा लेकिन फोटो और सिग्नेचर आपको खुद से करना होगा प्रिंट आउट निकाल के ये सॉफ्ट कॉपी आपको मिलने वाली है राइट तो प्रिंट आउट निकालो आप एक हार्ड hard... पेपर पे पर और उसके ऊपर आप सिग्नेचर कर लो और अपना और फोटो लगा दो सो so, ये था सर्टिफिकेट लेने का पूरा प्रोसेस लेकिन अभी यहाँ पे प्रोसेस तो हमारे सर्टिफिकेट का मैंने बताया क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पर ज़्यादा सवाल उसमें इंक्लूड है अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आपको सीखना ज़रूरी है डेटा मैनेजमेंट के लिए तो चलिए उसे भी हम शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेस को तो दोस्तों हमें सीखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर डेटा एंट्री कैसे करते हैं तो उसके लिए पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें शुरू करना पड़ेगा हमारी कंप्यूटर के ऊपर तो आप शुरू कैसे करेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है विंडोज सेवन यूज कर रहे तो स्टार्ट बटन ही आता है लेकिन अलग तरीके से आता है तो वहाँ पर जो सर्च बॉक्स आता है उसमें कर्सर रखिए और टाइप कीजिए एक्सेस क्या टाइप करना है आपको एक्सेस टाइप करना है ये तरीके से आप एक्सेस स्टार्ट कर सकते हैं ऊपर प्रोग्राम में आ जाता है राइट तो एक्सेस पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से एक्सेस ओपन हो जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्ट करते आपके सामने ये वेलकम स्क्रीन आ जाती है दोस्तों जिसमें आपको दिखाई दे रहा है होम न्यू ओपन वगैरह ऑप्शन लेकिन हमें जाना कहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं हमें जाना है ब्लैंक डेटाबेस इस ऑप्शन पे जो मैं फोकस करके आपको बता रहा हूँ ब्लैंक डेटाबेस बेस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप इसे क्लिक करोगे आपके सामने आ रहा है ब्लैंक डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहते हो आप क्योंकि वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर फाइल हम डायरेक्टली बनाते हैं और बाद में सेव करते समय नाम आता है यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम पूछा जाएगा कि भाई आप अपने एक्सेस फाइल को क्या नाम देना चाहते हो जिसमें जो डेटाबेस आप बनाने वाले हो उसका क्या नाम आप रखना चाहते हो और उसका एक्सटेंशन रहेगा एक्सेस डेटाबेस डॉट ए डबल सी डी बी राइट तो इसका नाम मैं रखना चाहता हूं इंप्लॉय डिटेल्स आप जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं इंप्लॉय डिटेल्स मैं इसमें क्रिएट करना चाहता हूँ मैंने इंप्लॉय डिटेल्स ये टाइटल दे दिया देखिए ये मैं जो एक्सेस यूज कर रहा हूं ये एक्सेस 2016 है मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके लिए ये इस तरह का लेआउट आ रहा है आप पुराना वर्जन भी यूज कर रहे हो तो भी उसमें लेआउट थोड़ा सा अलग आ जाता है बट ब्लैंक डेटा भी ऑप्शन आएगा इस तरह से लिख के आएगा आपको कि फाइल का नाम दो और क्रिएट बटन क्लिक करो मतलब खाली लेआउट चेंज होता है लेकिन यही सारी चीजें आपको करनी पड़ती है तो जैसे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा आपके सामने एक टेबल वन करके यहाँ पे टेबल दिखाई देगा एक्सेल की तरह लेकिन एक्सेल की तरह इसमें डेटा एंट्री नहीं करते वही तो हमें सीखना है कि एक्सेस में डेटा एंट्री कैसे होती है राइट right? तो यहाँ पे टेबल वन आएगा और आपका एक मेनू डायरेक्टली एक्टिवेट होगा टैब हम बोल सकते हैं इसे फील्ड स्टैब एक्टिवेट होगा और फील्ड टैब में आपको यहाँ पे लेफ्ट में व्यू मिलेगा व्यू में दो व्यू हमें मिलते हैं देखिए डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू जो टेबल हमने सिलेक्ट किया हुआ

टेबल को पहले डिजाइन करना पड़ता है ध्यान से सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूँ एक्सेस के अंदर अगर डेटा एंट्री करना है तो पहले टेबल डिजाइन होना चाहिए टेबल डिजाइन होने के बाद आप उसमें डेटा एंट्री कर सकते हैं जब आपको डेटा एंट्री करना है तब हमें इस व्यू की जरूरत पड़ेगी शीट व्यू की लेकिन सबसे पहले हमें टेबल को डिज़ाइन करना पड़ेगा अब ये टेबल डिजाइन करना मतलब क्या आपने ये पहली बार ही सुना होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में तो ऐसा होता ही नहीं गूगल शीट या एक्सेल में ऐसा होता ही नहीं है बट एक्सेस में ऐसा क्यों है टेबल डिजाइन करना मतलब क्या है तो मैं यहाँ पे अगर डिजाइन व्यू पे क्लिक करूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे व्यू से डिजाइन व्यू कर सकता हूँ या फिर टेबल के ऊपर मैं राइट right क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पे टेबल का थमनिलल व्यू आ रहा है राइट ये जो टेबल है उसी का थर्मनिल व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मैं इस टेबल पर राइट क्लिक करूंगा और राइट right क्लिक करने के बाद भी मुझे ये डिजाइन व्यू दे रहा है राइट यहाँ से भी मैं डिजाइन व्यू ले सकता हूँ और मैं व्यू में जाकर यहां से भी डिजाइन व्यू ले सकता हूं टेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो पूछ रहा है कि भाई टेबल वन का नाम टेबल वन ही रखना चाहते हैं या फिर कुछ और रखना चाहते हैं तो मैं इंप्लॉय की डिटेल्स भर रहा हूं इंप्लॉय डेटा भी से मेरा ये तो इंप्लॉय डिटेल्स के लिए मैं नाम लिख रहा हूँ कि कंपनी का सपोज लर्न मोर इंप्लॉय डिटेल्स लर्न मोर इंप्लॉय डिटेल्स मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ लर्न मोर एम्प्लॉय डिटेल्स राइट ये यहां पे मैंने नाम दे दिया और मैं भी इसे ओके करना चाहता हूँ इतना बड़ा नाम दे दिया मैंने फिलहाल आप छोटा भी नाम दे सकते हैं लर्न मोर इंप्लॉय डिटेल्स यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया लर्न मोर इम्प्लॉयज़ करके ऐड कर दिया तो भी चलेगा तो यहां पे ये टेबल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है जैसे आपने इस टेबल को डिजाइन व्यू में ले लिया वैसे नाम पूछा गया नाम दे दिया आपने उसको क्योंकि डिफॉल्ट नेम टेबल वन आ रहा था तो आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो पूछ रहा है कि क्या नाम से सेव करना चाहते हैं आप टेबल वन रखेंगे तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आप अपना खुद का कंपनी का नाम वगैरह ऐड कर सकते हैं सो लर्न मोर इंप्लॉय डिटेल्स मुझे यहाँ पे ऐड करनी है लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है सबसे पहले फील्ड नेम और डेटा टाइप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सबसे पहले इन दोनों चीजों को हमें समझना है फील्ड नेम और डेटा टाइप होता क्या है और कैसे ऐड करते हैं फील्ड नेम यानी कॉलम के नेम जिसका डेटा हमें इंटर करना है मतलब जो डेटा हमें इंटर करना है उसके कॉलम के हेडिंग्स को हम फील्ड नेम बोलेंगे याद रखिए फील्ड नेम मतलब कॉलम हेडिंग राइट सिंपल है जैसे कि मुझे इंटर करना है इंप्लॉय डिटेल्स तो इंप्लॉय का नंबर मेरे लिए फील्ड नेम हो गया एम्प्लॉय का नाम फील्ड नेम हो गया एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ इंप्लॉय की सैलरी ये सारे मेरे लिए फील्ड नेम हो गए तो वो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा लेफ्ट साइड में कहाँ पे ऐड करना है देखिए मैं लेट करके दिखा रहा हूँ फील्ड नेम यहाँ पे ऐड करूंगा और डेटा टाइप कहाँ पे ऐड करना है राइट साइड में अब ये फील्ड नेम के लिए डेटा टाइप क्यों ऐड करना है ये मैं समझाने वाला हूँ डिटेल में पहले देखिए इसे समझ लीजिए तभी तो आप एक्सेस में डेटा एंट्री कर पाएंगे याद रखिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है तो दोस्तों सबसे पहले अभी मैं फील्ड नेम आई की जगह यहाँ पे इंप्लॉय आई डी करूंगा लेकिन इम्प्लॉय आईडी लिखते समय मैं बिल्कुल स्पेस नहीं दूंगा याद रखिए एक्सेस के अंदर हेडिंग में स्पेस नहीं चलता यानी कि कॉलम हेडिंग जो आप देने वाले हो उसके लिए स्पेस यहां पे नहीं चलेगा आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं स्पेस की जगह यहाँ पे इंप्लॉय आईडी राइट इस तरह से आप लिख सकते हैं बिना स्पेस का आपको लिखना है उसके बाद आप टैब बटन प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वाले कॉलम में आ जाओगे और यहाँ पे आपको डेटा टाइप दिखाई दे रहा है डेटा टाइप में मैं क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन यहाँ पे मिल रहा है कि भाई इंप्लॉय आई के लिए आप कौन सा डेटा टाइप देना चाहते हैं ये एक्सेस पूछ रहे हैं आपको शॉर्ट टेक्स देना चाहते हैं लॉन्ग टेक्स देना चाहते हैं नंबर देना चाहते हैं लार्ज नंबर डेट और टाइम ये बहुत सारे डेटा टाइप आ रहे हैं लेकिन अब इसके लिए क्या इंप्लॉय आई डी क्या रहता है नंबर रहता है बेसिकली आप इसे नंबर भी ले सकते हैं लेकिन मैं ऑटोमेटिक नंबर लेना चाहता हूँ ऑटोमेटिक नंबर आ जाए वन टू थ्री फोर इसलिए मैं इसे ऑटो नंबर रखूंगा मैं इसे नंबर नहीं लूँगा क्या लूँगा ऑटो नंबर लूँगा याद रखिए ऑटोमेटिक नंबर वहाँ पर आते जाएंगे अब ये पहला डेटा टाइप ठीक है मैंने सिलेक्ट किया एम्प्लॉय आई के लिए प्रॉपरली और मैंने टैप बटन प्रेस करके नेक्स्ट रो में यहां पे जंप किया टैप बटन प्रेस करके नेक्स्ट रो में आप आ जाओ यहां पे मैंने लिखा एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय नेम ऐसा नहीं लिखना है सॉरी एम्प्लॉय नेम नेम एम्प्लॉय और मैं टैप बटन प्रेस करूंगा और यहां पे आ रहा है कि इसके लिए आप क्या डेटा टाइप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या ले सकते हैं इसमें क्या टाइप होने वाला है इसमें नंबर नहीं टाइप होने वाला है इसमें टेक्स्ट टाइप होगा लॉन्ग टेक्स्ट मतलब पैराग्राफ तो नहीं टाइप करना है छोटा सा है नाम रहेगा तो शॉर्ट टेक्स्ट आप इसके लिए ले सकते हैं तो देखिए आपकी कॉलम की हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें डेटा टाइप लेना पड़ेगा मतलब आपके कॉलम में कौन सा डेटा आप एंटर करने वाले हो उसका डेटा टाइप आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एक्सेस को बताना पड़ेगा कि भाई इंप्लॉय नेम में हम टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप एंटर करेंगे और वो शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा ये एक्सेस को हमें पहले बताना पड़ेगा दोस्तों तभी तो समझ में आएगा अब मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ इसे समझने के लिए डेटा टाइप को सपोज आप मार्केट में जाते हो सब्जी लेने के लिए ले, या केले लेने के लिए ले, तो आप केले वालों को क्या बोलते हैं एक किलो केले दे दो ऐसा तो नहीं बोलते ना भाई वो बोलेगा यार पागल हो गए क्या भाग इधर से या फिर आप टीवी के शोरूम में जाते हो या कोई भी शोरूम में जाते हो जैसे मतलब जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है तो वहाँ पे आप बोलते हो कि 10 किलो फ्रिज दे दो ऐसा होता है क्या नहीं है या फिर एक किलो टी दे दो तो आप वहाँ पर बोलोगे क्वान्टिटी में मतलब एक टी वी दो टी ऐसा लेना है राइट वहाँ पर आपको एक एग्जैक्टली exactly उसका यूनिट पता है कि भाई टी नंबर में काउंट किया जाता है केले डजन में काउंट किया जाता है एक किलो केले नहीं होते डजन में बोला जाता है राइट right? एक किलो एप्पल हो जाता है तो वहां चीज़ें होती है कुछ चीजें नंबर्स में होती है ये उसका यूनिट ऑलरेडी डिफाइन किया गया है उस डेटा के लिए पर्टिकुलर उस चीजों के लिए यूनिट डिफाइन किया गया है तो वैसे ही हमारे कॉलम के अंदर कौन सा डेटा हमें रखना है उसको हमें पहले ही एक्सेस को बताना होगा कि भाई इस कॉलम के लिए शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप यहाँ पे एंटर होगा तो एक्सेस आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ यहाँ पे टेक्स्ट टाइप होगा यहाँ पे नंबर नहीं लेना है राइट बेसिकली ऑटो नंबर अगर मैंने ऊपर दिया है एम्प्लॉय आई में तो वहाँ पे टेक्स्ट नहीं टाइप होगा ऐसे ही वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा मतलब आपने उसे असाइन कर लिया है पहले डेटा टाइप में तो उसके बाद वो अगर डेटा uh, एंट्री वाले से गलत डेटा एंट्री होता है तो वहाँ पर एरर थ्रो करता है अगर आपने लिया है डेट ऑफ बर्थ में डेट एंड टाइम और डेट एंड टाइम की जगह आपने कोई और दूसरा नंबर डाल दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा एक्सेस के अंदर इसीलिए डेटा टाइप हमें प्रॉपर देना अप्रोप्रेट डेटा टाइप देना बहुत जरूरी होता है अब आप बोलोगे हमें डेटा टाइप समझ में आएगा कॉमन सेंस यार दोस्तों कोई भी अगर आप नेम ले लो तो क्या होगा उसमें वो आपको पता है आप फोटो लोगे तो उसमें क्या इंटर होगा मैं आपको डेटा टाइप भी बताने वाला बहुत सारे किसके लिए क्या होते हैं तो बेसिकली डेटा एंट्री एक्सेस में कैसे करना है वही तो हम सीख रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि फील्ड नेम होता क्या है और डेटा टाइप क्या होता है हम अभी टेबल को डिजाइन कर रहे हैं कि भाई हमारे टेबल में कौन कौन से कॉलम रहेंगे और उस कॉलम के लिए क्या क्या डेटा टाइप होगा उसमें कौन से टाइप का डेटा हम इंटर करेंगे वो हम यहाँ पे बता रहे तो उसके बाद मैं पे ले रहा हूं सिटी तो मैं यहाँ पे इंप्लॉय की सिटी लेना चाहता हूँ तो सिटी के लिए यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट में रखना चाहता हूँ उसके बाद यहाँ पे एक और कॉलम आ रहा है जिसके बारे में मैंने अभी बताया नहीं ये डिस्क्रिप्शन होता है अगर इस डेटा टाइप के बारे में आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप इस डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट हर एक कॉलम के लिए हम डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते बैठेंगे तो यहाँ पे मैंने सिटी लिया है ओके okay. सिटी के बाद मैं ले रहा हूं डेजिग्नेशन तो एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन क्या है वो मुझे यहाँ पे ऐड करना है डेजिग्नेशन मैंने यहां पे ऐड कर दिया शॉर्ट में डी एस जी लिखेंगे तो भी चलेगा उसके बाद शॉर्ट टेक्स्ट में नहीं रखूंगा अब बोलोग शार्ट टेस्ट ही आएगा डेजिग्नेशन में मैनेजर सुपरवाइजर क्लर्क वगैरह आता है शॉर्ट टेक्स्ट आता है लेकिन डेजिग्नेशन में कुछ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन फिक्स होते हैं मतलब चार पांच डेजिग्नेशन मैनेजर क्लर्क पीओ एन वगैरह वगैरह ऐसे तो हमें क्या करना है उनको ऐड करना है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ ताकि मेरा डेटा एंट्री स्मार्ट तरीके से हो फास्ट तरीके से हो डेटा एंट्री स्मार्ट

यहाँ पे ये पहला ऑप्शन आ रहा है लेकिन हमारे दूसरे टेबल में अगर हमारे पास लिखा गया है लिस्ट जो कि हमें चाहिए डेजिग्नेशन की लिस्ट लिखी है तो हम यहां से ले सकते हैं इस ऑप्शन से पहला ऑप्शन नहीं लेंगे आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वॉन्ट ये सेकेंड लेंगे क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए हमारे कॉलम के अंदर वो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए तैयार करेंगे टाइप करेंगे राइट तो उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए ड्रॉप डाउन के लिए फिलहाल एक ही चाहिए तो वहाँ पे वन ही रखो और नीचे कर रखे यहाँ पे टाइप करो कि इस कॉलम में आप क्या क्या लेना चाहते हैं कैपिटल में रखना चाहते हैं कैपिटल में अभी कैपिटल ही कर रहा सपोज चलो मैनेजर सुपरवाइजर क्लर्क अकाउंटेंट इस तरह से आप डेजिग्नेशन ऐड कर सकते पी वन जितने भी डेजिग्नेशन से वो आप यहाँ पे एक के बाद एक ऐड करते जाइएगा और उसके बाद आपको करना क्या है नेक्स्ट बटन पे क्लिक राइट right? नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है देखिए ये जो मैंने लिस्ट तैयार की आप जितनी चीज बड़ी लिस्ट तैयार कर सकते हैं ये दूसरे टेबल से भी ली जा सकती है लेकिन फिलहाल मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने लिस्ट टाइप करके आपको दिखाई अगर आपके पास दूसरे टेबल में पड़ी तो वहाँ से भी ली जा सकती है इसके लिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको दिया गया है ये वाला ऑप्शन आई वॉन्ट द लुक ऑफ फील्ड टू गेट वैल्यूज फ्रॉम अनादर टेबल ये वाला राइट फिलहाल आई विल टाइप वैल्यूज दैट आई वॉन्ट ओके यहाँ पे मैंने टाइप की और मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है वॉट लेबल वुड यू लाइक फॉर यो लुकअप फील्ड आपकी लुक फील्ड के लिए कौन सा लेबल चाहिए मैं डेजिग्नेशन ही रखना चाहता हूँ लेबल का नाम मैं इसे फिनिश कर दूंगा फटाफट फिनिश कर दो अभी डेजिग्नेशन जब आप यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको जनरली क्या दिखा रहा है शॉर्ट टेक्स दिखा रहा है नो प्रॉब्लम इसमें लुक ऑफ विजार्ड ऐड हो चुका है आप टैप करके आगे आइए राइट बिंदास आइए मैं कह रहा हूँ ना बिंदास आइए तो आइए ओके okay, सो so यहाँ पे डिपार्टमेंट ऐड करना है तो मैं डिपार्टमेंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट के लिए कौन सा डेटा टाइप रहेगा अगेन मैं इसके लिए वही लूंगा दोस्तों लुकअप विजार्ड दिखाई दे रहा है आपको लुकअप विजार्ड आप डिपार्टमेंट एड करोगे भाई डिपार्टमेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट ले लो पर्चेस डिपार्टमेंट ले लो पर्चेस डिपार्टमेंट ले लो अकाउंट ले लो एडमिन ले लो इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट लेके आप इन्हें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके फिनिश कर दीजिएगा तो इस तरह से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है चलिए ये आपको पता चल गया है उसके बाद यहाँ पे इंप्लॉय की सैलरी अगर आपको ऐड करनी तो सैलरी यहाँ पे क्या रहेगी दिखाई दे रहा है सैलरी में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में फिर से जाना है और देखना है कि क्या क्या है सैलरी के लिए हम करेंसी ऐड कर सकते हैं right? राइट अब डीओ डेट ऑफ बर्थ इम्प्लॉय का ऐड करना है डीओ मैंने लिखा है तो उसके लिए आपको क्या मिलता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखिए डेट एंड टाइम ये वाला लीजिए डेट एंड टाइम ओके एक्सटेंडेड में वहां पे डेट एंड टाइम एक्सटेंड भी कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में फिलहाल ये डीओवी नॉर्मल लीजिए डेट एंड टाइम और उसके बाद एम्प्लॉय का जेंडर आप लेना चाहते हैं जेंडर में जाइए और जेंडर में यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और इसमें आप शॉर्ट टेक्स भी ले सकते हैं लेकिन आप लेना चाहते हैं तो लुकअप विजार्ड भी, भी ले सकते हैं जिसमें आप क्या क्या ऐड करना है आपको पता है आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वॉन्ट नेक्स्ट बटन पर क्लिक करो और जेंडर में हमें यहाँ पे टाइप करना होगा मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर राइट ओ ओ इस तरह से और ट्रांसजेंडर भी ऐड कर दीजिए ट्रांसजेंडर राइट ओके और कोई जेंडर है तो वो भी ऐड कर दीजिए राइट नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए वो तो नहीं है फिलहाल फिनिश बटन पे क्लिक कीजिए तो आपको ये भी समझ में आया डी कैसे ऐड करना है जेंडर कैसे ऐड करना है बेसिकली उसके बाद इम्प्लॉय का आधार कार्ड हमें यहाँ पे लिंक करना है और फोटो भी उसका लिंक करना है मतलब आधार कार्ड यहाँ पे ऐड करना है तो आधार कार्ड ऐड करने के लिए यहाँ पे तीन चीजें आपको मिलती है एक ऑयली ऑब्जेक्ट मिलता है एक हाइपर लिंक मिलता है एक अटैचमेंट मिलता है आप किस तरह से ऐड करना चाहते हो वो आपके ऊपर है फिलहाल मैं आपको देखा कि ऑयली ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ आधार कार्ड के लिए ऑयली और ये तीनों भी चीजें चलती है जो फोटो कॉपीज रहती है जैसे आपने आधार कार्ड लिया इंप्लॉय का पैन कार्ड भी आपको लेना है सो so, पैन कार्ड आपने यहाँ पे डाल दिया पैन कार्ड और पैन कार्ड के लिए आपको क्या करना है मैं यहाँ पे अटैचमेंट लेता हूँ सब मतलब अटैचमेंट हर एक के लिए अलग अलग लेता हूं इसके लिए हाइपर लिंक लेता हूँ सपोज और मैं इंप्लॉय का फोटो लेना चाहता हूँ तो फोटो के लिए मैं यहाँ पे अटैचमेंट लेता हूँ तो आप इस तरह से इसके लिए ले सकते हैं तीनों भी चीजें चलती है लेकिन तीनों के अलग अलग डिस्प्ले आते हैं ऑयले ऑब्जेक्ट का अपना अलग यूज है हाइपर लिंक का अलग है अटैचमेंट का अलग है अटैचमेंट में अटैचमेंट दिखाई देगा बस हाइपर लिंक में यहाँ पे लिंक दिखाई देगी और ऑयल

तो एक्सेस में डेटा एंट्री करने के लिए आपको टेबल डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको आना चाहिए टेबल डिजाइन करना भाई कॉलम हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको डेटा टाइप सिलेक्ट करना आना चाहिए और वो हमने कर दिया है यहाँ पे राइट तो टेबल तो हमने डिजाइन करना सीख लिया लेकिन टेबल डिजाइन करने के बाद ऐसे ही इसमें डेटा फिल कर सकते हैं क्या देखते हैं तो इसके लिए हमें करना क्या है हम डिजाइन व्यू में फिलहाल तो हमें टेबल में डेटा भरने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा टेबल में डेटा भरने के लिए यानी फिल करने के लिए डेटा शीट में जाना पड़ेगा सो तो जैसे आप डेटा शीट पर यहाँ पे क्लिक करोगे वो पूछेगा कि भाई इसमें जो आपने डेटा किया है ये सेव करना पड़ेगा ना तो ये सेव करना है बेसिकली तो यस हमें सेव करना है यहां पे हमें इसे सेव करना होगा जब हमें डेटा शीट में वापिस आना है तो तो सेव बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम सिटी डेजिग्नेशन आपको सारी चीजें दिखाई दे रही कॉलम के साइज आप ऐसे बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पे पूरे के पूरे कॉलम आ चुके हैं अब आप डेटा एंट्री के लिए रेडी हो चुके हो यहाँ पे एम्प्लॉय आई में न्यू करके आ रहा है जैसे मैं टैब बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे नाम लिख दूंगा किसी एम्प्लॉय का मैंने नाम लिख दिया सपोज अजय शिंदे किसी भी एम्प्लॉय का नाम लिख दिया यहां पे राइट तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जैसे मैं इंप्लॉय का नाम लिखूंगा इंप्लॉय नंबर वन यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ चुका है यू कैन सी ओ देयर राइट उसके बाद टैब बटन प्रेस करूंगा सिटी सिटी में ऐड कर रहा हूं सपोज मुंबई डेजिग्नेशन के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि हमने बनाई है मैनेजर सुपरवाइजर क्लर्क अकाउंट और पीओन और यहां पे एडिट भी ऑप्शन आ रहा है एडिट लिस्ट ऑफ आइटम्स ये नए वर्जन में आता है याद रखिए पुराने वर्जन में एडिट लिस्ट ऑफ ऑप्शन ऐसा नहीं आता याद रखिए ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें एडिट करने के लिए मुझे ऑप्शन आ रहा है यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो यहां पे मैं और भी एड कर सकता हूं ये नए वर्जन में होता है टू थाउजेंड में मिलेगा आपको पुराने वर्जन में ये ऑप्शन नहीं है अगर आपके पास एक्सेस पुराना है तो ये भी जानकारी मैं आपको दू राइट तो यहाँ पे आप नया कुछ और लिस्ट में एड करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन में डायरेक्ट एड कर सकते हैं फिलहाल हमें यहाँ से इन्हें मैनेजर देना को और डिपार्टमेंट इनका सेल्स और इसके लिए भी ये देखिए एडिट एडिट लिस्ट लिस्ट आ आ चुका है है भाई इसमें भी एडिट लिस्ट आ जाता है। आप यहां पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे मिल जाता है एक छोटा सा ऑप्शन राइट तो कर रहा है कि भाई इसकी सैलरी कितनी है इंडियन सिंबल इंडियन रुपीज आ रहा है लेकिन पुराने वर्जन में रुपीज नहीं आता है तो पुराने वर्जन में इंडियन रुपीज़ यहाँ पे नहीं आता है तो इंडियन रुपीज़ लाने के लिए इंडियन रुपीज़ नहीं ला सकते बेसिकली डॉलर साइन आता है तो डॉलर साइन हटाने के लिए आपको करना क्या होता है वहाँ पे, पे? फील्ड्स में जाना होता है और यहाँ पे करेंसी में आप क्या कर सकते हैं नंबर फॉर्मेट ले सकते हैं देखिए जनरल फॉर्मेट यहाँ से करेंसी फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं जनरल फॉर्मेट आप यहाँ से ले सकते हैं अगर वहाँ पे डॉलर साइन आ रहा है तो वो हटा सकते हैं राइट डॉलर में आप सैलरी नहीं दे रहे हो तो भाई डॉलर साइन जरूरी वहाँ पे ऐड करना उसे हटा सकते हैं फील्ड्स में जाकर वहाँ पे जनरल करके फिलहाल सैलरी ऐड करना मैं भूल गया इनकी सैलरी मैंने दे दी यहाँ पे पचास हज़ार रुपये मैनेजर को और डेट ऑफ बर्थ मैं ऐड करना चाहता हूँ डी ओ बी डी ओ ब के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ डाउन पे और ड्रॉप डाउन पे आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा कैलेंडर आ चुका है क्योंकि हमने डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट एंड टाइम वहाँ पर लिया था तो इसका डेट ऑफ़ बर्थ यहाँ पे आप ले सकते हैं जैसे आपने यहाँ पे सपोज सेलेक्ट कर लिया अब ये दो हज़ार बीस का मतलब एम्प्लॉय हमारा होगा नहीं क्वालिफाई नहीं होगा तो मैंने एक एम्प्लॉय ये ऐड कर दिया और नाइनटीन यहाँ पे 90 ऐड कर दिया चलो इम्प्लॉय के लिए इस तरह से राइट डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दिया मैंने उसके बाद जेंडर जेंडर यहाँ पे क्लिक करना है आपको वैसे ड्रॉपडाउन लिस्ट मिल रही है मेल ऐड कर रहा हूँ मैं और अटैचमेंट देखिए अटैचमेंट यहाँ पे आ रहा है एक बॉक्स uh, आ रहा है इसमें लिंक ऐड होगी और इसमें आ रहा है फोटो राइट right? ऐसे तीन चीजें हैं तो अटैचमेंट के लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है देखिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि इस एम्प्लॉय का मैं आधार कार्ड यहाँ पे अटैच करूँ अगर मेरे पास आधार कार्ड अवेलेबल ये आधार कार्ड के लिए था ना ये पैन कार्ड के लिए फोटो के लिए आधार कार्ड के लिए अटैचमेंट है तो मैं ऐड बटन पर क्लिक करूँगा यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई आधार कार्ड ऐड करो तो क्या होता है कि आधार कार्ड के दो दो कॉपी तो आप मल्टीपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक एक लिंक पे दो दो अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं बेनिफिट होता है क्योंकि आधार कार्ड का फ्रंट और बैक उसने अलग अलग दिया एक साथ नहीं दिया है तो आप दो दो एक साथ लिंक यहाँ पे कर सकते हैं चीजों को राइट दो दो फाइल को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो डेमो के लिए मैं कोई भी फाइल यहाँ पे लिंक कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए दो इमेज यहाँ पे मैं लिंक कर देता हूँ दो इमेजेस मेरे पास कहाँ पे मिलेगी न्यू फोल्डर में पढ़िया यहां पर डेस्कटॉप पर बहुत सारी इमेजेस है इसमें से कोई भी दो इमेज में यहां पर एड कर रहा हूं ओके ये आधार कार्ड के लिए एड कर दिया ऐसा समझ लो ओके सो ना लो कैटिया दो इमेजेस एड हो चुके हैं यू कैन चेक इट आउट आप ऐसे मल्टीपल इमेजेस भी एड कर सकते हैं अटैचमेंट का एक बेनिफिट होता है तो एक्सेस में आप लास्ट डेटा रख सकते हैं यहाँ पे लिंकिंग बहुत अच्छी तरह से होती है और लास्ट डेटा आप यहाँ पे रख सकते हैं ये यह देखिए यहाँ पे अटैचमेंट मिल गई है आप डबल क्लिक करोगे अटैचमेंट यहाँ पे दिखाई देगी और यहाँ पे ओपन भी ऑप्शन दिया है और यहाँ से अटैचमेंट को आप सेवाइज भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये यह खाली लिंक नहीं कर रहा है अटैचमेंट को अटैचमेंट फाइल जब आप करते हो तो इसे आप सेव करते हो कभी भी इस एक्सेस डेटा को तो उसके साथ ये अटैचमेंट भी ऐड होती है उन्हें आप द्वारा सेव भी कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड दिया है उसके ऊपर यहाँ पे राइट right क्लिक करना है अभी देखिए पैन कार्ड पे राइट right क्लिक इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे हाइपर लिंक है आपको कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना लेकिन राइट right क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाइपर लिंक ऑप्शन मिलेगा और वो बोलेगा कि हाइपर लिंक क्या करना है आपको हाइपर लिंक एडिट करना है हाइपर लिंक रिमूव करना है तो पहले हमें यहाँ पे, पे कुछ भी तो नहीं है हाइपर लिंक के लिए एड ही नहीं किया ना हमने यहाँ पे अभी तक कुछ भी तो राइट क्लिक करना है और यहां पे हम हाइपर लिंक में जाएंगे और एडिटिपर लिंक करेंगे एडिट हाइपर लिंक में जाएंगे और यहां पे एक लिंक डाल देंगे कोई भी इमेज अभी पैन कार्ड का अगर आपके पास फोटो है तो वो यहां पे आप ऐड कर सकते हैं हम डेमो के लिए यहां पे कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह ऐड करते हैं तो ये देखिए वो हाइपर लिंक इस तरह से आता है मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे ओपन हो जाएगा अगर मैं यस करूंगा तो मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ बट आई एम टेलिंग यू कि इस तरह से हाइपर लिंक एड करते दोबारा देखिए इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और एडिट लिंक में जाना है फिलहाल सेकंड वाले इंप्लॉय को ऐड करना है तो उस टाइम पे फिलहाल पहले इंप्लॉय के लिए हमने किया एडिट लिंक ऐड करना है यहाँ पे

तो यहाँ पे कोई भी एक फोटो ले लो जैसे मैंने चार्ज बैबेज का फोटो यहाँ पे ले लिया है चार्ज बैबेज आपको पता रहेंगे फाउंडर ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर uh, के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए बेसिक टू एडवांस तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक तो वो ज़रूर चेक कर लेना दोस्तों राइट right? वो याद रखना और फिलहाल यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ और यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको कि ये पैकेज ऐड हो चुका है ये कंप्लीटली यहाँ पे एक रो ऐड कर दिया मतलब हमने डेटा सक्सेसफुली ऐड कर दिया जैसे आप टैप करोगे यहाँ पे नेक्स्ट रो में आप आओगे टैप करते ही यहाँ पे लिखना है आपको नेक्स्ट एम्प्लॉय का नाम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सचिन काले राइट right? सचिन काल सचिन शर्मा जो भी नाम है वो लिख दो और टैप करते हुए वहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नंबर टू भी आ रहा है आप लिखते ही और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है अभी देखिए यहाँ पे एक्चुअली एक्सेस के अंदर आप लार्ज डेटा रख सकते हैं बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे लिंक करके रख सकते हैं ये एक्सेस का बेनिफिट होता है दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे एक प्राइमरी की मैंने बताया था आपको प्राइमरी की जो हमने टेबल डिजाइन के वक्त देखा था अब प्राइमरी क्या होता है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा ये आपको जरूरी जानना यहाँ पे आप दोबारा डिजाइन व्यू में जाइए टेबल पर राइट क्लिक कीजिए और डिजाइन व्यू में जाइए डिजाइन व्यू में यहाँ पे प्राइमरी इंप्लॉय आई डी के लिए मैंने एक्सेस रखी है अब इम्प्लॉय आईडी तो ऑटोमेटिक आ रहे तो उसको प्राइमरी की एक्सेस करने का कोई मतलब नहीं बनता है तो मैं चाहता हूं कि मोबाइल नंबर के लिए प्राइमरी की एड करूं लेकिन मोबाइल नंबर कॉलम मैंने ऐड नहीं किया है तो मुझे यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है राइट एक्सेस के अंदर अभी मुझे कोई कॉलम ऐड करना है वहां पे तो इसके लिए मैं यहाँ पे फील्ड्स में क्या करूंगा डिपार्टमेंट के ऊपर या डिजिग्नेशन के ऊपर या सिटी के ऊपर जहाँ पे भी कॉलम ऐड करना है वहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं इंसर्ट रोज करूंगा अब आप बोलोगे कॉलम ऐड करने के लिए आप इंसर्ट रोज क्यों कर रहे हो इंसर्ट रोज इसीलिए करूंगा क्योंकि यहाँ पर रो ऐड करूंगा तो वहाँ पर वो कॉलम आ जाएगा राइट याद रखिए डेट टेबल में हमें कॉलम चाहिए तो यहाँ पे एक रो ऐड करना पड़ेगा और उसमें हमें लिखना पड़ेगा कि भाई मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर ऐड कर रहा हूँ और मोबाइल नंबर के लिए क्या रखना है मुझे शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट लार्ज नंबर लार्ज नंबर यहाँ पे हम रख देते हैं नंबर है बड़ा सा तो यहाँ पे लार्ज नंबर हम इसके लिए रख देंगे लेकिन इसके लिए मैं प्राइमरी की असाइन करना चाहता हूं यहाँ पे क्लिक कीजिए देखिए यहाँ पे क्लिक करना है इसरो को सिलेक्ट करना है अभी इंप्लॉय आईडी के लिए प्राइमरी की अप्लाई है लेकिन बेसिकली इंप्लॉय आई के लिए प्राइमरी की, की कोई जरूरत नहीं है क्यों नहीं जरूरत क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिक नंबर आ रहे हैं तो वो हम टाइप नहीं कर रहे तो रिपीटेड नंबर नहीं आएंगे प्राइमरी की होती किसके लिए मैं पहले बता दूं रिपीटेड नंबर ब्लॉक करने के लिए अगर आपने कोई डबल नंबर टाइप किया है उस लिस्ट में तो प्राइमरी की उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा उस डेटा को तो मोबाइल नंबर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और प्राइमरी की असाइन कर रहा हूं ये देखिए मोबाइल नंबर को मैंने क्या असाइन कर दिया है प्राइमरी की तो मोबाइल नंबर डुप्लीकेट नहीं टाइप हो सकते यहां पे सिलेक्ट करना है मोबाइल नंबर और प्राइमरी की जैसे मैं इसे असाइन करूंगा इंप्लॉय आईडी की प्राइमरी की हट जाएगी पूरे टेबल में एक ही प्राइमरी की अप्लाई हो सकती है और वो जो भी कॉलम के लिए आप रखना चाहते हैं कि यूनिक रिकॉर्ड आ जाए उसमें यूनिक रिकॉर्ड ऐड करने के लिए प्राइमरी की असाइन करना जरूरी है अब ये कॉलम ऐड करने के बाद मैं व्यू में जाकर डेटा शीट में जाना चाहूंगा लेकिन यहाँ पे एक बात है यहाँ पे एक ट्विस्ट है याद रखना है वो मैं बता रहा हूं डेटा एंट्री के दौरान ये आपको भी फेस करना पड़ सकता है जैसे मैं अभी डेटा शीट में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक एरर आने वाला है मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ बता रहा हूँ आपने मोबाइल नंबर को क्या किया है प्राइमरी की अप्लाई किया है लेकिन हमने मोबाइल नंबर ये कॉलम बाद में एड किया है और उसमें एक रिकॉर्ड ऑलरेडी पड़ा है अजय का राइट और अजय को मोबाइल नंबर पे नहीं रहेगा ब्लैंक रहेगा ना वो ब्लैंक रहेगा इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा है तो आप

नल है ना वो और दो रिकॉर्ड हमने ऐड किया और उसमें मोबाइल नंबर हमने ऐड नहीं किया ब्लैंक रखा तो वहां पे वो एरर थ्रो करेगा अब ये करने के बाद आप आराम से डिजाइन व्यू में जा सकते हैं डिजाइन व्यू में मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करके प्राइमरी की अप्लाई कीजिए और डेटा शीट व्यू में दोबारा आके की यस कीजिए अभी एरर नहीं आया क्यों नहीं आया क्योंकि अभी हमारे पास मोबाइल नंबर में डेटा है तो ये छोटी सी चीज़ है जो डेटा एंट्री करते समय आपको एक्सेस में याद रखनी है कि भाई यहाँ पे प्राइमरी की होती क्या और कैसे अप्लाई की जा सकती है अगर मैं ऊपर का नंबर नीचे टाइप करूँ जैसे ऊपर नंबर दिया गया है वो मैं नीचे टाइप कर रहा हूँ और मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं आगे जाऊँगा नेक्स्ट रो के लिए देखिए मैं नेक्स्ट रो के लिए आऊँगा तो वैसे ही एक एरर आएगा राइट तो क्योंकि ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है डुप्लीकेट डेटा आ रहा है यहां पे जरा ध्यान से देखिए क्या आ रहा है डुप्लीकेट डेटा लिख के आ रहा है सो भाई इतना बड़ा एरर पढ़ना नहीं है बस डुप्लीकेट डेटा पढ़ो और काम खत्म करो इसको और इसको डुप्लीकेट की जगह को चेंज करो और फिर आप नेक्स्ट रो में जा सकते हैं आराम से तो इस तरह से इसमें डेटा एंटर होता है आप देख सकते हैं मैंने सारे कॉलम यहाँ पे एड कर दिया इंप्लॉय मोबाइल नंबर सिटी डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट सैलरी एंड All. तो एक्सेस में डेटा एंट्री तो हो गया लेकिन डेटा एंट्री ही इतना काम नहीं एक्सेस का एक्सेस में हम रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं फॉर्म्स भी बना सकते हैं और एक्सेस में क्वेरीज भी होती है अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बाद बारी आती है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में आउटलुक यूज होता है मेलिंग के लिए दोस्तों जी हाँ मेल किस तरह से जैसे आप अगर जी मेल अपना यहाँ पर लॉग इन करके रखते हो या कोई भी ई मेल तो बेसिकली यहाँ पर लॉग इन करके रखने के बाद वो ई मेल के ई मेल्स आप ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट बंद है तो भी हाँ मतलब अब तक जितने ई मेल आए हैं तो वो आप ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं वैसे आप ब्राउज़र में आपका जी मेल भी ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बट यहाँ पर भी आउटलुक बहुत यूज़फुल है जिसमें आप मीटिंग्स वगैरह बहुत कुछ सेट कर सकते हैं तो चलिए आउटलुक की जानकारी अभी लेते हैं लेट्स बिगिन अब हम सीखने वाले माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का इंटरफेस कैसा रहता है और साथ में आउटलुक से हम ई कैसे भेज सकते हैं कैसे भेजते हैं बेसिकली क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपको एडिशनल मिलती है वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानने वाले हैं जा। तो चलिए आउटलुक फटाफट स्टार्ट कर देता हूँ जो कि ऑलरेडी स्टार्ट है मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हमने पिछली स्क्रीन छोड़ी थी जो कि कॉम्पीकर होने के बाद आपको आपका ई अकाउंट यहाँ पर दिखाई देगा जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरा ई अकाउंट आ रहा है उसका इनबॉक्स आ रहा है और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी ओके उसके बाद करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ पहले इंटरफेस समझ लो इसका सबसे पहले ये टाइटल बार आ रहा है ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये किसका इनबॉक्स कौन सा ईमेल अकाउंट लॉग है आपका उसके बाद यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है फाइल होम या ये जो दिखाई दे रही है ये क्विक एक्सेस टूल बारे अंडू रीडू वाला जो ऑप्शंस रहता है ना वो यहाँ पे है इसके बाद ये फाइल होम सेंड रिसीव अलग अलग रिसन्यूज और टैब दिखाई दे रहे हैं होम सेंड रिसीव फोल्डर व्यू ये टैब है और ये टैब का नीचे जो आ रहा है इसे रिबन कहते हैं आपको बेसिकली पता ही होगा अगर आपने मेरे बाकी पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल के ट्यूटोरियल देखे रहेंगे तो तो इन्हें रिबन बोला जाता है रिबन के ढेर सारे ऑप्शन पे आपको दिखाई देंगे ये होम टैब हमने सिलेक्ट किया हुआ है ओके okay. उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये एक साइड पैनल है जिसे आप इसे मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं कैसे मैं आपको बताता हूँ या ये फेवरेट्स को आपको मिनिमाइज़ करना है फेवरेट्स को मिनिमाइज़ कीजिए आउटलुक डेटा फाइल में जो इनबॉक्स है वो आपको नीचे मिनिमाइज़ कीजिए बस ये वाला चाहिए तो यहाँ पर ऐसा रख सकते हैं या फिर एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है ना उस पर क्लिक कीजिए एरो वो एक्सप्लोर होता है ऑप्शन और वो मिनिमाइज़ भी होता है या फिर इस वाले पॉइंट को मिनिमाइज़ फोल्डर पेन ये फोल्डर पेन है जो आपका फोल्डर दिखाता है तो वो मिनिमाइज़ आप कर सकते हैं राइट यहाँ पे फोल्डर पेन जब आप मिनिमाइज़ देखिए ये मैक्सिमाइज़ रहेगा तो इस तरह से ये ऑप्शंस नीचे चले जाते हैं जो जी वाले पे क्लिक है हमारा जी है यहाँ पे कैलेंडर है नीचे बॉटम में मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे फोकस करके देख लीजिए मैं दोबारा दिखाता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये इधर आ चुका है क्योंकि ये मिनिमाइज हो चुका है मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसे और इसे पिन अनपिन कर मतलब यहाँ पे पिन कर देता हूँ तो पिन करने के बाद ये यहाँ पे रहेगा और नीचे बॉटम में देखिए मैंने यहाँ पे पिन किया है यहाँ पे पिन किया तो वो ऐसे दिखाई देगा तो ये देखिए बॉटम में अभी आप देख सकते हैं पहले जी का आइकॉन है सेकेंड आइकॉन जो है कैलेंडर का है थर्ड आइकॉन जो दिखाई दे रहा है आपको कॉन्टैक्ट का है इस तरह से आपको आइकॉन वहाँ पर दिखाई दे रहा है चेक लिस्ट एंड ऑल और वही वही आप अगर इसे मिनिमाइज़ कर देते हो ये छोटा सा तो इस तरह से वही आइकॉन्स आपको यहाँ पे कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा देखिए राइट right? तो आपको अभी अलग स्क्रीन यहाँ पे देखने मिल रहा है जब जी पे आपने क्लिक किया था तो आपका इनबॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा था अब आपने कैलेंडर पे क्लिक किया है तो कैलेंडर्स आपके अपॉइंटमेंट वगैरह जो सेट किए होंगे आगे चलकर हम अपॉइंटमेंट सेट करना सीखेंगे वैसे भी तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी मीटिंग अपॉइंटमेंट्स जो भी हैं कॉन्टैक्ट्स आपने क्रिएट किए रहेंगे कॉन्टैक्ट्स कैसे क्रिएट करना है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा ओके और ये आपके लिस्ट रहेगी यहाँ पे अलग अलग चेक लिस्ट एंड ऑल तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस साइड पैनल में फोल्डर पैनल में मिल जाती है अगर आप इसे चाहते क्लिक करो और यहाँ पे इसे पिन करो पिन हो जाएगा ये कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अभी कोई ऐड नहीं किया हमने ना तो इस आउटलुक में कुछ चीज़ें ऐड नहीं है फिलहाल तो ये मैंने इस तरह से आपको ब्लैंक आउटलुक दिखाया जिसमें हमारी सारी चीज़ें ऐड होगी जैसे जिस चीज़ पे आप क्लिक करते हो उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे ऊपर ऑप्शन उप आपको होम टैब में दिखाई देंगे देखिए आपने कैलेंडर ओपन किया होम टैब के पूरे ऑप्शन चेंज हो गए हैं ध्यान से देखिए अभी यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट न्यू मीटिंग्स ये सारी चीजें इंटरफेस इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ आपको इंटरफेस समझ लीजिए इस पार्ट में ओके उसके बाद आप जी मेल पे क्लिक करते हो तो जी के यहाँ पे ऑप्शन ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे याद रखना है कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो तो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड यहाँ पे ऊपर मेनू होम टैब के अंदर के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये टैब में जो नोटिस मतलब चेंजेस हो रहा है वो नोटिस आपको करना है फिलहाल हमें न्यू ईमेल कैसे सेंड करना है वो देखना है तो मैंने जी पे क्लिक रखा है और यहाँ पे न्यू ईमेल सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको न्यू ई मेल यहाँ पे क्लिक कीजिए मेल के लिए या न्यू आइटम्स में जाइए और यहाँ पे ई मेल मैसेज न्यू आइटम में ई मेल मैसेज पे क्लिक करना है आपको दैट्स इट यहाँ पे क्लिक करो या फिर न्यू ई मेल पे डायरेक्टली आप क्लिक करोगे तो भी चलेगा दोनों ए, एक ही है तो ये क्लिक करते आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है और इसमें ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं तो सबसे पहले सिंपल मेल कैसे भेजना है वो हम जान लेंगे बाकी के सारे ऑप्शंस तो स्टेप बाय स्टेप आगे हम सीखेंगे क्योंकि ईमेल मैसेज पहले सेंड करना हम इसमें जानते हैं सिंपल मेल कैसे सेंड करना रहता है तो ये जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है इसे आप चाहिए तो मैक्सिमाइज कर लो ये पूरा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है अभी ओके okay, तो इसमें क्या आ रहा है टू सी सी यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं बी सी सी भी एड कर सकते हैं जो आगे हम सीखेंगे टू बी सी सी और बी सी सी क्या होता है ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा चाहिए तो पहले टू में ई मेल आई डी उसका डालो जिसको ई मेल आपको भेजना है तो यहाँ पर मैं ई मेल आई डी टाइप कर लेता हूँ कोई भी एक ई मेल आई डी यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लिख देते हैं तो उसको मुझे सपोज ई मेल भेजना है तो मैंने ई मेल आई डी लिख दिया उसके बाद सी सी में कार्बन कॉपी होता है वो हम आगे सीखेंगे बी सी सी भी ऐड करना सीखेंगे पहले टू देखिए और सब्जेक्ट टाइप कीजिए सब्जेक्ट में मुझे हेलो एक ई मेल कैसे प्रॉपरली लिखा जाता है Uh, या फिर मैं कोई एम पेमेंट रिसिप्ट है सपोज पेमेंट रिसिप्ट हम किसी को भेज रहे हैं या पेमेंट अलर्ट्स भेज रहे हैं तो आप यहाँ पे पेमेंट अलर्ट्स लिख देते हैं कुछ भी एक ई हम लेते हैं पेमेंट अलर्ट्स ये सब्जेक्ट लिया एंड डियर सर और मैडम वी डोंट नो होम वी आर सेंडिंग तो इसीलिए मैंने ये लिख दिया सर और मैडम एंड नाउ लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया यो अमाउंट uh, सो एंड सो योर अमाउंट इज पेंडिंग जो भी अमाउंट है वो लिख सकते हैं और यहाँ पे थैंक यू वेरी मच या इधर फोटो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं हम इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं टेबल भी ऐड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखने वाले हैं लर्न मो प्रो फ़िलहाल तो इतना ही ऐड कर देते हैं प्रो राइट right? अब इसमें बेसिक मेल सीख रहे तो इसमें बस फॉर्मेटिंग हम सीखते हैं इसमें फॉर्मेटिंग कैसे करना है सपोज आपको लगता है कि यहाँ पर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो यू कैन मेक इट बोल्ड लाइक दिस यहाँ पे italic यहाँ पे अंडरलाइन ये सारी चीज़ें यहाँ पे ई में कर सकते हैं आप यहाँ पे फॉन्ट भी आप बदल सकते हैं आपको लगता है कि यार इसका फॉन्ट थोड़ा सा अलग होना चाहिए यू कैन गो फॉर द फॉन्ट अभी ये बेसिक चीज़ें मुझे बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक सो योर एक्सपर्ट कि भाई आपको बेसिक तो आता ही होगा ये सारी चीज़ें इसकी साइज़ आपको बढ़ा नहीं हो अमाउंट इज पेंडिंग तो आप बढ़ा सकते हैं स्पेस ज़्यादा हो गया यहाँ पे तो ये जो मैसे बैक स्पेस कर दिया मैंने एंटर करता हूँ मैं अंडू करके तो आपको दिखाई दे रहा है जो भी मैसेज आपको प्रॉपरली हाईलाइट करना है वो चीज़ आप यहाँ पे फॉर्मेट अलग सा कर सकते हैं अमाउंट वर्ड को अलग सा हाईलाइट करना है उसके यहाँ पे सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हैं उसको बुलेट दे सकते हैं ये बेसिक फॉर्मेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती नई चीज़ तो क्लियर फॉर्मेट भी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सारी फॉर्मेटिंग वैसी ही जैसे आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में यूज करते हैं कॉपी पेज कट पेज भी आपको मिल रहा है तो ईमेल में ये यह ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे है आगे आपको ईमेल में एड्रेस बुक भी मिल जाता है मतलब आपको लगता है कि यार ई एड्रेस बुक से ऐड करना है तो एड्रेस बुक पर क्लिक कीजिए फिलहाल एड्रेस बुक में हमने कुछ नहीं ऐड किया कॉन्टैक्ट लिस्ट हमने कुछ क्रिएट ही नहीं की है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करने के बाद दोबारा मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे लिस्ट कैसे आती है वहाँ से भी आप ई ऐड कर सकते हैं आपको बार बार यहाँ पर ई ऐड करने की जरूरत नहीं एड्रेस बुक से डायरेक्ट ई हम ले सकते हैं उसका नेम भी यहाँ पे चेक नेम्स भी कर सकते हैं उसको ओके सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू विद द ईमेल और उसके बाद आपको फाइनली सेंड बटन पे क्लिक करना है हम अटैच फाइल वगैरह ऑप्शंस आगे देखेंगे यहां पे सेंड बटन पे क्लिक करना है डायरेक्टली सेंड हो जाएगा मैं चलो अटैच भी बता देता हूँ अभी इसमें अटैच फाइल सिंपल है आपके पास जो रिसेंट यूज फाइल्स है वो यहाँ पे दिखाई देगी जैसे मुझे ये लोगो अटैच करना है कुछ भी या फिर मुझे ब्राउज करना है कंप्यूटर में जाकर कुछ और फाइल है जो कि वहाँ पे रिसेंट में नहीं है तो ब्राउज करो आपके कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर कौन से फोल्डर में आपकी फाइल है सपोज मेरे लोगोज़ फोल्डर में, में मेरी फाइल है तो कोई मुझे इंपॉर्टेंट फाइल भेजनी है इसमें से ये जो लोगोज़ आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे अलग अलग चैनल्स के तो इसमें से कोई भी एक इंपॉर्टेंट थंबनेल या कोई इमेज मुझे अटैच करके भेजनी है तो वो भी मैं अटैच करूंगा वो स्पेशली यहाँ पर अटैच आपको दिखाई देगा नहीं चाहिए तो इसमें अटैचमेंट में ऑप्शन आ जाता है आपको दिखाई दे रहा है रिमूव अटैचमेंट इसको आप सेव कर इस फाइल को सेव एज भी कर सकते हैं प्रिंट भी कर सकते हैं नहीं चाहिए तो रिमूव कर सकते हैं तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ओके तो यह है आगे अटैच आइटम्स एंड सिग्नेचर है जो आगे के पार्ट में हम देखेंगे फिलहाल के लिए मेल सेंड होता है कि नहीं देख लेते सेंड कर दिया हमने जैसे ये सेंड कर देता हूँ मैं ये मेल आउटलुक के जरिए सेंड हो रहा है और आपको आउटबॉक्स में जाकर देखना चाहिए आउटबॉक्स में यहाँ पे ये ईमेल आपको दिखाई दे रहा है सेंड हो चुका है अगर आप इस ईमेल पे जाकर ये देखिए आउटबॉक्स में चला गया अभी आउटबॉक्स में था पेंडिंग पे अभी वो सेंड हो चुका है तो जैसे वो सेंड हो गया है वैसे आपको मतलब सामने वाले को उसके ई में जाकर वो देखेगा तो उसको डायरेक्टली दिखाई देगा वो सेंड हो चुका है दैट्स इट तो ये मुझे बताना था कि हमें मेल कैसे सेंड करना रहता है क्या क्या स्टेप्स आउटलुक में फॉलो करने रहते हैं मेल सेंड करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन और भी हमें देखने हैं ई मेल सेंड से रिलेटेड अब हम सीखने वाले हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जब हम ईमेल किसी को सेंड करते हैं ईमेल कैसे सेंड करना बेसिकली मैंने आपको बताया है। तो ईमेल जब सेंड करते हैं तो हमें सिग्नेचर कैसे ऐड करनी रहती है और कुछ चीजें और भी हम इसमें जानने वाले हैं तो चलिए आउटलुक फटाफट स्टार्ट कर देता जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है यहाँ पे आउटलुक में आ चुका हूं सेंड करने के लिए आपको जाना होता है न्यू ई में जो कि यहां पर आपको मैंने फोकस करके पहले ही बताया जैसे आप क्लिक करोगे न्यू न्यूमेल का ये डायलॉग बॉक्स आएगा और उसमें हमने अटैचमेंट लास्ट टाइम देखा था अटैचमेंट कैसे ऐड करना है मैंने आपको बताया था यहाँ पे अटैच आइटम भी ऑप्शन है तो अटैच आइटम पहले देखते फिर बाद में सिग्नेचर देखते हैं यहाँ पे अटैच आइटम में आप बिजनेस कार्ड ऐड कर सकते हैं लेकिन आपने बिजनेस कार्ड बनाया होगा तो आगे चलकर हम वो भी देखेंगे क्लिक करते हैं तो कैलेंडर का पर्टिकुलर यहां पर दिखाई दे रहा है आपको कैलेंडर है टूडे और टुमारो और नेक्स्ट सेवन डेज है ना यहां पे पर्टिकुलर आप कैलेंडर यहां पे ऐड कर सकते, सकते। तो हैं uh, है यहां पे, आप पे, पे आपको दिखाई दे रहा है uh, सब उसका ब्री बिजी टनिटी ट्यू वर्किंग एल्सवेयर ये सारी चीजें आप यहाँ पे शो कर सकते हैं ओके शो टाइम विद इन माई वर्किंग हावर्स तो उतना वर्किंग हावर्स का टाइमिंग वहाँ पे कैलेंडर का शो होगा और वो पीरियड वो पर्टिकुलर चीज़ आप ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे ओके okay करना है आपको उसके बाद यहाँ पे यस yes करना है और यहाँ पे वो चीज़ें आ जाएगी आपने जो सेट की रहेगी अभी फ़िलहाल मैंने कुछ सेट नहीं किया है इसमें बस वर्किंग टाइम के हिसाब से कुछ चीज़ें दिखाई देगी इसमें मैंने कोई अपॉइंटमेंट कोई इवेंट सेट नहीं किया अगर मैं अपॉइंटमेंट और इवेंट इसमें सेट कर चुका होता कैलेंडर के अंदर तो वो भी चीज़ें यहाँ पर आ जाती और यहाँ पर वो दिखाई देती आपको फिलहाल ये कैलेंडर यहाँ पर ऐड हो चुका है तो आप ऐसे कैलेंडर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो कि बताना था दिखाया है? मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऐड हो चुका है कैसे ऐड होते हैं लेकिन जब हम कैलेंडर में कुछ इवेंट्स वगैरह सेट करते हैं तो वो भी आपको दिखाई देगा कि हमारे कौन से टाइम पे क्या इवेंट है और आप सेंड करना चाहते किसी को तो वो सेंड कर सकते जैसे आपके बॉस के पूरे के पूरे इवेंट्स आपने मैनेज किए आज के तो आज के इवेंट्स उनको मेल करने आपको जो भी इवेंट्स मीटिंग्स वॉट तो आप वो कर सकते हैं यहाँ से जाकर अटैच आइटम में जाकर कैलेंडर को आपको अटैच करना है और अटैच कर दो दैट्स इट कैलेंडर के उस दिन के या वो पूरे वीक के यहाँ पे ऑप्शन भी आता है आपको कैलेंडर आ रहा है फिर उसके बाद टुडे टुमारो नेक्स्ट सेवन डेज़ के क्या आपके डेट्स है क्या अपॉइंटमेंट है क्या सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी आपको सो पुराने नहीं आएगा बिल्कुल भी उसका जरूरत भी नहीं रहेगा स्पेसिफाइड डेट का चाहिए इस डेट से लेकर इस डेट का तो वो भी आप ले सकते हैं तो होता क्या है जब आप कैलेंडर में अपॉइंटमेंट सेट करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगी अगर आपने सेट की रहेगी तो राइट तो फिलहाल तो मैंने सेट नहीं किया और टाइटल ऑटोमेटिक सब सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आएगा सतीश जोड़े कैलेंडर जो भी है आपका ईमेल में जो भी हेडिंग रहेगा वो आ जाएगा आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको अटैचमेंट में ही आउटलुक आइटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आउटलुक आइटम में यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आउटलुक की मिल जाएगी जैसे कैलेंडर तो आउटलुक का आइटम है कैलेंडर भी है और यहाँ पे बाकी कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी चीज़ें वो आप यहाँ से डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं मतलब आउटलुक के सारे कॉन्टैक्ट्स आपको भेज देने हैं आपके सीनियर्स को या किसको भी तो आप यहाँ से वो भेज सकते हैं बस यहाँ पे सिलेक्ट करना है और कॉन्टैक्ट में लिस्ट भी आ सकता है अगर आपके कॉन्टैक्ट पेयर थे तो वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट भी सेंड करना है तो आप सेंड कर सकते हैं जैसे मोबाइल में किसी को कॉन्टैक्ट सेंड करने के लिए आता है वैसे ही ये यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों तो एज अटैचमेंट ये सेंड होगा एज अ टेक्स्ट सेंड करना है तो एज अ टेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन भी रहता है कि एज अटैचमेंट सेंड करना है या टेक्स्ट करके सेंड करना है तो ये चेक कर सकते हैं आप लेकिन ये चीज़ें क्रिएट नहीं है मेरे पास इसलिए अभी नहीं हो रही सेंड क्योंकि हम कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करना आगे सीखने वाले तब कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आएंगे और कॉन्टैक्ट भी सेंड कर पाएंगे हम बस दिखा रहा हूँ आपको तो लेकिन सिग्नेचर हम यहाँ पे बना सकते हैं और सिग्नेचर पे क्लिक करना है बनाने के लिए जब आप सिग्नेचर्स पे क्लिक करते हैं वैसे सिग्नेचर बनाने के लिए बाहर भी ऑप्शन है ईमेल के अलावा लेकिन यहाँ पे बना लेते हैं है हम सिग्नेचर यहाँ पे न्यू दीजिए क्लिक कीजिए और सिग्नेचर का नाम दीजिए यहाँ पे क्या सिग्नेचर आपको देना है लाइक like आपका जो भी है सपोज मेरा ऑफिस का सिग्नेचर है बॉस का सिग्नेचर है जो भी है मैनेजर का सिग्नेचर है आप एक सिग्नेचर अलग अलग सिग्नेचर्स ऐड करने तो आपको अलग अलग सिग्नेचर्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे तो, तो मैं पहला मैनेजर का सिग्नेचर ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने जो सिलेक्टेड है और यहाँ पे मुझे सिग्नेचर पूरे ऐड करना है उसके लिए ये देखिए ये सिलेक्टेड है अब मुझे यहाँ पे लोगो ऐड करना है या बिजनेस एड कार्ड ऐड करना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है लेकिन बिजनेस कार्ड अभी बनाया नहीं हमने यहाँ पे हाइपर लिंक भी आप ऐड कर सकते हैं फिलहाल लोगो ऐड करते हैं यहाँ पर लोगो ऐड करने के लिए एक छोटा सा ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहा है इमेज का इस पर क्लिक कीजिए और अब देखिए यहाँ पे ढेर सारे लोगो आ रहे हैं मेरे सभी चैनल्स के लोगो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मैं कोई भी एक लोगो ले लेता हूँ फिलहाल छोटे साइज़ का लोगो लेता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है ये वाला आई थिंक सो हाँ ये छोटी साइज़ का लोगो है और मैं इंसेट कर देता हूँ बड़ा लूँगा तो वहाँ पर फिर वो बहुत बड़ी सिग्नेचर में आ जाएगा तो ये लिया मैंने फिर उसके इसे थोड़ा सा नीचे रखना है और फिर चाहिए तो उसके ऊपर कुछ लिखना है या नीचे लिखना है तो नीचे आप लिख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर मैनेजर या जो भी है डेजिग्नेशन वग़ैरह यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह यू कैन आई एडिट लाइक दिस जीरो जीरो डबल टू एग्जाम्पल के लिए कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी ऐड कर देता हूँ तो ये चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे ओके okay करना है देखिए सिग्नेचर के लिए मैंने क्या क्या किया ये सिग्नेचर नीचे तो डिलीट है न्यू करना है सेव करना है सेव कर सकते हैं आप इस सिग्नेचर को सेव करके रख दो और फिर फाइनली ओके okay करना है सिग्नेचर का नाम बदलना है मैनेजर की जगह इसका कुछ और नाम रखना है तो ओके okay कर लो और सेव कर लो सेव करने के बाद अभी आपके ईमेल में और सिग्नेचर चाहिए तो नीचे बॉडी में क्लिक करो ये जो मैसेज बॉडी है देखिए यहाँ पे टू में ई मेल डालोगे जिसको सेंड करना है जैसे मैंने ई मेल डाला था वो ई मेल आई पे देखिए मेरे पास पहले से अभी क्योंकि पहले अगर किसी को ई सेंड किया जैसे जी में होता है ना वो ई मेल आपके आउटलुक में भी वैसे ही दिखाई देगा तो उसके बाद सीसी में किसका और ईमेल आईडी टाइप करना है यहाँ पे हम सिग्नेचर सीख रहे हैं सिग्नेचर ही भेजते बस उसको तो सिग्नेचर मैंने लिख दिया बाकी सब्जेक्ट में और यहाँ पे सिग्नेचर में क्लिक करो और यहाँ पे मैनेजर नाम दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है मैनेजर पर जैसे क्लिक करोगे वो सिग्नेचर यहाँ पे ऐड करेगी ऊपर जो मेल लिखना है लिखो नीचे ये और एंटर करके आपको सिग्नेचर रखना है तो रख सकते हैं और ये मेल सेंड करोगे तो उसे सेंड हो जाएगा अगर आप, आप उसके ई मेल इनबॉक्स में जाके चेक करोगे तो आपको ये ई मेल दिखाई देगा और मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सेंड होता है मैंने ऑलरेडी चेक किया है और मैंने बहुत बार यूज़ भी किया है इसे तो आप भी ट्राई करके देखिए ये सेंड हो जाएगा बस आपका ई अकाउंट कॉम्पीगर होना चाहिए और पार्ट वन में मैंने बताया कैसे कॉम्पीगर कर करना है पहले सबसे पहले तो हमने वही सीखा है राइट साथ में इस मेल को आपको फॉलोअप देना है जैसे इसको फॉलोअप देना है आपको कि ये कैसे मतलब यहाँ पे दिया गया है कि हाई इम्पॉर्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे हाई इंपॉर्टेंस मार्क करके आप भेजो लो इंपॉर्टेंस है इसको बाद में सेकेंड कैटेगरी का ई है तो उसे लो इंपॉर्टेंस ऐसे स्टेटस या टैग्स आप ऐड कर सकते हैं या फिर फ्लैग मैसेज भी कर सकते हैं आफ्टर दिस मैसेज दिस मैसेज इज सेंड इट विल बी अ फ्लैग फॉर यू विद द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉलोअप है ना तो आपको एक इंफॉर्मेशन फॉलोअप के लिए एक फ्लैग होते रहेगा ये जैसे ये सेंड होगा फिलहाल हम सेंड करते हैं उसे हमने फ्लैग किया है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंपॉर्टेंट भी मार्क हमने किया था तो जो चीजें हम करते हैं यहां पे सेंड हो चुका है वो राइट right? आउटलुक में अपॉइंटमेंट कैसे सेट करते ये जानने की तो अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए हमें यहाँ पे न्यू आइटम्स में क्लिक करना है और अपॉइंटमेंट ऑप्शन लेना है यहाँ पे आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑप्शन सेकंड वाला दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा चलिए देखते हैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ सो सब्जेक्ट में अपॉइंटमेंट का सब्जेक्ट क्या है आपका कोई मीटिंग है कोई कोई भी है वाड तो आप यहाँ पे वो लिख दो मीटिंग विथ वह अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर या आप मीटिंग विथ आपका कोई बोर्ड मीटिंग है कोई कंपनी इम्प्लॉय के साथ मीटिंग मीटिंग विथ एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे मीटिंग विथ एम्प्लॉय राइट और यहाँ पे लोकेशन कहाँ पे है कौन से ब्रांच में है या फिर कोई कॉन्फ्रेंस रूम में वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं फिलहाल ये मीटिंग मेरे पुणे ब्रांच में तो पुणे ब्रांच में लिख देता हूँ उसके बाद स्टार्ट टाइम और एन टाइम आपको लिखना है ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखना है स्टार्ट टाइम और एंड टाइम तो स्टार्ट टाइम के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए ऑटोमेटिक आ चुका है नेक्स्ट टाइम मतलब अभी ये तारीख ऑटोमेटिक इसलिए आ चुकी है क्योंकि आज की ग्यारह तारीख मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस पार्ट को तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे जो डेट मुझे सेलेक्ट करनी है अपॉइंटमेंट के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अभी सपोज तेरह तारीख की अपॉइंटमेंट सेट करना चाहता हूँ और कितने बजे की सेट करनी है तो यहाँ पे 24 फोर आवर्स का क्लॉक आपको दिखाई देगा मैं इसे जूम कर देता हूँ आपको दिखाई दे रहा है आपको सुबह का मीटिंग सेट करना है दस बजे का तो आप दस बजे सेट करो दस से साढ़े दस आधे घंटे के लिए ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आपको एक घंटे का करना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं नीचे वाला टाइमिंग आप बदल सकते हैं स्टार्ट टाइमिंग और एंड टाइमिंग तो वही रहेगा और ऑल डे इवेंट पर चेक नहीं करना है आगे दिखाई दे रहा है ऑल डे इवेंट ये तभी चेक करना है जब आपका ऑल डे पूरा दिन यही इवेंट चलने वाला है जैसा कोई सेमिनार एंड ऑल वो भी मैं दिखाता हूं अब ये मीटिंग आपको आज के लिए सेट करनी है मतलब तेरह तारीख के लिए सेट करनी है आज के लिए नहीं तेरह तारीख के लिए ही सेट करनी खाली अगर आपको लगता है कि यार ये रिकरेंस यानी कि इसका रिपीट है मीटिंग डेली रिपीट है या वीकली रिपीट हो रही है तो आपको यहाँ पर रिकरेंस ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पे देखिए राइट साइड में रिकरेंस ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको अपॉइंटमेंट टाइमिंग दिया है आपका दस से साढ़े दस है और थर्टी मिनट्स का ये अपॉइंटमेंट है आप डेली रिपीट करना चाहते हैं वीकली करना चाहते हैं आप यहाँ पे चेक करोगे अभी तो वो एक ही दिन के लिए लग रहा था लेकिन आप डेली करना चाहते हैं वीकली करना चाहते हैं मंथली करना चाहते हैं या ईयरली तो आपके ऊपर है कि ये डेली ईरली तो नहीं रखेंगे कोई सो डेली रिपीट करना है या वीकली करना है इस मीटिंग को रिपीट तो आप वीकली रखोगे और ओके करोगे कैलेंडर में ये मीटिंग वीकली एड हो जाएगी अगर आप डेली एड करोगे तो ये कैलेंडर में डेली एड होगी कैसे डेली एड होगी मैं आपको दिखाऊंगा फिलहाल हम इसे कैंसिल करते हैं आगे एक हम रिकरेंस वाली सेट करेंगे और रिमाइंडर कितने मिनट्स के पहले होना चाहिए कि मैं ये मीटिंग का रिमाइंडर मुझे मिले दस मैं सुबह आकर आउटलुक स्टार्ट करके रखूँगा याद रखिए आउटलुक स्टार्ट करके रखना है अपने कंप्यूटर को मुझे इसका रिमाइंडर मिलने के लिए बेसिकली जितने भी आ, ऑफिस कॉर्पोरेट्स में काम करते वो लोग अपना आउटलुक आके पहले स्टार्ट करते किसने क्या मीटिंग सेट की उनको इनविटेशन आए मीटिंग के वगैरह वगैरह वो सब चेक करते रहते ई में आगे चलकर हम आगे के पार्ट में मीटिंग का इनविटेशन भी सेट करने वाले मीटिंग इनविटेशन सेंड करके वो सामने वाले को कैसे मीटिंग इन्विटेशन सेंड होगा उसे कैसे ई मेल मिलेगा वो सारी चीजें देखने वाले हैं तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि थर्टी मिनट्स पहले मुझे अलर्ट आ जाए कि आज सुबह मैं सपोज नौ बजे ऑफिस आता हूँ साढ़े बजे तक मैं पीसी अपना सब स्टार्ट करके रखता हूँ तो साढ़े बजे मुझे पॉपअप आ जाएगा सामने स्क्रीन पर आगे चलकर मैं पॉपअप दिखाऊंगा पॉपअप नहीं आएगा क्योंकि ये उस टाइम पे आधे घंटे पहले पॉपअप आ जाएगा आउटलुक स्टार्ट करने के लिए नौ बजे आपको साढ़े नौ बजे यहां पे दस बजे की मीटिंग है साढ़े नौ बजे पॉपअप आएगा स्क्रीन पे आगे चलकर मैं पॉपअप दिखाऊंगा कैसा पॉपअप रहता है वो और वो आवाज भी आएगा रिमाइंडर एक टोंग करके आवाज आता है राइट सो ये आप यहां पर रख दोगे इस तरह से रखना है सारी चीजें और सेव एंड क्लोज करना है जैसे आप यहाँ पे सेव एंड क्लोज करते हो ये अपॉइंटमेंट सेट हो गई लेकिन आपको इसे चेक करना है अपॉइंटमेंट गई कहाँ पे सेट होके आपको देखना है तो कैलेंडर में जाना होगा यहाँ पे नीचे बॉटम में आपको कैलेंडर दिखाई देता है याद रखिए ये बॉटम व्यू आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है इसका व्यू अलग अलग रहता है जो आगे चलकर व्यू सेक्शन में हम जानेंगे कि भाई इसका व्यू अलग अलग कैसे होता है ये इधर लेफ्ट साइड में कैसे आता है पैनल चेंज कैसे होता है फिलहाल यहाँ पे बॉटम में आपको दिखाई दे रहा है कैलेंडर तो इस पर क्लिक कीजिए और देखिए मैंने एक अपॉइंटमेंट सेट कर दी है मीटिंग विथ इंप्लॉय तेरह तारीख को पुणे ब्रांच में है ये आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर माउस इसके ऊपर माउस लेके जाओ ऐसा और आप देखेंगे यहाँ पे भी बता रहे थर्टी मिनट्स की मीटिंग एंड ऑल बोर्ड मीटिंग करके अपॉइंटमेंट सेट करना है आपको बोर्ड मीटिंग अर्जेंट मीटिंग जो भी मीटिंग आपको सेट करनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं सो बोर्ड मीटिंग मैंने सेट किया लोकेशन यहाँ पे देंगे हम मुंबई फिर से या जो भी है और यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सेट हो चुका है और यहाँ पे सेव एंड क्लोज ये अपॉइंटमेंट यहाँ पे सेट हो चुकी है ऐसे अपॉइंटमेंट को सेट किया जाता है आप यहाँ पे माउस पॉइंटर रखो आपको दिखाई दे रहा है राइट right, अपॉइंटमेंट को सेट करना बहुत ही इजी है राइट right क्लिक करके उसके ऊपर अपॉइंटमेंट आप सेट कर सकते हैं आपको पूरे दिन इवेंट सेट करना है जैसे तो आपको लगता है कि आपका सैटरडे को कोई सेमिनार है ये पंद्रह तारीख को तो राइट right क्लिक करो राइट क्लिक इसके ऊपर राइट क्लिक करो डायरेक्टली राइट क्लिक करने के बाद ऑल डे इवेंट अगर आप न्यू अपॉइंटमेंट लेते हो तो भी चलेगा उसमें आप ऑल डे इवेंट पर चेक करोगे ये देखिए ऑटोमेटिक चेक होकर वही आ रहा है न्यू अपॉइंटमेंट का स्क्रीन है गाइज बट ऑल डे इवेंट चेक होकर आ रहा है तो यहाँ पे हमारा सेमिनार हम डिलीवर करें इस तारीख को पूरे दिन में हम सेमिनार डिलीवर कर रहे हैं सेमिनार पूरे दिन में और लोकेशन इसका आप लिख दो आपका सपोज कॉन्फ्रेंस रूम कॉन्फ्रेंस रूम में सेमिनार है कॉन्फ्रेंस रूम सो आपका कहाँ पे है सेमिनार सपोज वो ब्रांच वाइज भी लिख सकते हैं सेव एंड क्लोज इस पूरे दिन में ये यहाँ पे टास्क असाइन हो चुका है ऑल डे इवेंट के लिए सो माउस पॉइंट उसके के ऊपर रखो देखिए पूरा आ रहा है कॉन्फ्रेंस रूम में यहाँ पे हो रहा है और ये सारी चीज़ें हैं सो so, इस तरह से अपॉइंटमेंट सेट करते हैं नीचे अपॉइंटमेंट है, तो राइट right क्लिक करो उसके ऊपर और डिलीट करके ऑप्शन आ रहा है अपॉइंटमेंट को आप यहाँ से राइट right क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं जो आपको अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी है हाँ आपको वो लगता है कि यार मुझे पूरे नेक्स्ट पूरे दिन मतलब रिकरेंस करना है अपॉइंटमेंट पूरे पच्चीस से आगे चलकर डेली अपॉइंटमेंट सेट करनी है तो कैसे करेंगे हम लोग उसके लिए न्यू आइटम्स में जाएंगे अपॉइंटमेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे अपॉइंटमेंट तो सेट कर दिया डेली मीटिंग्स करके नाम दिया डेली मीटिंग्स डेली मीटिंग्स डेली डिस्कशन डेली टीम मीटिंग्स कुछ भी ऐसा और लोकेशन वगैरह ऐड कर दिया ऑफिस वडेवर ब्रांच ऑफिस और यहाँ पे डाल दिया सुबह आठ से नौ या फिर नौ से साढ़े नौ और यहाँ पे रिकरेंस करेंगे हम इसे रिकरेंस पे क्लिक करेंगे और डेली रखेंगे और डेली यहाँ पे दिखाई दे रहा है एवरी डे थर्टी मिनट्स आ रहा है यहाँ पे कौन से तारीख से लेकर कौन से तारीख तक आपको चाहिए वो भी रखो आप 25 तारीख से डेली कितने तारीख तक चाहिए 17, 8 अगस्त तक चाहिए या फिर आपको 25 तारीख से लेकर अगस्त में इतना लंबा नहीं जाना है आपको लगता है 25 तारीख से लेकर जून के 10 तारीख तक चाहिए सो यहाँ पे आप ये सेट कर लो देखिए रिकरेंस मैंने सेट किया डेली का देखते ये अपॉइंटमेंट सेट होती कि नहीं हो गया देखते सेट हो गया सेवन क्लोज सेवन क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप देख लो ओहो डेली मीटिंग्स ऑफिस डेली ऑफिस डेली मीटिंग ऑफिस में रहेगी ऑफिस में रहेगी ये दिखाई दे रहा है और नौ बजे की मीटिंग रहेगी ये सेट हो चुके हैं सारे अपॉइंटमेंट यहाँ पे सो बेसिकली अपॉइंटमेंट कैसे सेट करना है डेफिनेटली आपको समझा होगा नहीं चाहिए तो राइट right क्लिक करके उसे आप डिलीट कर सकते हैं कैलेंडर में एक साथ अपॉइंटमेंट यहाँ पे देखे जा सकते हैं कैसे देखना है और इसका पॉपअप आपको आ जाएगा और इस अपॉइंटमेंट को आप इंपॉर्टेंस भी सेट कर सकते हैं हाई इंपॉर्टेंस है इस अपॉइंटमेंट को लो इंपॉर्टेंस है ये अपॉइंटमेंट आपका प्राइवेट है तो आप इस तरह से इसे सेट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट को इम्पोर्टेंस वगैरह रिमाइंडर टाइमिंग सेट करना और अपॉइंटमेंट कैसे सेट करना है डेफिनेटली इस पार्ट में समझा होगा यहाँ पे हम न्यू आइटम्स में और कुछ चीज़ें सीखने वाले अपॉइंटमेंट तो हमने देख लिया कैसे सेट करना है अब बारी है मीटिंग की तो यहाँ पे आपको मीटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैं क्लिक करता हूँ देखिए जैसे मैं मीटिंग क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से आ रहा है यू हैव एन सेट दिस मीटिंग इन्विटेशन एट मीटिंग इन्विटेशन हमने सेट नहीं किया अभी तक सेंड नहीं किया किसी को भी तो यहाँ पर आ रहा है फ्रॉम learnmo स्मार्ट टू एट द रेट जी मेल डॉट कॉम लिख के आ रहा है हमारी तरफ से जा रहा है और किसको जा रहा है टू में हम ईमेल आईडी ऐड करेंगे जिसको मीटिंग के लिए इनवाइट करना है तो अगर आपका ईमेल आईडी पहले से आपके आउटलुक के अंदर है तो इस तरह से आपको दिखाई देगा एनआरआईटी है ना दिखाई दे रहा है आपको ये पहले हमने इसको ई मेल सेंड किया था तो हमारे एड्रेस लिस्ट में तो यहाँ पे आ जाएगा अगर आपने एड्रेस लिस्ट में नाम के साथ ऐड किया है नाम के साथ एड्रेस लिस्ट में कैसे ई मेल आई डी करते हैं एड्रेसेस कैसे तैयार करते हैं पूरा इंफॉर्मेशन कैसे बनाते हैं इंप्लॉय को हम आगे चलकर देख लेंगे लेकिन अगर ऐड है तो यहाँ पे वो दिखाई देगा बहुत सारे ई आप ऐड कर सकते हैं जिनको आप मीटिंग में इन्वाइट करना चाहते हो उसके बाद बारी आती है सब्जेक्ट की आप क्या सब्जेक्ट लिखना चाहते हो मतलब आप उनको बोलना चाहते हो कि भाई बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग है या फिर अर्जेंट मीटिंग या फिर कोई और मीटिंग है कोई टास्क पर आप लोकेशन आपके ऑफिस में कहीं पे, कहा मीटिंग पे है वो लोकेशन आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपके आ, आपका बड़ा ऑफिस है वहाँ पे सपोज आपका कॉन्फ्रेंस रूम में आपकी मीटिंग है ये कॉन्फ्रेंस रूम नंबर वन नंबर टू ऐसे है या ए बी है नंबर तो वो लिख सकते हैं या फिर कोई ब्रांच में है तो आप पुणे ब्रांच ये प्यार ये ब्रांच वो ब्रांच आप लिख सकते हैं और स्टार्ट टाइमिंग यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं मतलब स्टार्ट टाइमिंग कब होगा मीटिंग का और एंड टाइम भी आप डिसाइड कर सकते हैं जैसे हम अपॉइंटमेंट में करते हैं डेट भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं फिलहाल ग्यारह से साढ़े है और ये मीटिंग आपको दिखा दे ग्यारह सराह और अलर्ट कितना रिमाइंडर टाइम टाइमिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं चलिए ठीक है ये आपने कर दिया और आपको यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करना है सिंपली जैसे ही आप ये मीटिंग को इस ई आईडी को सेंड करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे इसे सेंड करता हूँ अभी दूसरा ईमेल आईडी मैंने इस आउटलुक में नहीं लॉगिन किया है अब मुझे करना है तो मैं और एक साथ और ई मेल आई डी एड अकाउंट में जाके कर सकता हूँ मैंने नहीं किया लेकिन दूसरा ई मेल आई डी मैंने यहाँ पे जी मेल में लॉग इन रखा है आपको दिखाने के लिए ये देखिए एन आर आई डी कंप्यूटर वाला ई मेल आई डी जिस पर मैंने इन्विटेशन भेजा है उसको ई मेल जाएगा अगर वो जी मेल में देख रहा तो जी मेल में देखेगा मोबाइल में उसको पॉपअप आ जाएगा अगर जी मेल लॉगिन है उसका तो या फिर आप इसमें भी उसे आउटलुक में दिखाई देगा बोर्ड मीटिंग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ उसको ऑप्शन आएगा कि भाई यस मे बी और नो आपको यहाँ पे टिक करना है आप मीटिंग में शामिल हो रहे है कि नहीं हो रहे है येस yes. नहीं मे भी मतलब हो गया नहीं होंगे आपका कोई दूसरा मीटिंग है तो नो यहाँ पे आप दे सकते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं तो यहाँ पे ये आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं रिस्पॉन्स के लिए लेकिन अगर आप आउटलुक में अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा ये जो हम यूज़ करें बेसिकली ये मैंने मीटिंग जो सेट की है ये ऑफिस पीस टू के आउटलुक में की है ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव का आउटलुक का कुछ अलग लुक रहता है अब मेरे पास ऑपिस थ्री सिक्सटी फाइव का आउटलुक है लेकिन दूसरे कंप्यूटर में लेकिन मैंने कुछ स्क्रीन शॉट लेके रखे उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए अगर आप ऑपिस थ्री सिक्सटी फाइव का आउटलुक यूज़ करते बेसिकली तो यहाँ पर किस तरह से आएगा आपको दिखाता हूँ सेम आ रहा है रिक्वायर्ड आता है वहाँ पे जो टू ईमेल आईडी आ रहे थे वहाँ पे रिक्वायर्ड आ रहा है, मीटिंग का टाइटल आप ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शनल में मतलब सीसी डाल सकते हैं किसी और का ईमेल आईडी सीसी, जिसको रखना है आप सीसी पता है आपको कार्बन कॉपी जाएगी उसके और लोकेशन और यहाँ पे इस तरह से आ रहा है और सेम बटन भी आ रहा है सेम ही है आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल रहा है ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव के अंदर जब आप ये इनविटेशन किसी को भेजोगे तो उसे आउटलुक में कैसे दिखाई देगा हालांकि ये जो स्क्रीनशॉट है एक्चुअली ये मेरे आउटलुक का स्क्रीनशॉट मतलब मेरे ऑफिशियल आउटलुक का स्क्रीन शॉट है इसलिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर ब्लर रख रहा हूँ तो मैं ब्लर रख रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट बातें है वो मैंने यहाँ पे ब्लर रखी है और यहाँ पर आपको ये दिखाना जरूर चाहूँगा यहाँ पर फोकस भी कर लेते हैं हम एक्सेप्ट दिखाई दे रहे आपको एक्सेप्ट टेनेटिव और डिक्लाइन उसको क्या बताना है कि कुछ बताना है टेनेटिव है एक डिक्लाइन करना है मीटिंग को टेनेटिव मतलब वेटिंग पे कुछ है या फिर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट के लिए एडिट द रिस्पॉन्स बिफोर सेंडिंग रिस्पॉन्स में एक्सेप्ट खाली क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट ही जाएगा सेंड द रिस्पांस नाउ एक्सेप्ट ही जाएगा और अगर कुछ एडिट करके टाइप करके भी भेजना है कि मीटिंग में ये भी पॉइंट्स शामिल कर लो वगैरह करके तो आप यहाँ पर टाइप करके भी सेंड कर सकते हैं ये ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव में इस तरह से आपको दिखाई देगा राइट मेल कॉन्फिडेंशियल इसलिए बाकी की चीज़ें मैंने यहाँ पे ये की है सो so बेसिकली ये इस तरह से जाएगा मीटिंग का इनविटेशन सामने वाले को मैंने वो बता दिया आपको कि कैसे सेट होता है मीटिंग का इनविटेशन अब मीटिंग का इनविटेशन उसे किया उसने एक्सेप्ट किया सारी चीज़ें की अगर हमें देखने की हमारे मीटिंग्स का स्कड्यूल कहाँ पर तो हम कैलेंडर में जाएंगे कैलेंडर में आपको पता है कैलेंडर में हमारी मीटिंग्स का सारी सारी चीज़ें मिलती है तो आज की तारीख है आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दस तारीख है तो यहाँ पे मैंने सेट किया था ये देखिए बोर्ड मीटिंग लास्ट यहाँ पे मैंने दो तीन सेट किए कल भी मैंने आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पे बताया था मतलब कल रिकॉर्डिंग कर रहा था अभी तो अभी यहाँ पे बोर्ड मीटिंग पुणे दिखाई दे रहा है आपको ये वाला ही हमारा माउस पॉइंट उसके ऊपर रखते हैं बोर्ड मीटिंग पुणे पंद्रह मिनट बिफोर अलर्ट आ जाएगा इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो क्लिक करते यहाँ पे ट्रैकिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना ट्रैकिंग कितने लोगों ने यस किया कितने लोगों ने नो किया यहाँ पे आपको आ जाएगा अगर वो आउटलुक के थ्रू यस वगैरह मैसेज रिप्लाई करते हैं आपको तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको दिखाई देंगे कितने लोग ज्वाइन होने वाले कितने नहीं होने वाले वो ट्रैक अप कर सकते हैं रिस्पॉन्सेस वगैरह को यह मीटिंग को आप हाई इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं वगैरह सब यहाँ पे दिया गया है तो इस तरह से यहाँ पे मीटिंग सेट कर सकते हैं और इस मीटिंग को कैंसिल करना है तो कैंसिल मीटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं जिससे आप अगर कैलेंडर में जाकर दोबारा देखते हैं अभी मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ नो डोंट कैंसिल क्लोज मीटिंग यू सेंड यस सेंड कैंसलेशन यहाँ पे डू यू वॉन्ट टू से कैंसिल दिस मीटिंग अगर कैंसिल करना है ये मैं पता ना भूल गया वहाँ पे क्लोज करने के बाद यह मैसेज आएगा आपको क्योंकि आपने कैंसिल किया ना ऑलरेडी सो यहाँ पे क्या आएगा कैंसिल करने के बाद डू यू वॉन्ट टू कैंसिल दिस मीटिंग यस सेंड कैंसलेशन कैंसिलेशन सेंड हो जाएगा नो डोंट कैंसिल क्लोज द मीटिंग ओनली मीटिंग क्लोज करना है ओपन की थी ना मीटिंग क्लोज हो जाएगा कैंसिल नहीं होगा तो मैं यस yes करता हूँ कैंसिल करना है मुझे कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ से ये मीटिंग निकल गई है अब यहाँ पर ये मीटिंग निकल गई है और मैं जी मेल में आ रहा हूँ यहाँ पे इनबॉक्स में आ रहा हूँ यहाँ पे मीटिंग कैंसिल का एक और ऑटोमेटिक ईमेल आ जाएगा आपको डालने की जरूरत नहीं है ना इंटरेस्टिंग तो आप वहाँ पे कैंसिल करोगे मीटिंग तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुका है ये वाला मीटिंग दिस इवेंट हैज़ बिन कैंसिल तो सामने वाले को मिल जाएगा कि अरे हाँ ये इवेंट जितने लोगों को अपनी मीटिंग में शामिल किया उन सभी को मिल जाएगा कि भाई हाँ ये ये मीटिंग अभी कैंसिल हो चुका है सर ने कैंसिल कर दिया हमें इस मीटिंग में शामिल नहीं होना है राइट right? तो इस तरह से आप मीटिंग्स स्केड्यूल कर सकते हैं मीटिंग को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे ढेर सारी मीटिंग्स आपने लगी हुई है एक साथ कैलेंडर में आप देख पाओगे वो आपके ऊपर है कैलेंडर में आपको देखना है नहीं देखना है लेकिन आप उस इंडिविजुअल मीटिंग के ऊपर जाके अपॉइंटमेंट के ऊपर जाके उसे डिलीट करना है कैंसिल करना है जो भी आप करना है वो कर सकते हैं उसका स्टेटस देखना देख सकते हैं तो दोस्तों ये था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्रैश कोर्स और इस क्रैश कोर्स में जितने भी शॉर्टकट कीज मैंने बताए उनकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है एप्लीकेशन के ऊपर स्किल कोर्स एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको स्टडी मटेरियल नाम पे टैब पर जाना है उसके अंदर आपको जाना है यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल उसमें कंपनी टेक्नोलॉजी चैनल नाम का एक फोल्डर रहेगा और उसके अंदर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्रैश कोर्स का फोल्डर उसी में आपको मिलेगा शॉर्टकट कीज़ प्रैक्टिस फाइल सब कुछ मिलेगा तो ये मैंने पूरी पूरी प्रोसीजर बताई है और सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा वो वीडियो के बीच में आपको मैंने बता दिया राइट अब मैं फिर से दोबारा नहीं बताऊंगा मैं चाहता हूं कि भाई पहले आप सीखो देखिए सर्टिफिकेट की वैल्यू तभी है जब आपको उसका नॉलेज है याद रखिए नहीं तो सर्टिफिकेट लेके जाओगे कंपनी में दिखाओगे हाँ मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है मैंने ये क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लिया है लेकिन जब आपको कंप्यूटर पर बिठाए भाई दे दो चल मुझे बना के बताओ कि भाई एक्सेल के अंदर ये कैसे बनाते हैं ये कैसे करते हैं वो कैसे करते तो आपको यू लाइक दिस कि भाई आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरह से रखा है सो दैट्स इट गाइड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना सब्सक्राइब कर लेना जो भी है जितने भी चीजें मैंने बताई वो सब कर लेना तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए सीखते रहो और सिखाते रहो लोगों को बाय बाय